हेलो 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 एंड गुड इवनिंग एवरीवन कैसे आप लोग सभी क्या हाल चाल क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है मैं आप सभी को दिखाई सुनाई दे रहा हूं एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू बताइए क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है बताइए हु हैज फोटो करेक्शन प्रॉब्लम अलग ही दुख दर्द चालू हो गया है अभी जय अब सोचो यार मेरे को एक बारी हंसी आ रही है कि कोई भी नोटिफिकेशन मतलब रिलीज करना पड़ रहा है कि तुम लोग भैया बाथरूम वथरूम इतना ज्यादा जा रहे हो और बाथरूम जाके चीटिंग कर ले रहे हो तो बाथरूम से आओगे तो फिर से तुम लोग का चेकिंग करेंगे बताओ चोर पुलिस का खेला हो गया है ये ही हो गया है कि चोर पुलिस का खेला हो गया बताओ यार गजब कर दिया हो तुम लोग कैसे आप लोग सभी फटाफट बता दीजिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं कोर्डिनेशन कंपाउंड पूरा लेक्चर वन शॉट में खत्म करेंगे वो तो कर ही लेंगे और टाइमिंग की बात करें तो मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर अपन अराउंड सेवन टू एट आवर्स में खत्म करने की कोशिश करें उसमें ब्रेक के साथ साथ वो साढ़े आठ घंटे के आसपास चला जाएगा ये हमारा टारगेट रहेगा सर क्लियर है क्या बहुत बढ़िया मेरी आवाज़ आ रही तो एक बार फटाफट दिल बना दीजिए फिर हम स्टार्ट करेंगे सीधा सेशन और क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक बारी चेक कर लेते हैं चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन लीगेंड और आई योमलेचर की बात करेंगे उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे जो है थ्योरीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स फिर हम मेटल कार्बोनिल यानी कि सेनोर्जिक बॉन्डिंग की बात करेंगे उसके बाद हम आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेज और फिर लास्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट थोड़ा बहुत उसको यहां पे देख लेंगे और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हम पीवाई क्यूज वी विल बी डूइंग पीवाई क्यूज फ्रॉम ट्वेंटी से लेकर के 2023 तक 2020 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के पीवाईक्यू आपके इस पीपीटी में हैं बहुत सारे पीवाईक्यूज हम कर पाएंगे बहुत सारे पीवाईक्यूज हम नहीं कर पाएंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम भी आपको पता है तो इसी के लिए जो बच जाएंगे उनको मैं यहीं पर छोड़ दूंगा आप उनको अपने लेवल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे वो सारे पीवाईक्यूज आपको एक साथ मिल जाएंगे चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं कि वॉट इज अ कॉम्प्लेक्स है अगर कोई आपको जनरली मतलब एक सॉल्ट की कैटेगरी होती है सर कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इट इज कैटेगरी ऑफ अ सॉल्ट इट इज कैटेगरी ऑफ सोल्ट अगर हम बात करें किसी सॉल्ट की तो आपको सॉल्ट के बारे में कुछ कुछ बातें पता है सर इफ एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन पानी और सॉल्ट बन जाता है सर एसिड अगर बेस से रिएक्ट करे तो पानी और सॉल्ट बन जाता है और यहां पे अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे तो यहां पे हम सॉल्ट को कैटेगराइज करेंगे सॉल्ट क्या होता है सर कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कैटायन भी हो और अनायन भी हो कैटायन प्लस अनायन कैटायन कहां से आता है सर किसी सॉल्ट में कौन से पार्ट से न्यूट्रलाइजेशन के किस पार्ट से कटायन आता है सॉल्ट में बताइए <coughs> बताइए सर अभी दिखाऊंगा तुम्हें हंसी आएगी हर पेपर में दो सवाल एवरी पेपर मतलब मैं ये नहीं कह रहा ऑलमोस्ट एवरी पेपर कंटेन्स टू क्वेश्चन हाँ बताइए तो आप बोलोगे सर कटायन जो है वो बेस के पार्ट से आता है

और एक का मतलब है एक टाइप का कटायन और एक ही टाइप का अनायन होगा सर नंबर दो तीन हो सकते हैं बट टाइप सेम होगा और अगर हम इधर आ जाए सिंपल सॉल्ट के बाद दूसरे सॉल्ट पे तो ये होता है डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट की बात करें या डबल सॉल्ट नहीं बोलते इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड दूसरा कैटेगरी जो होता है वो क्या होता है सर मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड इस मॉलिकुलर एडिशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो मैं आपको इसको बनाने का तरीका भी सिखा देता हूं मैं इसको आपको बनाने का तरीका भी सिखा देता हूं एक मॉलिकुलर या फिर एडिशन कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे जैसे एग्जांपल के लिए इसकी खासियत क्या है सर तो आप बोलोगे इसमें आइदर इसमें आइदर मोर देन वन वन कैटायन और अनायन और बोथ एक से अधिक कटायन एक से अधिक अनायन या दोनों एक से अधिक हो तो उसको हम मॉलिकुलर एडिशन कंपाउंड कहेंगे एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या है जस्ट लेट्स गेट इट क्लियर एडिशन कंपाउंड का मतलब है जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है जिसका नाम है कॉपर uh, सल्फेट एक सॉल्ट ले, ले लेते हैं जिसका नाम है केसियन ठीक है इस केसियन सॉल्ट में इस के सॉल्ट में हम क्या ऐड कर देंगे सर इसमें मान लो हमने ऐड कर दिया एफिसन Hole two, है ना? इसमें हमने क्या ऐड कर दिया सर एफिसियल होल टू इन दोनों सोल्ट को दोनों सोल्ट है सॉलिड फॉर्म में आ सकते हैं, ऐसा मान लेते दोनों को चम्मच से मिला दिया और हमने रेशियो फिक्स किया हमने रेशियो फिक्स किया कि इसको वन इज टू फोर में ऐड करेंगे मतलब एक मोल इसका और चार मोल इसके तो जब हमने इसको ऐड किया ऐड करने के बाद ये सॉल्ट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बन गया इसको हमने पानी में डिजोल्व किया पानी में डिजोल्व करने के बाद फिर से क्रिस्टलाइज कर दिया पानी उड़ा दिया एवेपोरेट करा दिया पानी को एवेपोरेट कराने के बाद जो हमें नया सॉल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा एफी सी एन होल टू डॉट फोर के सी एन इसका मतलब अब ये मिलके एक सॉल्ट बन गया है और इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे आप पूछोगे इसमें कितने कटायन दिख रहे हैं आप बोलोगे सर इसमें दो कटायन दिख रहे हैं एक आयरन प्लस टू और एक पोटेशियम प्लस इसमें कितने अनायन दिख रहे हैं इसमें एक ही अनायन दिख रहा है सर दैट इज साइनाइड जो कि बहुत जहरीला अनायन है लेकिन अगर हम बात करें यहां पे हमारे पास मोर देन वन कटायन है और एक ही अनायन है मतलब कटायन या यान कोई भी एक से ज्यादा हो जाए तो उसको हम एडिशन कंपाउंड कह देते हैं वी कॉल सच कंपाउंड 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 एडिशन एडिशन इसको हम क्या कहते है? addition compound कहते हैं हैं तो वापस आते हैं एडिशन कंपाउंड में क्या है सर आइदर मोर देन वन कटायन और अनायन या फिर दोनों एक से ज्यादा फिर एडिशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एडिशन कंपाउंड को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिसमें एक का नाम है डबल सॉल्ट एक का नाम डबल सॉल्ट है और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है मैं बार बार कॉम्प्लेक्स शब्द यूज करूंगा मैं बार बार कॉम्प्लेक्स शब्द यूज करूंगा इसके पीछे आप लोग पूछ सकते हो कि सर क्या रीजन है कॉम्प्लेक्स यूज करने का एक बहुत ही सिंपल और सरल रीजन है इसके नाम के आगे कॉम्प्लेक्स यूज करने का क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा आसान कॉम्प्लेक्स लिखना है छोटा है इस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स लिखना यूज करेंगे तो डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें डबल सॉल्ट की क्या खासियत होती है डबल सॉल्ट भी एक मॉलिकुलर एडिशन कंपाउंड है इसी तरीके से बनता है दो सोल्ट को मिलाया दो सोल्ट को पहले पाउडर फॉर्म में मिला लिया या दोनों के सॉल्यूशन को मिलाया और पानी को इवेपोरेट कर लिया कॉम्प्लेक्स भी इसी तरीके से बनता है लेकिन इसकी खासियत यह है कि डबल सॉल्ट जो है वो आपको गिव टेस्ट फॉर ऑल इट्स आयन गिव टेस्ट फॉर ऑल इट्स आयन ये अपने सभी आयन का टेस्ट देगा आप लोगों ने आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे साथ ही लक्ष्य में पढ़ रहे होंगे प्रयास में पढ़ रहे होंगे मतलब पीडब्ल्यू में ही कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीडब्ल्यू के बाहर भी पढ़ रहे होंगे लेकिन अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे बारहवीं के बच्चे या जो ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा और जब उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा उन्होंने जब प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा तो उसमें सॉल्ट एनालिसिस आई होगी मतलब हम डिफरेंट आयन का टेस्ट कर सकते हैं यहां पे लिखने का मतलब है गिव टेस्ट फॉर ऑल इट्स आयन का इसका मतलब है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो सॉल्ट एनालिसिस करते हैं वहां पे अपने सारे टेस्ट देगा अगर हम करवाएंगे उसके बाद अगर हम इधर आते हैं सर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स जो है ये अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देता डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स आयन ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक से अधिक कटायन हो एक से अधिक अनायन हो लेकिन वो अपने सभी आय का टेस्ट ना दे उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स कह देते हैं इसके लिए एक और टर्म यूज होता है मान लो कल को अभी ना जे आजकल क्या कर रहा है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछ रहा है तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गिव टेस्ट फॉर ऑल इट्स आयन को हम लिख सकते हैं कि इट लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस क्वेश्चन लूज इट्स आइडेंटिटी ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है मतलब सारे आयन अलग अलग हो जाते हैं जैसे मान लो इंडिया इंडिया का 1857 का रिवोल्ट देख लो है ना उस टाइम पे जब इंडिया रिवोल्ट कर रहा था अंग्रेज के खिलाफ तो सबका रीजन अलग अलग था उधर से मंगल पांडे भाई साहब लोग जो थे उन लोगों का रीजन अलग था कि हमको भैया कारतूस दे दिया है कुछ और लोगों का रीज़न अलग था कि हमारी जमीन हड़पली है सबका रीज़न अलग अलग था सबको आसानी से तोड़ा जा सकता था तोड़ा मतलब उनकी एक आइडेंटिटी नहीं थी लेकिन वही इंडिया का जब आगे का फ्रीडम स्ट्रगल्स हुआ तो उनकी एक आइडेंटिटी थी कि वी वांट अ फ्री नेशन दैट इज इंडिया तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसके साथ क्या होगा सर इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख के बात कर लेते हैं आपकी एनसीआर डबल सोल्ट के तीन एग्जाम्पल देती है उन तीन एग्जाम्पल को एक एक करके फटाफट फड़ा हम देख लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें हम डबल सोल्ट के एग्जाम्पल ले रहे हैं है ना दिस आर ऑफ डबल सोल्ट तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप ले लो पोटाश एलम पोटाश एलम क्या है सर वो फिटकरी है जो आप लोग यूज करते हो बार बार घरों पर देखा होगा फिटकरी तो आप कहेंगे पोटास के टू एसओ फोर पोटासियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट ट्वेंटी फोर एच टू अब अगर इसको भैया पानी में डालोगे इसको भैया इसका टेस्ट कैसा होता है किसी को पता है क्या हाँ, फिटकरी, करी पोटासियम का टेस्ट कैसा होता है किसी को पता है बताइए? इसको अगर अपन पानी में डालेंगे अगर इसको अपन पानी में डालेंगे तो आप बोलोगे सर इसमें जितने भी कटायन अनायन है वो सब हमें मिलेंगे मतलब इसमें पानी में डालने के बाद के प्लस आयन में भी डिसोशिएट होगा ये हमें सल्फेट आयन भी बना के देगा ये हमें एल्यूमिनियम आयन भी बना के देगा आप लोग ये बता सकते हो एल्युमिनियम आयन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं ड्यूरेशन जो पूछ रहे हैं उनको बता दूं लगभग अराउंड अपन कोशिश करेंगे सेवन टू एट आवर्स में हाँ सॉल्टी? नहीं ये थोड़ा सा ना खट्टा सावर टेस्ट आता है इसका थोड़ा खट्टेपन में इसका टेस्ट आता है हाँ और एक मजेदार बात अगर तुम फिट करी जैसे कुछ हमारे यहां तो ऐसा कहते हैं कि अगर तुम्हें मुंह पे वो हो जाते हैं ना अल्सर हो जाते हैं माउथ अल्सर तो फिटकरी वाले पानी से गला, आ, गार्गल कर लो मुंह को ऐसे कर लो उससे ठीक हो जाएगा खैर पे बात सवाल पूछ रहा हूं, प्लस थ्री को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है सॉल्ट एनालिसिस में उस टेस्ट का नाम क्या है इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो आपकी एनसीआरटी देती है हम तो पहले बहुत ज्यादा पढ़ते थे क्यों क्योंकि ये मेटलर्जी में भी हमें पढ़ना होता था अब मेटलर्जी से इसको हटा दिया तो दिस इज कार्नालाइट जिसका फॉर्मूला है के सी एल डॉट एम जी सी एल टू है ना डॉट सिक्स एच टू हो इसको भी अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये भी हमें कौन कौन सा आयन देगा सर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए के प्लस एम जी प्लस टू और साथ में सीएल नेगेटिव कुछ बुद्धिमान लोग हैं ना जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है वो आके ये भी बोलेंगे सर पानी भी तो टेन की पावर माइनस सेवन में टूटता है H प्लस ओ एच माइनस इन सब चीजों के चक्कर में नहीं रहना है सर हां लेक टेस्ट करते हैं बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया लेक टेस्ट करते हैं फॉर एल्यूमिनियम वेरी गुड बहुत ही शानदार चलिए तो हम इसकी बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट थर्ड एग्जाम्पल इज मोहर सॉल्ट मोहर अंकल ने अपना सॉल्ट दिया और क्या नाम दिया इसका मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट फट कौन सा सल्फेट होता है और कितना पानी होता है बताइए क्या अमोनियम का सल्फेट होता है आयरन में फेरिक का या फेरस का किसका सल्फेट होता है बताइए फटाफट फट? बहुत बढ़िया तो मोहर सॉल्ट इज अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट सिक्स पानी इसको पानी में डालोगे तो क्या क्या मिलेगा दोस्त तो जल्दी से बता दो इसको अगर, अगर, अगर अपन पानी में डालेंगे तो क्या क्या मिलेगा तो आप बोलेंगे सर सर इसको पानी में डालने कटायन कटायन अनायन तो एक ही है सर, सल्फेट दो है, एक एक प्लस टू, और दूसरा एनएच फोर प्लस एन एच फोर प्लस का टेस्ट कैसे करते हैं हाउ वी टेस्ट अमोनियम आयन इस बार कम से कम तीन बार सवाल पूछा है हाउ वी टेस्ट अमोनियम आयन से कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं बहुत बढ़िया तो आप देखेंगे ये ये सारे कटायन दे देगा तो ये सब डबल डबल है सर सर इट ऑल आर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया लीगेसी जी सही आंसर देते हुए रिएजेंट वेरी गुड चलिए आगे आते हैं इसके बाद हम कंपाउंड के।, तो ले के दिया था एफ टू डॉट फोर के अंकल लोगों ने इसको पानी में डाला तो इसको पानी में डालने के बाद अंकल लोगों ने टेस्ट करना चालू किया टेस्ट कैसे किया भैया तो इन्होंने बोला कि अच्छा चलो भैया हमारे पास एफी टू प्लस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बोलो सीएड माइनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई बहनों बताइए एफी टू प्लस आया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो आप बोलोगे मिलना तो चाहिए बट ये इसका टेस्ट नहीं देता है इसका टेस्ट नेगेटिव आया सर नेगेटिव आने का जैसे कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब है तुम्हें कोरोना नहीं है कुछ लोगों को ना टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब लगता है कि नेगेटिव तो मतलब गलत है ना कि नहीं अच्छा नेगेटिव का सीधा मतलब यह है कि तुमने उस टेस्ट में अगर किसी टेस्ट में किसी ब्लड टेस्ट तुम किसी चीज का करा रहे हो और वो नेगेटिव आया इसका सीधा मतलब है कि भैया तुम उससे पीड़ित नहीं हो बहुत बढ़िया तो अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज नेगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है सर कि आयरन का टेस्ट ही नहीं दिया अरे भैया ये कैसा कंपाउंड है इसमें आयरन है प्लस टू हमें पता है सबको पता है लेकिन ये टेस्ट का ही नहीं दे रहा है तो बाद में पता किया गया कि अच्छा ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करा सी एन माइनस का टेस्ट दे दिया के प्लस का अच्छा सॉरी सी एन माइनस का भी टेस्ट इसने नहीं दिया इसने सिर्फ के प्लस का टेस्ट दिया आप बोलोगे अरे यार इतने तो कटाइन अनयन का टेस्ट ही नहीं दिया कुछ कटाइन कुछ अनयन का टेस्ट नहीं दिया इसका मतलब इट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी और अगले पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा इसी क्लेन को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा गया और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया तो इसको रिप्रेजेंट किया गया के फोर होल सिक्स से ये रिप्रेजेंटेशन करना भी हम सीखेंगे इसके लिए घबराना नहीं है इस तरीके से और इस तरीके से जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट किया तो ये जो बड़ी दीवार बनाई है ना ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाया है ये भैया अंबुजा सीमेंट की दीवार है टूटेगी नहीं इसकी दीवार है अंबुजा सीमेंट की टूटेगी नहीं और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं अंबुजा सीमेंट वालों ने मुझे इस स्टेटमेंट देने का एक भी पैसा नहीं दिया है अगर देना चाहे तो देखते हैं बात करेंगे ठीक <laughs> है हां लेकिन डबल सॉल्ट क्या करता है वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता सारे आयन में टूट गया ये सारे आयन में नहीं टूटा एक और ऐसा एग्जांपल है सर <laughs> सी यू एसओ फोर डॉट फोर एन एस थ्री इस कंपाउंड को भी आप देखोगे तो जिस तरीके से वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वैसे ही ये क्या है सर अमोनिया है, है ना अमोनिया ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसको भी अगर आप देखोगे इसको अगर हम पानी में डालते इसको अगर हम कभी भी पानी में डालेंगे तो हमारे पास कौन कौन सा आयन का टेस्ट मिलना चाहिए हमें कॉपर प्लस टू का टेस्ट देना चाहिए ये हमें सल्फेट आयन का टेस्ट देना चाहिए ये हमें अमोनिया का भी टेस्ट देना चाहिए ये अमोनिया का भी टेस्ट किससे करते सेम नेशनल रिएजेंट के इन बेसिक मीडियम तो आप बोलोगे कि सर ये इसका तो टेस्ट देता है लेकिन इसका टेस्ट नहीं देता इसका टेस्ट नहीं देता फिर आप बोलोगे ओ हो हो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है ये भी दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है फॉर्मूला लिखना भी अपन सीख लेंगे घबराने का नहीं एन एच फोर एन एच थ्री होल फोर और बाहर की तरफ सल्फेट और फिर से ये क्या है सर ये अंबुजा सीमेंट की दीवार है भैया टूटेगी नहीं इसके अंदर जो चीज आया वो नहीं टूटेगा क्लियर है बात तो ये था कॉम्प्लेक्स ऐसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इसी टाइप के कंपाउंड के बारे में आज हमें पढ़ना है याद रखना आज की क्लास में हम बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे और ऐसी ऐसी आर के साथ पढ़ेंगे जिसके बाद तुम्हारा सवाल करना हंड्रेड पक्का हो जाएगा तुम कॉम्प्लेक्स के सवाल अगर आज क्लास करने के बाद आज तो चलो मान लेते हैं लेट नाइट हो जाएगा थोड़ा कल सुबह जाके अगर तुम सारी क्लास पूरी ईमानदारी से करते हो अंत तक टिके रहते हो तो तुम एडवांस के सवाल जाके कर लोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हर साल दो से तीन सवाल आते हैं एवरी ईयर इट कंटेन टू टू थ्री क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को भी ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है वैसे इससे रिलेटेड कभी जेई ने सवाल नहीं पूछा है बट फिर भी देख लो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जिसमें से एक को हम बोलते हैं क्या सर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स परफेक्ट कॉम्प्लेक्स परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है जो हाईली स्टेबल होता है जो हाईली स्टेबल होता है मतलब इसको तुम लालच वालच नहीं दे सकते कि लालच दे के रिएक्शन करवा ले कुछ नहीं होने वाला इसका और एक होता है इम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स इम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कैसा होता है सर तो ये हाईली स्टेबल नहीं होता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है सर इसका मतलब इसको लालच दोगे ना

फोर और यहां पे के टू एक कॉम्प्लेक्स है और दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो के टू सी डी सी एन होल फोर ये दोनों कॉम्प्लेक्स है सर एक कॉपर का है दूसरा कैडमियम दूसरे में कैडमियम एल मेटल है अगर हम यहां पे बात करें तो मान लो इसके सामने हम लालच देते हैं जैसे छोटे बच्चों को लालच दिया जाता ना पढ़ ले इस बार रैंक वन आया तो तुमको साइकिल दिलवा देंगे फिर तुम अब अब जैसे तुम जिस स्टेज पे हो अगर एन जाओगे तो ई वाला लैपटॉप लेंगे पापा अगर आई चले गए तो मैकबुक लेंगे है ना तो वैसा ही है यहाँ पे भी क्या है लालच वाला सीन है सर इसकी रिएक्शन मान लो हम किसी ऐसे रिएजेंट से करवाते हैं लेट सपोज एक रिएजेंट लेते हैं H2S तो ये H2S का जो सल्फाइड आयन है ना सर ये लालच देगा कैडमियम को भी ये लालच देगा कॉपर को भी जब एक कैडमियम को लालच देगा ना तो कैडमियम को लालच देने से ये कैडमियम वाला कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा ये बोलेगा भैया हमको सारे आयन में तोड़ दो प्लीज हमको सारे आयन में तोड़ दो हमको सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करना है तो ये टूटने लगेगा और रिवर्सिबल रिएक्शन के हिसाब से ये टूटेगा इस तरीके से और जैसे ही सल्फाइड आयन आया वो इसको पकड़ेगा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा चैटिलिय प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन आगे शिफ्ट करेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा तो ये सॉल्ट डिसोसिएट होता जाएगा तो इट इज अ ये कैसा कॉम्प्लेक्स है आप बोलेंगे ये एक इम्परफेट कॉम्प्लेक्स है लेकिन यही एच टू एस अगर सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड हमने लिया और इसके साथ रिएक्शन करवाया कॉपर बोलेगा देख भाई मेरा कॉम्प्लेक्स बहुत ही बढ़िया है हमको इससे बाहर आने की कोई जरूरत ही नहीं है तुम अपने साथ रखो अपने आप में रहो मेरे को कोई मतलब नहीं बहुत बढ़िया इसका पीपीटी कैसा होता है कैडमियम सल्फाइड का तो येल्लो येल्लो डटी फैलो है ना येलो कलर का पी होता है बहुत ही बढ़िया चलिए क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई फटाफट एक बार यस सर नो सर वाई 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 लिख दीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स के बाद अब हम थोड़े थोड़े डेफिनेशंस डेफिनेशंस देखेंगे और को देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे सर फिर हम थ्योरीज रिलेटेड नेम और थ्यूरीज पढ़ेंगे जिससे खूब सवाल आते हैं बहुत बढ़िया चलिए इसके बाद आगे चलते हैं सर लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज अब मान लो नॉर्मली अपन क्या करते हैं क्लास में एक कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं बहुत बड़ा सा अब ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया था के फोर सी एन होल सिक्स और इसका बड़का ब्रैकेट बंद कर दिया अब यहां से ना कुछ कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं यहां से कुछ कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं जैसे सबसे पहली चीज जो डिफाइन करते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम ये जो है हमारा ये क्या है सर सी एम ए और आई सी एम ए और आई का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन इसको क्यों बताया सर क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरा कॉम्प्लेक्स बसा हुआ है सर हां इसी के इर्द गिर्द पूरा कॉम्प्लेक्स बसा हुआ है और अगर हम बात करें यहां पे ये क्या है सर तो जो बड़के डब्बे के बाहर अंबुजा सीमेंट की दीवार के बाहर जो आयन आएगा उसको हम कहते हैं काउंटर आयन इस आयन का सिर्फ एक ही काम होता है सर इसको न्यूट्रल बनाना कॉम्प्लेक्स के पूरे चार्ज को न्यूट्रलाइज करना कई बार ये कर पाता है कई बार नहीं कर पाता उसके बाद अगर हम इसकी बात करें ये CN की जो नेगेटिव है सर दिस है हैं लीगेंड लीगेंड क्या है उसकी भी बात करेंगे फिर ये जो नंबर है इस नंबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स फिर इसके ऊपर इस सेंट्रल मेटल पे कोई चार्ज है जैसे यहां पे प्लस टू है कैसे निकालेंगे अपन पूरा करेंगे टेंशन नहीं लेना है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने निकालना सीखा है रेडॉक्स चैप्टर में और अगर हम बात करें इस पूरे बड़े ब्रैकेट को इस पूरे बड़े ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं सर बताइए कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर हाँ ए, एक एक मतलब हाँ बहुत बढ़िया कॉपी कर लिया लिविस बेस सब बात करेंगे भाई देखो दो चार लोग लगे हुए हैं अभी ना मैं एक बैच में क्लास ले रहा था तो मैं उसका ना क्लास खत्म होने के बाद ऐसे चैट पढ़ रहा हूँ चैट में एक लड़का था <laughs> और एक लड़की आ गई उसमें कह दी कि सर मतलब मैं नॉर्मली जब लेक्चर देता हूँ तो उसमें सवाल पूछ लेता हूँ दो तीन किसका आंसर बताना जरूर क्लास के बाद क्या होगा कि मेरे को पता तो लगे कि तुम लोग सच में इंगेज कर रहे हो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे तो मैं देख रहा था कितने बच्चों ने सही आंसर दिया कई बार उसके इन स्क्रीन शॉट भी लेके चला जाता हूँ क्लास में कि अरे इस बच्चे ने सही आंसर दिया बहुत बढ़िया तो उसमें एक दीदी ने आंसर दे रखा था अब दो चार लोग भैया हाँ जो जो कुछ जो पीडब्ल्यू को सोचते हैं ना इसे मैट्रीमोनियल साइट है हम तो अपना प्लेसमेंट यहीं से लेके जाएंगे हाँ अबे भाई पढ़ने के लिए अलग सर ने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है <laughs> उनको लगता है ये तो भैया मेट्रीमोनियल साइट है ऐसे लिख रहे कि तुम्हारी डीपी कितनी अच्छी है और डीपी के पीछे जो डीपा छुपा है उसको आपको पता ही नहीं है, <laughs> है? चलिए है ना तो, मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख के वाहो सच और की स्पेलिंग अगर तुम देख लो ना दोस्त तो लड़का भी रिजेक्ट कर दे उससे दोस्ती करने से बोले ना तुम मेरा दोस्त नहीं हो सकता चलिए आगे आते हैं सर इसके बाद हम बात करते हैं बहुत हो गया फिर हम बात करेंगे इन सबके डेफिनेशन की सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन किसकी बात करेंगे सर कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है तो दोस कंपाउंड विच रिटेन दे आर आइडेंटिटी इवन व्हेन डिजोल्व इन वॉटर और एनी अदर सॉल्वेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट आय आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आराम से देखते जाइए हाँ उसके बाद अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन इसको हम CMA बोलेंगे हम इसको बार-बार ना CMA से रिप्रेजेंट करेंगे और CMA का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन ये दोनों ही चलेगा यहां पे तो आप देखेंगे अगर हम इसकी बात करें तो द एटम और आयन टू व्हिच वन और मोर सेंट्रल मॉलिक्यूल और आयन आर अटैच्ड इज सेंट्रल एटम और आयन सेंट्रल एटम और आयन एक्सेप्ट्स लोन पेयर सो इट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल अब मेरी बात सुनिएगा मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि यार देखो हर मेटल ना सेंट्रल मेटल नहीं हो सकता या हर मेटल की औकात नहीं होती कॉम्प्लेक्स बनाने की कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल आयन के पास कुछ फिजिबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आइए उसकी बात कर लेते हैं कि सेंट्रल मेटल की क्या क्या खासियत होनी चाहिए है ना सेंट्रल मेटल की क्या क्या सीएमए की क्या क्या खासियत होनी चाहिए सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे तो आप याद रखिएगा सेंट्रल मेटल के पास सबसे पहली चीज जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए अगर किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो जी जान लगा ले कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे याद रखना ये सब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपसे पूछ सकता है है ना ये सब सवाल स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है सेकंड पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि जो भी सेंट्रल मेटल आइटम होगा हमारे पास उसका Z इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा जनरली कैसे हो सकता है तो उसके लिए हम बोलेंगे सर इसका साइज छोटा होना चाहिए और इस पर चार्ज जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए चार्ज क्या है ज्यादा होना चाहिए ये दो कंडीशन अगर कोई फिलफिल करता ये मतलब दो तीन कंडीशन जो फिलफिल करता है आप पाएंगे कि वो क्या बना सकता है दैट मेटल कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स और ऐसा देखा गया है अगर मान लो हम ग्रुप वन मेटल्स की बात करें तो आप बोलोगे सर ग्रुप वन के जो मेटल होते हैं उन सभी पे चार्ज एक कांस्टेंट है दैट इज प्लस और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज ही प्लस वन है इससे कम तो पॉजिटिव चार्ज किसी पे क्या ही होगा और साथ ही साथ अपने ग्रुप में अगर आपने पीरियडिक टेबल ठीक ठाक से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा अपने ग्रुप में इन सब का साइज सबसे ज्यादा साइज जो है इन सभी आयन का अपने ग्रुप में मैक्स या सॉरी अपने पीरियड में इन सबका साइज मैक्सिमम होता है सर साइज भी ज्यादा चार्ज भी कम तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स क्लियर है उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मली कौन बनाता है तो आप देखेंगे नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो हैं आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और साथ में कुछ कुछ केसेस में इन वेरी फ्यू है ना बहुत कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा बेरीलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्लस टू अब इसमें भी ना बेरिलियम कैल्शियम और मैग्नीशियम ही बनाता है इसके नीचे वाले नहीं बनाते क्यों क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा हो जाता है क्या मेरी बात क्लियर है ये बात याद रखिएगा क्या मेरी बात क्लियर है एक बच्चा लिख रहा है सर आइए बैकलॉग क्या यहां से देखूंगा तो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा मैं कह रहा हूं यहां पर देख ले उसके बाद सवाल ट्राई कर लेना तेरे को खुद पर भी डाउट नहीं होगा क्लियर है कॉपी कर लिया सी के एल बताइए फिर आगे बढ़ते हैं कॉपी कर लिया सी के एल बताइए फिर आगे बढ़ते हैं सर तो ये बात थी सेंट्रल मेटल एटम की इसके पास ये ये खासियत होनी चाहिए अगर इतनी खासियत किसी के पास है तो उसी को तो उसी को हम क्या बोलेंगे भैया तुम ही सेंट्रल मेटल एटम बन सकते हो बाकी सबकी औकात नहीं है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वापस आते हैं फिर कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं तो ये क्या होता है फॉर्म बाय सिंपल कटायन थ वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन मतलब सेंट्रल मेटल अगर हम इसकी बात करें कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है सीएमए प्लस लीगेंड इस कॉम्प्लेक्स आयन सीएमए प्लस लीग सेंट्रल मेटल एटम या आयन याद रखना यहां पे सीएमए का मतलब सेंट्रल मेटल एटम और आयन दोनों कह रहा हूं ये दोनों मिलके आपको क्या बना के देंगे सर ये दोनों मिलके आपको कॉम्प्लेक्स आयन बना के देंगे कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें फिर हम कोऑर्डिनेशन फेयर की बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन फेयर क्या होता है तो बड़के ब्रैकेट के अंदर आने वाली जो भी चीज है उसको हम कोऑर्डिनेशन फेयर कहते हैं उसके बाहर आने वाली जो भी चीज़ है मतलब जो आयंस में टूटेंगे उसको आयनिक फेयर कहा जाता है और इसको काउंटर आयन भी कहा जाता है फिर लीगेंट की बात करते हैं फिर लीगेंट की बात करते हैं वॉट इज लीगेंट तो द आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विद सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड लीगेंड और लीगेंड एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या फिर आप इसको लेविस बेस कह सकते हैं लीगेंड एक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और आप इसको लेविस बेस कह सकते हैं कि लेविस बेस, बेस कैसे कंपाउंड होते हैं तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसको हम लीगेंड कहते हैं क्या मेरी बात क्लियर है बताइए अब हम आगे चलेंगे लीगेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं एक बात बता दूं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं वो यही करते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि लीगेंट किस टाइप का है मान मान लो लो अगर मालो मैं कि आइसोमर से सवाल आया आइसोमेरिज्म से आइसोमेरिज्म के सवाल इस चैप्टर के बहुत ईजी होते हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म से सवाल कहां से पूछा गया है चलिए तो इसके बाद हम लीगेंट की बात कर लेते हैं क्या होता है लीगेंट कैसा होता है ना तो लीगेंट एक खासियत है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन पे डोनर कौन होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए तो अब हम बात करेंगे की। इसकी of, of अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप लीगेंट को क्लासिफाई करेंगे जैसे सबसे पहला टाइप जो है सबसे पहला टाइप जो है बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड बिटवीन सीएमए एंड लीगेंड सीएमए और लीगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड है उसके टाइप में तो अगर हम उससे डिफाइन करें तो दो टाइप के लीगेंड होते हैं सबसे पहला हम बोलते हैं क्लासिक लीगेंड सबसे पहला हम क्या बोलते हैं सर क्लासिकल या क्लासिक classic या क्लासिकल लीगेंड ये कैसा होता है सर तो आप बोलोगे भैया क्लासिकल लीगेंड का मतलब है भैया क्लासिकल लीगेंड का मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल एटम को ऐसा कोई भी एल मतलब लीगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे वो क्लासिकल मेटल लीगेंड मतलब वो क्लासिकल लीगेंड है सिंपली जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो ऐसा लीगेंट ऐसा लीगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जो सीएमए को सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें इसको हम क्या बोलेंगे सर आप बोलोगे इसको क्लासिकल लीगेंट कहा जाता है उसके बाद दूसरे लीगेंट कैसा होता है सर तो दूसरे टाइप का लीगेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पाई एसिड लीगेंट या फिर पाई एक्सेप्टर लीगेंट ये ऐसा क्या चमत्कार कर रहे हैं जो इनको पाई एसिडिक लीगेंट या पाई एक्सेप्टर लीगेंट कहा जाता है तो भैया ये ऐसे आदमी जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे या आपको लगता होगा कि मैं ही ऐसा हूं तो जरूर बताना मेरे आपके कुछ दोस्त होंगे जो बहुत पार्टी देते हैं जो बहुत सारा पार्टी वार्टी देते हैं ना कि भैया कुछ खा लो ये खा लो वो खा लो तो वो है भैया क्लासिकल लीगेंड है ना क्लासिकल दोस्त हैं एकदम कि दोस्त हो तो ऐसा उनकी मिसाल दी जाएगी आगे चल के है ना कि एक लड़का था जो हमको हर दिन दो समोसा खिलाता था दूसरा टाइप का लीगेंट जो है ये पाई एसिड लीगेंट या पाई एक्सेप्टर लीगेंट होते हैं ये क्या करते हैं आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो मतलब तुम्हें रुपया का समोसा तो खिलाया उसके बाद क्या करेंगे दो सौ रुपए का पिज्जा खुद ही खा लेंगे उसके बाद क्या करेंगे तुमसे दो सौ पांच रुपए का समोसा तुमको चिपका के तुमसे दो सौ रुपए का पिज्जा खुद खा लेंगे इसको हम बोलते हैं पाई एसिड लीगेंट तो अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं तो उसका नाम लिख देना ओ पाई एसिड इधर है ना <laughs> जैसे मान लो किसी का नाम हर्ष है तो उसका नाम ही रख दो पाई एसिड हर्ष ठीक <laughs> है समझ गए तो इसको हम बोलते हैं पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड इसका एग्जाम्पल क्या क्या है तो इसके एग्जाम्पल है आपके कार्बोनिल नाइट्रोसन है ना एटसेट्रा जिसमें कार्बोनिल के बारे में हम सिनर्जिक बॉन्डिंग में पढ़ेंगे दोनों टाइप में किसी ना किसी टाइप के दोस्तों होते हैं है ना हाँ बहुत बढ़िया कुछ लोग खुद कमेंट भी कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया चलिए इसके बाद हम सेकेंड टाइप पे लीगेंड का क्लासिफिकेशन करते हैं पहला टाइप था सर याद रखना पहला टाइप कैसा था डोनर किस तरीके का या लीगेंड का और सेंट्रल मेटल के बीच में बॉन्ड कैसा है डोनेशन कैसा है क्लियर है हाँ, पाई एसिड मोहित वाह माय नेम इज हर्ष बहुत बढ़िया <laughs> पाई एसिड कॉफी चाय वाह बहुत बढ़िया चलो इसके बाद हम सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन पे आते हैं टाइप का क्लासिफिकेशन है कौन कौन इलेक्ट्रॉन पे मतलब पेयर दे पाना ये सबके बस की बात नहीं होती दोस्त खुद पे पॉजिटिव चार्ज हो मतलब इलेक्ट्रॉन कोई लेके भाग गया हो तुम्हारा और फिर भी तुम मान लो ये तो ऐसी बात हो गई कि तुम्हारा तुम बटुए में हजार रुपए लेके जा रहे थे और एक पाँच सौ का नोट तुमने अलग जेब में रखा था तुम्हारा बटुआ किसी ने मार लिया उसके बाद वो जो पांच सौ रुपए बचे हैं और तुमने देखा कि एक बहुत लाचार आदमी बहुत भूखा हुआ है तुम्हें पता है कि यार ये सच में मतलब तुम्हें फील हो जाता है है ना कि अभी जाके सल्यूशन खरीद के नहीं सूंगेगा इसको सच में खाना चाहिए इसने खाना भी नहीं खाया कितने दिनों से बूढ़ा इंसान है जिसने पूरी दुनिया दारी देख रखी है उसके बाद अगर तुमने उसकी मदद की तो वो सबके बस की बात नहीं होती सर सेम यहां पे भी ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज हो और फिर भी लीगेट का काम करे दिस इज नॉट वेरी कॉमन केस ये रेयर ऑफ द रेयर केस होता है तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एनओप्लस जिसको हम नाइट्रोसिल कहते हैं नाम वगैरह की हम बात करेंगे इसको हम क्या कहते हैं सर पीरिडीनियम और इसकी बात करें तो ये आपका साइक्लोपेंटा है ना इस तरीके का कंपाउंड हो जाएगा आई यूपीएससी नेम इसका बता दे भैया ऑर्गेनिक वालों अभी तो तुमने खूब आई यू पढ़ा है है ना बताइए इसका नाम ठीक है इस तरीके के हाँ कंपाउंड्स होते हैं चलिए तो फिर हम उसके बाद दूसरे पे आते हैं दूसरे की बात करें मतलब इस पर एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा जो ज्यादा कॉमन है तो एनोप्लस NO है जो बहुत कॉमन है और दूसरा जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो है एन टू एनएच थ्री प्लस जो हाइड्राजीन से बना है जिसको हम हाइड्राजीनियम कहते हैं इसके बाद अगर हम अनाइनिक लीगेंट्स की बात करें इसके बाद अगर हम अनाइनिक लीगेंट की बात करें तो अनाइनिक लीगेंट क्या होता है सर ऐसा लीगेंट पे नेगेटिव चार्ज हो भैया ये तो भरे पड़े हैं बाजार में नेगेटिव चार्ज वाले लीगेंट तो भरे पड़े हैं माइनस वन हो सकता है माइनस टू हो सकता है माइनस थ्री हो सकता है जैसे एनओ टू माइनस ओ एच माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस एस ओ फोर टू माइनस फिर और चाहो तो एन थ्री माइनस फिर एनओ थ्री माइनस फिर सीएल uh, माइनस है बी आर माइनस है आई माइनस और पता नहीं कितने ऐसे लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाले भरे पड़े हैं यहां पे टू माइनस है ना थ्री माइनस भी हो गया एक नाइट्रोजन पर थ्री माइनस वही अगर हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं ऐसे लिगेंड जिन पे कोई चार्ज ना हो वेरी लेस इन नंबर और बहुत मजेदार होते हैं वेरी लेस तो नहीं कह सकता बट ये बड़े, बड़े मजेदार होते हैं जैसे एच टू ओ सीओ एनओ एन एस थ्री सी सिक्स एच सिक्स है ना ये सभी के सभी क्या है सर दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल लीगेंट पे कोई चार्ज नहीं है बट स्टिल दे डोनेट इलेक्ट्रॉन क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम बात करते हैं सर इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो डेंटिसिटी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है है ना ऑन द बेसिस ऑफ ये एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है तो सारे पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड भी इसमें कहीं ना कहीं आएंगे सारे नेगेटिवली चार्ज लीगेंड भी इसमें कहीं ना कहीं आएंगे न्यूट्रल लीगेंड भी इसमें कहीं ना कहीं आएंगे डेंटिसिटी को हिंदी अगर शब्द बोलू ना तो हिंदी में इसको कहते हैं दंतुक्ता मतलब कितने दांत धसा सकता है कभी मान लो तुम कोई फ्रूट खा रहे हो तो उसको काटने जब जाना हल्का सा दांत प्रेस करना पता चलेगा तुम्हें कितने दांत उसमें लगते हैं तो उसी तरीके से लीगेंड क्या करता है सर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो देखने में ऐसा लगता है कि दांत दात रहा है तो उसका नाम रख दिया डेंटिसिटी क्या नाम रख दिया डेंटिसिटी डेंटिसिटी क्या होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम बाई पर्टिकुलर लीगेंट इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी डेंटि सिटी के हिसाब से मतलब कितने लोन पेयर डोनेट किया है मैं सीधे भाषा में बोलूं तो एक लीगेंड ने कितने तीर मारे हैं लीगेंड ने कितने तीर मारे हैं किसको सीएमए को जैसे एग्जांपल के तीर का मतलब क्या एक लोन पेयर के डोनेशन को एक तीर से दिखाते हैं। तीर मतलब सिंगल हेड डेरो है ना इस तरीके से तो आइए देखते हैं अगर मान लो कभी भी नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड है ना यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड वन है तो उसको हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड अगर कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू है तो इसको हम कहेंगे बाइडेंटेट मतलब ये दो दांत गड़ाएगा, दो तीर मारेगा अगर कभी तीन है तो इसको हम कहेंगे ट्राइडेंटेट और तीन के बाद अगर ये कितना भी है तीन के बाद ये आगे कुछ भी है इसको सबको मतलब ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट पेंटाडेंटेट हेक्साडेंटेट, इन सभी को अलग अलग नाम ना देकर के हम सीधा बोल देते हैं पोलीडेंटेट क्या नाम दे देते हैं

एक भैया हमारे बीच लिख रहे हैं एंड्रू आं, डेंटेट हाँ द कलर ऑफ योर वेस्पा स्कूटर वेस्पा स्कूटर जानते हो ईडी हमारे बीच एक बच्चा है जिसका नाम है तनिष्क कह रहा है नंबर दो ना <laughs> भाई तुम लोग क्या अगर चले गए ना आईटी में मारे जाओगे रैगिंग इतनी गंदी वाली होगी ना जली लोगे कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा <laughs> नंबर दो ना कैसे तुम बन जाओगे वे? मुझे हंसी तो आती है हमारे कॉलेज में एक दोस्त था जो क्या करता था मतलब कॉलेज की शायद ही कोई ऐसी लड़की थी जिसको उसने उस टाइम पे मतलब आई वॉज इन कॉलेज अराउंड थर्टीन टू सेवनटी है ना तेरह से सत्रह तक मैंने बीटेक किया तेरह में मैंने बारहवीं दी फिर तेरह से सत्रह तक बीटेक किया उसके बाद कॉलेज के फाइनल ईयर से थर्ड फाइनल ईयर से और फिर कॉलेज के बाद भी इसी फील्ड में आ गया थोड़ा टाइम इंडस्ट्री में जॉब किया एक आध महीना उसका नाम ही हमने रख दिया था म्यूचुअल फ्रेंड क्योंकि हमारी कोई बैचमेट ऐसी नहीं थी जो उसकी फ्रेंड नहीं थी फेसबुक पे वैसे है वो ना हो नहीं पता मेरे को आई डोंट नो और मेरे को जानना भी नहीं है उसका भाई साहब नाम ही म्यूचुअल फ्रेंड था बदनाम था वो मतलब उसको हर ब्रांच के लॉन्डे जानते थे सात सौ आठ सौ लॉन्डे उसको म्यूचुअल फ्रेंड के नाम से जानते थे और क्योंकि लॉन्डे म्यूचुअल फ्रेंड के नाम से जानते थे तो तक मतलब लड़कियों तक भी ये बात फैल गई थी है ना लड़कियां भी उसको <laughs> तो ऐसा ही होगा भाई तुम लोगों के साथ नंबर दो ना पढ़ ले बे चलिए तो इसके बाद हम बात करते हैं सर पहले मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लीगेंट्स की यूनिडेंटेड लीगेंट की दुकान है सर बहुत, सारी हाँ। ना? बहुत सारे लीगेंट ऐसे हैं तो अगर हम बात करें द लीगेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और कितना वन इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिर्फ एक तीर मारे उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेड लीगेंट जैसे कि जिसपे माइनस वन चार्ज हो नॉर्मली एच माइनस हाइड्राइड आयन है x- क्लोराइड क्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड nh2- अमाइड हो गया ये इमाइड हो गया nh इस पे चार्ज है 2- है ना फिर सुपरऑक्साइड सुपरऑक्साइड का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है o2 पे एक नेगेटिव होगा परऑक्साइड दो ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव h2o हो गया ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एमीन डबल एम लगेगा ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Phosphine, ये डोनेट करता इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है azideion, ये इसको एक और तरीके से लिखते हैं पी पी एच थ्री मेरे को एक बात बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक नेम्ड रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यूज होता है जिसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यूज होता है क्या होता है अबे पहले के बाद पढ़ ले, फिर अपने आप आ जाएगा पहले यहां तक तो पढ़ ले दोस्त एक एक करके आगे बढ़ेंगे ना समझ गए हाँ, सर कैटलिस्ट बहुत बढ़िया अबे वो तो यूज कहां होता आप लोगों ने कोई रिएक्शन है क्या कोई नेम्ड रिएक्शन है क्या नेम्ड रिएक्शन जहां पर ट्राइफिनाइल फॉस्टफिन यूज हो हाँ विलियमसन नहीं विलकिनसन होता है कैटलिस्ट बहुत बढ़िया चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं फिर इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो हमारे पास आते हैं बाई डेंटेड लीगेंट बाई डेंटेड लीगेंट की अगर हम बात करें तो लीगेंट विच डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम ऐसा कोई भी लीगेंट जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे सेंट्रल एटम को उसको हम बाईडेंटेट लीगेंट कहते हैं मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ याद रखना दीज एग्जाम्पल्स कैन बी अ क्वेश्चन है ना ये खुद में क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे इसकी बात करें सी एच टू सी एच टू एन एस टू एन एस टू दिस इज इथलीन डाई इसकी बात करें सी एच थ्री सी एच सी एच टू यह है प्रोपलीन डाईअमीन फिर इसी तरीके से और एग्जाम्पल लेना है तो अगर हम लेते हैं सी टू ओ फोर टू नेगेटिव इसको हम ओ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ये ऑक्सलेट आयन है ये भी बाइडेंटेड लीगेंड है सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ नेगेटिव ये भी बाइडेंटेड है मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो तीर एक साथ मारेगा जो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे ये वैसा लीगेंड है जो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे ये ऐसा लीगेंड है सर इसके बाद कोई और लीगेंड अगर आपको पता है जो बाइडेंटेड है तो एक लीगेंड होता है एसिटाइल एसिटोनेटो जिसको एसी एसी कहते हैं है ना एसी एसी कहते हैं बिहार के साइड में गाना भी है जो बहुत फेमस है एसी एसी करके लेकिन इस एसी एसी का नाम क्या है भैया एसी टाइल एसी टोनेटो इसका नाम है एसी टाइल एसी टोनेटो ये कैसा होता है सर तो देखो इस तरीके से इधर डबल बॉन्डो इधर ओ माइनस और इधर ऐसे पाई बॉन्ड दिस इज एसिटाइल एसिड और ये भी बाइडेंटेड होता है और बाइडेंटेड में डोनर आइटम की बात कर लेते हैं कि भैया कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो आप बोलोगे ये वाला ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे कौन कौन डोनेट कर रहा है अरे दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है सर ये दोनों डोनेट कर रहे हैं इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो और भी लीगेंट है सर। बस पे इसका खात्मा नहीं हुआ इनसे रिलेटेड लीगेंट के तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड के तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो इसके बाद अगला लीगेंट जो आता है लीगेंड का नाम जब इसको देंगे तो ग्लाइसिनेटो बोल देते हैं जिसको GLY से रिप्रेजेंट करते हैं ग्लाई है, है सर तो आप बोलेंगे सीएच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और इधर एन एच टू ग्लाइसिनेट बेसिकली एक तरीके का ग्लाइसिनेट बेसिकली एक तरीके का कौन सा इसको क्या बोलते हैं सर कौन सा टाइप का कंपाउंड है अगर मान लो यहां पे मैं एच लगा देता एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमीन तो इसको क्या बोलते हैं अमीनो एसिड दिस इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड अभी तो जेई में ऐसा भी सवाल पूछ दिया भाई कि ये कौन सा अमीनो एसिड है पहला अमीनो एसिड जिसमें सी एच टू या ऐसा ग्रुप पाया जाता है वो कौन सा है है ना ऐसे खूब सवाल आते हैं सर पहला अमीनो एसिड जो आ, क्या कहते हैं उसको जोमेट्रिकल या सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे है ना हाँ ये सब खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको कैसा मिलेगा दिस इज इस ग्लाइसिनेट इसमें डोनर आइटम कौन कौन है सर इसमें जो डोनर आइटम है वो है आपका ओ माइनस और नाइट्रोजन ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें कुछ बच्चे ई एन ई एन चिल्ला रहे हैं अब ई एन इसी को बोलते हैं भाई अंकल इसी को ई एन बोलते हैं को उसके बाद कुछ भैया और कुछ चिल्ला रहे हैं हां एक एग्जाम्पल और आप लोग सभी बता रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डीएमजी डीएमजी का फॉर्मूला क्या होता है सर तो डीएमजी इज डाई मिथाइल ग्लाई इस तरीके से होता है कार्बन कार्बन इधर सीएस थ्री इधर सीएस थ्री इसके बाद क्या सर बताइए हां बोलो <coughs> कुछ बच्चे पी एन टी वगैरह भी बता रहे हैं बहुत बढ़िया हां डाई मिथाइ ग्लाई ऑक्साइड में अब क्या करूं सर बताओ डीएमएसओ बहुत बढ़िया वैसे डीएमएसओ वगैरह एज अ लीगेंड नॉर्मली तुम्हें नहीं मिलेगा नॉर्मली तुम्हें लीगेंड में सबसे ज्यादा ग्लाइसिनेट डीएमजी देखने को मिलेगा बोलो यार सर डबल बॉन्ड एन ओ माइनस डबल बॉन्ड एन ओ माइनस दिस इज डी एम जी सही है कि गलत है बताओ सही है या गलत है बताइए रोजी रेड पीपीटी रोजी रेड पीपीटी तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल है बे इससे रिलेटेड रोजी रेड पीपीटी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है डीएमजी का रोजी रेड पीपीटी किसके साथ बनता है कौन बताएगा देखते हैं एमजी फॉर्म्स अरोजी रेड पीपटी विथ विथ मेटल आयन कम से कम चार बार पूछेगा इस बार याद रखना चाहिए में मिनिमम ऑफ फोर टाइम्स बताइए बहुत बढ़िया निकल के साथ बहुत बढ़िया ठीक है दिस इज डीएमजी और डीएमजी में एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता डीएम जी माइनस वन के इसमें ओ एच पॉइंट होता है अगर हम इसकी बात करें इसमें डोनर आइटम कौन है बताइए डोनर आइटम कौन है सर यहां पे? डोनर आइटम बताओ इन दोनों में कौन है क्या दोनों ऑक्सीजन डोनर है क्या दोनों नाइट्रोजन डोनर है बताइए दोनों में डोनर आइटम कौन है रहने निकल रहने निकल तो डिफरेंट चीज है बे बताइए दोनों नाइट्रोजन बिल्कुल इसमें जो डोनर आइटम होता है वो ये नाइट्रोजन होते हैं सर क्योंकि याद रखना निकल के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना तो ये एच बॉन्डिंग करता है सर दो रिंग बनाता है एच बॉन्डिंग के कारण अब मेरी बात सुनो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि कोई लीगेंट बाइडेंटेड कैसे हो सकता है हमें कैसे पता लगेगा कि कोई लीगेंट बाइडेंटेड है तो याद रखना जितने भी बाइडेंटेड और पोलिडेंटेड लिगेंड हैं, जितने भी डेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड का मतलब है जिसकी डेंटिसिटी थ्री हो फोर हो फाइव हो बाइडेंटेड एंड पोलिडेंटेड लीगेंड फॉर्म रिंग विथ विथ सेंट्रल मेटल एटम और ये जो रिंग बनाते हैं ना इस रिंग को हम क्या बोलते हैं कौन सा रिंग नाम है इनका भैया बोलो डायमंड रिंग गोल्ड रिंग कौन सा रिंग प्लैटिनम रिंग तो आप बोलोगे सर इसको हम कहते हैं किलेट रिंग कुछ लोग किलेट बोलते हैं कुछ लोग किलेट बोलते हैं इसका नाम दिया आई में किलेट रिंग और याद रखना ये किलेट रिंग जो है ना कोई भी रिंग अगर कोई भी रिंग बन रही है आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा अगर ये रिंग फाइव टू सिक्स मेंबर्ड है कितनी फाइव टू सिक्स मेंबर्ड तो आप बोलेंगे दिस रिंग इज स्टेबल अगर ये फाइव सिक्स मेम्बर्ड नहीं है तो इट इज़ नॉट स्टेबल मतलब फोर मेम्बर्ड चलो थोड़ा थोड़ा चल जाता है कभी कभार किसी केसेस में थ्री मेम्बर्ड फोर मेंबर्स सेवन मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती और अगर ऐसे रिंग्स बन रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा वो दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा दो आपके डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर होने के बावजूद भी हर वो आ, आप कह सकते आयरन वो, वो लीगेंड जिसके पास दो डोनर आइटम हो कोई जरूरी नहीं है वो बाइडेंटिड हो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम पानी की ही बात करें भाई पानी तो ऐसा होता है ना दो लोन पेयर होता है उसके पास और दो हाइड्रोजन अब मान ले एक मेटल के साथ अपन ने बोला कि अरे भैया एक काम करते हैं एक मेटल के साथ हम एक काम करते हैं बाइडेंटी लीगेंड बनाने की कोशिश करते हैं तो आप बोलोगे सर देखो यहां से डोनेट किया यहां से डोनेट किया मैं बोलूंगा रुक भाई एक बात बता कितने मेंबर की रिंग बनाई है तूने सर हमने बनाई है एक दो मेंबर की रिंग वाह बेटा जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चला जा जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चला जा क्यों तो आप बोलोगे उसके पीछे का रीजन है सर कि ये दो मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल है बनेगी ही नहीं सर मिनिमम मिनिमम पांच या मेंबर की रिंग होनी ही चाहिए पांच और छह मेंबर की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू तो एंगल स्ट्रेन ड्यू टू तो एंगल स्ट्रेन जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको मान लो इथलिन डायमीन ई पे हमने क्या किया सर ईएन के लिए इसके लिए एक बारी देखते हैं ऑक्सिलेट आयन के लिए देखते हैं ऑक्सिलेट आयन के लिए मान लो एक सेंट्रल मेटल एम ले लिया इसको बोला भैया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जब इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों तरफ से डोनेट किया तो कितने मेंबर की रिंग बनी आप बोलोगे यहां पे एक एक दो तीन चार पांच मेंबर की रिंग बनी सर अबे ये नीचे और ऊपर वाला ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा नहीं है ये नीचे और ऊपर वाला ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा नहीं है हाँ मेंटोस खाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए तो आप बोलोगे पांच मेंबर की रिंग है सर हो जाएगा हो जाएगा स्टेबल है मैंने बोला अच्छा एसिटाइल एसीटोनेटो से अगर मैं बनाऊं तो यहां पे सेंट्रल मेटल है डोनर एटम है किधर से किधर से कितने मेंबर की 1 2 3 चार पांच छे अरे सर स्टेबल है सर स्टेबल है रिंग बनेगा रिंग बनेगा है ना बहुत बढ़िया उसके बाद अगर हम बात करें इनमें से भी अगर आप किसी से बनाओगे तो पांच या छह मेंबर बनेगी क्या मेरी बात समझ में आगे बताइए जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं सर फिर अगले पेज पे चलते हैं और हम आगे की बात करने वाले हैं यहां तक बात क्लियर है सभी को बताइए हाँ ना यहां तक बात क्लियर है सभी को बताइए ना ये थी आपकी बाइडेंटेड लीगेंट बाईड लीगेंड में एक और लीगेंड आता है जिसको हम कहते हैं बाईपाई बाईपाई का मतलब है बाई प दो पिरोडीन को जोड़ दिया बाई पायर है ना ये किस तरीके से होता है सर देखो एक पिरोडीन इस तरीके से और दूसरा पिरोडीन इस तरीके से यहां पे अगर हम बात करें ये भी एक डेंटेट लीगेंड है सर मेरी बात सुनना एक ऐसा लीगेंड मैंने बनाया और दूसरा लीगेंड मैंने ये बनाया आप बोलोगे सर पीरिडीन तो ये होता है अगर मान लो कल को जादू करके मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जादू कोई भी कर सकता है ना मान लो मैंने एक दिन खट्टी टॉपिक खाई और मैं कुछ भी कर सकता हूं मैंने ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया इन दोनों में से इन दोनों में से मेरे को एक बात बताओ कौन सा इन दोनों में से कौन सा बाइडेंटेड लीगेंट है ऑप्शन ए बी ए है बी है सी में बोथ और डी में नन बाइडेंटेड लीगेंट कौन सा है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए एक से सिंपल सा पोल कर लेते हैं कंडक्ट कौन सा इसमें से बाइडेंटेड लीगेंट की तरह काम करेगा दोनों भी कर सकता है बहुत बढ़िया कुछ लोग ऐसे सवालों में क्या करते ना सीधा बोल देंगे अरे दोनों कर दो सर दोनों वाला ऑप्शन ज्यादातर सही होता है ऐसा ना करे दोस्त चेक कर लो एक बार मैंने तुम्हें तरीका सिखाया ना बे तरीका क्या सिखाया बीच में मेटल को फंसा कोऑर्डिनेट करवा और उसके बाद काउंट कर तो आप बोलोगे अच्छा सर ये वाला तरीका है देखते हैं अगर मान लो मैंने मेटल को भैया यहां रखा और मैंने इससे इधर से कोऑर्डिनेट कराया इधर से कोऑर्डिनेट कराया आप बोलेंगे एक दो तीन चार पांच मेंबर की रिंग वाह जी वाह हो जाएगा इसकी बात करते हैं सर यहाँ पे मेटल को रखा यहाँ पे मेटल को रखा कोऑर्डिनेट कराया एक दो तीन चार मेंबर की रिंग ना 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 मामला गड़बड़ है सर तो वो दोनों ऑप्शन तो छोड़ ही दो सीधा आंसर क्या हो गया ए देखते हैं कितने प्रतिशत लोगों ने सेवेंटी एट परसेंट वाह जी वाह मज़ा ही आ गया एक बारी रिजल्ट चेक कैसे करते हैं लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं तो हमारे बीच है मोहम्मद फरहान अहमद जी फिर प्रिंस त्यागी ऋतिक रोशन वाह इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईसीआईएस वाजीवा नैतिक नंदन ओम एडवांस रोटेशन <laughs> बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं यह बात क्लियर है सभी को कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं तो उसको हम बाईपाई कहते हैं इसके बाद हम आगे बात करेंगे सर पॉलीडेंटेड लीगेंड में मैं आपको एक ही लीगेंड बताऊंगा ज्यादा नहीं बताऊंगा है ना ज्यादा लीगेंड वगैरह चाहिए तो आपको लीगेंड की पर्ची वगैरह मिल जाएगी बैचेस में अगर आप सर्च करेंगे या आपके मॉड्यूल में सर्च करेंगे लीगेंड की पर्ची मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूं एक लीगेंड सेवन क्यों नहीं होगा अबे सेवन कहां से आ रहा है भाई ये सेवन वाला कौन है पोलीडेंटेट की बात करें तो एक लीगेंड है जिसका नाम है जो हेग्जाडेंटेट होता है और भाई साहब इतना मजेदार लिगेंड हेक्साडेंटेड लिगेंड जिसका नाम है इथिलीन डायमीन टेट्रा टेट्रा एसिटेट आयन वैसे तो इसका नाम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन है लेकिन जब ये लिगेंड की तरह होगा जब ये लीगेंट की तरह बनेगा तो लीगेंट की तरह बनने पर ये किसका काम करेगा सर आप बोलोगे लीगेंट की तरह बनने पर ये इसी का नाम हम एसीटेट की जगह एसीटेटो कर देते हैं डीएमजी में अबे डीएमजी में डोनर आइटम ये है ना अंकल यहां से डोनेट करवा के देखो कितने मेंबर की रिंग है एक दो तीन चार पांच मैं तो बता रहा हूं कि इसमें इसमें जो डोनर एटम है इसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है सर ऑक्सीजन नहीं है अभी इस पर एक सवाल करेंगे एक बहुत प्यारा सवाल करेंगे जो इस साल आने वाला है चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं सर यहां तक हो गया इथिलीन डायोमिन टेटरासिडेट इथिलीन डायोमिन टेटरासिडेट कैसा होता कैसे बनाएंगे मैं आपको इसको बनाने का लॉजिक समझाता हूं सबसे पहले तुम इथिलीन बना लो इथिलीन क्या होता है सर सी एस टू सी एस टू सबसे पहले भैया दो सी एस टू बना लो और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप रखना बहुत ज्यादा गैप क्यों क्योंकि देख रहे हो इतना सारा मसाला इसमें भरना है फिर इथिलीन डाइमीन बनाते हो ना कैसे सर एन एच टू लगाते हैं यहां पे अच्छा बहुत बढ़िया सर यहां पे भी एनएच टू लगाएंगे अगर ये होता तो इथिलीन डाइअमीन हो जाता अब डाइमीन की जगह टेट्रा एसीटेट है मतलब चार एसीटेट आयन है चार एसीटेट आयन कहां लगेंगे बोलोगे सर दो हाइड्रोजन यहां दो हाइड्रोजन यहाँ यही लगाओ चार एसीटेट आयन तो यहां पर हम क्या करेंगे सर चार एसीटेट आयन लगा देंगे अब एक बार मैं क्लास में था पढ़ाते पढ़ाते मैं परेशान हो गया ये समझाते समझाते कि अब एसीटेट आयन ऐसा होता है एसिटिक एसिड से बना लेकिन अगर इस एसिटेट आयन को किसी के साथ कंबाइन करना किसी के साथ बॉन्ड बना के जुड़ना है तो इस एसिटेट आयन को एक हाइड्रोजन अपना गायब करना पड़ेगा तभी यह बॉन्ड बना सकता है नहीं तो कार्बन की वैलेंसी पांच हो जाएगी तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे सर अब क्या करो एसीटेट बनाओ लेकिन इस तरीके से कितने चार सर यहां पर हमने जोड़ा सी एच टू यहां पर सी डबल बॉन्डो ओ ने जोड़ा सी एच टू सी डबल बॉन्डो ओ हमने जोड़ा सी एच टू एसिटेट जोड़ते जाएंगे सी डबल बॉन्डो ओ नेगेटिव यहां पे हमने जोड़ा सी एच टू सी डबल बॉन्डो ओ नेगेटिव और याद रखना सर ये अकेला लीगेंड ही छह इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ डोनेट करता है और वो कौन कौन से डोनर साइड हैं एक बार उनको घेर लेते हैं सर एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन ये है इसके डोनर साइट्स। दीज आर डोनर साइट्स फॉर इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। क्या मेरी बात समझ में आई ये डायरेक्ट सवाल आता है कि ईडी में डोनर एटम कौन है ईडी में कितने ऑक्सीजन है तो आप यहां पे पाएंगे डोनर आइटम जो है यहां पे आप पाएंगे डोनर आइटम आर दो अपने नाइट्रोजन है और चार ऑक्सीजन है दो अपने नाइट्रोजन है और चार ऑक्सीजन है क्या मेरी बात आपको समझ में आई बताइए या ना। बोलिए अब एक सवाल है अगर मान लो मैं पूछूं इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन वन बोल देता हूं इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन वन बोल देता हूं तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है नंबर ऑफ रिंग्स किलेट रिंग क्या देते हैं किलेट तो आपको समझा ही दिया किलेट रिंग दैट कैन बी दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ईडीटीए विथ एन वन या विथ सेंट्रल मेटल एटम है ना हैविंग एन वन विल बी आपका समय शुरू होता है अब यह न्यूमेरिकल आंसर टाइप सवाल है आपको बताना है कि कितने रिंग गलत हो गया भैया स्टॉप कर देते हैं इस पोल को रुक जाना अभी इसका तो कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए बहुत बढ़िया पोल पे चलते हैं इंटीजर टाइप चलते हैं आपको 45 सेकंड टाइम दिया इस सवाल का जवाब देखते हैं कौन देता है मैंने क्या बोला इस ऐसे रिंग आपको बताना है जिसमें यह नाइट्रोजन होना चाहिए यही ये, ये नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए बाकी कोई हो ना हो कितने रिंग ऐसे बन सकते हैं बहुत बढ़िया यार बहुत ही शानदार अट्ठारह लगभग बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं वेरी गुड आप यहां पे सर पोल नहीं आ रहा पोल नहीं आएगा पोल आने के लिए आपको बाहर रोड पे जाना पड़ेगा स्ट्रीट लाइट में पोल लगा हुआ है यहां पोल आने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करना है बस आप पांच चार जो भी कमेंट करोगे वो पिक कर लेगा तुम तीन बार पांच करोगे तो पांच पिक करेगा मान लो तुमको किसी को पांच रुपया भेजना है फोन पे पे तो तुम दस बार खुश होकर दस बार पांच लिख देते हो क्या उतना लिखोगे तो बैंक से निकल के वहां से मारेगा पहले पेटीएम वाला बूफर जो होता है ना आवाज करता है देवी सुजनो पांच रुपये प्राप्त हो निकल के मारेगा पहले तुमको कि बेटा जेब में है पचपन रुपया और दस बार पांच टाइप किए हो <laughs> चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सर कुछ नहीं करने का भाई एक मेटल लेने पकड़ लिए इस मेटल को हम कोऑर्डिनेट कराते हैं तो सर, तो है ना तो इस, इस मेटल से कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे एक नाइट्रोजन को इस मेटल से पहले ही जोड़ दो अब बाकी ये कहां, -कहां से कोऑर्डिनेट करा सकता है देखते हैं बाकी आप बोलेंगे देखते जाओ एक तो को तो जोड़ दिया तो पक्का है फिर एक यहां से दो यहां से तीसरा रिंग यहां से चौथा रिंग यहां से रिंग यहां से टोटल कितने रिंग बन जाएंगे सर टोटल पांच रिंग ऐसे बनते हुए देखने सारे तो पचपन भी आंसर कर रहे थे तो इसका सही, आंसर है, जो 74 ने सही आंसर दिया मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे 74 में 10 परसेंट बच्चे तो तीन बार और चार बार पांच टाइप करने वाले होंगे हाँ <laughs> बहुत ही बढ़िया रॉबिनहुड ए जे वाह लोकस सर्कल बहुत बढ़िया क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई ऐसे खूब सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कोई सा भी सवाल पूछेगा आप ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे हाँ ना बता दो क्या कॉन्फिडेंस है इससे कोई भी सवाल आएगा कर देंगे बताइए बताइए बोलिए 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 सर तो डबल बॉन्ड के लिए होता ये नहीं कहां लिख दिया भे डबल बॉन्ड अरे ऐसा है भाई कि अगर ये इससे अगर मान लो सी एस टू सी एस टू लिखा ना तो आप सी एस टू सी एस टू डबल बॉन्ड लगाते तो इथलिन होता लेकिन इसमें अगर तुम्हें कुछ जोड़ना है तो इसको ना बोल चाल की भाषा में इथलीन ही बोलते हैं क्योंकि हमें वैलेंसी वे, वे, भी तो चाहिए ना भाई तभी तो बॉन्ड बनाएंगे अगर उसके पास वैलेंसी ही नहीं होगी तो कैसे क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई क्लियर है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे ये था इथिलीन डायमिन अभी हमने लीगेंड की बात कर ली लीगेंड में हमने किलेट रिंग की भी बात कर ली है ना लीगेंड में हमने किलेट रिंग आ, रिंग की भी बात कर ली अब एक सवाल देता हूं क्वेश्चन ये जो सवाल है ये जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में आने वाला सवाल है आ भी चुका है आएगा भी फिर याद रखना इस बार भी आए हो सकता है अगर हम बात करें नंबर ऑफ five membered ring, ring formed by ni dmg whole 2 is x and number of six membered ring formed एक्स प्लस वाई का होल स्क् आपका समय शुरू होता है अब देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं दिस इज अंटीजर टाइप सवाल बहुत प्यारा सवाल है और जिसने मैं ये भी कह रहा हूं जिसने एक बार पढ़ रखा है ना यार वो उसको बिल्कुल सही कर देगा जिसने एक बारी पढ़ रखा है वो इसको बिल्कुल सही कर देगा कैसे देखने सबसे पहले मैं आपको निकल डीएमजी के बारे में दो तीन बातें बता दूं सर Ni2+ टू प्लस का ना अगर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है एनालिसिस अगर इसका करना है सॉल्ट एनालिसिस तो हम डीएमजी का यूज करते हैं और डीएमजी माइनस मतलब इसमें माइनस वन चार्ज था अभी हमने देखा था इस पर प्लस टू चार्ज है तो डो डीएमजी के साथ ये हमें क्या बना के देता है सर NiDMG डीएमजी होल्ड एनआईडीएमजी होल्टवाइ याद रखना हर बार जेई के पेपर में सवाल आ रहा है जब से जेई दो तीन बार होने लगा है और कई शिफ्ट में हो रहा है हर पेपर में हर साल हर तो मतलब ऐसे समझ लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट 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 सेकंड अगर मैं लू, हर attempt में दो सवाल आता है दो सवाल पक्का ही है अब जैसे अभी तुम्हारे साथ मान लो चार दिन एग्जाम होगा चार दिन में तुम ये बात मान के रखना कि दो दिन यह सवाल आना ही आना है तुम्हारे टाइम पर फंस गया बहुत अच्छी बात है अब अगर हम इसकी बात करें सर एनआईडीएमजी का कॉम्प्लेक्स कैसा होगा तो आप देखो यह है निकल निकल के साथ अगर हम डीएम बनाए तो डीएम कैसा होता है सर तो आप बोलेंगे कार्बन इधर सी एच टू सॉरी सी एस थ्री कार्बन इधर सी एस थ्री इससे जुड़ा नाइट्रोजन नाइट्रोजन से इधर ओ नेगेटिव इससे जुड़ा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा ओ OH. एच ठीक है डोनर आइटम कौन है सर आप बोलेंगे डोनर साइड नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया सेम इसी तरीके से डीएमजी उस तरफ भी होगा सर सामने की तरफ से भी डीएमजी कोऑर्डिनेट करेगा तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं यहां पे लिख देता हूं सी 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 एच थ्री सी एच थ्री इससे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इससे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में इस बार ऊपर की तरफ ओ एच आ जाएगा इस बार नीचे की तरफ ओ नेगेटिव आएगा और फिर से डोनर एटम कौन होगा आप बोलेंगे सर डोनर एटम तो ये नाइट्रोजन है अब होता क्या है सर ये देखो ये है सताया हुआ हाइड्रोजन क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा हुआ है ये है एक सताया हुआ हाइड्रोजन क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा हुआ है और इसके सामने भैया ऑक्सीजन पड़ा हुआ है तो इनके बीच में क्या होगा इनके बीच में एच बॉन्डिंग होगा सर दिस इज एच बॉन्डिंग दिस इज ऑल्सो एच बॉन्डिंग यहां पर एच बॉन्डिंग हमें देखने को मिला एच बॉन्डिंग के कारण अब टोटल अगर आप देखोगे तो चार रिंग है सर टोटल यहां पे चार रिंग हैं कौन कौन से देखते हैं सबसे पहला नाइट्रोजन वाला मतलब किलेट रिंग मतलब जो ऐसे बना है दिस इज ड्यू टू किलेशन कितने मेंबर का एक दो तीन चार पांच तो आप बोलोगे ये पांच मेंबर का रिंग है सर ये भी सिमिलरली पांच मेंबर का रिंग हो जाएगा फिर हम बोलेंगे सर बॉन्ड वाला भी पांच मेंबर का रिंग है क्या देख लेते हैं। एक इसको दे दिया तो इसको हम दो दे देते हैं ये तीन हो गया ये चार हो गया ये पांच हो गया ये छह हो गया मतलब ये छह मेंबर रिंग है ये भी छह मेंबर रिंग है तो आप बोलेंगे सिक्स मेंबर रिंग कितने हैं इसमें बताइए बराबर दो फाइव मेंबर रिंग बराबर दो इन इसको किसको एक्स बोला था भैया एक्स कौन था यार ये तो कितनी अच्छी बात है एक्स को भूल जाना <laughs> लोग एक्स को भूलने के लिए क्या क्या करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज सोलह कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है मैं आपको बताता ये सवाल देने में कुछ बच्चे बोलते हैं अच्छा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा है इसका मतलब आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई मैंने बोला वाह बेटा तू यही करता रहे है ना जे यही पूछेगा एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई 29% बच्चों ने सही आंसर दिया मैं 29% से खुश हूं क्योंकि यह सवाल एडवांस लेवल का सवाल था अबे इस सवाल को करने के पहले तुम्हें एनआईडीएम जी ना ऐसे बनाना पड़ेगा मैं ये गारंटी दे, दे सकता हूं कि 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है उसमें से शायद एक दो लाख बच्चे एक लाख बच्चे होंगे जिन जो ये बना भी पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट बहुत कम एक डेढ़ लाख बच्चे होंगे जो उसको बनाएंगे और बनाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड भी सोच पाएंगे बॉन्डिंग के कारण भी रिंग बन रही है क्या मेरी बात सभी को क्लियर है बताइए हाँ या ना हाउ इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्सीजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एज इट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव अबे भाई क्या बात कर रहा है रॉबिन हुड का नाम सुना है रॉबिन हुड का नाम सुना है गुंडा था ना लोगों की मदद तो करता था किसी से लूट के किसी को देता था किसी से लूट के किसी को देता था वही है बे यहां पे भी कहीं से लूटो कहीं दो तो रिजल्ट देख लेते हैं भैया लीडर बोर्ड में कौन कौशल तिवारी साहब चल रहे हैं हंस मिश्रा ख्याल ये कैसा नाम है भाई खयाल क्या ख्याल है जी आपका क्रेजी सुरेंदर वाह पहले ही नाम में क्रेजी लगा लिया है बहुत बढ़िया और अभी तक कुशल तिवारी पचासी अंकों के साथ सबसे आगे अंक तालिका में सबसे आगे समझ गए मेरी बात हाँ क्या ये बात क्लियर है बोलिए हाँ ना एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू बताइए आप लोग बोलोगे सर ये मफलर क्यों गले में तो इसको मफलर क्यों लगा रखा है भाई मेरी ना पिछले कुछ दिनों से तबीयत ऐसी आप तो देखे थे केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को पता था कि कैसी तबीयत हो रखी है तो डॉक्टर ने बोल रखा है कि गला उला एकदम ढक के रखो और दिल्ली में सर्दी का आलम अगर मैं आपको दिखा दूँ ना चार दिन से धूप नहीं देखी है भैया आज ब्लड टेस्ट करा के आया विटामिन डी की कमी आई है ओहो दीवाने गैंग इज जी वाह चलिए खैर वापस आते हैं इस पे ये बात क्लियर है सभी को फटाफट दिल बना दीजिए इससे कोई भी सवाल आएगा एनआईडीएमजी से याद रखना ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये रोजी रेड कलर का होता है सर ये रोजी रेड कलर का होता है कभी रोजी रेड दिखे निकल टिक कर देना कभी रोजी रेड दिखे डीएमजी उठा के टिक मार देना कभी निकल के साथ पूछे भैया कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा डीएमजी चिपका देना कभी भी निकल के साथ डीएमजी निकल और डीएमजी का बहुत पुराना रिश्ता है याद रखना बहुत पुराना रिश्ता है क्लियर है कहीं पे भी निकल दिखे डीएमजी दिखे भाई साहब टिक करके आगे बढ़ो टाइम वेस्ट मत करना ठीक है हाँ चलिए इसके बाद आगे अबे गमछा नहीं है मफलर है वे चाचा गमछा फिर यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लीगेंट कुछ एक्स्ट्रा लीगेंट के नाम वगैरह हैं इनको एक बारी देख लेना यही छोड़ देता हूं ज्यादा इससे रिलेटेड सवाल नहीं आते वेरी लेस कॉमन या अनकॉमन बोल देते लेस कॉमन क्या होता है भाई अनकॉमन लीगेंड है ये कुछ है ना कुछ किताबों में तुम्हें मिल जाएंगे कुछ कई सारे शहर हैं उनके कई सारे वहां पे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के किताबों में आपको मिल सकते हैं तो इसको मैंने आपको इसलिए दे दिया चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं अब हम बात कर लेते हैं दो और टॉपिक की अभी तक मेटल एटम मतलब कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी अब दो बातें और हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं किसकी कॉर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं कॉर्डिनेशन नंबर क्या होता मैंने आपको बताया था दिस इज दी नम्... जितने तीर कोई सेंट्रल मेटल एटम को मारे वो कॉर्डिनेशन नंबर है ना कॉर्डिनेशन नंबर क्या होता है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाई सी एम एम ए मतलब कितने उड़ते हुए तीर ले सकता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है और यह याद रखना यह बात याद रखना कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दिस इज फिक्स दिस इज जनरली फिक्स्ड और सीएमएस सीएमएस के लिए जनरली फिक्स होता है ये बदलता नहीं है हाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर एम्बीडेंटेड और फ्लेक्टेड बता बता दीजिए एक बार इसको करते हैं फिर एम्बिडेंटेड फ्लेक्सीडेंटेड की भी बात करेंगे टेंशन एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑक्सीडेशन थोड़ा थोड़ा बता दू फिर उसी पर आएंगे सर चलिए तो अगर हम बात करें जनरली ये क्या होता है सर सीएम आपका जनरली सीएमए के लिए फिक्स होता है दिस इज फिक्स फॉर जनरली फिक्स फॉर है ना हर एक सीएमए के लिए कॉर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है यहां पे मैं आपको सीएमए लिखता हूं और उसका फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर बता देता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्सेस में रफ आइडिया हो कि किसी कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है जैसे शुरुआत करते हैं कोबाल्ट से कोबाल्ट अगर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर और सिक्स दोनों मिल सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के साथ भी ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के साथ भी ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है फिर वहीं अगर हम कोबाल्ट थ्री प्लस थ्री की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है आयरन की बात करें आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स को प्रेफर करता है सर कंपाउंड बनाने के लिए आयरन की अगर हम प्लस थ्री की बात करें तो प्लस थ्री में भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स को प्रेफर करता है लेकिन प्लस टू में कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में भी बन सकते हैं लेकिन प्रेफर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस सिक्स होता है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है सर

गोल्ड प्लस वन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आप बोलेंगे इसका टू गोल्ड प्लस थ्री का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आप बोलेंगे फोर प्लैटिनम प्लस टू का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आप बोलेंगे प्लैटिनम प्लस टू का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फोर वहीं प्लैटिनम प्लस फोर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिक्स याद रखना गोल्ड प्लस थ्री और प्लैटिनम प्लस फोर आपको किस में मिलता है सर ये कंपाउंड जो बनते हैं ये नॉर्मल नहीं है दे आर फॉर्म्ड इन एक्वा एक्वारिजा की मदद से यह बनाया जाता है सर जब एक्वारिजा में गोल्ड आपको मिलेगा ना तो गोल्ड आपको कोऑर्डिनेशन नंबर चार के क्लोराइड में मिलेगा ठीक है सर चार और छह क्यों? अरे बेसिकली चार और छह ऐसे कि हर मेटल के लिए ना कितने वो लीगेंड ले सकता है और लीगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा और हमारे सिलेबस में कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फोर और सिक्स है मतलब एज पर आवर जेई सिलेबस इलेवेंथ मतलब ट्वेल्थ सिलेबस जेई सिलेबस एडवांस सिलेबस हमें फोकस कॉर्डिनेशन नंबर

निकल और प्लैटिनम जैसा ही प्लस फोर पीडी प्लस टू के लिए प्लस फोर सर हाउ टू रिमेंबर चार बार लिखेगा आपने याद हो जाएगा हाउ टू रिमेंबर और कॉम्प्लेक्स अगर तू देखेगा अपने आप याद होता जाएगा तेरे को ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी सर दो टाइप के लीगेंट रह गए थे एक होता है एमबी लीगेंट कैसा एम्बी डेंटेट लीगेंट वॉट इज एम्बीडेंटेट लीगेंट तो ऐसे लीगेंट जिनके पास दो डोनर साइट दो डोनर साइट अवेलेबल हो साइट बट एट अ टाइम एक ही साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त उसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंट उसको हम एम्बीडेंटेड लीगेंट कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सर तो इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो सी एन नेगेटिव सी एन नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो आप बोलोगे सी एन नेगेटिव में क्या है सर ये इट इसके पास अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से होगा सर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे स्ट्रक्चर बनाने की ज्यादा जरूरत हमें है नहीं क्यों सर क्योंकि एक्चुअली में अगर हम यहां पे देखें एक्चुअली में अगर हम यहां पे देखें तो आप बोलोगे सर एक्चुअली में यहां पे ये तो

क्या इतने मेंबर गिरिंग पॉसिबल है आप बोलेंगे नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो अगर ये इसके लिए क्या करते हैं जैसे इसका नाम है साइनो इसको हम बोलते हैं साइनो अगर ये नाइट्रोजन से डोनर है साइनो एन का मतलब है आप बोलोगे नाइट्रोजन डोनर और फिर साइनो सी का मतलब है कार्बन डोनर समझ गया क्या इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं SCN. SCN का नाम क्या है सर थायोसाइनो ठीक है इसके पास भी दो डोनर साइट याद रखना बीच वाला डोनर साइट कभी नहीं होता साइड वाला दोनों डोनर साइट होगा तो इसके पास कौन सा डोनर साइट सर एक तो सल्फर है थाइनो एस हो सकता है और थायोसाइनो एन हो सकता है ये दोनों डोनर साइट है उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन जो है वो है एनओ टू माइनस एनओ टू माइनस की बात करें तो इसको हम नाइट्राइटो बोलते हैं वैसे लीगेंड का नाम इसका नाइट्राइटो होता है और ये भी दो तरीके से डोनेट कर सकता है एक तो नाइट्रोजन डोनर और दूसरा ऑक्सीजन डोनर जब नाइट्रोजन डोनर होगा तो नाइट्राइटो एन बोलेंगे जब ऑक्सीजन डोनर होगा तो नाइट्राइटो ओ बोलेंगे अब मेरा सवाल आपसे यह है क्वेश्चन यह है कि दी डोनर आइटम डोनर एटम्स प्रेजेंट इन एनओ थ्री माइनस इज पहला ऑप्शन एन दूसरा ऑप्शन ओ तीसरा ऑप्शन बोथ चौथा ऑप्शन नन आपका समय शुरू होता है अब चलिए बताइए एनओ थ्री माइनस में डोनर एटम कौन होगा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया जबरदस्त 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 मजा आएगा इस पोल में इस पोल में आने वाला है भैया बहुत ही मजा हां वन टू थ्री ऑप्शन ना कमेंट करें ए बी सी कमेंट करें ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़का एप्पल सी फॉर छोटका एप्पल डी फॉर दूसर का एप्पल बहुत बढ़िया समय हो गया है का आइए देखते हैं कितने परसेंट अरे भैया कहां चले गए आ, ये है अपना हाँ आइए देखते हैं कितने परसेंट भारतीयों ने दिया है सही जवाब इसका सही आंसर क्या होगा ए सही है, है? ये सही है आप बोलोगे अरे सर ये सही नहीं है मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया है इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर टू दिस दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज इज ये लोग जो आए नहीं ऑफ ऑक्सीजन मैं बस ऐसे देखना चाहता हूं गलत ऑप्शन टिक करके कि गलत ऑप्शन का टॉपर कौन कौन है आइए देखते हैं तो गलत ऑप्शन का पहला टॉपर है मतलब और भी तीन गलत ऑप्शन थे <laughs> लेकिन ये वाले बेचारे पकड़े गए तो गलत ऑप्शन का है ना पहला टॉपर है अपने जीनल पटेल साहब फिर अंश मिश्रा ये तो अभी अच्छे आंसर दे रहा था सक्षम तयाल अक्रो ये क्या है भाई ये वाला नहीं पढ़ पा रहा मैं इतनी अंग्रेजी मेरी टाइट नहीं मतलब इतनी अंग्रेजी मेरी ठीक नहीं है टाइट है अंग्रेजी इसका सही आंसर क्या होगा द ओनली डोनर एटम इन एन ओ थ्री माइनस इज ऑक्सीजन अब तुम नाइट्रोजन डोनर कैसे कह रहे हो भे तुमने स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया तुम नाइट्रोजन डोनर कह रहे हो अरे चाचा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और जो लोन पेयर है ना भाई वो ऑलरेडी डोनेटेड है ऑक्सीजन को तो जब इसके पास लोन पेयर है ही नहीं तो डोनेट कहां से करेगा वाह ये वाला मेरे को भी सीखा बिना लोन पेयर के कैसे डोनेट हा भाई अबे बिना लोन पेयर के कैसे डोनेट हो जाएगा भाई ये वाला मेरे को भी सीखना है आ, मौई मौई कर दिया ना है ए, ऑप्शन ए वालों के साथ मोह मोह कर दिया अब जो गलत ऑप्शन देगा उसके साथ मौई मौई हो जाएगा चेक करता रहूंगा मैं क्या मेरी बात आपको समझ में आई <laughs> एक बच्चा के रसर उससे क्या हुआ मेरा नाम आ गया मैं खुश हूं चाहे गलत आंसर में ही आया हो <laughs> अबे यहां गलत आंसर में आया जेई की लिस्ट में फिर नहीं आएगा हाँ क्या मेरी बात आपको समझ में आई तो ये सब ध्यान रखना हर आइटम को आंख बंद करके कर दिया ऐसा दोनों दोनों कैसे बे है ही नहीं उसके पास उस गरीब के पास है लोन प्यार ही नहीं है तू जबरदस्ती उससे डोनेट करा रहा नहीं तुम तो नाइट्रोजन हो तुमने हर जगह डोनेट किया है तो इस बार भी तुम्हें डोनेट करना पड़ेगा ऐसे कैसे नहीं करोगे चलिए आगे बढ़ते हैं एक बच्चा है जिसका नाम है स्टडी विथ मी नाम है उसका खुद स्टडी विथ मी और लिख रहा है ब्रेक बाकी आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा इसको क्या बोलते हैं हाइपोक्रेसी की लिमिट है भैया चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं एक और टाइप का लीगेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेड लीगेंट ये फ्लेक्सी डेंटेड लीगेंट किस तरीके के होते हैं सर तो अभी ना एक बड़ा ही फेमस आदमी है जिसने बहुत सारे स्टार्टअप कर रखे हैं ऐसे बोलता है कि अरे भैया मैं तो बिलियन हर दिन सौ करोड़ का धंधा क्रिएट करता था नाम आप समझ गए होंगे नाम मैं लूंगा नहीं हाँ, उसने एक किताब लिखी है उसने एक किताब लिखी है बस वैसे ही लीगेंड ये भी है मैं बोलना नहीं चाहता बस आप बाकी समझ जाओ हाँ है ना तो अगर हम फ्लेक्सिडेंटेड लीगेंट की बात करें तो फ्लेक्सिडेंटेड लीगेंट क्या होते हैं दे कैन एक्ट एज दे कैन एक्ट एज बोथ मोनोडेंटेड और बाइडेंटेट लीगेट और बाइडेंटेट लीगेट मतलब इनकी मर्जी है भैया हाँ इनकी मर्जी है भाई जब मन करेगा तो जब मन करेगा तो हाँ <laughs> तो भैया क्या करेंगे मोनोडेटेड बन जाएंगे जब मन करेगा बाइडेंटेड बन जाएंगे क्लियर है क्या ठीक है चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अभी <laughs> तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फेट ले लो एसओ फोर टू नेगेटिव है ना कार्बोनेट ले लो सी थ्री टू नेगेटिव और ये सब वैसे है ना जो चार मेंबर की रिंग बनाते हैं तो चार मेंबर की रिंग वालों में ना थोड़ा घपला सा हो जाता है मतलब वो क्या शो करते हैं वो मैंने आपको बताई दिया किताब का नाम बताई दिया है भैया किताब का नाम जानते हो तुम जैसे सल्फेट की बात करें तो सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है डबल डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव अब ये इस दोनों से डोनेट कर सकता है डोनेट करेगा तो चार मेंबर की रिंग बनेगी इसी के लिए कभी करेगा कभी नहीं करेगा कभी करेगा कभी, करेगा, कभी नहीं करेगा क्या ये बात क्लियर है बताइए हाँ कुछ लोग आगे टेन डे एम बी ने टेन डे एम की बात नहीं करे भाई वो तो पढ़ा लिखा आदमी है जिसकी मैं बात कर रहा था जिसके किताब की मैं बात कर रहा था वो तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है भैया पढ़ाई लिखाई के बारे में तुम उसके उस पर उंगली नहीं उठा सकते वो तो किताब का नाम है मैं वो शब्द यहां लेना नहीं चाहता तो बस मैंने किताब का रेफरेंस दिया है कंपनी तो उसने बनाई ही ना बंदा तो टैलेंटेड है ही ना और वहीं से पढ़ा है जहां तू पढ़ने के लिए पगला रहे हो अभी चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हां भाई बंदा तो टैलेंटेड है देख इसके बाद आगे चले सर बहुत बढ़िया फिर हम अगर आगे बात करेंगे तो अभी हम कहते हैं कॉर्डिनेशन नंबर में फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर चार्ज ऑन सी एम ए अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स देता हूं उसके बारे में आपको सब कुछ बताना है आपके पास सवाल है फाइंड सबसे पहला सीएमए दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर तीसरा लीगेंड चौथा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कुछ कॉम्प्लेक्स आपके सामने दे रहा हूं इसके बारे में भैया सारे चिट्ठे पर्चे आपको खोलने और एक चीज दे देता हूं पांच नंबर में काउंटर एन भी बता दे यार मजा सा आ जाएगा चलिए सबसे पहला के फोर एफ सी एन होल सिक्स चलिए सबसे पहले बताइए कि भैया इसके पास सेंट्रल मेटल आइटम इसका कौन है इसका सेंट्रल मेटल सर ईडीटी टी इज फ्लेक्सीडेंटेड नहीं, नहीं, नहीं अगर कहीं भी जाएगा EDT अगर कहीं भी जाएगा तो हेक्सा डेंटिडी बनाएगा उसके बाहर कुछ नहीं। तो आप बोलेंगे सर इसके पहले सवाल का आंसर हो जाएगा आयरन दूसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा सर, ये भाई एक है। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे और छह है तो सिक्स तो इंटू वन इसका तीसरे नंबर की बात करें लीगेंड कौन सा है चौथे नंबर की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो आइए जिसने आपका दिल तोड़ा उसकी वैल्यू निकालते हैं हमने बोला कि इस पे चार्ज को हम मान लेते हैं एक्स तो रेडॉक्स में एक फॉर्मूला पड़ा था जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो रेडॉक्स में एक फॉर्मूला पड़ा था कि सर अगर कोई कंपाउंड है उस पे हर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना आता है जीरो तो मैंने बोला पोटेशियम पे तो हमेशा प्लस वन ही होता है तो फोर इन प्लस वन प्लस जिसने तुम्हें रुलाया x प्लस सी पे पूरे पे चार्ज लेना भाई कार्बन नाइट्रोजन पे अलग अलग मत लेना तुम्हें पता है सीएन पे क्या चार्ज होता है आप बोलोगे माइनस वन इंटू सिक्स किसके बराबर जीरो के बराबर यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस टू इसका मतलब इस पर कॉर्डिनेशन नंबर प्लस टू है और इसका जो काउंटर आयन है इसका जो काउंटर आयन है वो कौन है सर बताइए बोलो बोलो अरे कुछ तो बोलो तो आप बोलोगे इसका काउंटर आयन सर के प्लस है क्या बात समझ आई बताइए बहुत बढ़िया याद रखना आपको प्लस और नेगेटिव साइन भी देना पड़ेगा आपको प्लस और नेगेटिव साइन भी देना पड़ेगा कभी भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं हमेशा बिना साइन के लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नो साइन क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ बहुत बढ़िया इसके बाद आगे आते हैं सर अगला सवाल इसी पे सेम करते हैं हमने कॉम्प्लेक्स बदल लिया एक नंबर के जगह यहां पे दो नंबर लिख दिया दो नंबर का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हमने लिया सी ओ एन एच थ्री होल थ्री फिर सी एल थ्री चलिए भैया जल्दी जल्दी बताते जाइए सबसे पहले सवाल का जवाब दूसरे सवाल का जवाब तीसरे सवाल का जवाब चौथे सवाल का जवाब जल्दी बताइए यहां पे लिख देता हूँ चार नंबर यहां पे लिखता हूँ पांच नंबर ये दूसरा नंबर का सवाल था फिर तीसरे नंबर का सवाल करेंगे इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है चार्ज उस पर लिखेंगे अभी अभी कोबाल्ट लिख लेते हैं अब इस पे चार्ज भी लिख देंगे एक्जैक्टली exactly आयन लिख देंगे सर सर फिर सेकंड नंबर नंबर पे ये मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड है CL भी है नेगेटिव भी दोनों मोनोडेंटेड लीगेंड है कितने हैं तीन और तीन तो तीन प्लस तीन कितना हो गया इसका छॉर्डिनेशन नंबर फिर लीगेंड की बात करें सर दो लीगेंड है यहां पर एक तो है एन एच थ्री जिसपे कौनो चार्ज ना ही दूसरा है सीएल नेगेटिव जिसपे माइनस वन चार्ज है अच्छा अब अब निकालेंगे वही जिसने तुम्हें तंग किया इसको माना इस पे चार्ज माना x तो हम लिखेंगे x प्लस एन एस थ्री पूरे पे कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो इंटू थ्री प्लस सी एल पे कितना माइनस वन चार्ज होता है इंटू थ्री किसके बराबर जीरो के बराबर x की वैल्यू कितनी निकल के आई तीन और प्लस तीन बोलेंगे उसके बाद अगर हम यहां पे पांचवें नंबर पे बात करें सर यहाँ पे काउंटर आयन कौन है तो कोई काउंटर आयन नहीं है हर बार काउंटर आयन हो जरूरी नहीं होता तीसरे नंबर की बात करते हैं तीसरे नंबर पे हमने लिया सी ए EDTA टी टू माइनस इसके बारे में बता दो भैया मजा आ जाएगा इसके बारे में बता दो भैया मजा आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आप बोलेंगे सर यहां पे अगर हम बात करें पहले नंबर पे सेंट्रल मेटल आइटम कौन है कैल्शियम अच्छा इस पे जब तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री पता लग गया तो यहां प्लस थ्री लगा दो कैल्शियम है सर ठीक है दूसरे नंबर पे सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना अबे ईडीटी एक कैसा लिगेंड है भैया एक के बार में छह तीर लगाएगा है ना तो एकदम तीर से छलनी कर देगा सर इसको तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ छ इसकी बात करें सर इसमें चार नंबर तीन नंबर पे लीगेंड कौन है तो आप बोलेंगे ईडीटीए फोर नेगेटिव फिर पांच नंबर की बात करें सर और सॉरी चार नंबर की बात करें आप बोलोगे इस पर क्या निकालेंगे वही जिसने तुम्हें तंग किया एक्स तो आप बोलोगे सर x माइनस ई डी टी ए पर चार्ज होता है फोर का ये बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज दैट इज़ माइनस टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस टू इसका मतलब कैल्शियम यहाँ पे प्लस टू में है और पांचवें नंबर पे हमारे पास कोई भी काउंटर आयन यहाँ नहीं दे रखा होगा कोई काउंटर आयन बट हमें नहीं दे रखा तो हम नहीं लिखेंगे क्या मेरी बात क्लियर है जल्दी से बता दीजिए फिर हम आगे बात करते हैं क्या मेरी बात क्लियर है जल्दी से बता दीजिए फिर हम आगे बात करते हैं बहुत बढ़िया क्लियर है क्लियर है क्लियर है बढ़िया इसके बाद एक बार मैं जेई ने सवाल पूछा एक बार जई ना एप्लीकेशन पार्ट पर सवाल पूछा कि ईडीटीए का यूज क्या होता है वट इज द यूज ऑफ ईडीटीए कोई बता सकता है मेरे को चलिए तो आप ये सीख गए अब हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ईडीटीए का यूज बताइए क्या क्या है इसका यूज़र्स भैया क्या क्या करता है सर ईडीटीए हाँ, बहुत बढ़िया सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये लेड पॉइजनिंग रिमूव करता है लेड पीबी मतलब लेड होता है भाई लेड पॉइजनिंग रिमूव करता है दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है सर तो ये हार्ड वाटर को हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में काम आता है मतलब वाटर सॉफ्टनर है सर और उसमें हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज किसका करते हैं तो हम यूज करते हैं एन ए टूडी या सॉरी एन ए फोर ईडी का यह क्या करता है कैल्सियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के हट जाता है सर कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के हट जाता है और फाइनली अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो ये काम आता है एस्टीमेशन ऑफ कैल्शियम एन मैग्नीशियम आयन फटाफट लिख दीजिए चार थ्योरी हमें पढ़नी है पहली दो थ्योरी बहुत ही सिंपल बहुत ही छोटी है बाकी के दो थ्योरीज आपस में इंटर रिलेटेड है बहुत मजेदार और फिर हमारा थ्योरी वाला पार्ट भी जो बहुत मेजर पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा चलिए वाह देखो हमारे बीच कैसे कैसे मतलब यहाँ पे ना एंजल प्रियाओं की कमी नहीं है तो अगर आपका मन क्योंकि तुम अभी यंग हो यार हो सकता है तुम्हारे साथ है, कोई नई बात नहीं नहीं हो रहा है तो दिक्कत है है ना किसी की डीपी देख के फिसले तो समझ लेना कि डीपी के पीछे कोई भैया तुम्हारा रैंक कम कराने के लिए लगे हुए हैं हाँ समझ गए हाँ भैया डीपी के पीछे जो भैया है ना उनसे बच के रहना <laughs> नहीं तो मोय मोय हो जाएगा तुम्हारा चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो भैया मेरे शब्दों में जो आईयूपीएसी -E -E है उसको मैं तो कहता हूं क्या केमिस्ट्री की बुआ जी है ये केमिस्ट्री की बुआ क्यों क्योंकि हमारे घर में कोई नए बालक वालक होते हैं तो जो बालक जो भी बच्चे होते हैं है ना बालक बालिका जो भी हो उनके बुआओं का हक दिया जाता है कि भाई नाम तुम रखोगे तो ये अपने केमिस्ट्री की बुआ है कहां कहां इसने नाम रखा मैं बताता हूं सबसे पहले आपने ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ा आई नेम ऑफ मेटल्स विथ अटोमिक नंबर ग्रेटर देन हंड्रेड बुआ आ गई थी नाम बताया चली गई फिर बुआ आई इलेवेंथ स्टैंडर्ड में कब जब आप जीओसी वगैरह पढ़ रहे थे जीओसी हाइड्रोकार्बन उस टाइम पे आई बोली चैप्टर ही पढ़ेंगे बुआ का चैप्टर आईयूपी उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स जब कॉर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो फिर इससे ये बुआ अपियर होती है फिर से ये बुआ अपियर होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये लाइन हटा लो इसका कोई सेंस नहीं तो बुआ जी ने बोला कि भैया देखो तुम कुछ नाम दे रहे हो कुछ नाम दे रहा है किसी ने बोल दिया इस कॉम्प्लेक्स को टिंगा किसी ने बोल दिया इस कॉम्प्लेक्स को है ना बजरंगी किसी ने बोल दिया किसी कॉम्प्लेक्स को लोटन किसी ने बोल दिया किसी कॉम्प्लेक्स को कुछ भी नाम दे दिया अपना इधर उधर गांव गांव में बहुत ऐसे नाम होते हैं दरोगा सिपाही कप्तान है ना इस तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं सर तो यहां पे अगर हम बात करें यूपीएससी नाम करने के लिए तो रूल्स है कुछ सेट ऑफ रूल्स है हम आते हैं सबसे पहले रूल नंबर वन पे रूल नंबर वन की अगर हम बात करें रूल नंबर वन की अगर हम बात करें वो क्या है सर सुनिए बहुत सिंपल रूल है रूल नंबर वन कहता है जैसे आपका नाम अगर मुझे लिखना है तो हम नॉर्मली नाम कैसे लिखते हैं पहले आपका फर्स्ट नेम होगा फिर आपका मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम या फिर ऐसा अगर हम अपने इंडियन सिस्टम पे चले तो आपका नाम और फिर सर नेम होगा यही होगा सर आपका नाम और सर नेम यही होता है नॉर्मली यहां पे भी वही चीज देखने को मिलेगा ये बोलता भैया रूल नंबर वन है पहले कटाइन है ना हमेशा कोई भी सॉल्ट हो कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो अ सॉल्ट तो कटायन आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाई अनायन अब ये रूल ना मेरे को तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है मैं तुम्हें बिना बताए भी अगर इससे सवाल पूछू ना तो तुम सही आंसर दे दोगे जैसे मान लो मैंने तुमको एक सिंपल सा सवाल दिया मैंने तुमसे सिंपल सवाल ये दिया मैंने बोला भैया बताओ इसका नाम क्या है ये एक सॉल्ट है ना दुनिया का कोई भी सॉल्ट है उस पर यह नियम लागू होता है बताइए इस सॉल्ट का नाम क्या बताओ बोलो बता दीजिए भैया तुरंत इस सॉल्ट का नाम क्या है तो बोलोगे सर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का नाम क्या है सोडियम क्लोराइड सोडियम क्या है कटायन क्लोराइड क्या है अनायन मैं एक धोखा देके देखता हूं मैंने बोला भैया देखो इसका नाम सी एस थ्री सी डबलओ के इसका नाम बता दो बहुत बढ़िया सोडियम क्लोराइड बहुत ही बढ़िया दूसरे वाले का नाम इसका नाम बताओ तो आप बोलोगे सर इस वाले कटायन इसमें तो इस सॉल्ट में तो हम थोड़ा गड़बड़ लिखे हैं सर ये है अनायन ये है कटायन लेकिन नाम इसका क्या है आप बोलोगे इसका नाम भी पोटेशियम एसिटेट है सर अबे तू कटायन पहले लिख अनायन बाद में लिख उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन नाम पहले नाम किसका बोलेंगे कटायन का ठीक है उसके बाद रूल नंबर टू कटायन का नाम दे दिया कटायन का नाम दे दिया बहुत बढ़िया अच्छा गया उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर टू पे है ना अच्छा मेरे पास रूल्स लिखा हुआ है तो मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पे लिखा हुआ है ना तो अपन इसी रूल को यूज कर लेते हैं फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है समय बचेगा अपना अपना समय बचेगा है ना तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव पार्ट इज ने फर्स्ट वेदर इज इट्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स मतलब वो सिंपल आयन है या कॉम्प्लेक्स है उसको सबसे पहले नाम देंगे इन नेमिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन अब अगर मान लो हमें कॉम्प्लेक्स आयन का नाम करना है तो लीगेंड फर्स्ट एंड देन विल बी फॉलोड बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब यहां से लेकर के यहां तक ये यह सारे नियम मैं आपको अगले पेज पे बता रहा हूं मतलब पहले हमने कटायन का नाम दे दिया कटायन कॉम्प्लेक्स हो भी सकता है कटायन कॉम्प्लेक्स नहीं भी हो सकता दोनों ऑप्शन अपने पास खुले हुए हैं अब मान लो अगर हमें कॉम्प्लेक्स का नामकरण करना है अब मान लो अगर हमें नाम किसका करना है कॉम्प्लेक्स का तो इसका एक सिंटेक्स है सर कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करते हैं सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ लीगेंड क्या लिखते हैं भैया नंबर ऑफ लीगेंड नंबर ऑफ लीगेंड के बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ लीगेंड नेम ऑफ लीगेंड के बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ सी और नेम ऑफ सीएमए के बाद हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमए इन रोमन न्यूमरल रोमन न्यूमरल मतलब रोमन भाषा में वन टू लिख के देखते हैं यही तुम कर लिए भैया तुमने नाम लिखना सीख लिया और कुछ करना ही है ये जिसने कर लिया उसने नाम लिखना सीख लिया बस इतना ही है नेमिंग ऑफ आईपीएस कॉम्प्लेक्स चलिए आगे देखते हैं देखते हैं फटाफट -फड़। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले बात कर देते हैं नंबर ऑफ लीगेंड नंबर ऑफ लीगेंड क्या करते हैं अगर आपके पास एक है तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखते है, है ना कुछ नहीं लिखने की जरूरत है सर कुछ भी मत लिखो या फिर बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो एक के लिए हम यू शब्द यूज कर लेते हैं मोनो वैसे यूज करने की जरूरत नहीं है ना भी यूज करो चलेगा अगर दो लीगेंड है कोई एक ही टाइप का दो लीगेंड है तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं डाई अगर एक ही टाइप का तीन लीगेंड है तो हम यूज करते हैं ट्राई एक ही टाइप का चार लीगेंड है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेट्रा एक ही टाइप का पांच लीगेंड है तो हम यूज करते हैं पेंटा एक ही टाइप का छ लीगेंड है तो हम यूज करते हैं हेक्सा लेकिन नॉर्मली छह से ज्यादा लीगेंड हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमें ही कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स तक पढ़ना है हमें ही कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स तक पढ़ना है उसके बाद एक मजेदार बात यह है कि अगर मान लो इफ लीगेंड Already contains Name already contains Oh, yeah Die, Try, etc. in their name. अगर मान लो उनके नाम में पहले से लीगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई है जैसे एग्जाम्पल के लिए इथिलीन डाई अमीन ये लीगेंड है अब इसमें ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है अब मान लो इथिलीन डाई अमीन तुमने दो बार लिया तो डाई डाई लिखोगे अच्छा लगेगा क्या डाई डाई लिखोगे अच्छा लगेगा बोलोगे नहीं सर ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा तो इस केस में हम क्या करते हैं इस केस में हम अगर ऑलरेडी नाम में ये प्रेजेंट है तो डाई के लिए हम यूज करते हैं ट्राई के लिए हम ट्रिस यूज करते हैं टेट्रा के लिए हम टेट्रा किस यूज करते हैं हाँ बच्चे इसको देख के खुश हो जाते हैं इसकी स्पेलिंग वो नहीं है जो तुम सोच के खुश हो रहे हो इसके लिए हम पेंटा किस यूज करते हैं और छो के लिए हम हेक्साकिस यूज करते हैं वैसे हेक्साकिस देखने को मिलता नहीं है सर ये कब जब नेम में नंबर नेम में ऑलरेडी नंबर हो क्या मेरी बात आपको चमकी बताइए क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई हां बहुत बढ़िया हाँ. उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको हम कैसे लिखते हैं सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखते हैं सर याद रखना इसमें नंबर इज नॉट काउंटेड इसमें नंबर नंबर इज नॉट काउंटेड हम को काम काउंट काउंट नहीं नहीं करते जैसे मान लो कोई दो बार आया तो उसका डाई का डी करेंगे सिर्फ लीगेंट का नाम काउंट करेंगे सिर्फ लीगेंट का ना, आ, क्या नाम क्या बोलते हैं नाम काउंट करेंगे फिर नेम ऑफ सी में कैसे लिखेंगे नेम ऑफ सी में हम दो तरीके से लिखते हैं क्या देखिए अगर मान लो हमारे पास जो सी ए में है वो किसमें है सर वो पॉजिटिव आयन वाले पार्ट में है पॉजिटिव आयन वाले पार्ट में या फिर न्यूट्रल वाले पार्ट में है तो उसका नाम एज इट इज लिख देंगे अगर वो नेगेटिव आयन वाले पार्ट में है तो उसके नाम के एंड में एट लगा देंगे सर एंड में ए टी ई एड कर देते हैं एट एड करते हैं सबका एग्जाम्पल दूंगा घबराना नहीं है हा अब इन सब का एग्जाम्पल खुद लिखाऊंगा मैं मैं एक बात बता देता हूँ मेरे को ना जैसे आप देखोगे नॉर्मली मेरे को ऐसे पीछे लिखा हुआ रहे और मैं पढ़ दूँ मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता ये चीज़ें क्योंकि तो फिर मुझे लगता है दो बातें हैं अगर पीछे सब कुछ लिखा हुआ ही है और मेरे को आके पढ़ना ही है तो फिर तो मैं एंकर हुआ ना यार मास्टर थोड़ी हुआ यह आज की ताज़ा खबर दिल्ली में ठंडी के कारण तीन दिन से धूप नहीं निकली एस सर हुए बीमार क्या मेरी बात आपको समझ में आई तो मैं खुद लिखता हूँ थोड़ा टाइम लगता है इसमें बट ठीक है आपको भी टाइम मिलेगा अगर आप लिखना चाहते हो है ना क्योंकि मेरे कोई फील नहीं आता क्योंकि अब तुम सोचो मैं ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ अपनी ज़िंदगी के अब तो फिर भी दो साल हो गए पीडब्ल्यू में अपनी ज़िंदगी छः साल ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ जहाँ पर कुछ नहीं होता था क्लास के बाहर गया चार पाँच कलर के मार्कर मिलते थे है ना एक माइक मिलता था माइक ऐसे लगाया चार पाँच कलर का मार्कर उठाया सामने खाली बोर्ड है पढ़ा मिस्टेक कहाँ मिस्टेक कर दी मैं देख लेता हूँ एल्फाबेटिकल में करती क्या नंबर इज नॉट काउंटेड न्यूट्रल एंड में ऐड करते हैं गलती कहाँ दी भाई ये बता दो बताइए एक बच्चा कह रहा सीकर में हाँ सीकर में भी था मैं बिल्कुल हाउ आर यू तमन्ना बेटा तेरी तमन्ना ना भी जय होनी चाहिए तो किस तमन्ना में फंसा हुआ है CN? ओ, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एम ए भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एम एल्फाब हट चलो इसके बाद हम आगे बात करते हैं अबे यार तुम लोग भैया मिसेज ब्रिगेंजा के औलाद हो तुम लोग सब ये मिसेज ब्रिगेंजा क्या है तो मिसेस ब्रिगेंजा मतलब ऐसा होता ना बहुत अंग्रेजीयत तो हमारे भाषा में हमारी तरफ मिसेस ब्रिगेंजा कहते हैं जैसे पुराने जमाने में जब स्कूल स्कूल होते थे ऐसे मूवीज चलती थी तो उसमें दिखाता था एक मैडम होती है एकदम चश्मा उश्मा लगाए थोड़ी हेल्दी सी मिसेस ब्रिगेंजा बॉय कट बॉल टाइप की है ना हाँ तो तुम लोग वैसे ही हो इतनी अंग्रेजी भरी है तुम लोग में ठीक है स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलती हो सकती है वो तुम खुद सुधार लोगे ना यार वो तो तुम खुद सुधार लोगे ना दोस्त चलिए आगे आते हैं हाँ मतलब मिसेस ब्रिगेंजा कोई एक पर्सन नहीं है <laughs> हाँ। वो एक सोच है विचारधारा है चलिए इसके बाद आगे आते हैं सर तो इसका इस तरीके से हम नाम करेंगे पॉजिटिव आयन हो गया नेगेटिव आयन हो गया एक एक करके इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम नेम ऑफ लीगेंट की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं सर नेम ऑफ लीगेंट अगर मान लो हमारा लिगेंड सबसे पहले चार्ज के हिसाब से लिगेंड का नाम लेते हैं अगर लिगेंड हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है पॉजिटिवली है तो उसके नाम के एंड में एंड में हम आई एम एड करते हैं क्या एड करते हैं सर आई एम ऐड करते हैं जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं शायद एग्जाम्पल यहां पे होगा भी है ना हा है यहां पे एग्जाम्पल देखो कि अगर हमें पॉजिटिव लीगेंट का नाम करना है तो पॉजिटिव लीगेंट के अंत में हम क्या यूज़ करते हैं सर आई यूएम ऐड कर लेते हैं जैसे इसकी बात करें तो ये हाइड्रोनियम आयन होता है ना तो हाइड्रोनियम बोल देते हैं इसको एनएस टू एन एस थ्री की बात करें इसको हम हाइड्राजीन से बना है तो इसको हाइड्राजीनियम बोलते हैं एनओ NO की बात करें तो नाइट्रोसो या नाइट्रोसिल से बना है तो नाइट्रोसोनियम कहते हैं या नाइट्रोसिलियम कहते हैं ये इसका नाम हो जाता है सर पॉजिटिव चार्ज का इसके बाद अगर हम आगे बात करें सर अगर कभी भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लीगेंड हुए अगर कभी भी हमारे पास सेकेंड नंबर लिख देता हूं नेगेटिव चार्ज लीगेंड हुआ तो उसका नाम कैसे करते हैं तो आप बोलोगे सर उसका नाम तो सिंपल है अगर कभी भी नाम का एंड कैसे हो रहा है और उसको क्या बनाना है क्या बनाना है तो अगर मान लो किसी के नाम का एंड एट से हो रहा है तो उसको एटो बना दो तो वो लीगेंड हो गया सल्फेट का हो गया सल्फेटो नाइट्रेट का हो गया नाइट्रेटो क्लोरेट का हो गया क्लोरेटो ब्रोमेट का हो गया ब्रोमेटो कार्बोनेट का हो गया कार्बोनेटो किसी के नाम के अंत में आइट लगा है तो उसको आइटो बना दो नाइट्राइट का हो गया नाइट्राइटो क्लोराइट का हो गया क्लोराइटो ब्रोमाइट का हो गया ब्रोमाइटो है ना समझ गए किसी के नाम के अंत में अगर आईडी लगा है तो उसको आइडो बना दो या फिर केवल ओ लगा दो आइड हटा दो ओ लगा दो बस एग्जाम्पल के लिए फटाफट में यहां पे आयन लिखता हूं आपको उसका लीगेंड वाले अवतार का नाम लिखना है मान लो ये आयन है नेगेटिव और अगर ये लीगेंड बन गया तो इसके लीगेंड के अवतार का नाम क्या होगा वो आपको बताना है जैसे सबसे पहले अगर हम सल्फेट की बात करें सल्फेट का लीगेंड अवतार क्या कहलाएगा बताइए हाँ सर ऑल्ट को ऑल्टो कर दो वाह बहुत बढ़िया तेरे को ना क्या कहते हैं टाटा वाले ले जाएंगे ऑल्टो कौन बना था मारुति हाँ तो तेरे को मारुति वाले हायर करके ले जाएंगे तू बस मैकेनिकल इंजीनियर कर ले क्योंकि तेरे को तो ऑल्टो बनाना आता है <laughs> तो आप बोलोगे इसको हम बोलेंगे इसका वैसे तो नाम जन्म हुआ तो इसका नाम रखा गया सल्फेट लेकिन बुआ जी ने बोला सल्फेट नहीं सल्फेटो उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें सर एन ओ टू माइनस इसका नाम क्या होगा तो जब इसका जन्म हुआ तो इसका नाम लोगों ने बोला नाइट्राइट नाइट्राइट बुआ जी ने बोला ना 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 नाइट्राइटो ना ठीक है उसी के बाद अगर हम बात करें सर आ, 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 ओ पे टू नेगेटिव इसका नाम क्या हो जाएगा सर एज अलीगंड तो आप बोलोगे सर इसका जब जन्म हुआ था इस आयन का तो इसको हम बोलते थे ऑक्साइड आई डी तो अब इसका नाम या तो ऑक्सो बोल दो या हम इसको बोल देंगे ऑक्साइडो ठीक है अब ऑक्सो ज्यादा यूज नहीं करते तो ऑक्साइडो यूज कर लेते हैं फिर अगर मान लो दो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है इस आयन को क्या बोलते हैं तो जो बुद्धिजीवी लोग होंगे बोलेंगे ये तो सुपर ऑक्साइड आयन है सुपर ऑक्साइड आयन तो इसका नाम हो जाएगा सुपर ऑक्सो भी अच्छा नहीं लगता है तो इसी के लिए सुपर ऑक्साइडो बोल देते हैं सर क्या मेरी बात क्लियर है चमक रही है जल्दी जल्दी जल बताइए इसकी बात करें सी टू ओ फोर टू नेगेटिव इसका नाम क्या है तो आप बोलेंगे सर ये तो ऑक्जलेट है ऑक्जलेटो को बना दिया सॉरी ऑक्जलेट को बना दिया ऑक्जलेटो फिर अगर हम बात करें सर इसके बाद ग्लाइसिनेट की जी एल वाई तो ग्लाइसिनेट को क्या बना देंगे आप बोलोगे इसको बना देंगे ग्लाइसिनेट को बना दिया नेटो चमका बोलो क्या मेरी बात हाँ जोमेट को बना देंगे जोमेटो वाह जी वाह वो जोमेटो जिसने बनाया ना भैया बहुत बढ़िया हाँ जोमेटो बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया जोमेटो से ज्यादा है खाना मंगवा लेता हूं क्या <laughs> अभी तुम लोग रोने लगोगे थोड़ी देर में सर ब्रेक क्योंकि दूंगा नहीं जब तक हम ई एन रूल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई ब्रेक ब्राक नहीं हाँ कम से कम ई एन रूल खत्म करने के बाद ब्रेक लेंगे ये समझ में आ गया बताइए हाँ विराट विराट का तो नाम कैसे बदल सकते हैं क्लियर है चमका ठीक है इसके बाद एक बात और याद रखना नोट हैश आरबीआई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लीगेंड की तरह काम करे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लीगेंड की तरह काम करे तब वो क्या कहलाएगा सर बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर की तरह काम करे तब उसका नाम अब यार बुआ जी है अब बुआ जी दो जगह अलग अलग नाम दे दे तो बुआ जी की बुआ जी का ही मजाक उठ जाएगा ना कि ऑर्गेनिक में तो तुमने सिखाया नाम लिखना वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा डाई मिथाइल फलाना ढिमकाना ये वो है ना और अब आप बोल रहे हो कि इसका नाम के अंत में एटो लगा दो ये लगा दो तो इन्होंने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं करना है सिंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लीगेंट की तरह काम करे तब उसका आई नेम ही लीगेंट नेम होगा जैसे अगर हम ई e. एन की बात करें तो मेरे को ई e. एन का नाम बता दे भाई क्या होगा ई e. एन का नाम क्या होगा बताइए अर्जुना वन पॉइंट में मिलने आ जाओ कभी क्लास होगा तो जरूर आऊंगा आपको एक क्लास रख पाते हैं कभी हाँ बताइए स्टडी विथ मी भाई को अभी ब्रेक चाहिए था अभी उसको प्यार हो गया किसी से तो इसका नाम क्या होगा सर तो इसका ना इथिलीन डायमीन इसका घर का नाम है पिंटू चिंटू इस टाइप का इसका आई नेम होगा क्या भाई तुम लोग आई नेम तो पढ़े हो अभी इथेन वन कॉमा टू डाइमीन समझे ये है इसका लीगेड नाम इसी के लिए तुम देखोगे कहीं भी लिखा होगा तो वहां इथलीन डायमिन नहीं लिखा होगा वहां हमेशा लिखा होगा इथेन वन कॉमर टू डायमिन यह बात याद रखना भी नहीं बोलते, 1, बोलते। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नाम ऑर्गेनिक के हिसाब से लिख देते या कुछ कुछ को जैसे अब ग्लाइसिनेट, भाई, ग्लाइसिनेट का नाम एक्सेप्टेड नाम है ग्लाइसीन है ना ग्लाइसिन इसका एक्सेप्टेड अमीनो एसिड का नाम है हर जगह यही कॉमन यूज होता है

अमोनिया नहीं बोलेंगे लीगेंट के तौर पे एनएस थ्री को हम आमीन बोलेंगे थोड़ा खींच के बोलना आमीन क्यों क्योंकि डबल एम यूज होता है सर सीओ को हम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे इसको हम कार्बोनिल बोलेंगे एनओ को हम नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे या मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो बोलेंगे इनका नाम थोड़ा बदल देते हैं इनका नाम थोड़ा बदल देते हैं मेरी बात क्लियर है जल्दी से बताइए फिर हम आगे चलते हैं कुछ आई यूपीएससी नेम करना सीखेंगे दो तीन पॉइंट्स के बाद फिर आगे बढ़ते हैं अभी सेंट्रल मेटल का नाम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे चलिए बताइए एम आई क्लियर बताइए तक ठीक है अब सीएमए की बात कर लेते हैं सीएमए की बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल का नाम कैसे करेंगे तो अगर वो मान लो पॉजिटिव या यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीएमए अगर वो मान लो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल पार्ट में है और अगर वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट में है या नेगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में है तो क्या करेंगे जैसे आयरन है, है ना आयरन का नाम अगर वो पॉजिटिव या न्यूट्रल पार्ट में है तो भैया बोलेंगे आयरन जैसे ही वो नेगेटिव पार्ट में गया तो उसके नाम के अंत में हमें एट लगाना पड़ता है अब आयरन के अंत में एट लगाना बड़ा बुरा लगेगा तो हम उसके लैटिन नेम के अंत में एट लगाते हैं और हम इसको फेरेट आयन बोल देते हैं उसी तरीके से अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के लिए तो पॉजिटिव या न्यूट्रल पार्ट में है तो सीधा क्रोमियम अगर ये नेगेटिव पार्ट में है तो इसको हम क्रोमेट बोलेंगे नाम नाम इसका यूपीएससी इस मेटल का क्रोमेट हो जाएगा क्यों क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है फिर अगर मान लो हम सिल्वर की बात करें एजी तो एजी अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में है तो इसको हम सीधा सिल्वर इसका कॉमन नेम जो है नॉर्मल वो बोलेंगे लेकिन अगर ये नेगेटिव पार्ट में है तो इसका कौन सा नाम यूज करेंगे सर तो आप बोलोगे इसका नाम हम यूज करेंगे लैटिन वाला और बोलेंगे अर्जेंटेट उसी तरीके से अगर हम निकल की बात करें तो नॉर्मल में निकल को हम निकल बोलेंगे चल चलती यहां से निकल और अगर ये नेगेटिव पार्ट में आ गया तो इसको हम बोलेंगे निकलेट क्या बोलेंगे सर निकलेट उसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड की गोल्ड को क्या बोलेंगे सर अगर वो इस वाले पार्ट में आया सर पॉजिटिव या न्यूट्रल पार्ट में आया तो आप बोलोगे गोल्ड और अगर वो नेगेटिव पार्ट में आया तो हम इसको बोलेंगे ओर क्या बोलेंगे सर ऑरेट ठीक है हां जैसे एंड्रयू तो एंड्रयू का नाम एंड्रयू टेट कर दिया <laughs> क्यों क्योंकि वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में था क्लियर है मेरी बात क्या ये बात सभी को क्लियर है उसी के तरीके से और कोई को जो है जिंक जिंक अगर यहां आया भैया तो जिंक रहेगा जिंक जिंक अगर यहां आया तो जिंक हो जाएगा जिंकेट क्लियर है तो बोलो कोबाल्ट अगर यहां रहा तो कोबाल्ट होगा कोबाल्ट कोबाल्ट अगर नेगेटिव में गया तो कोबाल्ट बन जाएगा कोबाइटेट बहुत बढ़िया तुम्हारा जो भी दोस्त ज्यादा नेगेटिव सोचता है कि अबे एग्जाम में फेल हो जाएंगे होमवर्क करके नहीं गए हैं सर बहुत मारेंगे उसका नाम भी ऐसे ही रख दो उसके नाम के अंत में भी क्या लगा दो ऐसे ही टेट लगा एट लगा दो मरकरी की बात करते हैं मरकरी का नाम अगर ये यहां है तो मरकरी का नाम तो हो जाएगा मरकरी उधर जाएंगे तो मरकरी का नाम क्या हो जाएगा अब मेरे को पहले मरकरी का लैटिन नेम बताओ बहुत बढ़िया कुछ लोग परेशान हैं एंटी अपडेट गेट, वाह इंडिया गेट है ना हाँ बहुत सारे बच्चों को ना एक बार ऐसा हुआ कि मतलब ये एक स्टूडेंट मेरे को बता रहा था कि सर हम क्लास में थे फ़र्स्ट ईयर में हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी और वो बच्चा था खड़गपुर में गया हुआ था खड़गपुर में वो पढ़ रहा था मेरे हिसाब से सिविल या केमिकल इन दोनों में से कोई एक इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहा था तो ऐसे ही मिलने आया था एग्जाम एग्जाम के बाद बीच में सेंटर पर आया था उसका घर वहीं पास में था तो बोला सर पता है क्या वो एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट बताते हैं बोले बोल बोला सर हमारे में ना केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहे थे लैब में थे तो एक सर ने बोला अच्छा बेटा बताओ मरकरी का नाम क्या है एच जी सिंबल जो है कौन से एलिमेंट का है सबने बोला मरकरी मरकरी उन्होंने बोला एक काम करो मरकरी जो है ना उसका लैटिन नेम कोई भी एक बंदा आके बोर्ड पे लिख दो दस सेकंड में <laughs> भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ बहुत कम लोग हैं जो लिख पाएंगे हाँ <laughs> बहुत कम लोग हैं जो लिख पाएंगे वैसे इसी के लिए मरकरी इतना कठिन है तो मरकरी के नाम के आगे उसका हम है ना उसका लैटिन नेम ना यूज करके क्या यूज करते, है? करते हैं हम यूज करते हैं मरक्यूरेट और मैंने ना एक दिन मजे लिए थे बच्चों के कि अब तुम्हें तो मरकरी का भी नाम नहीं आता तुम्हारा सिलेक्शन होगा जयी में मैं एक दिन ऐसे क्लास में पढ़ा रहा था किसी दिन ऐसे है ना तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब उसमें आठ दस बच्चे बहुत अच्छे थे उस क्लास में तो मैंने मजे ले लिया मैंने बोला तुम लोगों को सिलेक्शन होगा भाई ऐसे मैं कैल्शियम के बारे में पूछ रहा था सीमेंट पढ़ा रहा था उन लोगों को तो सीमेंट के बारे में पूछ रहा था बताओ सीमेंट में क्या क्या कम्पोनेंट होते हैं तो चर्चा होने लगी कि सिलिकेट है सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये सब कुछ कुछ बात कर रहे थे हम मैंने बोला तुम लोगों को सिलेक्शन होगा भाई मरकरी का नाम कोई बता पाएगा तुम में से तो वो नहीं बता पाए तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता ना वो घर जाके चेक करता है तो बोला सर मैंने उस टाइम पे चेक किया था जब चेक किया था तो मेरे को पता लग गया था और मैंने लिख दिया जाके उसके बाद मैं हीरो बन गया सर वहां पे फिर <laughs> मेरे पास बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड के फ्रेंड रिक्वेस्ट आए <laughs> मैंने उससे ऐसे पूछा उसके बाद तो तेरे पास बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए होंगे है तो हंसने लग गया बोला रहे सर जाने दो वापस आते हैं तो ये हो गया किसकी बात सर ये हो गया न्यूट्रल लीगेंड की बात न्यूट्रल लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की बात और भाई ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं वो सब तुम खुद कर लोगे है ना हाँ वो सब तुम खुद कर लोगे चलिए अब हम क्या करते हैं आयूपीएससी नेमिंग करना चालू करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स का क्या आप कॉम्प्लेक्स का यूपीएससी नेम करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से बता दीजिए क्या आप कॉम्प्लेक्स का यूपीएससी नेम करने के लिए तैयार हैं? बताइए है, हाँ ना यहां आते हैं यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इसका आयूपीएससी नाम मेरे को बताओ के फोर दूसरा ले, ले लेते हैं ए थ्री सी ओ ओ एक्स होल पी तीसरा ले लेते हैं एच या एल आई ए एल एच फोर चलिए पहले वाले को बता दो भाई पहला पहला बताइए तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले याद रखना एक बात <coughs> कि सर दो तीन बातें हमें पता करनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना होगा तो आप बोलोगे सर इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू का वो हम एक से निकाल लेंगे फिर हम नाम लिखेंगे सबसे पहले कटायन का कटायन कौन है के प्लस याद रखना कभी भी एक बात चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो हेस्टेग आरबीआई ठीक आरबीआई आर क्या है सर काउंटर आयन का नाम कभी काउंटर आयन का नंबर कभी नहीं लिखते कितने काउंटर आयन है यह कभी नहीं लिखा जाता वो समझदार आदमी खुद समझेगा वो उसका गांव है तुम्हारा गांव उसको समझाना नहीं है समझदार आदमी खुद समझेगा एक बच्चा पूछा सर वाट इज काउंटर आयन अबे ये वाला काउंटर आयन है जो बाहर है कॉम्प्लेक्स के तो आप बोलोगे सर इसका नाम हो गया पोटासियम Potassium के बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स में आएंगे कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं हैं सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखते है. कितना लीगेंड? एक हाँ लीगेंड. कौन सा ये है, तो ये ना, सर? ये और आ जाएगा चार पोटेशियम पे सब पे प्लस वन इस माइनस फोर आया तो आप बोलोगे अब इसका फेरेस मतलब आयरन नहीं फेरेट होगा टू ये हो गया इसका नाम कितने लोगों को चमक गया बताइए बोलिए कितने लोगों को चमक गया जल्दी बताइए बोलो 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 दूसरे पे चलते हैं सर इसकी बात करें तो आपको पता ये ओ है ओ एक्स ऑक्जलेट है जिसपे माइनस टू चार्ज होता है सॉल्व करेंगे तो यहां पे कोबाइट पे प्लस थ्री चार्ज निकल के आ जाएगा पूरे को सॉल्व करेंगे तो अब काउंटर आयन है सोडियम तो हमने सबसे पहले नाम लिख दिया इसका सोडियम उसके बाद लीगेंट कौन है सर? सर? कौन है उक्षलेट. कितने उक्षलेट हैं हमारे पास? तीन है. तो हम लिखेंगे ट्राई की जगह लिख देंगे और और लिखने के बाद फिर कुबाल्टेट. कुबाल्टेट और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री उसके बाद इसकी बात करते हैं लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड जो कि एक कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट है कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट जो कि एच माइनस डोनर होता है हाइड्राइड आयन देता है इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे पहले काउंटर आयन काउंटर आयन इज लिथियम लिथियम के बाद आप बोलेंगे सर यहां पे चार एच माइनस आयन है तो आप बोलोगे टेट्राहाइड्राइडो। क्योंकि हाइड्राइड से हाइड्राइडो बन गया और एल्यूमिनियम है जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में है तो आप बोलेंगे एल्यूमिनेट थ्री क्या मेरी बात चमकी बोलो हाँ है ना अब एक मजेदार नाम देता हूं इसको करके दिखाओ ये सब कर लिया अब एक मजेदार नाम देता हूं इसको करके दिखाओ चार नंबर पे सीओ एन एस थ्री होल टू बी आर टू फिर एच टू ओ होल टू और बाहर की तरफ सी इसका यूपीएससी नेम करके बताओ तो बहुत सारे लीगेंड है भैया लीगेंड ही लीगेंड है बताइए चलिए इसका यूपीएससी नेम करके बता दीजिए फटाफट बहुत बढ़िया तो आप क्या बोलेंगे सर इसका हेग्जा कहा है, है नहीं है इस तीन लिगेंड है अलग अलग तो आप बोलोगे सर इसका नाम इसका नाम, ब्रोमो, इसका नाम एक्वा अब ए बी सी डी चलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी के बाद आता है क्यू और पी के काफी पहले आता है एम तो सबसे पहले नंबर आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका फिर एक्वा में इसका फिर ब्रोमो में इसका तो इसका नाम कैसे लिखेंगे पहली बात और ये ही कटायन है ये कॉम्प्लेक्स ही हमारा कटायन है तो हम पहले कटायन का नाम कैसे लिखते हैं बहुत ही है सिंपल है सबसे कटायन कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स के नाम के लिए लीगेंट इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ देयर नंबर्स तो सबसे पहला आप क्या लिखेंगे पहला मतलब एम एच थ्री तो आप लिखेंगे डाई और इसको आमीन बोलते हैं अगर सिर्फ एन एस्ट्री है तो आमीन डबल एम फिर उसके बाद आपके पास आया डाई एक्वा फिर उसके बाद आपके पास आया डाई ब्रोमो फिर उसके बाद आपके पास क्या आया सर सेंट्रल मेटल इस बार पॉजिटिव पार्ट पे है तो कोबाइट और इस पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये प्लस थ्री का आ जाएगा तो थ्री लिख दिया और अंत में क्या लिखेंगे सर अंत में क्या लिखेंगे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अंत में लिख दो क्लो राइडो याद रखना ये अंत में क्लोराइडो नहीं होगा इसमें कैच यही है कि इसके अंत में हम लिखेंगे क्लोराइड पता है क्यों क्योंकि भैया हमने आपको क्या सिखाया कि बुआ जी ने बोला कि अगर तुम लीगेंड के जैसा काम कर रहे हो उस कॉम्प्लेक्स में अगर तुम लीगेंड के जैसा काम कर रहे हो उस कॉम्प्लेक्स में तभी तुम्हारे नाम के अंत में एटो आइडो आइटो लग सकता है अगर तुम लीगेंट की तरह काम नहीं कर रहे तब ये सारी बातें नहीं लगेगी सर क्या मेरी बात क्लियर है बताइए क्या मेरी बात क्लियर है तो इसको हम सिर्फ क्लोराइड बोलेंगे इसको क्लोराइडो नहीं बोलेंगे सर इसको क्लोराइडो नहीं बोलेंगे क्या मेरी बात चमकी आपको टेट्रा एक्वा नहीं है दोस्त यहाँ पे दो एच टू ओ है और दो ये है तो दोनों जगह डाई 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 सब जगह डाई 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 लगेगा बहुत बढ़िया इज इट ओके हाँ देखो हमारे बीच मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जवाब दे दो हमारे बीच एक अर्जुन दास जी साहब हैं वो लगे हुए हैं आर यू बॉय अरे भैया <laughs> कोई बात नहीं भैया तुम्हें भी समझ आ जाएगा एक बार चलो एक जेई का सवाल करते हैं आई यू पी क्लेचर से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सिंपल क्या आई यू पी एस सी क्लेचर से रिलेटेड रिलेटेड सवाल कठिन कैसे हो सकता है यार बस मिल जाए इतने बड़ा पीपीटी में पी पी टी पी पी टी ओहो यार एक गड़बड़ गड़ हो गई मेरे से मैं ना इस बार ना सब सवालों में ना आंसर लिखवा के लाया था कि मैं तुम्हें अगर प्रैक्टिस करने के लिए दूं तो तुम कर पाओ उससे प्रैक्टिस फिर मैंने सोचा था कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सारे इसको आंसर्स को पहले ही छुपा दूंगा लेकिन मेरे से गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे ना मेरे लेक्चर से जस्ट थोड़ा पहले एक और लेक्चर था मतलब आपके क्लास पांच बजे शुरू हुई है तो साढ़े चार बजे एक लेक्चर खत्म हुआ तो साढ़े चार का लेक्चर आपको ही पता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है है ना तो वो लेक्चर ही लेट खत्म थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट लेट खत्म हुआ तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला मेरे को ध्यान ही नहीं आया पंद्रह मिनट का टाइम था उसमें पीपीटी लगाना पीपीटी चेक करना और उसमें ये रह गया चलो कोई बात नहीं रह गया तो अब हर जगह काली पट्टी लगाते चलेंगे बताइए तो इसका नाम क्या होगा बोलो बोलो इसका नाम क्या होगा सवाल है दो हजार अप्रैल शिफ्ट टू दिन के साथ लिखे आए हैं तो देखिए का है कॉम्प्लेक्स फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना तो इसको क्या करेंगे सर बताओ तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे आप बोलोगे सर ये है ऑक्जलेट तो ऑक्जलेट को बनाओ ऑक्जलेटो ऑक्जलेट को बनाओ ऑक्जलेटो तो ये तो ऑप्शन गया फिर कोबाल्ट पे पे यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो प्लस थ्री आ जाएगा तो थ्री 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 थी, सब ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट केवल नहीं लिख सकते कोबाल्ट केवल नहीं लिख सकते तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया बे केवल ऑप्शन एलिमिनेशन से नाम लिख सकते हो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से सिर्फ नाम लिख सकते हो अब ये बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं ये सवाल कितना टाइम कितना टाइम लगता तुम्हें इसमें टाइम कितना लगना चाहिए किसी को सॉल्व करने में बताइए बोलो यार इसका तो आंसर भी मैं नहीं देख रहा आंसर देखने लायक भी सवाल नहीं है कितना टाइम लगना चाहिए पांच सेकेंड दस सेकेंड का सवाल है यार ये फ्री हिट है इज अ फ्री हिट विच यू आर गेटिंग हाँ, तो ऐसे सवालों को मत छोड़ना मैं इसी पे एक कठिन सवाल आपको देता हूं अब जो यही आजकल पूछ सकता है जैसे मान लो मैंने दिया आपको सीओ एन एस थ्री होल सिक्स फिर सीओ होल थ्राइस अब इसके बारे में बता दे भैया अब इसके बारे में बता दो इसका क्या नाम होगा बताइए एक घंटा वाह बहुत सही राजकुमार जी को एक घंटा लगा जोरदार बताइए इसका क्या नाम होगा सर तो मैं आपको पहले एक प्रॉब्लम से अवगत कराना चाहता हूं सर इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि कटायन भी कॉम्प्लेक्स है कटायन भी क्या है कॉम्प्लेक्स और अनायन भी कॉम्प्लेक्स है दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या है <coughs> कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमए नहीं पता है यह हमें पता ही नहीं है सर कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या सीएमए का ऐसे केस में क्या करना है बताओ ऐसे केस में आप क्या करेंगे बहुत ही सिंपल सा एक काम बता रहा हूं एक बहुत ही सिंपल लॉजिक बता रहा हूं कि अगर मान लो सीएमए सेम है सीएमए अगर सेम है दोनों ही कटाईनी कटनी पार्ट में और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है तो उस केस में क्या करना टोटल चार्ज ऑन लीगेंड लीगेंड निकाल लो टोटल चार्ज ऑन लीगेंड अगर मान लो आया एक्स तो आप बोलोगे चार जॉन ईथ सी चार जॉन ईथ सी कितना हो जाएगा ये आरबीआई है सर चार जॉन्स ईट सीएमए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स बटे दो खत्म माइनस ऑफ एक्स बटे दो कर दो आपको आंसर मिल जाएगा कैसे आइए देखते हैं आइए देखते, देखते हैं आप बोलोगे सर यहां पे देखो एन थ्री फोकस करो जीरो चार्ज इस पे माइनस टू चार्ज कितने ऑक्जिलेट है तो आप बोलोगे तीन ऑक्जिलेट तो लीगेंड पे चार्ज जो है लीगेंड का पूरा चार्ज कितना हो गया सर आप बोलोगे माइनस टू इंटू थ्री दैट इज माइनस सिक्स और एस एम सर का आरबीआई ये कहता है एस एम सर का आरबीआई ये कहता है कि चार्ज ऑन जो है वो कितना हो जाएगा सर माइनस ऑफ चार्ज ऑन लीगेंड बटे दो तो आप बोलोगे सर प्लस थ्री चार्ज हो गया इसका मतलब दोनों पे ही प्लस थ्री प्लस थ्री, प्लस थ्री चार्ज है कटायनिक पार्ट है यह अनायनिक पार्ट है तो नाम लिखते हैं सर आप सबसे पहले दोनों ही लीगेंड, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से नाम लिखेंगे सबसे पहले लीगेंड। तो हमने लिखा हेग्जा आमीन हेग्जा आमीन उसके बाद यह आया सेंट्रल मेटल कोबाइट कोबाइट पे क्या चार्ज है सर थ्री तो ऐसा लिख दिया फिर इधर चलेंगे ये ऑग्जलेट है तो क्या लिखेंगे सर ट्राई ऑग्जलेटो और फिर सेंट्रल मेटल अभी भी कोबाल्ट प्लस थ्री है लेकिन अब कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट लिखना पड़ेगा यहां पे हम लिखेंगे कोबाल्टेट और थ्री ये हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स का नाम अब फटाफट तुम्हें दूसरा सवाल दे रहा हूं इसको करके बताओ दूसरा सवाल दे रहा हूं एनआई या पीटी एन एस थ्री होल टू या पी टी एन एस थ्री होल फोर पीटी सी एल फोर इसके बारे में फटाफट इसका नाम करके बता दो मजा सा आ जाएगा प्लैटिनम का नाम ऐसे तो प्लैटिनम लिखेंगे दूसरे जगह से प्लैटिनेट करेंगे ये हमारे बीच एक अर्जुन दास बच्चा है क्या भाई बस कर दे यार मतलब अब तो जेई का एग्जाम है यार कौन कहां से पूछ के क्या करेगा प्रीति वेयर आर यू बेटा प्रीति प्रीति कर रहा है ना अभी कबीर सिंह गुस्सा हो गया ना भैया हाँ दफन कर देगा जिंदा <laughs> तो प्रीति प्रीति तू कर रहा है ना कबीर सिंह अगर जिंदा हो गया बेटा दफन कर देगा तेरे को <laughs> समझे चलो फटाफट बताओ क्या मेरी बात आपको चमकी थोड़े आसिकों का इलाज कर देता हूं मैं हाँ जिनको प्यार का परवान चढ़ा फोटो खींच के इनके माँ बाप को अगर दिखा दिया जाए टूट जाएंगे यार वो तो हैं? <coughs> बताइए इसका नाम बताओ यार जल्दी से क्या तुम भी इधर उधर कचड़े में पड़े हुए बताइए तो आप बोलोगे सर एसएम सर का आइडिया सबसे पहले क्या सीएम सेम है हाँ सर सेम है सीएमए से बहुत अच्छी बात है क्या सीएमए सेम होने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है अरे सर बिल्कुल सेम है तो अब हम क्या करेंगे सिंपल हम सबसे पहले चार्ज ऑन लीगेंड निकालेंगे तो लीगेंड पे टोटल चार्ज कितना आप बोलेंगे सर लीगेंड पे टोटल चार्ज है ए, क्लोरीन पे ही है चार क्लोरीन है तो माइनस चार तो सीएमए पे कितना चार्ज हो जाएगा सर आप बोलेंगे नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑन लीगेंड बटे दो इसका मतलब हर सीएमए पे प्लस टू चार्ज है ये भी प्लस टू ये भी प्लस टू इसका नाम क्या क्या हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा फटाफट फ़ड़ बताओ बोलो भाई तो आप बोलेंगे दिस इज टेट्रा आमीन फिर <coughs> प्लैटिनम टू और टेट्राक्लोरो क्लोरो प्लेटिनेट टू क्या मेरी बात चमक गई बताइए कितने लोगों को यह बात चमक गई दिल बना दो अरे भैया एक बच्चा कह रहा है कि सर ऑक्सिलेट और एनएसथ्री का तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है अरे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सिलेट और एनएसथ्री का नहीं होता है सेंट्रल मेटल का होता है ये एक बाइडेंटेट लीगेंड है अगर तीन बाईड लीगेंड मिले तो कोऑर्डिनेशन नंबर छ नहीं हो जाएगा थ्री टू या सिक्स <coughs> बताइए क्या मेरी बात समझ में आई सभी को एकदम क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर चमक चुका है बहुत बढ़िया इसके बाद अब हम आगे चलते एक मजेदार बात बताते हैं देखो यार सेंट्रल <coughs> मेटल या अगर हमें कॉम्प्लेक्स पता हो आईयूपीएसी नेम लिखना चुटकी बजाने के बराबर की बात है कोई भी लिख देगा लेकिन अगर हमें आईयूपीएसी नाम दिया हो और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना हो वो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं दी फॉर्मूला ऑफ <laughs> <laughs> को या द फॉर्मूला ऑफ क्या लिखना टेट्रा आमीन डाई एक्वा टेट्रा मीन डाई एक्वा कोबाइट थ्री क्लोराइड बताइए इसका क्या फार्मूला होगा <coughs> सर वाई प्लेटिनेट अरे भैया सर प्लेटिनम पे कितना प्लस टू प्लेटिनम पे कितना प्लस टू चार अमोनिया पे कितना जीरो चार क्लोरीन पे कितना माइनस फोर इस पूरे चार्ज को किया तो ये प्लस टू है इस चार्ज को टोटल सम किया तो ये माइनस टू है इसका मतलब ये कटायन वाला पार्ट इसका मतलब ये अनायन वाला पार्ट तो भाई अनायनिक पार्ट को तो प्लेटिनेट ही लिखते हैं बताइए क्या करेंगे अब जिसको समझ में आता उसको देखो दिक्कत में आपको बताता हूं कहां पे होगी प्रॉब्लम क्या है देखो सबसे पहले आपने क्या करना अगर ऐसा कभी भी दिया हो पहले सेंट्रल मेटल आइटम लिखो तो कोबाल्ट है ठीक है इसमें प्लस थ्री चार्ज है धीरे से लिख दिया फिर लीगेंड लिख दो कितने लीगेंट चार कौन से एनएस थ्री एनएस थ्री कितना चार बहुत बढ़िया पानी पानी कितना दो तो दो लिख दिया उसके बाद अब देखो आपको पता सर इस पर कोई चार्ज नहीं इस पर कोई चार्ज नहीं तो इस पूरे पे प्लस थ्री चार्ज होगा हा या ना यस सर वही अगर हम बात करें वही अगर हम बात करें सर काउंटर आयन कौन सा है क्लोरीन है और क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है माइनस वन अब बचपन में छोटे बच्चे जब थे ना तब सीखा था दसवीं क्लास में कि सर क्रिस क्रॉस कर देते हैं क्या कर देते हैं भैया क्रिस क्रॉस तो आपको फाइनल फॉर्मूला लिखना होगा सीओ एन एस थ्री होल फोर एच टू ओ होल्ड टू और ये तीन इधर जाएगा ये एक इधर एक के लिए कुछ नहीं लिखेंगे तीन के लिए लिखेंगे सीएल थ्री क्या मेरी बात क्लियर है सभी को बताइए ये है मसला मतलब काउंटर आयन का नंबर तुम्हें क्रिसक्रॉस करके निकालना पड़ेगा यही यहां पे चैलेंजिंग है बाकी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हम कभी भी काउंटर आयन का नंबर नहीं लिख के देते हम कभी भी काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखते सर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते दूसरा एग्जाम्पल है हेक्सा आमीन प्लैटिनम फोर हेक्सा मीन फोर और टेट्राक्लोरो प्लैटिनम या प्लैटिनेट टू अब इसका बता दे भाई मजा आ जाएगा इसका अगर तुमने बता दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा अभी तक जितना पढ़ाया सब सफल है इसका अगर तुमने बता दिया तो जितना पढ़ाया मैं मानूंगा सब सफल है मेरा <laughs> देखो एक कह रहा भूपेंद्र जोगी <laughs> इसका नाम भूपेंद्र जोगी वाह वाह बेटे वाह गुड आफ्टरनून एवरी वन ये मुझे लगता है कई सारे लड़के ना दीदी बन के जान बूझ के ऐसे ऐसे मैसेज लिखते हैं कि सबका ध्यान आकर्षित हो अब वो लिख मान लो एक भैया है दीदी बन के आया गुड आफ्टरनून एवरी वन तो उसको ना यहाँ पुलिसों की कमी थोड़ी है चचा टाइप के लोग हैं समझाने चले जाएंगे बेटा अभी गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा है ये तो गुड इवनिंग है बस अपने आप को सुधारो बे दुनिया को छोड़ दो तो आप बोलोगे सर यहां देखो एक बात है सर दो बार रोमन लेटर लिखा हुआ है ना दो बार रोमन लेटर लिखा होने का मतलब है हमारे पास दो सीएमए है मतलब दो कॉम्प्लेक्स है पहले इस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं आप बोलोगे इस कॉम्प्लेक्स में सर सबसे पहले क्या लिखेंगे सेंट्रल <coughs> मेटल तो वो प्लैटिनम है धीरे से लिख दो प्लस फोर फिर हेग्जा अमीन है हेग्जामीन का मतलब एनएस थ्री है कितने छे तो एनएस थ्री होल सिक्स लिख दिया उधर चलते हैं सर इधर क्या है सर सबसे पहले प्लेटिनेट टू तो प्लेटिनम के ऊपर प्लस टू लिख दो फिर टेट्रा क्लोरो मतलब कितने क्लोरीन चार क्लोरिन चार्लोरिन सीएल कितने चार अब आप बोलेंगे सर अगर हम इस पर टोटल चार्ज निकाले तो फोर और इधर जीरो मतलब फोर और इस पर जीरो टोटल सम होकर आया प्लस फोर इस पे प्लस टू और चार क्लोरीन पे माइनस फोर ये सम होकर आया माइनस टू अब इसको क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे सर तो आप बोलोगे ना इसका एवरेज ले लो मतलब इसका एलसीएम ले लो सर चार का इसको चार ना भेज करके यहां पे चाहो तो ऐसे कर लेते हैं एक काम करते हैं सिंपल क्रिस क्रॉस कर लेते हैं पहले तो आप लिखोगे पी टी एन एस थ्री होल सिक्स यहां पे हमने लिखा फोर और सॉरी यहां पे हमने लिखा ये वाला नंबर जो इधर था टू जाएगा उधर तो यहां पे हमने लिखा टू फिर हमने लिखा पी टी सी एल फोर और इसके ऊपर यहां फोर फिर क्या करेंगे बोलेंगे यार ऐसा टू को वन कर दो इसको टू कर दो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्या मेरी बात समझ में आई बताइए हाँ या ना एम आई क्लेअर्ड ऑल ऑफ यू हाँ भाई मैं किडनैप नहीं हुआ टेंशन मतलब गर्म पानी लेने गया था आज किसी का बर्थडे है हमारे बीच ना यहाँ पे एक भूपेंद्र जोगी नहीं जितेंद्र जोगी है हमारे साथ जो यहाँ पे स्टूडियो इंचार्ज है उनका जन्मदिन है तो बाहर बैठ के सारे लोग मोमोज खा रहे हैं अब सोचो मैं अपना हाँ मोमोज सेक्रीफाइस करके तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ <laughs> वैसे आई एम नॉट अ मोमोज फैन चलिए हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जोगी बहुत बढ़िया शायद जितेंद्र जोगी भाई घर चले गए हैं पूछता हूँ मैं एक बार आपको दिखाता हूँ अगर वो हैं तो सुभाष भाई मैं कह रहा हूँ जितेंद्र जोगी है कि चला गया चले जा चुके हैं ठीक है चलो कोई नहीं कभी और मिलवाऊंगा मौका कल आता फिर आप बताना <laughs> ठीक है इसके बाद नहीं नहीं वो जा चुके हैं चलिए इसके बाद आगे आते हैं सर ये नामकरण का सारा मसला हो गया अब हम आते हैं थ्यूरी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और याद रखना नाम तक तो फिर भी सवाल आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह से भी सिंपल, सिंपल सिंपल सवाल आते हैं बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट <coughs> सर अपना प्लेट लाओ ले लाओ अब जाने दया हाँ भाई जल्दी जल्दी बताइए वो मच चलिए बात करते हैं किसकी सर थ्यूरी एक्सप्लेनिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अब आपको मन में एक सवाल आया होगा कि सर ये इतने विचित्र टाइप के कंपाउंड है जो कुछ आयन देते हैं कुछ आयन नहीं देते है. किसने इनको एक्सप्लेन किया तो टोटल चार हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहली है वर्नर थ्यूरी वॉर्नर नहीं वर्नर थ्यूरी <coughs> दूसरी थ्यूरी है कौन सी तो आप बोलेंगे सिडविक ई एन रूल तीसरी थ्यूरी थ्योरी है सी है CFT और इसके बाद हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा इसके बाद हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और अगर कोई मेरे से पूछे कि सर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के जाना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दो तो मैं बोलूंगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये और एक आ, आपका क्या कहते हैं क्या नाम था यार आइसोमेरिज्म हाँ ऑर्गेनिक वाला नाम है ना थोड़ा फिकल जाता है कभी कभी आइसोमेरिज्म ये दो पार्ट है जिससे सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे सर किसकी वर्नर थ्योरी की कुछ बातें लिख लिख के लेके आया हूं थोड़ा सा टाइम इससे कम लगेगा वर्नर थ्योरी की बात करें वैसे मैं साथ में लिख भी दूंगा आप टेंशन मत लेना मैं अपने भाषा में लिख भी दूंगा सर वार्नर नहीं ये डेविड वार्नर किस लाइन में आ गया अबे तो अब रिटायरमेंट है उसका आज पाकिस्तान के छह सात विकेट गिरा ही दिए हैं कल दो तीन विकेट गिरा के एक आखिरी बार बैटिंग करने आएगा फिर रिटायरमेंट ले लिया तो उसने पहले ही ये काम चालू कर दिया कि हम थ्योरी बना लेते हैं समझे तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी जो कहता कैसे बात करता क्या क्या चीजें करता तो वर्नर अंकल ने नोटिस किया कि यार जब हम नॉर्मल सिंपल सॉल्ट की बात करते हैं ना तो सिंपल सॉल्ट की तो सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स के पास दो वैलेंसी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास कितनी वैलेंसी होती है सर तो आप पाएंगे कॉम्प्लेक्स में जो सीएम है ना सेंट्रल मेटल एटम सारा खेलिसी का है इसके पास दो वैलेंसी है एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी अब जो बातें वर्नर अंकल ने बोली थी मैं वही बोल रहा हूं याद रखना अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा प्राइमरी वैलेंसी को हम पीवी से रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी को हम एसवी से रिप्रेजेंट कर लेंगे वर्नर अंकल ने बोला यार देखो प्राइमरी वैलेंसीज जो है ना प्राइमरी वैलेंसीज जो है ना ये आयोनाइजेबल होती है कैसी होती है आयोनाइजेबल मतलब पानी में जाते ही टूट जाती है पानी में जाते ही टूट जाती है ठीक है उसके बाद अगर हम आगे बात करें दूसरे पॉइंट की ठीक है सर ये प्राइमरी वैलेंसी है पानी में जाने पर टूट जाएगी इसको सेटिस्फाई कौन करता है है ना इसको सेटिस्फाई कौन करता है तो देखने को मिला इन्होंने जो लिखा था वही मैं लिख रहा हूं कि प्राइमरी वैलेंसीज आर जनरली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयन उसके बाद अगर हम बात करें आज के डेट में वैसे एग्जैक्टली exactly तो ये बात सही नहीं है बट आज के डेट में इसी प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे रिलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि भैया वर्नर और चाचा ने ना जो सोचा था ना प्राइमरी वैलेंसी वो आज के डेट का ऑक्सीडेशन वो आज के डेट का ऑक्सीडेशन नंबर है वर्नर चाचा की सोच जो प्राइमरी वैलेंसी की थी वो आज के डेट में ऑक्सीडेशन नंबर है और कभी भी प्राइमरी वैलेंसी को हम सेंट्रल मेटल एटम के साथ जैसे मान लो ये m है तो प्राइमरी वैलेंसी को हम हमेशा ऐसे डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं जैसे मान लो कोई स्पीशीज है a तो इसको इस तरीके से जोड़ेंगे इस डॉटेड लाइन से जोड़ने का मतलब है इट इज आयनाइजेबल ये आसानी से आयनाइज हो जाएगा क्या मेरी बात आपको समझ में आई बताइए हां ना था। था। हाँ भाई बताओ क्या बात सही है हाँ भाई सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है बेटा इस चैप्टर का वेटेज इतना है दब जाओगे इसके नीचे चलिए आगे बात करते हैं <coughs> चलिए इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं फटाफट हाँ तो अगर हम इसके बाद बात करें सर यहां से तो ये इस तरीके से डॉटेड लाइन से इसको मेरी आवाज तो जा रही है हाँ पहले तो नहीं आ रही थी है, है।

चेस खेल रहे होते थे एक बड़ी सी दीवार पे ऐसे कि भैया ये दीवार टूटती क्यों बनी है।, बस वैसे ही है।, ये है मतलब ये टूटेंगे नहीं सर ये टूटेंगे नहीं उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे ये नॉन आयोनाइजेबल है फिर ये इन्होंने कहा ये नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल आयन फुलफिल करता है नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल आयन फुलफिल करता है उसके बाद अगर हम बात करें सर इसको कौन सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी को तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जाता है सेकेंडरी वैलेंसी को मतलब आज के डेट में हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है आज के डेट का कोऑर्डिनेशन नंबर है और लास्ट में अगर हम बात करें इसको मेटल से रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से मतलब ये नहीं इसके बाद वर्नर अंकल ने देखा अरे बीच में घपला भी है थोड़ा सा क्या कुछ फ्यू स्पीसीज सेटिसफाई बोथ पीवी वी एंड एसवी कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं उनके लिए क्या है सर तो उनके लिए याद रखना दे आर नॉन आयोनाइजेबल वो भी नॉन आयनाइजेबल होंगे और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे मेटल से एक स्ट्रेट लाइन इसका मतलब भैया टूटेगा नहीं और एक डॉटेड लाइन की टूटना चाह तो रहा था बट टूट पाएगा नहीं क्लियर है बताइए क्या मेरी बात आपको समझ में आई अब मैं फटाफट आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना के दूंगा आपको उसका फॉर्मूला लिखना होगा बड़का डब्बा वाला तो बेसिकली जब वर्नर अंकल अपनी बातें कर रहे थे ना तो वर्नर अंकल के टाइम में वर्नर अंकल के टाइम में ये डब्बा और ये लाइन वाली बातें थी हम कॉम्प्लेक्स को ऐसे बड़े डब्बे में नहीं रखते थे ठीक है, है। तो हम उसको बड़, बड़े डब्बे में एक बच्चा आया अभी बहुत प्यारा बच्चा है कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा कुछ समझ आएगा भी नहीं हाँ यहाँ ये यार तू की प्रिपरेशन कर रहा है तेरे को पहले तो प्राइमरी वैलेंसी क्या पहले तेरे को ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेबल का मतलब क्या है तभी आगे समझ में आएगा <laughs> कुछ समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं मत समझ तेरे लिए नहीं बना है चलो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सारी बातें लिख रखी है जो हमने बात की वही सारी बातें यहाँ पे मेरे हिसाब से लिख रखी होगी है ना <laughs> यहां पे नोट करके एक बात है कि एवरी मेटल एटम और आयन हैज हैज फिक्स्ड फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर सो इट अ है थोड़ी सी जोमेट्री की बात की थी इन्होंने अब हम कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं आप मेरे को बताना फटाफट इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का आपको फॉर्मूला गेस करना है फोटो देख करके जैसे एक एग्जाम्पल मैं कराता हूं मान लो मैंने लिखा कोबाल्ट कोबाल्ट से जोड़ दिया मैंने एनएस थ्री सॉलिड लाइन से 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 और यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन पे जोड़ दिया एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा सर तो आप बोलोगे देखो जो सॉल सॉलिड लाइन से जुड़ा है वो लीगेंड की तरह काम करेगा जो सॉलिड लाइन से जुड़ा है वो लीगेंड की तरह काम करेगा तो इसका फॉर्मूला आप बोलोगे ये है कोबाल्ट कोबाल्ट से जुड़े हैं कितने एन एस थ्री छः एन एस थ्री तो एन एस थ्री के साथ सिक्स लिखा अब कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है बाकी जो चीज़ डॉटेड लाइन से है उसको हम इस फार्मूले के बाहर लिख देंगे ये है इसका फॉर्मूला क्या मेरी बात समझ में आई बोलिए हाँ या ना क्या मेरी बात आपको समझ में आई बहुत बढ़िया मैं क्या करता हूँ सर इसी को कॉपी कर लेता हूँ इसी को कॉपी करके थोड़ी बहुत बातें बदल लेता हूँ और देखिए कितना मजा आने वाला है इसी कॉम्प्लेक्स को पकड़ा मैंने हु बहू लगभग सेम कॉम्प्लेक्स बस एक चीज बदली बस इसमें एक चीज़ बदला ये वाला क्लोरिन यहाँ से हटाया ये वाला क्लोरिन यहाँ से हटाया और इस क्लोरिन को हटा के यहाँ लगा दिया यहाँ इसको सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइन से लगाया इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है जो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा उसके लिए बाकी सब काम तो हम सेकेंडरी वैलेंसी जैसा ही करेंगे मतलब उसको कोऑर्डिनेशन नंबर ही मानेंगे उसको लीगेंड ही मानेंगे बस वो ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट कर रहे ना चाहता है बताइए फटाफट फड़ बताइए यहां पे क्या होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर बताइए तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी ओ कितने एनस्त्री एक दो तीन चार पाँच तो पाँच एनएस्त्री अंदर लगा दो इसके बाद क्या करो सर क्लोरीन लगाओ और दो क्लोरीन बाहर लगा दो क्या मेरी बात समझ में आई दो क्लोरीन क्यों बाहर आया सर तो आप बोलोगे सर इसमें दो ही क्लोरीन सिर्फ डॉटेड लाइन से थे जो सिर्फ डॉटेड लाइन से होंगे वही आयनाइजेबल होंगे बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं चलिए अब इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं इससे कैसे सवाल आएंगे सर इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे तो देखिए मैं यहां पे अब सीधा सवालों पे आते हैं सवाल की बात करते हैं बेसिकली वर्नर थ्योरी का जो मेजर एप्लीकेशन है वर्नर थ्योरी का जो major application है ना वो है फाइंडिंग नंबर ऑफ आयन कितने आयन है ये फाइंड करना इसका मेजर एप्लीकेशन है शेर को रोटी खानी है शेर को ब्रेक चाहिए शेर रोटी कब से खाने लगा भाई शेर <laughs> तो शिकार करता है <laughs> रोटी थोड़ी खाता है चलिए इसकी बात कर लेते हैं सर थोड़ा हम ये हमें दो चीजों में मदद करता है सबसे पहला क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पता करने में और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटीज में क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे पता करने में मदद करता है सर तो देखो हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रपोशनल होगा नंबर ऑफ आयंस के

दूसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा है आपका लिक्विड सॉल्यूशन मतलब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख दी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लिख दी इन दोनों में ये इन दोनों में ये मदद करता है इन दोनों में ये मदद करता है सर तो ये तीन चैप्टर को कोरिलेट किया इसका मतलब इस टॉपिक से एडवांस भी कभी सवाल पूछ सकता है जहां पे मल्टीपल चैप्टर आ जाते हैं वहां पे एडवांस भी इंटरेस्टेड हो जाता है तो अगर आप देखेंगे ध्यान से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कंडक्टिविटी कैलकुलेशन तो कैसे करते हैं ये दोनों ही नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है सर और नंबर ऑफ आयंस किस पे डिपेंड करेगा मैं आपको चार कॉम्प्लेक्स लिख के देता हूं है ना मैं आपको यहां पे कॉम्प्लेक्स लिख के देता हूं आपको बस मेरे को यह बताना है कि कितने नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट करेगा इसमें कितने नंबर ऑफ आयंस है सबसे पहला कॉम्प्लेक्स सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है सीओ एन एस थ्री होल सिक्स सी एल या ऐसे लिख लेते हैं इस तरीके से नहीं है ना सी ओ सी एल थ्री डॉट सिक्स एन एस थ्री दूसरा सी ओ सी एल थ्री डॉट फाइव एन एस थ्री फिर सी ओ सी एल थ्री डॉट फोर एन एस थ्री फिर सी ओ सी एल थ्री डॉट थ्री एन एस थ्री चलिए बताइए तो सबसे पहले आपको इन सब का फॉर्मूला लिखना होगा और फॉर्मूला लिखने के पीछे क्या बातें हैं वो ध्यान से सुनिएगा फॉर्मूला लिखने के पीछे एक आरबीआई याद रखिएगा टैग आरबीआई ऐसा कोई भी फॉर्मूला आपको दे सबसे पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को इससे सेटिस्फाई करवाओ एनएस थ्री सेटिस्फाई कराओ एनएस थ्री से भरो जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसके आने हैं वो एन से भरने चाहिए एनएस के बाद एनएस के बाद फिर किससे आने चाहिए सर तो आप बोलोगे एनएस के बाद फिर क्लोरीन से भरो तो पहले मैं भरोमूला लिखता हूं देखो यहां पे क्या करता हूं सर मैं पहले यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ आइंस इन वाटर पानी में जाने के बाद है ना तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं आप बोलोगे सर ये कोबाल्ट प्लस थ्री है क्लोरीन के साथ ये भी कोबाल्ट प्लस थ्री है तीन क्लोराइड के साथ ये भी प्लस थ्री ये भी प्लस थ्री सर कोबाल्ट प्लस थ्री का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है छ होता है इसका मतलब इसको छह लिगेंड चाहिए इलेक्ट्रॉन करवाने के लिए तो सबसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या आप बोलोगे कोबाल्ट फिर छह एनएस थ्री इसके अंदर और उसके बाद तीन क्लोरीन बाहर तो इसको अगर हम पानी में डालेंगे ये टोटल हमें चार आयन देगा इट विल फोर कौन कौन से जिसमें तीन क्लोराइड आयन है और एक बड़का कॉम्प्लेक्स आयन बड़का आयन क्या मेरी बात समझे अब एक टूटेगा तो ये कॉम्प्लेक्स भी तो एक आयन बना रहा है तो ये टोटल चार आयन हमें बना के देगा ये टोटल कितने आयन हमें बना के देगा चार इसकी बात करें इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सर तो आप बोलोगे देखो ये कोबाल्ट है कोबाल्ट के साथ एनेस्त्री जितना है सब भर दो कितने एनेस्त्री पांच ओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए था चार मतलब सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर छह चाहिए था तो एक क्लोरीन को अंदर रहना पड़ेगा मजबूरन कोऑर्डिनेशन नंबर को सैटिस्फाई करने के लिए और दो क्लोरीन बाहर हुआ तो ये कितने आयन में डिसोसिएट हुआ आप बोलोगे ये तीन आयन में डिसोसिएट हुआ सर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे कोबाल्ट है कोबाल्ट के साथ कितने आमीन है सर चार ही पॉसिबल है जो है फिर दो क्लोरिन को यहां लिया एक क्लोरिन बाहर की तरफ ये दो आयन देगा और आखिरी वाले की अगर हम बात करें तो भैया इसमें इसका फॉर्मूला होगा सीओ एन एस थ्री होल्थ्राइस Cl3 थ्री मतलब इसके पास एक भी आयन नहीं है ये जीरो आयन देगा सर क्या मेरी बात समझ में आई बहुत सारे लोग बहुत देर से आंसर कर रहे हैं फोर थ्री टू जीरो वन जिन्होंने भी आंसर किया है सभी को मेरे तरफ से एक दिल बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब इसमें अब एक आयन इसमें कोई आयन नहीं है सर कोई आयन नहीं न्यूट्रल है इट इज न्यूट्रल स्पीसी बताइए क्या ये बात क्लियर है बीस दिन बचे हैं यार अब तो जई में दिन भी कितने बचे हैं पंद्रह बीस दिन बचे हैं मुश्किल से पंद्रह बीस दिन में तुम या तो लड़ाई के उस पार हो या लड़ाई के इस पार हो या तो तुम्हारी तलवार ऐसे बीच में लटकी होगी कि सर अब होगा नहीं होगा या तो तुम एकदम रिलैक्स रहोगे भैया मेंस फोड़ दिया है बोर्ड बचा है बोर्ड पे फोकस करते हैं और एडवांस पे फोकस करते हैं इन 20 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कुछ और मैं आपको एक बहुत ही अगर आप मेरे से पूछो ना तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा देना चाहता हूं हर बार आपने जेई मेंस वन में जितने नंबर स्कोर किए हैं जेई नंबर जेई मेंस सेकंड में उतना सेम परसेंटाइल लाने के लिए आपको मैंने जो अपने कम से कम हजारों स्टूडेंट्स के बीच ये नोटिस किया है कि सेकंड अटेम्प्ट या पहले तो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट भी एक बार हुआ चार चार अटेम्प्ट भी एक बार हुए उन सभी में जैसे जैसे आगे अटेंप्ट जाते गए सर परसेंटाइल लाने के लिए पंद्रह से बीस नंबर ज्यादा लाना पड़ता है सेम परसेंटाइल लाने के लिए यह बात याद रखना पहले अटैम्प्ट में जो परसेंटाइल आ गई उतना ही परसेंटाइल लाने के लिए सेकेंड अटेंट में तुम्हें कम से कम पांच से सात एक्स्ट्रा सवाल करने पड़ेंगे तो क्यों ना फर्स्ट अटैम्प्ट क्यों ना पहले अटेंप्ट में ही फोड़ डाले ये बात हमेशा याद रखना यह अभी तक के एक्सपीरियंस से मैं ये बात कह रहा हूं क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो कुछ भी हो 20 से 25 नंबर ज्यादा होते ही हैं सर तभी सेम परसेंटाइज लाएगी क्योंकि मैंने ये मैं आपको यह बता रहा हूं इनफैक्ट कि मेरे कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो एक किया और उनके एक नंबर में उनकी परसेंटाइल आ गई सर नाइन्टी प्लस परसेंटाइल आ गई अगले अटेम्प्ट में उन्होंने 200 नंबर का पेपर किया या 205 नंबर 10 नंबर का पेपर करके आए और उनको लग रहा है इस बार परसेंटाइल जैसे मान लो पहली बार परसेंटाइल आई 99.6 एक एग्जांपल ले लेते ले हैं एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं या 99.8 एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे बार उनकी परसेंटाइल गिर गई सर 15 नंबर 20 नंबर ज्यादा आने से भी यह मैंने कितने बच्चों के साथ नोटिस किया है अगर तुम्हें दूसरे अटेंट में सिग्निफिकेंटली परसेंटाइल इंक्रीज करनी है तो पहले अटेम्प्ट से कम से कम तीस से चालीस नंबर बढ़ाना पड़ेगा ये नॉर्मल कंडीशन है अपवाद हो सकते हैं There can be exceptions कि इतना टफ पेपर आ जाए कि यार एक नंबर पे एडवांस के साथ हुआ ना इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाला पेपर थ्री वाला नहीं ट्वेंटी टू वाला जो पेपर हुआ उस पेपर में एक सौ बीस नंबर पे चार चार हजार रैंक आई है भाई तीन हजार रैंक तीन हजार रैंक का मतलब अपनी मर्जी के आईटी में एडमिशन ले सकते हो भले ब्रांच जो चाहो कोर ब्रांच शायद ना मिले अपनी मर्जी के आईटी पे लेकिन कुछ आईटीज में आपको कोर ब्रांच मिल जाएगी और कुछ आई में आप अपने मर्जी के आई टी एडमिशन तो ले ही सकते हो ऐसा ऐसा हुआ था सर तो समझ गए तो ऐसा हो जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता फिर तो जिन बच्चों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके 360 में से कम से कम 320 नंबर आने चाहिए उसके भी 260 नंबर आए थे और 260 में भी वो 20 रैंक लेके आया था 19 या 20 रैंक थी लेकिन ये बदलता है सर खेल बदलता है एडवांस है यार मजाक थोड़ी है चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं तो ये बात हो गई क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की अब इससे सवाल कैसे आएंगे अपन सवाल करते हैं इससे सवाल कैसे आएंगे अपन सवाल करते हैं सबसे पहला सवाल ये रहा ये दूसरा सवाल है क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन में गिव द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग इनमें से ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी आपको बतानी है पहला ऑप्शन में देता हूं ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी दूसरा ऑप्शन में देता हूं ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी तीसरा ऑप्शन में देता हूं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी और चौथा ऑप्शन में देता हूं ए इज ग्रेटर देन बी मतलब उल्टा सी उल्टा डी और यहां पे आप क्या करेंगे इसको एक सुधार लेंगे सी एल टू है और यहां पर है चलिए आपका समय शुरू होता है अब फटाफट पड़ देखें कौन पोल में तबाही मचाता है इस पोल में कौन तबाही मचाता है इस बार सही आंसर वालों को खोजा जाएगा तो आप क्या बोलोगे सर सर कंडक्टिविटी जो है ना कंडक्टिविटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी अभी शायद तुमने एक दो दिन पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है मतलब इसी वीक शायद तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन फर्निस्ट जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा चार्ज लेके जाएगा कोई इसकी बात करें भैया ये कितने आयन बना के देगा तो आप बोलोगे सर तीन यहां से और एक यहां से चार आयन ये दो यहां से एक यहां से तीन बना दो ये एक क्लोरीन दो इधर तो दो बना दो ये जीरो तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ आयन जिसका ज्यादा वो जीत गया आगे कुछ सोचने का ही नहीं तो आप बोलेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा आ गया सर अबे ज्यादा देर का कर दिया क्या तो ए सबसे ज्यादा फिर बी फिर सी फिर डी ए ऑप्शन क्या हो गया भाई तुम लोगों को अच्छा यार मैं लीडर बोर्ड देखना भूल गया है ना क्या खा है तुम लोगों ने नाइनटी एट परसेंट पोल वो भी क्या कहते हैं गजब भाई थोड़ा मैं नाइट लाइट ऑन कर लेता हूं इससे मेरी आंखों को भी थोड़ी आराम मिलेगा उसके बाद दूसरा सवाल है ये है ए ये है बी आपको बताना है ऑर्डर कंपेयर करना है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन ए इज ग्रेटर देन बी ऑप्शन नंबर टू ए इज लेस देन बी ऑप्शन नंबर थ्री ए इज इक्वल टू बी ऑप्शन नंबर फोर नन आपका समय शुरू होता है अब चलिए बताइए वन का मतलब ए टू का मतलब बी हां बताइए इसमें क्या करेंगे सर इसमें कैसे करेंगे बताओ 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 तो आप बोलोगे सर ये तो और इजी है सर ये तो और ज्यादा इजी है कैसे देखते हैं एक बारी आप बोलेंगे सर इसको तोड़ो तो एक बारी ये तोड़ टूट के क्या बनाएगा सीओ एन एस थ्री होल फाइव एसओ फोर और बढ़ के ब्रैकेट में प्लस और एक बी आर माइनस ओ हो हो कितने आयन मिले सर दो आयन मिले सर इन भाई साहब आपको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आप बोलोगे इनको भी तोड़ेंगे तो ये भी दो आयन देंगे ये कितने आयन देंगे सर दो दोनों सेम नंबर ऑफ आयन दे रहे हैं अबे जब सेम नंबर ऑफ आयन देते हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है इफ नंबर ऑफ आयन इज सेम आप बोलोगे ना ये बात तो ठीक है सर सीख गए अगर मान लो नंबर ऑफ आयन सेम हो जाए तब आप क्या बोलेंगे तो बोलेंगे कंडक्टिविटी इज प्रपोर्शनल टू चार्ज अब बेटा पे जो आना आना आन है इस कटायना प्लस वन माइनस वन यहाँ पे जो आना आना है इस कटायना प्लस टू माइनस टू तुम सोचो तुमने मजदूर हायर किया है क्या करने के लिए ईटा एक जगह से दूसरे जगह ईट रखाने के लिए एक सेट ऑफ मजदूर क्या कर रहा है एक एक ईटा लेके जा रहा है और आ रहा है और एक सेट ऑफ मजदूर दो दो ईटा लेके जा रहा है और आ रहा है ऑब्वियसली दो दो ईटा लेके आने जाने वाला मजदूर ज्यादा काम करेगा ज्यादा चार्ज कैरी करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर कि बी ज्यादा बी की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसको फिफ्टी परसेंट लोगों ने सही किया बहुत बढ़िया मैं ये देख पा रहा हूं कि नंबर ऑफ आयन पे फंसे कुछ लोग कितने परसेंट बत्तीस परसेंट मतलब थर्टी थ्री ले लेते हैं लगभग वन थर्ड लोग नंबर ऑफ आयन के खेल में फंस के रह गए वो ये नहीं सोचे कि अगर मान लो नंबर ऑफ आयन सेम भी है तो भी तो सर चार्ज वैरी कर रहा है चार्ज के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज लेके कैरी कर पाएगा ना बहुत बढ़िया हर्षित वर्मा जी समीर झा और प्रशांत चौधरी फिर आलोक शुक्ला बहुत बढ़िया ये क्या है अच्छा नाम ये आई टी जी रख लिए हैं बहुत बढ़िया क्या मेरी बात समझ में आई कितने लोगों की बात समझ में आ गई फटाफट दिल बना दीजिए कितने लोगों को मजा आया इस सवाल में हाउ टू गिव पोल यू नो नीड नॉट टू गिव पोल यू हैव टू गिव आंसर तुमको पोल नहीं देना तुमको आंसर देना है समझे तुमको बेटा पोल नहीं आंसर देना है हां बताइए चलिए ये बहुत प्यारा सवाल है सर ऐसे खूब सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे अब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल करा लू क्या तुमसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल करा लू क्या यार हाँ ना बोल दो यस नो यस नो यस नो देख लेते हैं यस नो कितने लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल करा लू क्या यस और नो यस ही बोलोगे बे मुझे भी पता है जब तक पोल हो रहा है तब तक कमेंट में यस और नो लिखना है हां क्वेश्चन इफ फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड आर एडेड इन वोटर

ये 0.1 मोल सभी का ऐड किया है और कितने पानी में तो हमने एक के पानी में सभी का ये ऐड किया है आपके पास ऑप्शन क्या है देखते हैं होल का रिजल्ट चेक कर लेते हैं ब्रेक देंगे अभी ओहो एटी नाइन परसेंट एज एक्सपेक्टेड ओके अगर हम बात करें सर सबसे पहला ऑप्शन है CO एन एच थ्री होल थ्री सी एल थ्री दूसरा ऑप्शन सीओ एन एस थ्री होल सी एल इसको कॉपी कर लेता हूं मैं ये दो बार मेरे काम आ जाएगा <laughs> ये निंजा टेक्निक है दोस्त ये तुम्हारे पास नहीं है ओहो होल सिक्स सी एल थ्री फिर सीओ एन एस थ्री होल फाइव सी एल सी एल टू और आखिरी वाला है सीओ एन एस थ्री होल फोर सी एल टू और यहां पे Cl तीन और चार अब आपका समय शुरू होता है पोल पे ऑप्शन ए बी सी डी कमेंट करना चालू कर दीजिए क्या होगा देखते हैं हाउ टू गिव पोल यू नीड नॉट टू गिव पोल यू जस्ट हैव टू गिव आंसर तुम पोल क्यों दोगे बे पोल तो मैं दे रहा हूं तुम आंसर दो ए बी सी डी कमेंट बॉक्स में लिख दो आंसर खुद पिक कर लेगा हाँ बहुत बढ़िया एक नंबर चलिए जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर देखो हमें पता है डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू आई के बी एम के बी डिपेंड किस पे करता है सर तो सॉल्वेंट में सॉल्वेंट मतलब पानी सभी में पानी है हाँ सर मोलारिटी मोलालिटी की बात करें सभी के मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी सेम है सर सबकी मोलालिटी जीरो पॉइंट वन है इसका मतलब इस केस में हमारे लिए डेल्टा टीबी जो है मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू वैट ऑफ तो फैक्टर वैंट ऑफ तो फैक्टर प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है सर तो आप बोलेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट

ये एक मॉलिक्यूल तीन कंपाउंड में टूटेगा ये एक मॉलिक्यूल दो कंपाउंड में टूटेगा जो नहीं टूटता उसका वेंट ऑफ फैक्टर वन होता है जीरो नहीं होता उसमें नंबर ऑफ आइन जीरो है बट फैक्टर तो, तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी हो जाएगी बी की आइए हाँ देखते हैं फिफ्टी फोर परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया कुछ लोगों ने गलत आंसर दे दिया बट कोई बात नहीं ठीक है अपन धीरे धीरे सीखते हैं लीडर बोर्ड की बात करें तो नीरज प्रतापति जी पुनीत हेगड़े अंदीप, फिर रोहित राज चौधरी और आलोक पांडे फिर दर्शित जलोद्रा, बहुत बढ़िया एक दीदी भी दिखी मुझे श्वेता सोनी की बहुत बढ़िया शानदार क्या मेरी बात समझ में आ गई फटाफट दिल बना दीजिए ऐसा सवाल अगर सॉल्यूशन या कंडक्टिविटी से रिलेटेड पूछेगा तो धोखा तो नहीं खाओगे दोस्त करके आएंगे ना हाँ चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अभी ब्रेक के पहले का आखिरी टॉपिक अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द लास्ट टॉपिक बिफोर ब्रेक इसके बाद हम ब्रेक लेंगे ब्रेक लेने के बाद 20 मिनट का हम फिर स्टार्ट करेंगे फिर हम दो से तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दो से तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वी और सी उसमें हम पढ़ेंगे और मैं आपको वी में ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ऐसे ऐसे आर बताऊंगा ना कि तू भाई जेई के सवाल की धज्जियां उड़ा देगा सॉल्व नहीं करेगा धज्जियां उड़ा देगा सर चलिए आगे आते हैं सिडविक ई एन रूल ये रूल क्या कहता है सर सिडविक ई एन रूल सिडविक होता है ई एन का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है इसका मतलब एक्चुअली में होता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को संभाला जा रहा है सीए में एम ए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन संभाल रहा है इसको हम क्या कहते हैं सर वी कॉल इट ई एन इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है इफेक्टिव एटोमिक नंबर को निकालने का फॉर्मूला क्या है सर देखिए इसको हम कहते हैं Z मतलब एटोमिक नंबर ऑफ दैट सी एम ए फिर हम इसमें क्या जोड़ते हैं प्लस टू टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर और इसमें हम माइनस कर देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन सब का मतलब मैं लिख रहा हूं जो अभी अभी जुड़े हैं है ना कुछ लोग पैरासूट लैंडिंग भी होंगे जैसे अभी मेरे सबसे बैच में क्लासेस चल रही होगी आठ बज गया है आठ बजते जैसे टाइम खत्म होगा फिर अपने आ जाएंगे क्या कहते हैं इधर उधर गैंग के लोग एना कोबरा गैंग के कुछ लोग आएंगे कुछ लोग आएंगे अपने कद्दू गैंग के कुछ लोग आशिक गैंग के लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे है ना दीवाने गैंग के भी लोग हैं यहां पे, तो चलिए ये है फॉर्मूला यहां पे सारी चीजों का मतलब क्या है Z का मतलब क्या है सर Z का मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सी Cn का मतलब क्या है सर कोऑर्डिनेशन नंबर और ओ एन का मतलब क्या है सर ऑक्सीडेशन नंबर इसको ओ एस भी लिख दिया जाता है कई जगह पे। घबराना मत दोनों एक ही बात है ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या ऑक्सीडेशन नंबर बोलो दोनों एक ही है व्हाट इज द आरबीआई अबे फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं यहां तक आप बात सीख गए हाँ सर चलिए बहुत बढ़िया अब ई एन रूल क्या ये तो ई e एन है ये क्या है ई ए एन अब आप बोलोगे सर ई e एन रूल क्या कहता है ई e एन रूल ये कहता है ई e एन रूल को हिंदी में लिख दू तुमको अभी कहीं डेफिनेशन तो नहीं लिखना है ना यार हां भाई तुमको कहीं ई e एन रूल का डेफिनेशन तो नहीं लिखना है भैया बोलो अंकिल बताइए आपको कहीं डेफिनेशन तो नहीं लिखना है अबे हा ना कुछ तो बोल कि लिखना है सर नहीं लिखना है हाँ अंटर पंटर यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हिंदी में लिख देता हूं मतलब ऐसे हिंग्लिश से मैं लिख देता हूं तो ई एम रूल यह कहता है कि सभी सीएमए सभी सेंट्रल मेटल एटम अपने नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर के इक्वल अपना ई एन करना चाहते हैं एक बच्चा पूछ रहा सर इसके पीछे लॉजिक क्या है इस फॉर्मूले के पीछे मैंने देखा किसी कमेंट में किसी बच्चे ने पूछा सर इसके पीछे लॉजिक बता दो सिंपल सा लॉजिक है भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी जैसे मान लो मैंने निकल लिया मैं निकल लिया नहीं मैंने निकल एलिमेंट लिया हां और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया प्लस टू और मान लेते हैं कि इसको चार लीगेंड ने कोऑर्डिनेट किया इलेक्ट्रॉन इसमें सीएल फोर ये कॉम्प्लेक्स है ऐसा और इस पूरे पे चार्ज हो जाएगा माइनस टू ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि भाई निकल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वगैरह एक्सेप्ट करने के बाद तो आप बोलोगे सर देखो अगर हम निकल की बात करें ना तो निकल के पास ऐसे तो टोटल अट्ठाईस इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इस पर प्लस टू चार्ज भी है तो अट्ठाइस में से माइनस कर देंगे प्लस टू तो अब इसके पास कितने बचे छबीस इलेक्ट्रॉन बचे लेकिन ये निकल का कर रहा है चार लिगेंड भी इससे इलेक्ट्रॉन पेयर चार तीर भी ले रहा है सर उड़ता हुआ चार तीर ले रहा है हर तीर में दो इलेक्ट्रॉन मिले इसको तो आप बोलोगे सर चार तीर का मतलब है फोर इंटू टू मतलब टू इंटू फोर यह कितना हो गया आठ तो ये फाइनल कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है बताइए क्या मेरी बात चमकी बोलो हाँ या ना। <coughs> क्या मेरी बात आपको समझ में आई बताइए हाँ या ना। बोलिए तो ये है इसका फॉर्मूला अब हम क्या करेंगे सर ई e एन निकालना चालू करेंगे अब हम ई ए एन निकालना चालू करेंगे हाँ भाई सवाल करें दोस्त हाँ भाई सवाल करते हैं गर्मा गर्म पानी आ गया है सिर्फ पानी है दोस्त इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ पानी है इसमें कुछ हाँ लच्छा पराठा देख रहे हो इसके बाद आगे बात करते हैं फिर कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है वो याद रखना ये वाली लाइन तो फर्जी वाले में यहाँ पे आ गई है इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था इसको हमने पढ़ रखा है कुछ पॉइंट याद रखना सबसे पहला सिडविक रूल का एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल और मेटल नाइट्रोसिल ये सिर्फ और सिर्फ मेटल कार्बोनिल और मेटल नाइट्रोसिल पे हमेशा एप्लीकेबल होता है एप्लीकेबल ऑलवेज मतलब इन दोनों पे तो हमेशा एप्लीकेबल होता है और ये रूल है रूल हमने जो बोला वो बात तो ठीक है ये सारी बातें अपने को समझ में आ गई अब इसका मतलब अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास कोई डी ब्लॉक के एलिमेंट का मोस्टली कॉम्प्लेक्स देखेंगे अगर हमारे पास कोई थ्री डी का कॉम्प्लेक्स है तो वो अपना ई एन कितना करना चाहेगा है ना अगर 4d का कॉम्प्लेक्स है तो वो अपना e कितना करना चाहेगा 5d सीरीज का कॉम्प्लेक्स है तो कितना करना चाहेगा 3d सीरीज का कोई भी कॉम्प्लेक्स अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रिप्टन के बराबर जो कि उसके नेक्स्ट मतलब बाद में आने वाला नोबल गैस है 36 के बराबर करना चाहेगा 4d सीरीज का कोई भी एलिमेंट अपना जो नेक्स्ट एटोमिक नंबर है वो जेनॉन दैट इज एटोमिक नंबर फिफ्टी के बराबर करना चाहेगा और फाइव सीरीज का कोई भी एलिमेंट फाइव सीरीज का कोई भी एलिमेंट अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो रेड ऑन मतलब कि एटॉमिक नंबर 86 के बराबर करना चाहेगा क्या <coughs> मेरी बात आपको समझ मैं। समझ में में आई आई बात तो ये अपने एटॉमिक नंबर को या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को इतना करना चाहेंगे बताइए क्लियर है तो फटाफट क्लियर क्लियर लिख दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लियर है तो फटाफट पड़ क्लियर क्लियर लिख दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया रिडबर कांस्टेंट अबे इसमें रिडबर कांस्टेंट कहाँ आएगा भाई भाई <coughs> क्या मेरी बात आपको समझ आई चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं अब कुछ सी एलिमेंट्स के लिए ई एन निकाल लेते हैं देखते हैं सबसे पहले फाइंड ई ए एन सबसे पहला CO ओ एन एस थ्री होल सिक्स थ्री पॉजिटिव फटाफट इसके लिए निकालो यार देखे कौन सबसे पहले निकालता है आपका समय शुरू होता है अब खूब सारे सवाल होंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के फटाफट आंसर देते जाइए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है <coughs> देखो हमारे बीच आए शुभम चक्रवर्ती साहब वो किसी से पूछ रहे हैं गर्लफ्रेंड बनोगी अरे भाई वो लड़का है वो कैसे गर्लफ्रेंड बनेगा <laughs> तुम लोगों की नादानी कब जाएगी यार अच्छा एक बात और अबे सुन दोस्त तुक्के में ना तुक्के में आंसर मत कर देना कि हर बार छत्तीस होगा क्योंकि ई ए एन रूल हर कॉम्प्लेक्स के लिए काम नहीं करता अगर ये सही होता ही ना तो आगे का कोई रूल नहीं होता बे तो ई सभी के लिए काम नहीं करेगा तो आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे तो दो तीन बातें सबसे पहले इसका कितना 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 है 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 इस इसका छमूला क्या हो जाएगा का बोलेंगे हुआ के साथ हो चौबीस प्लस बारह आंसर कितना आ गया मेरे यार 36. कितने लोगों ने आंसर किया है बताइए जितने लोगों का थर्टी सिक्स आंसर है बहुत बहुत बधाई हो आपको आपको सही आंसर हुआ है अगले सवाल पे चलते हैं सर अगला सवाल तुरंत करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू मैंने आपको दिया होल कोई चार्ज नहीं चलिए <coughs> हे हे एनआईसी वाला तो पोल ही नहीं करना था स्टॉप पोल कुछ भी आंसर मार्क कर दो जीरो जीरो होगा ठीक है पोल पे चलते हैं इंटीजर टाइप पे स्टार्ट करते हैं हाँ मजा आ रहा है सर हर बार छत्तीस आ रहा है ना मजा आ रहा है अभी रुको भैया थोड़ा टाइम दो

बत्तीस वो लाएंगे जो टू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को हां उनका बत्तीस ही आएगा बहुत बढ़िया नाइनटी परसेंट अब मेरे को लगता है धीरे धीरे जनता समझदार हो रही है और जब जनता धीरे धीरे समझदार बनने लगे तो बीच में एक धोखा फेंक देते हैं लो भैया इसका बताओ सी आर एच टू ओ होल थ्री सी एल थ्री फटाफट इसके बारे में बता दीजिए क्या होगा इसका ई ए एन क्या होगा इसका ई ए एन चलिए इसके बारे में बता दीजिए <coughs> तो सारी बातें लिख लिया करो अगर तुम्हें जो जिसको चीजें समझ में आती है वो तो एक लाइन में लिख देगा सीधा वो लिख के फॉर्मूला लिख के आंसर लिखेगा जिसको नहीं समझ में आता है, वो सब निकाल दो जैसे क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा तो आप बोलोगे सर x इस पे जीरो इस पे माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस थ्री ये हो गया प्लस थ्री तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्लस थ्री का सर इसकी बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर तीन यहां से तीन यहां से यह हो गया छ और क्रोमियम का जो जेड है टॉमिक नंबर वो कितना होता है सर 24 होता है तो आप लिखेंगे ट्वेंटी फोर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सॉरी प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर सॉल्व करेंगे तो याड ट्वेंटी वन प्लस ट्वेल्व आंसर इज 33 आंसर इज 33 कितने लोगों ने सही किया देखते हैं मुझे अब अभी अगर मैं छत्तीस लिखूंगा ना तो पता नहीं कितने लोगों का सही आंसर आ जाएगा 55% लोगों ने सही किया बहुत बढ़िया अब याद रखना लेकिन फिर भी ये 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 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता करता है सर। ये करता है सर सर बात याद रखिएगा इसका मतलब ये रूल इज नॉट अल्टीमेट रूल ये रूल इज नॉट अल्टीमेट रूल फिर चार नंबर पे चलते हैं चार नंबर की बात करें तो हमारे पास है के फोर एफ होल सिक्स इसके बारे में बता दो फटाफट इसका ई कितना आएगा <coughs> एक इसका करते हैं और चार नंबर के बारे में ऐसे ही बता दो अब मैं पोल नहीं करता पोल कर लिया अब इसका बता दो तो आप बोलोगे सर यहां पे हमारे पास आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू का है कोऑर्डिनेशन इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है तो ये इनका फॉर्मूला लिख देते हैं सीधा ये हो गया 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज प्लस टू प्लस टू इंटू कॉर्डिनेशन नंबर दैट इज ये हो गया कितना 26 में से दो हो गया 24 24 में 12 जोड़ दो कितना आ गया थर्टी सिक्स उसके बाद पांच नंबर पे चलते हैं सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को पांच नंबर पे मैंने लिया सीओन होल टू सी एल टू और बाहर एक सी एल चलिए इसके बारे में बता दीजिए इसके लिए पोल करा लेता हूं इसके लिए पोल करा लेता हूं <coughs> हाँ भाई थर्टी सिक्स देख लेते हैं आप बोलोगे सर यहां पे ना कोऑर्डिनेशन नंबर पर ट्रिक है ईएन जो है ना ईएन ये एक बाइड लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है bidentate. चार्ज तो प्लस मतलब, थ्री का हो जाएगा इस पर तो अब बोलेंगे सर हमारे पास ई एन इसका कितना आ जाएगा जेड दैट इज ट्वेंटी सेवन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज प्लस थ्री और प्लस टू इंटू कॉर्डिनेशन नंबर तो बाइडेंटेट का मतलब टू टू या फोर प्लस टू सिक्स तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है टोटल ये फाइनल कितना आ थर्टी सिक्स कितने लोगों का मैच कर गया थर्टी सिक्स तो तुम सभी लिख रहे हो बार बार है थर्टी सिक्स तो भर दिया है एकदम अब एक मजेदार सवाल दू एक मजेदार सवाल दू देखो इसको करके बताना तो इस पर मजा आ जाएगा चलो अभी तक तो कर दिया कितने हो गए पांच हो गए छठे नंबर पे आते हैं पी टी एन एस थ्री होल फोर सी एल टू अब बता दो अब बताओ भाई अब बताइए कितना आएगा इस सवाल में क्या ट्रिक है यह मैं आपको पहले बता देता हूं इस सवाल में सबसे बड़ा ट्रिक यह है कि सर सबसे पहले प्लैटिनम जो है उसका कोऑर्डिनेशन उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए सर प्लैटिनम बिलोंग करता है 5d सीरीज को इसके ऊपर आता है प्लेडियम उसके ऊपर आता है निकल ठीक है सर सर निकल का एटॉमिक नंबर 28 है तो पलाडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा सर तो आप बोलेंगे यहां से जब हम यहां मूव करते हैं तो वी एड 18 इसमें 18 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 46 फिर यहां से यहां जब हम मूव करेंगे प्लैटिनम पे तो हम कितना ऐड करेंगे सर बोलो बोलो तो आप बोलोगे सर हम इस पर ऐड करेंगे थर्टी और ये हो जाएगा 78 मतलब इसका एटॉमिक नंबर 78 है पहले तो ये कैच है फिर प्लेटिनम पे चार्ज तो कुछ भी नहीं प्लस टू का यहां पे जो हम ई e निकालेंगे वो कैसे आएगा सर आप बोलेंगे Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर साइन के साथ प्लस टू इंटू कॉर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर चार है ऑक्सीडेशन नंबर टू है Z की वैल्यू 78 तो हमने लिखा 78 एट माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर प्लस टू प्लस टू इंटू कॉर्डिनेशन नंबर ये हो गया फाइनल आंसर आ गया इसमें से इसको माइनस किया ये सेवेंटी सिक्स प्लस एट दैट कम्स आउट टू बी एटी सॉरी, कम्स आउट टू बी एटी आएगा ना यार सही कह रहा हूं हाँ. समझ गया है तो हर बार बेटा आग बंद करके 36 मारने की जरूरत नहीं है हर बार 36 लिखने की जरूरत नहीं है अब चलो दो सवाल पे एक क्वेश्चन दिया कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ K4 FECN whole 6 and K3 FECN whole 6 just by EN सिर्फ ई को कंसिडर करते हुए इसका इसके बारे में आप बताओ सिर्फ ई को हम क्या कंपेयर करेंगे यार सिर्फ और सिर्फ ई e भैया सिर्फ और सिर्फ ई e एन आप बोलोगे इसका ई e कैसे निकलेगा तो इसका ई e निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है इस पे एटॉमिक <coughs> नंबर इसका कितना है सर हमें पता है दैट इज 26 चार्ज चार जिसपे प्लस टू चार जिसपे प्लस थ्री कोऑर्डिनेशन नंबर इसका छः कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी छः तो इस पर ई e निकालेंगे एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज प्लस प्लस टू इंटू सिक्स ये फाइनली कितना आ गया सर चौबीस में बारह जोड़ा छत्तीस जो कि नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर है बहुत बढ़िया इसकी बात करेंगे इसमें कितना आ जाएगा सर तो आप बोलेंगे छब्बीस माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो कि प्लस थ्री और प्लस कितना कर देंगे टू इंटू कॉर्डिनेशन नंबर जो कि सिक्स है तो ये कितना आ जाएगा सर आप बोलेंगे छब्बीस में से तीन घटाया ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेल्व थर्टी फाइव सर ये नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर है बट ये नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू ई एन अकॉर्डिंग टू ई एन स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए था ये होना चाहिए था बट एक्चुअली के फोर एफई सी एन होल सिक्स एंड के थ्री एफई सी एन होल सिक्स में ज्यादा स्टेबल है धोखा हो गया दोस्त इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि ई ए एन रूल इज नॉट अल्टीमेट रूल याद रखना ई एन रूल इज नॉट अल्टीमेट रूल बस इसके बाद थोड़ी देर का लंच मतलब लंच तो क्या डिनर ब्रेक ले लूंगा और उसके बाद सी एफ टी देखो मैं बता देता हूं इस टॉपिक के बाद हमारे पास चार टॉपिक बचेंगे <coughs> क्या कहते हैं आपका वीबीटी सी एफ टी और फिर सिनर्जिक बॉन्ड और आइसोमेरिज्म जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि लगभग लगभग हर टॉपिक पे वीबीटी और सीएफटी पे कॉम्पेरेटिवली हमें दो घंटे लग जाएंगे मान लेते हैं है ना सवालों के साथ खूब सारे जेई के सवाल करेंगे उसके बाद फिर सिनर्जिक बॉन्ड में आधा घंटा लगेगा और आइसोमेरिज्म में आधा घंटा मतलब फोर्टी फाइव मिनट से एक घंटा मान लेते हैं तो इतने देर में लगभग तीन साढ़े तीन घंटे में उसके बाद हमारा मामला पूरा निपट जाएगा ठीक है ये मेरा लगभग नियर अबाउट कैलकुलेशन है मैंने सोचा था आठ घंटे तक में खत्म करना है लगभग लगभग कर अब पाँच पाँच हाँ। <coughs> कर अपन देखें से और ठीक है कॉपी कॉपी लिया लिया बताइए क्या आपने कर लिया? हाँ, इसका रीजन तो है कि उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो आगे पढ़ेंगे सर चलिए फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद अगले पेज पे अगले पेज पे, पे हम पढ़ने वाले हैं क्या फटाफट 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 तो देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए एन रूल हम क्या पढ़ेंगे सर लिखिए एप्लीकेशन ऑफ ई एन और एप्लीकेशन ऑफ ई एन रूल पढ़ने के बाद हम ब्रेक ले लेंगे सर इसके बाद हम ब्रेक ले सकते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग सबसे पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर आप कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो किसी कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे एग्जांपल के लिए एक सवाल देता हूं क्वेश्चन इफ गिवन कॉम्प्लेक्स फॉलोज ई ए एन रूल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बताइए X कॉम्प्लेक्स क्या है सी ओ एल एक्स सी एल टू और बाहर सी एल ऑप्शन आर ए वन बी थ्री सी टू डी जीरो आपका समय शुरू होता है अब चलिए फटाफट फड़ निकालिए फटाफट फड़ कैलकुलेट कीजिए सर 11 बजे तक खत्म कर दीजिए चलो एक बार कोशिश करूंगा 11 बजे तक खत्म करने की सी एफ टी वीबीटी को नहीं तो हम आ, क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बता के सवाल से कर लेंगे है ना सवालों के थ्रू कर लेंगे तो ठीक है टाइम बच सकता है हमारे पास क्योंकि मेटल कार्बोनिल बहुत बड़ा होता नहीं है हाँ मैं आइसोमेरिज्म पे थोड़ा अच्छे से करना चाह रहा हूं टाइम देना चाह रहा हूं क्योंकि आइसोमेरिज्म ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चों की दुखती नब्ज होती है तो आप क्या बोलेंगे सर इसको अगर हम बात करें सर इसका ई एन रूल फॉलो करता है तो आप बोलोगे सर इसका जो ई एन है ना वो छत्तीस के बराबर होना चाहिए क्योंकि इसके बाद वाला नोबल गैस छत्तीस वाला है तो आप बोलोगे ई एन कैसे निकालेंगे एटॉमिक नंबर जेड जेड कितना सर इसका सत्ताइस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना इसके कारण तो कुछ आएगा नहीं तो दो क्लोरीन और एक क्लोरीन तीन क्लोरीन हो गया तो प्लस थ्री फिर टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर तो ये एक्स है ये बाइडेंटेड है ना तो ये टू एक्स तीर चलाएगा और ये दो तीर चलाएगा ये किसके बराबर हो गया ये थर्टी सिक्स के बराबर हो गया यहां से हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया ट्वेंटी फोर प्लस फोर एक्स प्लस फोर बराबर थर्टी सिक्स यहां से हम लिखेंगे 4x किसके बराबर हो जाएगा 36 सिक्स माइनस ट्वेंटी और x किसके बराबर हो जाएगा बताइए तो आप बोलेंगे x हो जाएगा 8 बाई फोर दैट इज 2 वैसे जो समझदार हैं उनको ऐसे ही पता लग जाएगा कि अरे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है दो ले लो काम हो जाएगा कितने लोगों ने सही आंसर किया 77 सेवन परसेंट बहुत बढ़िया दूसरा एप्लीकेशन की बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें या इसी में एक और सवाल कर लेते हैं क्वेश्चन फाइंड ई ए एन या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एफ ई सी ओ होल फोर इसके ऊपर टू नेगेटिव बताइए अरे क्या किया मैंने चलो दूसरा कॉम्प्लेक्स दे देता हूं एम एन सी ओ होल सिक्स इसके ऊपर एक्स ऑप्शन है पहला प्लस वन दूसरा माइनस वन तीसरा प्लस टू चौथा माइनस टू हाँ बताइए सर एटॉमिक नंबर ऑफ के इज थर्टी नाइन थर्टी नाइन का मास नंबर रहता है सर एटॉमिक नंबर उन्नीस हाँ इसका आंसर दीजिए क्या होगा तो आप बोलोगे सर देखो ये मेटल कार्बोनिल है मेटल कार्बोनिल के साथ लिखने की भी जरूरत नहीं है कि ये रूल फॉलो कर रहा होगा मेटल कार्बोनिल के साथ तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है सर सीधा बोलो ये हर बार करेगा सर तो इसका ईएन कितना होना चाहिए इसका ईएन होना चाहिए 36 आपने बोला सर ये जो x है वो सीधा इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका एटॉमिक नंबर है 25 एक्स साइन अपने आप आ जाएगा सर कोई जरूरत नहीं है निकालने की कुछ करने की प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 12 किसके बराबर है 36 के यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 25 x आट... <coughs> अब <अभे>, सॉरी <laughs> टू इंटू सिक्स होगा ये हो गया बारह इसके बराबर थर्टी सिक्स के और यहां से एक्स को उधर भेजे इसको इधर तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी थर्टी सेवन माइनस हो गया समझ गए? ऐसा कोई भी सवाल देगा भाई ऐसा कोई भी सवाल देगा इन ऑर्गेनिक की कसम करके आएंगे और तुरंत करके आएंगे एकदम बताओ कसम खाते हो कि सर ऐसा सवाल अगर दिया तो छोड़ेंगे नहीं एडवांस में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बस ब्रेक दे देता हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है इसके बाद अगले टाइप का सवाल जो आता है वो आता है कि डिटरमाइनिंग सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो है डिटरमाइनिंग वेदर अ मेटर कार्बोनिल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सी डाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये हम पता कर सकते हैं कैसे पता करेंगे मैं आपको बताता हूं जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए अगर आपने किसी मेटल कार्बोनिल का ई ए एन निकाला तो दो केस बन सकता है सर सबसे पहला केस जो है वो ये है कि ई ए एन जो है अगर ई ए एन नॉट इक्वल टू हो क्या हो अगर ई ए एन नॉट इक्वल टू थर्टी सिक्स हो या इन नॉट इक्वल टू ट्रिपल एनजी हो ट्रिपल एनजी का मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस तो दो तरीके से तो दो तरीके से यह क्या कर सकता है सर अपने आपको स्टेबलाइज कर सकता है तो उसको स्टेबलाइज करने का दो ऑप्शन है ई e एन को इतना लाना ही पड़ेगा सर ट्रिपल एनजी मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर सबसे पहला ऑप्शन है रेडॉक्स करके सबसे पहला ऑप्शन है रेडॉक्स करके ठीक है और दूसरा ऑप्शन है डाइमराइज करके डाइमराइज कब करेगा सर दो गरीब कब मिलते हैं या दो लोग कब मिलते हैं जब दोनों गरीब हो है ना जब दोनों गरीब हो तब वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं कि अरे भैया हमारी गरीबी में तुम तुम्हारी गरीबी में हम अगर हम इसकी बात करें यहां पे तो डाइमराइज कब होगा सर तो डाइमराइज होने का केस होता है जब जेड लेस एनजी हो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कम हो इसका मतलब थ्री डी सीरीज के लिए थर्टी सिक्स से कम हो फोर डी सीरीज के लिए आपका क्या कहते हैं फिफ्टी फोर से कम हो और फाइव डी सीरीज के लिए एटी सिक्स से कम हो रेडॉक्स कब करेगा सर ये आप बोलोगे रेडॉक्स करने के लिए दोनों केसेस इसके पास ओपन है।, है सर एक बार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओ का काम कर सकता है एक बारी ये, agent, का मतलब क्या है आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई इलेक्ट्रॉन कब एक्सेप्ट करेगा आप बोलोगे जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसका मतलब यहां पे एटॉमिक नंबर की वैल्यू जो है वो लेस देन मैं बार बार लिख रहा हूं आई एम सॉरी फॉर दैट लेस देन ट्रिपल एनजी आएगी मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस से अगर कम आ गई तो ये क्या करेगा सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा सर जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़े इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़े डोनेट करें इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा बोलोगे जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया सर तो इस केस में इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो ट्रिपल एन जी से नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस से ज़्यादा हो जाएगा सर जैसे इस केस में अगर हम बात करें इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में अगर हम सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स की बात करते एम एन सी ओ होल सिक्स की तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आता आप बोलोगे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आया वो आया 37। सर ये 37 पे स्टेबल नहीं होगा इसको 36 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना के देगा एम एन MnCo होल एम एन होल और इसके ऊपर प्लस वन एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये क्या कर गया सर ये अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अटेन कर गया और इस प्रोसेस में ये किस तरीके से काम कर रहा है आप बोलेंगे इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है सर क्या मेरी बात क्लियर है क्या मेरी बात क्लियर है आप सभी को चलिए दो तीन सवाल पूछता हूं फिर इसके बाद अपन ब्रेक करेंगे है ना दो तीन सवाल पूछता हूं एक सवाल यहां आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे which of the following complex can act as oxidizing agent इसको मिटा देते हैं which of the following complex can act as oxidizing agent इनमें से कौन-कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख हो अबे दूसरे का इलेक्ट्रॉन खाओगे तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करोगे दूसरे का इलेक्ट्रॉन खाओगे तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करोगे बोलो हाँ या ना बहुत बढ़िया याद रखना कुछ एक दो सवालों के बाद हम ब्रेक देने जा रहा हूँ और ब्रेक देने के बाद जब आगे के टॉपिक शुरू करेंगे तो वो जेई के वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इस बात का ध्यान रखिएगा आने वाले आगे के दो ढाई घंटे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाले हैं जेई के ठीक है चलिए तो आप क्या बोलेंगे सर इसकी बात करें इसका ई कितना आया सर तो आप बोलेंगे ट्वेंटी थ्री कितना थर्टी कहां जाना चाहेगा 36 पे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो ओ ए इसकी बात करते हैं सर इस पे तो अभी निकाला था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37 सेवन कहा जाना चाहेगा 36 कैसा काम करेगा सर आर ए इसकी बात करते हैं सर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आप बोलोगे इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है सर 22 में 12 जोड़ा तो ये कितना आया ये 24 आया सर ये 24 सॉरी 22 में 12 जोड़ा तो ये 36 आया सर ये थर्टी 36... क्या बोल रहा हूं मैं ये थर्टी फोर आया सर ये जाना कहां चाहेगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा सर सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लिया तो उसको ऑक्सीडाइज किया और कहलाया इसकी बात कर लेते हैं सर एम एनसी होल फाइव की आप बोलेंगे मैंगनीज मैंटोमिक नंबर पच्चीस है कोई चार्ज नहीं है तो इस पे पांच इंटू टू दस हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू है ना मतलब टोटल दस इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ गया सर 35 से 36 जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एक काम कैसा करेगा ओ ए तो यहां पे तीन ऑप्शन सही हैं क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई एक फटाफट दिल बना दीजिए क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई है एक बार फटाफट दिल बना दीजिए फिर हम आगे बात करेंगे अब आगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्यूरी आने वाले समय में अब हम ब्रेक के बाद जैसे से दिखाता है ना VBT, CFT और मैं इसकी गारंटी देता हूं एक बार CFT पढ़ लिया ना एक घंटे पूरी जिंदगी कभी सीएफटी भूल नहीं सकता है तू दोस्त हाँ मल्टीपल करेक्ट था आपने अरे ऐसे मतलब मैंने ऐसे सारे सवालों में पूछा था VBT, सी एफ टी और फिर आइसोमेरिज्म जो मेन तीन टॉपिक है वो अब आने वाले हैं ब्रेक के बाद तो ब्रेक ले लेते हैं सर हम ब्रेक 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 लच्छा वराठा आ गया है <laughs> लच्छा वराठा है ना बीस <laughs> मिनट का ब्रेक ले ले चलो तेईस मिनट का ले लेते हैं तो मतलब नौ बजे शुरू करेंगे है ना हाँ अबे अब भैया घड़ी उड़ गई <laughs> अब तो बाईस मिनट में नौ बज जाएंगे मेरे से, इक्कीस मिनट ले लेते हैं चलो ब्रेक का समय कितना शुभ ब्रेक लिया है इक्कीस मिनट का मिलते हैं ब्रेक के बाद तब तक भर लो भैया बढ़िया से और फिर पढ़ते हैं हेलो 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 मेरी आवाज आ रही है क्या हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है क्या मैं आपको दिखा ही दे रहा हूँ फटाफट -फट्ट बता दीजिए हाँ चलिए लेट ओपी एक ही मिनट हुआ यार चलता है इतना इतना तो चलता है क्या इतने का तो परमिशन दोगे कि नहीं सर हम तो एकदम कट्टर लोग हैं हम कोई परमिशन नहीं देते है ना चलिए जी शुरू करते हैं फिर तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे सर अभी तक हमने दो थ्यूरी पढ़ ली और दोनों थ्यूरी में हमने फाइनली ये देखा कि ये अल्टीमेट नहीं है इस थ्यूरी से भी इस थ्यूरी से भी कुछ कुछ चीजें हम नहीं पता लगा सकते बहुत सारे लिमिटेशंस हैं तो इसके बाद एक नई आई जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड ये सेम वैलेंस बॉन्ड थ्यूरी मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाई थी बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्यूरी जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से बात करती है इसमें ना हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है यह बात ध्यान रखिएगा क्या मैं कह रहा हूं फिर से रिपीट करता हूं इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या होता है इस थ्योरी में आइए देख लेते हैं इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू वी कोऑर्डिनेट टी कॉर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये थ्योरी कहती है कि ये जो बॉन्ड होता है ना इसमें एक कॉम्प्लेक्स में वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है सर कैसा बॉन्ड होता है दैट इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से अगर हम आगे बात करें तो आप याद रखना मेटल एटम या फिर मेटल आयन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इट प्रोवाइड ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करता है वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है इसी के लिए वो लिविस एसिड की तरह एक्ट करता है इट एक्ट एज लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज आर लिविस एसिड और अगर हम बात करें अगला पॉइंट की नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड आर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल जितने वेकेंट ऑर्बिटल होंगे या जो नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए वो किसके बराबर होगा सर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने हैं उसके बाद मेटल आयन प्रूफ है ना या प्रूफ नहीं प्रोवाइड्स वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन है ना फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन दीज भाई जितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे वो सभी के सभी वेकेंट ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडाइज करेंगे हाइब्रिडाइज करने के बाद फिर क्या बनाएंगे फिर लोन पेयर के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे और इफ अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स में एन माइनस वन डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर शॉर्ट फॉर्म में आई ओ सी बोलेंगे और अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स में एन डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो उसको हम ओ ओसी यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और इन सर्टन कॉम्प्लेक्सेस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस या इन सर्टन कॉम्प्लेक्सेस गेनिंग के जगह आप लिखेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस है ना दीज आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जहां पे पेयरिंग हो जाए उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे जहां पे पेयरिंग ना हो उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और ये मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट करके हम ये सारी बातें करते हैं इसके बाद अगर हम आगे बात करें ये एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सभी बातें किस चीज से रिलेटेड है सर वो सभी की सभी बातें इस चीज से रिलेटेड है कि हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका मेन पॉइंट क्या क्या है अब सवाल करने वाले टॉपिक पे हम आते हैं किस पे आएंगे सर वी विल कम टू टॉपिक जहां पे हम सवाल करेंगे अभी तक नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बातें बताई मैं मैं फिर से रिपीट करता हूं जो भी पॉइंट्स मैंने बोला एक बार आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा फिर हम सीधा सवाल पे स्विच करेंगे सवाल करने के तरीके देखेंगे कैसे करना है मैंने आपको क्या बोला सर कभी भी का जो सबसे क्रक्स है वो ये है कि सर कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है मेटल और लीगेंड में कैसा कोर्डिनेट कोवलेंट लीगेंड जो है वो क्या करता है लीगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को तो मेटल काम किया लेविस एसिड की तरह और लीगेंड काम किया बेस की तरह फिर मेटल अपने ऑर्बिटल्स को तैयार करता है वेकेट करता है खाली करता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए और जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है जब कोई मेटल सेंटर मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्ट करने के पहले वो अपने ऑर्बिटल्स को वेकेट ऑर्बिटल कितने जितना कोर्डिनेशन नंबर है उतने को हाइब्रिडाइज करेगा और उसके बाद ओवरलैपिंग <coughs> से बॉन्ड बनाएगा उसके बाद ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाएगा फिर हमने बात किया कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर यूज हुआ क्या है सबकी चर्चा करेंगे घबराना नहीं है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स यूज हुआ तो आउटर ऑर्बिटल फिर अगर पेयरिंग हो गई तो हम बोलेंगे उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर पेयरिंग नहीं हुई तो उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका यह है सर अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की और कुछ इंपॉर्टेंट बातों से पहले क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं फिर मैं एक सेट ऑफ सवाल दे दूंगा कि इस सेट ऑफ सवाल अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो उसको आप वीबीटी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे जैसे हमने क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में वी से हाइब्रिडाइजेशन निकाला था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिसाइडिंग फैक्टर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू हाइब्रिडाइजेशन sp होगा सेप लीनियर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा सेप ट्राइगोनल प्लेनर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या फिर एक और हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और डी हो सकता है और इस केस में सेप टेट्राहेड्रल है ना डी थ्री कौन कौन सा डी यूज करेंगे सर हमेशा कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल आए अपने आप से एक सवाल और पूछ लेना कि कौन कौन सा डी यूज किया गया है तो आप देखेंगे इसमें डी जो यूज होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी यूज होगा सर इंटर एक्सेल वाले तो आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल है ना फिर अगर कभी भी डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो और d जो यूज है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा कभी भी अगर एस पी थ्री डी या डी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो और d यूज डी जेड स्क्वायर हो तो वो टी बी पी कॉम्प्लेक्स होगा कभी भी अगर एस पी थ्री डी या फिर डी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो और डी यूज जो है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर पिरामिडल होगा और बाकी एक केस बसता है कभी भी अगर sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो डी एक्स और वाई स्क्र स्क्वायर डी ऑर्बिटल्स अगर यूज हो तो हेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा यहां पे कुछ एग्जांपल्स है इसमें से मैं आपको मजेदार बात बताता हूं हमारे सिलेबस में हमें चार चार छ ये तीन पढ़ने हैं सर अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं ईमानदारी से कहता हूं कि अभी से अगर आधा घंटा फोकस कर लिया भाई तो तुम समझ लो तुम एक बहुत मेजर चंक छुटकियों में सॉल्व करने लगोगे तुम घर जाके एडवांस के सवाल खुद कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो तो आइए स्टार्ट करते हैं वी से क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन <coughs> क्या क्या है जिसका आंसर तुम वी से कर सकते हो सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वट इज द हाइब्रिडाइजेशन दूसरा सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कितना है चौथा सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है जो कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से हम निकाल के बता सकते हैं पांचवा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स एल एस सी यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एच एस सी ये सवाल है जो कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं मैं क्या करूंगा सर मैं हर बार यही करता हूं इस बार भी यही करूंगा एक चीज की चीटिंग करूंगा सर ये है ये हमने चीटिंग करी है फ्रॉम सी एफ टी ये हमने चीटिंग करी है कहां से फ्रॉम सी एफ टी चीटिंग करने से क्या होगा सर अब चीटिंग करने से ना तेरे सवाल सी एफ टी के भी यहीं से बन जाएंगे बहुत सारे कुछ सवालों को छोड़ के यहां से भी बन जाएंगे कुछ बच्चे पूछ रहे सर डायमर्स कैसे करते हैं डायमर्स मेटल कार्बोनिल में बताऊंगा घबराना नहीं है स्ट्रक्चर उनके सबके पड़ेंगे उसके बाद अगर हम बात करें सर ये लीगेंड, है, सीरीज, हम लीगेंड की स्ट्रेंथ बताते हैं अगर हम लीगेंड की स्ट्रेंथ मतलब लीगेंड की ताकत की बात करें ना तो लीगेंड दो टाइप के होते हैं सर एक तो एस एफ एल स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट और दूसरा डब्ल्यू एफ एल वीक फील्ड लीगेंट क्या है सर स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड जितने भी स्ट्रॉग फील्ड लीगेंड है याद रखना वो उनका बेसिक टेंडेंसी क्या होता है इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाने का इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वीक फील्ड लीगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करा पाते वो उनकी नॉर्मल टेंडेंसी है अब अगर हम ऊपर देखें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड जो है जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड जो है इस तरफ जाते हुए इंक्रीज करता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जा रहा है मतलब ये बहुत वीक लीगेंड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीगेंड है नॉर्मली अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और तुम्हें ट्रिक देता हूं कि कभी भी कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस डोनर आर एस एफ एल यह सब स्ट्रॉन्ग फील्डेंड होते हैं सर इसको याद करने का एक ट्रिक भी बता के देता हूं इसको याद करने का एक ट्रिक भी बता के देता हूं अगर मान लो मैंने तुम्हें वीक फील्ड फील्डीगेंड बता दिया तो स्ट्रॉग फील्ड डिगेंट अपने आप तो उसके अलावा जो है वो स्ट्रॉग फील्ड है तो देखते हैं जैसे आई है ना ये एक आरबीआई है बर्बादी सनी स्कूल से फरार या सनी क्लास से फरार फिर ओ ऑगलेटो और पानी और पानी पियो ठीक है आई बर्बादी सनी क्लास से फरार ओक्स ऑक्सलेटो और पानी पियो ये Weak field है और ये इनका स्ट्रेंथ है मतलब इससे ज़्यादा 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 मज़बूत BR -BR से SCN, SCN से फिर फिर ये ये बढ़ते जा रही है और इसके बाद जो आते हैं ना यहां के बाद इन को हम स्ट्रॉन्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं और इधर वाले लीगेंट को नॉर्मली हम वीक फील्ड की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं ये हम चीटिंग कर रहे हैं सर ये हम चीटिंग कर रहे हैं याद रखना अगर ये याद हो गया तो आरबीआई अगर तुम्हें याद है तुम बहुत सारे सवाल चुटकी में हो सर आगे बढ़ते अब हमें क्या करना है सर देखिए आपसे सवाल क्या क्या पूछा जाएगा ये तो हमने बात कर ली है ना हमसे सवाल क्या क्या पूछा जाएगा सर ये तो हमने चर्चा कर ली है सारे सवाल पूछे जाएंगे लेकिन इसको करने का स्टेप क्या होगा इसको करने का स्टेप है कि सबसे पहले आरबीआई लिख लो सबसे पहले सी एम ए का सबसे पहले सेंट्रल मेटल आटम का आप डी कॉन्फिग्रेशन निकाल लो डी कॉन्फिग्रेशन का मतलब उसके डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है निकालो कैसे निकालोगे सर तो उसको निकालने का तरीका है नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन और इनमें में हम क्या जोड़ देंगे इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट साइन के साथ ये हमें सीधा सीधा एन ये हमें सीधा सीधा डी कॉन्फिग्रेशन निकाल देगा फिर डी कॉन्फिग्रेशन के बाद सेकेंड पॉइंट अगर एस एफ एल है तो पेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन भरो अगर डब्ल्यू एफ एल है तो नो पेयरिंग पेयरिंग करो मत नॉर्मल इलेक्ट्रॉन भर दो और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तुम्हें सब पता लग जाएगा अब आइए सवाल करके देखते हैं क्या आप सवाल करने के लिए तैयार हैं फटाफट बताइए यस और नो क्या आप सवाल करने के लिए तैयार हैं वी आर एंटरिंग इन टू द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटिफुल आरबीआई ब्यूटीफुल आरबीआई टू सॉल्व मजेदार मजेदार सवाल ऑफ ऑफिटी चलिए सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये सारी बातें पता करनी है फॉर अ कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है जो हमने पढ़ रखा था उसी को लेते हैं सबसे पहला K4 फोर एफ होल सिक्स इसमें आपको डी कॉन्फिग्रेशन किसका निकालना है सर सीएमए का तो सब कुछ सीएमए डिसाइड करेगा तो सेंट्रल मेटल आइटम कौन है आयरन आयरन का अगर हम डी कॉन्फिग्रेशन या आयरन का डी कॉन्फिग्रेशन अगर आप निकालने जाओगे तो आपको पहले यह पता है कि सर आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू का है आयरन निकालना पड़ेगा सर चार्ज के बिना काम नहीं होगा तो डी कॉन्फिग्रेशन अगर आप इसका निकालोगे तो कैसे बोलोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है फोर एस टू थ्री डी सिक्स तो आप बोलोगे टू प्लस सिक्स माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट टू यह कितना आ गया, सर? ये 6 आ गया. इसका मतलब यहां पे हमें डी सिक्स इलेक्ट्रॉन भरने हैं अब आयरन के लिए आर्गन के बाद जो भी ऑर्बिटल है वो बनाना चालू करो तो आप बोलोगे सर आर्गन मतलब नोबल गैस के बाद इसके पास ऑर्बिटल आएगा थ्री कौन सा ऑर्बिटल थ्री 3d के बाद ऑर्बिटल आएगा 4s, 4s के बाद ऑर्बिटल आएगा 4p, 4p के बाद ऑर्बिटल आएगा 4d। आप बोलेंगे हां सर ठीक है बिल्कुल अब मजेदार बात यह है कि सर यहां पे जो लीगेंड है मेरे को यह बताओ यह स्ट्रॉंग फील्ड लीगेंड है कि वीक फील्ड लीगेंड है बताइए आप बोलेंगे सर इट इज अ अट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड इट इज अ स्ट्रॉग फील्ड लीगेंड और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो यह क्या करेगा सर पेयरिंग करवाएगा इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छह छह इलेक्ट्रॉन यही भर गए अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनको घेरो और छह छह ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल पकड़ो और बोलो तुमको हाइब्रिडाइज करेंगे कौन कौन से छह यहीं से एक, दो, तीन, चार, पाँच छे. आप जैसे इसको देखोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है आप बोलोगे सर ये दो डी ऑर्बिटल तो डी टू एक एस ऑर्बिटल तो एस वन तीन पी ऑर्बिटल तीन पी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया डी टू एस पी थ्री कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया ऑक्टाहेड्रल समझ में आई बात बोलिए हाँ ना क्या है बात क्लियर है उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर हमें बाकी बातें पता करनी है क्या क्या पता कर सकते हैं सर तो देखो अगर कभी भी तुम्हें एक और आरबीआई देता हूं हैशटैग आरबीआई क्या इफ या इफ 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 में ज्यादा समझ नहीं आता अगर लिख देता हूं अगर हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट हो तो कॉम्प्लेक्स आईओसी और अगर हाइब्रिडाइजेशन डी पर एंड हो तो कॉम्प्लेक्स ओ सी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मेरे को बताओ क्या सर इसका हाइब्रिडाइजेशन के स्टार्टिंग में डी लिखा है आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल डी लिखा है अबे तो तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है यार सोचने का बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचना सर उसके बाद आगे बात करते हैं क्यों क्योंकि आप बोलोगे सर ये थ्री जो है ना फोर एस आउटर मोशल था इसके लिए तो थ्री जो है वो एन माइनस है ये एन माइनस हो गया ये एन हो गया ठीक है इसके बाद अगर हम आगे बात करें और क्या निकालना था सर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आप बोलोगे इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाएगा क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है नो अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला अनपेड इलेक्ट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट कर देंगे आप तो ये स्पीसीज कैसी हो जाएगी आप बोलोगे स्पीसीज डाया मैग्नेटिक हो जाएगी मेरी बात समझ में आई बोलो जल्दी से यस नो यस नो यस नो क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं अब हम रफ्तार से करेंगे तेजी से करेंगे इसी तरीके से खूब सारे सवाल सॉल्व करेंगे क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार है जल्दी से हाँ या ना बता दीजिए फिर उस हिसाब से हम आगे चलते हैं बहुत बढ़िया अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा देखिए दूसरा सवाल है सीओ एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री सबसे पहला काम क्या करेंगे सर तो आप बोलोगे सर हमारा सबसे पहला काम है डी कॉन्फिग्रेशन निकालना और डी कॉन्फिग्रेशन निकालने के लिए सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन पता होना जरूरी है सर इस पर कोई चार्ज नहीं इस पर माइनस थ्री तो इस पर प्लस थ्री होगा न्यूट्रल करने के लिए आप बोलेंगे इसका डी कॉन्फिग्रेशन जो है वो हो जाएगा कोबाल्ट का ऑक्सी कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है फोर एस टू थ्री डी सेवन तो फोर एस टू का टू थ्री डी सेवन का सेवन और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कर दिया यह निकल के आ गया सिक्स मतलब यहां पे भी हमें डी सिक्स भरना है सर सर लीगेंड कैसा है आप बोलेंगे यहां पे भी लीगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है पेयरिंग करवाएगा तो भैया पेयरिंग करवा दे ये हो गया आपका थ्री ये हो गया आपका फोर एस, ये हो गया आपका फोर ये हो गया आपका फोर डी और बटन वैसे इनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए बट ये मैं एनर्जी के लेवल पर अरेंज नहीं कर रहा आप बोलेंगे सर छह इलेक्ट्रॉन भरने पेयरिंग करा के एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छ हाइब्रिडाइजेशन जल्दी जल्दी बताइएगा सर आप बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन हो गया डी टू अरे पहले डी लिख दिया है सर इसका मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जीरो क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है स्पीसीज डायमैग्नेटिक कितना टाइम लगा कितना टाइम लगा सर अगला आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा तीन नंबर सीओ सीएल होल सिक्स थ्री नेगेटिव इसके बारे में बताइए सीओ सीएल होल सिक्स थ्री नेगेटिव इसके बारे में फटाफट मेरे को बताइए भाई कॉस थीटा कॉस थीटा क्या होता है भाई इसमें क्या होगा बताइए तो आप सबसे पहले देख लो सर ये वीक फील्ड लीगेंड है सर इसका डी कॉन ये कोबाल्ट प्लस थ्री है कोबाल्ट प्लस थ्री का मतलब डी कॉन्फिग्रेशन अभी निकाला था ना भाई डी सिक्स आ जाएगा कोबाल्ट प्लस थ्री का मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन डी सिक्स आ जाएगा फिर अगर हम बात करें लीगेंड डब्ल्यू एफ एल है और डब्ल्यू एफ एल के कारण हम इसको ऐसे भरेंगे देखते जाइए है ना तो आप बोलेंगे सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन हम डी सिक्स भरेंगे उसकी पेयरिंग नहीं करवा सकते और पेयरिंग नहीं करने का मतलब एक दो तीन चार पांच छः इस तरीके से छः इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर आप बोलोगे सर एक घर दो घर तीन घर चार घर पांच घर छह घर इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ शुरुआत किया किससे एस से तो एस पी थ्री डी टू और इसका मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है सर फिर इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा रुक जाते हैं पहले नंबर ऑफ अनपेयड कितना है इलेक्ट्रॉन है चार स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा सर तो आप बोलेंगे root under √4 into 6 दैट इज 24 बोहर मैग्नेटॉन और अगर हम बात करें इसका आ, क्या बोलते हैं स्पीशीज कैसी होगी पैरामैग्नेटिक कितने लोगों को चमका बताओ कितने लोगों को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है बता दीजिए बहुत बढ़िया ठीक है आगे आ जाए चलो एक सवाल और नंबर के बाद चार नंबर पे चलते हैं और चार नंबर पे हम एक सवाल करते हैं एनआईसीओ होल फोर इसके बारे में बता दो भाई इसके बारे में देखे कौन बताता है सबसे पहले कौन बताता है बताइए सबसे पहले इसके बारे में कौन बताता है कुछ लोग तो कॉम्प्लेक्स याद कर लिए हैं भाई <laughs> सर हमको याद है कोई बात नहीं देख लेते आप बोलोगे सर देखो एन आई सीओ होल फोर है कोई चार्ज नहीं है जीरो है ना डी कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा सर तो आप बोलेंगे निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वो होता है फोर एस टू थ्री डी एट तो टू प्लस एट इसमें हम माइनस क्या कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है जीरो तो ये कितना आ गया टेन इसका मतलब डी टेन है सर डी टेन का मतलब डी सब्सल क्या है भरा हुआ है आप बोलेंगे हाँ सर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस अभी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो डी तो पूरा भरा हुआ है आप बोलेंगे हाँ उसके बाद अगला सवाल मेरा ये है बेटा इस बार हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो बहुत सारे बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना जब तीन चार सवाल कर लेते हैं कि वो तुरंत बोलते हैं सर अब तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा डी टू मतलब एस पी पता है क्यों क्योंकि उन्होंने सॉरी ध्यान नहीं दिया अबे ये चार है कोऑर्डिनेशन नंबर ही चार है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल लगेंगे तो एक दो तीन चार ही वैकेंट ऑर्बिटल लगेंगे क्योंकि चार वैकेंट ऑर्बिटल लगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आप बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ sp3 में ये टेट्रा हाइड्रोल ज्योमेट्री का होगा क्योंकि sp3 में जोमेट्री स्क्वायर प्लेनर भी आती है और टेट्रा हाइड्रोल जोमेट्री के साथ इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो और ये एक डाया मैग्नेटिक स्पीसीज है एक बात और मैं जो बताना चाहूंगा वो तो ये है कि सर इसके लिए ये बताओ कि ये आईओसी होगा या ओओसी होगा तो अब मेरी बात सुनना आपको एस एम सर ने एक आरबीआई दी अगर डी पहले लिख दिया तो आईओसी अगर डी बाद में लिखा तो ओओसी अगर डी लिखा ही नहीं तो नॉट डिफाइंड आईओसी भी नहीं और ओओसी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते सर क्या मेरी बात समझ में आई बताइए एम आई ग्लेट ओर ऑफ यू बटाफट बताइए फटाफट 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 याद रखना हाँ सचिन कुमार कह रहे हैं कि मेले बाबू ने थाना थाया बहुत बढ़िया बाबू ने थाना थाया तूने थाना खिलाया और तेले पापा ने थाना नहीं थाया पता है क्यों क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं बेटा कि मेरा बालक पढ़ेगा अच्छा करेगा है ना उन्होंने खाना नहीं खाया लेकिन तुमने खा लिया और बाबू को भी खिला दिया लेकिन पिताजी का क्या पिताजी अपना जाने बड़े हो गए अब तो पिताजी छोटे बच्चे थोड़ी है वो तो उनकी मर्जी है मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है चलिए अगले स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा में स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है स्क्वायर प्लेनर के लिए डीएसपी टू हाइब्रिटाइजेशन होता वो खुद आ जाएगा तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है आगे आते हैं पांच नंबर की बात करते हैं पांच नंबर पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है आई सी एल होल फोर टू नेगेटिव इसके बारे में बताइए मैं ये कॉम्प्लेक्स एक ये कॉम्प्लेक्स दो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना ऑक्टा अबे मारूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर चार में ऑक्टा कैसे बोल रहा है अभी भाई साहब स्क्रीन से निकाल के मारूंगा सच्ची बता रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे सर कुछ नहीं पहले डी कॉन्फिग्रेशन पता कर लो इस बार डी कॉन्फिग्रेशन पता करने के लिए हमें ये पता है सर कि इसको अगर इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानते हैं तो एक्स माइनस फोर ये माइनस टू के बराबर होगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस टू इसका मतलब इस पर प्लस टू का ऑक्सीडेशन है प्लस टू का ऑक्सीडेशन होने का मतलब है जो इसका डी कॉन्फिग्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा सर तो आप बोलोगे डी कॉन्फिग्रेशन आ गया निकल टू प्लस एट मतलब फोर एस टू थ्री डी एट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज प्लस टू ये आ गया एट तो ये d8 कॉन्फ़िगरेशन है सर इस बार इस बार इस पर कोई चार्ज नहीं था तो ये d10 कॉन्फ़िगरेशन था अब वे ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है और लिगेंड कैसा है अरे डब्ल्यू एफ एल है सर डब्ल्यू एफ एल डब्ल्यू एफ एल में कोई पेयरिंग नहीं होती है और क्योंकि कोई पेयरिंग नहीं होगी तो ऐसे भरेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ यहां पे ये हो गया थ्री डी ये हो गया फोर एस ये हो गया फोर पी अरे सर कौनो पेयरिंग नहीं अरे सर पेयरिंग नहीं चार कंपल चार लीगेंड लाने हैं चार घर घेरा हाइब्रिडाइजेशन तुरंत बोल दो भैया एस पी थ्री सर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना रूट अंडर टू प्लस फॉर दैट इज एड बोहर मैग्नेटॉल और ये स्पीसी पैरा मैग्नेटिक हो जाएगी मतलब इस पीसीज और इस स्पीसी में बस इतना ही फर्क है कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन मैग्नेटिक नेचर अलग है सर क्या मेरी बात समझ में आई दिल बना दो एक और सवाल निकल से ही दूंगा बहुत बेहतरीन सवाल है आइए देखते हैं कौन इसको सही करता है कॉपी कर लीजिए सीखे लिख दीजिए फिर अगले पेज पे चलते हैं कम से कम कम से कम पिछले से छह सालों में बारा बार देखा होगा मैंने इसको यही सेम कॉम्प्लेक्स मेन एडवांस सर व्हाट अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल अबे स्प्लिटिंग करवाएंगे हमारे दुश्मन मतलब स्प्लिटिंग कराएंगे सर आप टेंशन मत लो बहुत सारी चीजें हम स्प्लिटिंग से ही एक्सप्लेन करेंगे लेकिन मैं आपको जो आरबीआई दे रहा हूं ना उससे तुम यहीं से बना सकते हो तुम्हें स्प्लिट स्प्लिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी गर्मा गर्म चाय आ गई है कोई पीना चाहेगा हाँ भाई बताइए मैं सच्ची बता रहा हूं लेक्चर के बाद में ना मैंने देख रहा था केमिकल बॉन्डिंग के बाद लेक्चर के बाद बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे कि बहुत गंदा पढ़ाया है प्लीज इसको मत देखना कमेंट भी कैसे कर रहे हैं बहुत गंदा पढ़ाया है सर ने प्लीज इसको मत देखना वरना मेरा सिलेक्शन मेरा एक तो कॉम्पिटिटर बढ़ जाएगा देख रहे हो हाँ। सोचो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज तुक्का स्ट्रेटजी तुक्का क्या है बे तुम लगाओ, बनाओ कोई तुक्का मारने की जरूरत नहीं है मैंने बोला गजाब यार और ये लिख भी रहा है कि प्लीज इसको मत देखना क्योंकि अगर तुम देख लोगे हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा चलिए आगे बात करते हैं फिर हम बात करते हैं अगला कॉम्प्लेक्स निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के साथ ही होल टू नेगेटिव इसके बारे में बता दो मैं फिर बता रहा हूं ये तीन कॉम्प्लेक्स पिछले छह सात सालों में बारह बार आया है और अगले साल भी इस साल भी मैं तुम्हें अभी मतलब गारंटी के साथ कहता हूं तुम पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट दे देना फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम तीन से चार जगह अगर तुम्हें इन तीनों कॉम्प्लेक्स में से कोई ना दिखा तो बताना और एडवांस में भी अभी बता दे रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं दिखेगा ही नहीं दिखे बहुत रेयर बात है बहुत रेयर ये सवाल ना आना रेयर है सर आप बोलेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा सर इसके लिए अगर हम बात करें तो निकल पे प्लस टू चार्ज है अगर निकल पे कभी भी प्लस टू चार्ज है तो इसका डी कॉन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा निकाल के देखा था हमने डी एट हो जाएगा सर यहां पे वीक फील्ड लीगेंड नहीं है यहां पे स्ट्रांग फील्ड लीगेंड है सर कौन सा लीगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड डिगेंट के लिए हम क्या करेंगे तो आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए पेयरिंग करवा देंगे तो भैया डब्बा ले लो डब्बा है डब्बा पेयरिंग कराने के लिए डब्बा लीगेंड लाने के लिए भी डब्बा यह थ्री डी यह फोर एस यह फोर 4P आठ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एक दो तीन चार पांच छः सात आठ अब आप बोलेंगे सर लीगेंड को कितने घर चाहिए जितने लीगेंड है चार एक दो तीन चार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया मेरे यार dsp कौन सा डी यूज हुआ है इस डीएसपी टू में आप बोलेंगे डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अरे इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल सर जब पहले डी लिख दे तो हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसके बाद अगर हम बात करें म्यू की जीरो स्पीसीज कैसा डाया मैग्नेटिक बोलो कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी समझ गया क्या मतलब तीन कॉम्प्लेक्स जिसमें से दो टेट्राहेड्रल और दो और एक स्क्वायर प्लेनर अबे डी टू का मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है बाकी पीछे वाले दोनों टेट्राहेड्रल थे क्या मेरी बात समझ में आई बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर अभी क्या बना के देखेगा स्ट्रक्चर बनाएंगे हम उसमें क्या कहते हैं जब आइसोमरिज्म पढ़ेंगे छह नंबर के बाद सात नंबर सात नंबर कर दो मजा आ जाएगा एन आई एच टू होल सिक्स टू पॉजिटिव और आठ नंबर एन आई एन एच थ्री होल सिक्स टू पॉजिटिव ये सिक्स है सर चलो इन दोनों को कर दो सात और आठ देखो हमारे बीच ना एक भैया आए हैं श्रेया पांडे के नाम से वो सबसे बात कर रहे हैं बच कर रहना दोस्त बड़े भैया के नाते तो बता रहा हूं हाँ जितनी एनर्जी इंडिया का यूथ <laughs> एंजल प्रिया पे बर्बाद कर रहा है उतनी एनर्जी में उतनी एनर्जी उतने संसाधन में ऑस्ट्रेलिया का दो चार शहर रोशन हो जाए भाई हाँ ठीक है आठ वाला क्या है सर ठीक से लिख देता हूं भाई अगर तुम्हें ठीक से नहीं दिख रहा ये देखो आठ नंबर एन आई एन एच थ्री ऑल छू सर दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर छह है इसका मतलब ऑक्टाहाइड्रल होना तो तय है इसके बारे में जो उसने सोचा वो बेवकूफ अगर सवाल हाइबिटाइजेशन का हो तो सोचने का नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर छह में सॉरी ज्योमेट्री uh, का कोऑर्डिनेशन नंबर छह में एक ही ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल में दिक्कत है सर वहां बात करेंगे यहां सोचने का नहीं फिर अगर हम बात करें सर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें डी कॉन्फिग्रेशन ये भी निकल प्लस टू है ये भी निकल प्लस टू है दोनों में डी कॉन्फिग्रेशन में कॉमनली लिख देता हूं सर आप बोलेंगे दोनों में डी कॉन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा सर आप बोलेंगे इसमें डी एट कॉन्फिगुरेशन है डी एट के साथ अगर हम डब्बा भरना चालू करें ये डब्ल्यू एफ एल का कॉम्प्लेक्स है ये एस एफ एल का कॉम्प्लेक्स है मैंने बोला सर देखो ये है हमारे पास क्या पहले वाले की बात कर लेते हैं ये है हमारे पास थ्री डी थ्री डी के बाद अगला डब्बा बनाएंगे फोर एस का फिर बनाएंगे फोर पी का और फिर बनाएंगे फोर डी इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे सबसे पहले किसके लिए सर एस और क्या रहा मैं फोर डी सबसे पहले हम क्या भरना चालू करेंगे सर तो आप बोलोगे यहां से भरो और सुनना सर पहली बार वीक फील्डिगेंड बनाते हैं वीक फील्डिगेंड में भरा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कितने घर चाहिए आप बोलोगे सर घर ले लो एक दो तीन चार पांच छ अरे इसका इसके लिए सात नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू फिर जियोमेट्री ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दो तो रूट अंडर एट बोहर मैग्नेटॉन उसके बाद अगर हम बात करें स्पीसीज पैरा मैग्नेटिक बात चमकी तो बताइए हाँ या ना और कौन इनर ऑर्बिटल है एक बच्चा कह रहा है ओ oh, क्या बोलो मैं कॉम्प्लेक्स ओसी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगला सवाल इस पे आ जाते हैं सर अगर हम इसकी बात करें इसी को देख के करते हैं या अगले पेज पे चलते हैं अगर हम इसकी बात करें इसमें भी आठ इलेक्ट्रॉन है अगर मैंने इसको पेयरिंग करा दिया तो आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे इसको पेयरिंग करा देते हैं सर ऐसे आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि सर अब इसको मिटा दो इसको मिटाने के बाद यहां से घर घेरना चालू करो और यहां से घर घेरना चालू करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डी एस पी थ्री डी कितने लोगों का ये हाइब्रिडाइजेशन आया एक बारी दिल बना दीजिए कितने लोगों का ये हाइब्रिडाइजेशन आया एक बारी दिल बना दीजिए बताइए बताइए तो आप बोलोगे सर ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता मैं आपको रीजन बताता हूं आपको बहुत सारे लोगों ने बाकी सारी बहुत सारी बातें बताई होंगी बट ये हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं आ सकता सर याद रखना हमने जो सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़े वही सही है उसके अलावा कुछ भी आए वो गलत है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट सर ये थ्री है ये फोर है जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था तो ये बात बोली थी कि सर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी कैन हाइब्रिडाइज 3D और 4D में एनर्जी गैप बहुत बड़ा है ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते तो आप बोलोगे इसका मतलब सर या तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा इसमें घर ही खाली नहीं है या sp3d2 होगा इसका मतलब सर यहां पे हमारा पेयरिंग कराना व्यर्थ गया क्या मैं बोलूंगा यही सवाल सही है यहां पे पेयरिंग नहीं कराते हैं सर पेयरिंग कराने का कोई फायदा नहीं होगा यह बात याद रखिएगा यहां पे पेयरिंग कराने का कोई फायदा नहीं है फिर रिपीट कर रहा हूं यहां पे पेयरिंग कराने का कोई फायदा नहीं है आप पेयरिंग नहीं कराएंगे सर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री डी टू होगा ज्योमेट्री इसकी भी ऑक्टाहेड्रल होगी उसके बाद इसका भी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर एट बोहर मैग्नेटॉन होगा और यह भी पैरा मैग्नेटिक होगा दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ इन दोनों में एस और डब्ल्यू कुछ नहीं कर पाएगा अब मैं आपको एक आरबीआई दे दूं क्या आप आरबीआई के लिए तैयार हैं बताइए जल्दी से बता दीजिए आरबीआई के लिए तैयार हो हा ना यस नो वाई एन वाई एन जल्दी से बता दीजिए दो आरबीआई दूंगा और उसके बाद आप देखो कैसे कैसे सवाल क्या डब्ल्यू में आईओसी बनेगा कभी क्या डब्ल्यू में आईओसी बनेगा कभी नहीं डब्ल्यू में आईओसी क्यों बनेगा अबे अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डब्ल्यू एफ एल में भी बन जाएगा वो तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना कोई गरीब आदमी है बना लेगा अगला सवाल आपको देता हूं ले भैया एक अगला सवाल करके दिखा अभी पूछ रहा है डब्ल्यू एफ एल में आईओसी बनेगा ले भैया ले ले भैया तेरी मर्जी सी आर एच टू ओ होल सिक्स थ्री पॉजिटिव अपने पास सवाल की कमी नहीं है तू बस करने वाला बन फिर नौ नंबर पे सी आर या सी आर होल थ्री प्लस थ्री चल फटाफट इन दोनों के बारे में तुरंत से पहले बता दो इन दोनों के बारे में मैं साइड होता हूं तुरंत से पहले बता दो हाँ ये का लगता है डब्ल्यू एफ एल में पेयरिंग होगी अरे पेयरिंग होनी जरूरी नहीं है बताइए तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्रोमियम पे प्लस थ्री चार्ज है क्रोमियम के बारे में अगर हम बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फोर एस वन टी डी फाइव तो वन प्लस फाइव माइनस थ्री ये कितना आ गया सर आप बोलोगे ये तो सर बस तीन आया मतलब ये d3 है सर अरे d3 कैसे भी भरोगे ये वीक फील्ड लीगेंट की तरह है कौन बात नहीं ये 4s है ये फोर तो सॉरी ये थ्री था ये 4s है ये 4p है बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्यों क्योंकि यही वाला काम इधर भी आ जाएगा सर तीन इलेक्ट्रॉन एक दो तीन कोई पेयरिंग की ज़रूरत नहीं अब हमें छः घर चाहिए देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छे अरे सर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आप बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन आ गया डी टू एस पी थ्री बहुत बढ़िया फिर सर ज्योमेट्री क्या आ गई आप बोलोगे ज्योमेट्री ऑप्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है सर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसके बाद म्यू न्यू ओनली मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर तीन पचे पंद्रह बोर मैग्नेटॉन ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या तीन स्पीसीस पैरा मैग्नेटिक मेरी बात आपको समझ में आई बताइए हाँ ना क्लियर है बोलिए क्या ये बात क्लियर है अगला सवाल अगर हम इस पर चल रहे सर आप बोलो बेस्टा क्रोमियम फलाना, फलाना फलाना प्लस थ्री ये भी डी थ्री कॉन्फिग्रेशन और डी थ्री कॉन्फिग्रेशन में एक दो तीन इसके बाद पेरिंग कराना है करा बे पेरिंग करा के क्या कर लेगा ये वाला डी यूज कर सकता है क्या नहीं हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में सबसे स्टेबल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल में तीन डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं हो सकते दो ही डी ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं तो तू इसको खाली कराने के लिए जो मेहनत की है पेयरिंग कराने के लिए वो काम आई आप बोलोगे नहीं सर वो तो बिल्कुल भी काम नहीं आई और क्योंकि वो काम नहीं आई तो हम क्या करेंगे हम इस इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कराएंगे सर तो अब हमारे पास क्या आया सर आप बोलोगे अब हमारे पास आया एक दो तीन चार पांच छह मतलब इसके लिए भी ये सारी चीजें सेम है सर कुछ भी नहीं बदला क्या मेरी बात समझ में आई बोलिए इसके लिए भी सारी बातें सेम है तो वीक फील्ड इगेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर मेरी बात क्लियर है तो फटाफट लिखिए फिर हम मैं एक आरबीआई देता हूं आरबीआई देने के बाद हम कुछ पीवाई क्यूज करेंगे और कुछ पी वाई करने के बाद फिर हम सी एफ पे मूव कर जाएंगे ठीक है अरे तुम भाई ऐसी अभी पीवाई क्यों करा के दिखा दू क्या ले भाई तू पीवाई क्यों करके कॉन्फिडेंस में आ जा लो भैया तुम पीवाई क्यों ही कर लो तेईस के करना चाहते हो तेईस के कर लो ए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है मेरे से मैंने बताया था ना गड़बड़ का हो गई है सर गड़बड़ जे हो गई है कि मैं यार वो आंसर मिटाना भूल गया हूं चलो भैया इस सवाल को कर लो तो यार देखें कौन तो सबसे तेज करता आपका समय शुरू होता है अब जेई मेन्स का एक सवाल तम, तम आता हुआ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका समय शुरू होता है अब टाइम मत लेना दोस्त टाइम मत लेना सवाल क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ रेस्पेक्टिवली इन फलाना फलाना एंड ढि इच आर बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएंगी सर यहां पे आप बोलोगे सर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बहुत फर्जी है सर कैसे अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई बच्चा इसको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं देख पा रहा है यार तब तो भैया बहुत बुरी हाल तीन और एक चार देख लेना ध्यान से आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है चार मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जो है चार है अच्छा इसमें कुछ गलत है मेरे को लग रहा है कुछ गलत है मैं उसको सुधार देता हूँ है ना हाँ <laughs> मेरे को लग रहा है कुछ गलती है इसमें सुधार देता हूँ ये तीन ही होगा सर है ना यहाँ पे थ्री होगा थ्री मिस या सॉरी यहाँ पे ये फाइव होना चाहिए है ना इन्होंने ये वाला थ्री मेरे हिसाब से यहाँ कॉपी कर दिया बट ये फाइव होना चाहिए जैसा मुझे लग रहा है तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें ये छह है ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो प्लस थ्री है तो प्राइमरी वैलेंसी तीन और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आप बोलेंगे सर सेकेंडरी वैलेंसी पांच और एक छे। तो छे और तीन ये वाला हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन देखते हैं सेवेंटी मतलब सवाल गलत होने के बाद भी सेवेंटी एट अगर तुम लोग देख तो नहीं लिए थे दिख तो नहीं जा रहा है तुम लोग को है? लीडर बोर्ड दिखा देते हैं सुधीर कुमार सायन दास प्रशांत चौधरी लर्निंग जंक्शन प्रियांशु गुप्ता प्रिया फिर अश्विनी विश्वकर्मा और अलीशा निशा वाह बहुत बढ़िया चलिए अगले सवाल पे चले क्या जेई मेंस फोड़ने के लिए तैयार हैं? बताइए यस और नो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा जो कि आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे चुटकी बजाने के पहले चलिए ये मेरे से गलती हो गई यार बहुत बड़ी सवाल है सवाल छोड़ो टाइमर शुरू करते हैं 45 फाइव सेकेंड बहुत ज्यादा है बट फिर भी ऑल अल्कली मेटल आयनिक ट्रू है अब ये ये तो किसी और कहीं और का स्टेटमेंट आ गया इसको हटा दो द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाइट इन फलाना कॉम्प्लेक्स इज शुरू हो जाइए शुरू हो जाइए शुरू 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 क्या लगता है कितना टाइम लगेगा आरबीआई मजा आया कि नहीं आया बताओ आरबीआई का फायदा है थोड़ा सब कुछ ये बताओ आरबीआई का फायदा है या नहीं है तो आप बोलोगे सर ये कोबाइट प्लस थ्री डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड डी सर पेयरिंग हो जाएगी पेयरिंग होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री और जीरो ल, लोन पेयर मतलब जीरो क्या बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन तो डी टू थ्री और डाया मैग्नेटिक डी टू एस पी थ्री और डाया मैग्नेटिक सही ऑप्शन अबे गलती कैसे कर दिया यार पैरा मैग्नेटिक कैसे मार रहे हो अच्छा यहां पे डाया मैग्नेटिक एनजीओ लिख दिया था तो तुम गलत कर दोगे भाई साहब दुख दर्द 50% परसेंट लोगों ने चलो मेरे को एक बात की खुशी है कि कम से कम पहला वाला तो नहीं मारा किसी ने जीरो परसेंट था भाई पहला वाला बहुत बढ़िया अगला सवाल हम्म 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 देखो एक सवाल ये पूछा इसका आंसर दो चलिए सवाल क्या है देखते हैं सवाल कह रहा है अब देखो सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीग एंड स्ट्रेंथ इसमें से लीग एंड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन है तो आप क्या बोलोगे सर सबसे ज्यादा सीओ फिर सीएन सबसे ज्यादा सीओ फिर सी एन अच्छा नाइट्रोजन डोनर नाइट्रोजन डोनर ये और ये देख लेते हैं हमें सर ने सिखाया था आई बर्बादी है ना सनी क्लास से फरार फिर ओ ऑक्सेलेटो और पानी तो इसका मतलब एस टू के बाद सी टू ओ फोर एस टू के बाद सी टू ओ फोर टू नेगेटिव फिर नाइट्रोजन डोनर कार्बन डोनर बी ऑप्शन सही, कितना टाइम लगा भैया सी ऑप्शन कौन बोल रहा है भे क्या हो गया है तुम लोग वाट आर यू ईटिंग अच्छा मतलब मेरे को लग रहा था कि कोई सी ऑप्शन कह रहा है बट ठीक है 92 परसेंट पे तुम समझ रहे हो लीग एंड चार्ट याद कर लिया तुमने बताओ बहुत बढ़िया क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि वीबीटी से कोई भी सवाल आएगा कर लेंगे और मजेदार आरबीआई दे दूं बताओ और मजेदार आरबीआई दे दूं इसमें भी दिक्कत है तो बोलो और बढ़िया आरबीआई दे, दे देता अरे भैया आरबीआई भारी बढ़ी है अपने पास जब तक तुम थक नहीं जाओगे तब तक आरबीआई दे सकता हूं चलो आरबीआई नहीं देते थोड़ा सा हाँ टॉपिक को आगे लेके चलते हैं एक तो इसमें ब्रेक लगाने में भी दिक्कत है चलिए इसके बाद मैं आपको एक और आरबीआई दे देता हूं वैसे याद रखना ये सारा जुगाड़ चल रहा है सर सब एकदम जुगाड़ टेक्नोलॉजी चल रहा है चलिए हम क्या बात करते हैं आरबीआई की आरबीआई क्या है सर दो बातें बताऊंगा उसको बहुत ही विशेष रूप से तीन बातें बता दूंगा चलो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर सिक्स है और इफ डी कॉन्फिगरेशन जो है वो कितना हो सर डी वन डी टू डी थ्री हो कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स डी कॉन्फिग्रेशन डी वन डी टू डी थ्री याद रखना इर ऑफ एस एफ एल और डब्ल्यू एफ एल चाहे एस एफ एल हो चाहे डब्ल्यू एफ एल नो पेयरिंग कौन पेयरिंग मत करवा देना पेयरिंग करवाओगे बहुत मारूंगा बहुत ज्यादा ठीक है फिर उसके बाद क्या है सर ऑल कॉम्प्लेक्स ये ऑल कॉम्प्लेक्स सभी कॉम्प्लेक्स जो है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर आप बोलेंगे इनका हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री यह सभी के सभी क्या बनाएंगे सर ये सभी के सभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम यूएस की बात करें तो यहां पे कॉन्फिगरेशन डी वन के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा आप बोलोगे इसके लिए आ जाएगा रूट अंडर थ्री डी टू के लिए कितना आ जाएगा सर रूट अंडर एट डी थ्री के लिए कितना आ जाएगा सर रूट अंडर फिफ्टीन बोहर मैग्नेटॉन ये फिक्स है सर ये नहीं बदल सकता चाहे कुछ कर लो बदलेगा ही नहीं याद रखना याद रख लेना भैया मतलब डी कॉन्फिग्रेशन आया खत्म सवाल करना ही नहीं है डी कॉन्फिग्रेशन आया खत्म सवाल करना ही नहीं है उसके बाद अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर छे की ही लेकिन डी कॉन्फिग्रेशन अगर हमारा हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर छह डी कॉन्फिग्रेशन अगर हमारा हो जाए डी एट डी नाइन डी टेन कितना कितना डी एट डी नाइन डी टेन भैया जोर से मत बताओ हाँ ज्यादा लोग देखेंगे सबको आरबीआई पता चलेगी सब तेजी से सवाल करेंगे और यहां से इनऑर्गेनिक से समय बचा के कहाँ लेके जाएंगे मैथ्स में और फिर मैथ्स में भी फोड़ेंगे पढ़ लो चुपचाप हल्ला मत करो उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही सेम चीज मैं लिखना चाहूंगा इर रेस्पेक्टिव ऑफ एस एफ एल और डब्ल्यू एफ एल कौनो पेयरिंग नहीं करानी है सर पेयरिंग कराने का कोई फायदा नहीं है तो इनके केस में ऑल कॉम्प्लेक्स जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे वो सभी क्या होंगे सर ऑल कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन सभी का क्या होगा एस पी थ्री डी टू और सभी कॉम्प्लेक्स जो है वो ओ ओ सी बनाएंगे सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनके लिए डी एट डी नाइन और डी टेन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे हो जाएगा रूट अंडर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो टू फोर या एट बोहोर मैग्नेटॉन यहां हो जाएगा रूट अंडर थ्री बोहर मैग्नेटॉन और यहां हो जाएगा रूट अंडर मतलब जीरो बोहर मैग्नेटॉन बताओ एक सवाल दे दू इसपे कर लोगे हमारे बीच एक और भैया आ गए हैं ईसा के नाम से जो सौरभ की आईडी मांग रहे हैं देख रहे हो कलयुग घोर कलयुग आ गया है अब सौरभ की आईडी सचिन मांग रहा है बताओ इससे बुरा क्या आ सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं एक आरबीआई और तीसरा पॉइंट आरबीआई का याद रखना कि फॉर एलिमेंट्स बिलोंगिंग या ऐसे नहीं फॉर नहीं लिखो इफ सी एम ए बिलोंग्स टू फोर डी और फाइव डी सीरीज ऑल लीग एंड आर एक्ट एज एस एफ एल हर एक लीगेंड एस एफ एल की तरह काम करेगा एक सवाल देता हूं इसको करके दिखाना क्वेश्चन है आपके पास पी टी सी एल फोर टू नेगेटिव इसके बारे में सारी बातें पता करके बताओ पी टी सी एल फोर टू नेगेटिव बताइए इसके बारे में सारी बातें पता करके बताइए बहुत बढ़िया सबसे पहली बात है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए आधे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता होगा एस का तो याद रखना प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक मैं बता देता हूं देखो निकल का क्या होता है सर आप बोलोगे ये होता है फोर एस टू थ्री डी एट सर पलाडियम का क्या होता है ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है 5s0 4d 10 और नहीं पढ़ा पंडित प्लैटिनम इसके नीचे आया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होता है 6s1 एस वन फोर मतलब इन दोनों का एन प्लस एल रूल वॉयलेट करता है तो आप बोलोगे सर s1 और d9 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू का तो इसका डी कॉन्फिग कितना हो गया आप बोलोगे इसका डी कॉन्फिग जो हो गया वो हो गया टेन माइनस टू दैट इज़ एट मतलब ये डी एट कॉन्फिग्रेशन है और सर ये प्लैटिनम किसको बिलोंग करता है आप बोलोगे सर प्लैटिनम 5d सीरीज़ का एलिमेंट है इसका मतलब अब सी एल माइनस भी कैसा एक्ट करेगा एस एफ एल की तरह और एस एफ एल की तरह फटाफट इसका स्ट्रक्चर बना दो तो आप बोलोगे सर ये देखो प्लैटिनम के लिए ये कौन सा डी है सर बहुत सारे बच्चे इसको थ्री डी बोलेंगे लेकिन नहीं भाई प्लैटिनम के लिए एन माइनस वन डी इज फाइव डी ये इसके लिए एन एस इज सिक्स एस उसके बाद इधर सिक्स इतने में ही काम हो जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर चार ही है आप बोलेंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आठ इलेक्ट्रॉन भरने हैं आइए भर के देखते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ क्यों ऐसे भरा सर पेयरिंग करा के क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह काम करेगा और फिर इसके पास एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल तीन ऑर्बिटल चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो गया डीएसपी टू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है भाई सवाल आएगा कर क्या होगा ना सवाल आएगा कर क्या हो बोलो हाँ या ना गोली की रफ्तार से सवाल करने वाला बंदा मेरे को चाहिए मेहनत मैं भी उतनी करूंगा हाउ एस एफ एल हाउ एस एफ एल की बात वो हम सी एफ टी में सीखेंगे क्योंकि एस एफ एल का डेफिनेशन यहां पे नहीं आया था हमने चीटिंग करी है हमने चीटिंग कर ली है सर है क्या चलिए अब हम लिमिटेशन ऑफ वीबीटी देख लेते हैं सबसे पहला लिमिटेशन क्या है सर वीबीटी का इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑप्टिकल एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा मतलब ये कलर के बारे में नहीं बताता कलर का नो no आइडिया अबे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भयंकर कलर्ड होते हैं भाई भयंकर मैं एक एग्जांपल अभी तुम्हारे सामने दिखा दूंगा इतना खतरनाक कलर होता है ना कॉम्प्लेक्सेस का इतना इंटेंस कलर कई बार होता है कि तुम सोच नहीं सकते फिर डू नॉट एक्सप्लेन हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आप बोलोगे सर आप तो हमें बता रहे थे कि अनपेड हो तो पेयड हो अबे हमने तो चीटिंग कर ली थी ना किसकी अपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और इट डू नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स और एक इसका लिमिटेशन है चार नंबर पे स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताता स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नॉट एक्सप्लेन ठीक है स्टेबिलिटी के बाद पांच नंबर पे आते हैं फील्ड ऑफ लीगेंट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंट नॉट एक्सप्लेन आप बोलोगे सर हमने तो सब कर लिया अबे हमने एक्सपीरियंस यूज किया है आरबीआई का हम तो कर ही लेंगे आगे आते हैं सर सी एफ टी पे अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और याद रखना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वीबीटी में मेजर जो डिफरेंस होता है मेजर जो डिफरेंस होता है वो टाइप ऑफ बॉन्ड में होता है किसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग में में।, में हम कोवलेंट बॉन्ड मानते हैं सीएफटी में हम आयनिक बॉन्ड मानते हैं ली और मेटल के बीच में तो पूरा वक्त जजबात बदल दिए पॉइंट्स देख लेते हैं पढ़ लेते हैं एक बार वैसे अकॉर्डिंग टू सीएफटी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लीगैंड एंड मेटल आयन इज देयर जिसको हम आयनिक इंट्रैक्शन कहते हैं कौन सा फोर्स मिस्टर बीन वाला फोर्स फिर एनायनिक लीगेंड ट्रीटेड एस नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड न्यूट्रल और कैटायनिक लीगैंड इज ट्रीटेड एज अ डाइपोल फिर 5d ऐसे लिख देता हूं 5d ऑर्बिटल्स इसोलेटेड गैसियस मेटल आइटम और आयन है ऐसे कोई भी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम होती है उसको हम डी जेरे हैं फिर डी जेनरेसी इज रिमूव वेन दीज ऑर्बिटल केम इन कॉन्टैक्ट विथ लीग एंड है ना तब डी जेनरेसी रिमूव हो जाती है हट जाती है सर क्यू ड्यू टू रिपल्शन ड्यू टू रिपल्शन आप बोलोगे अच्छा अब इसके बारे में मैं आपको आगे की बातें मैं बताऊंगा देखो हमारे पास टोटल पांच डी ऑर्बिटल है एक बारी में फटाफट सारे डी ऑर्बिटल बता देता हूं देखिए एक बारी में फटाफट सारे डी ऑर्बिटल आपको बता देता हूं सबसे पहले हमारे पास डी ऑर्बिटल दो तरीके का होता है एक होता है एक्सियल जिसके लोब्स एक्सिस पे हो एक्जियल जो डी ऑर्बिटल होता है वो एक है डी एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है इनके लोब्स पे ये ऑर्बिटल्स होंगे डी जेड स्क्वायर क्या है सर डी जेड स्क्वायर का मतलब ये सिर्फ आपके इस तरीके से ये जेड एक्सिस है एक्सिस पे ये लोब होगा और एक रिंग इसके पास होगा इसके गले में जैसे मैंने मफलर पहना था ना हाँ वैसा ही इसने भी अपने गले में मफलर पहन रखा है फिर इंटर एक्जेल की अगर हम बात करें इसकी इंटर एक्जेल की अगर हम बात करें तो इंटर एक्जेल ऑर्बिटल तीन होते हैं एक्स वाई वाई अगर हम एक्स वाई की बात करें सर, एक्स वाई वाई तो आप सभी मैथ्स पढ़ रखे हो आपको पता एक्सिस हम घुमा फिरा सकते हैं है ना हाँ तो अब गमछा कौन बोल रहा है बे? नहीं भाई मफलर है दो सौ रुपये खर्चा किया हूं तुम गमछा बोल रहे हो बताओ सुभाष भाई मफलर को गमछा बोल रहे हैं यार ये एक ग्लास रहने दो, इसमें इनको कुछ कलर कलर दिखाऊंगा गजब भेज है भाई याद तो तुम्हें दिख नहीं रहा है हाँ, तो अगर हम इसकी बात करें तो आप बोलोगे सर ये X ये एक्सिस एक्सिस, हो गया बीच में रंगोली बना दो ये क्या है ये है डी एक्स वाई फिर ये वाई एक्सिस या जेड एक्सिस बीच में रंगोली बना दो ये क्या है डी वाई जेड फिर ये ये y एक्सिस ये सॉरी ये x एक्सिस और ये z एक्सिस बीच में रंगोली बना दो ये क्या है सर डी एक्सड ये तीन ऑर्बिटल हो गए मोफलर है भाई गजब कर रहे हो लुंगी है वाह लुंगी एंगीडी है है ना क्या बॉलिंग करी यार एक समय के लिए हालत तो हालत खराब कर दिया था सोचो एक ऐसी टीम जो सत्तर रन इंडिया को चेज नहीं करने दे रही है, है? छह विकेट ग्यारह बॉल पर टपका दिया भाई विकेट ग्यारह बॉल पे मात्र ग्यारह बॉल और उन ग्यारह बॉल में बाकी जो चार बॉल पांच छह बॉल पे विकेट गिरे वो तो ठीक है बाकी के पांच बॉल पे रन भी नहीं आए हैं वो भी कैच हुए छूटते छटते बचे हैं ये ऑर्बिटल हो गया आगे बढ़ते हैं अब क्या है सर समझना सबसे पहले अब जब हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखेंगे क्या होता है जब लीगेंड अप्रोच करेगा ना तो लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में लड़ाई और लड़ाई होने के कारण क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में लड़ाई और लड़ाई होने के कारण क्या होगा आप बोलोगे सर रिपल्शन होगा डी ऑर्बिटल में तीन फील्ड में हमें स्प्लिटिंग पढ़नी है, है ना स्प्लिटिंग ऑफ डी और बाइटन हम तीन फील्ड में पढ़ेंगे सर कौन वैसे तो हमारे सिलेबस में दो ही फील्ड है बट मैं आपको तीन फील्ड तीनों फील्ड दिखा दूंगा uh, कोऑर्डिनेशन नंबर चार और कोऑर्डिनेशन नंबर छ के तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर छह में कोऑर्डिनेशन नंबर छह में हमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग पढ़नी है <देख> <देख> तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार की अगर हम बात करें तो हमें दो फील्ड में स्प्लिटिंग पढ़नी है कौन कौन सी सर एक तो टेट्राहेड्रल फील्ड में और दूसरा स्क्वायर प्लेनर फील्ड में आइए एक एक करके इनको देखते हैं सबसे पहले स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड देखिए ध्यान से अब मैं चाहता तो भैया फोटो फाटो पीछे बना के ला सकता था लेकिन मैं फोटो बनाऊंगा ना तो मैं बस पढ़ के चला जाऊंगा फिर आपको वो मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं आइए यहां पे एक चीज देखते हैं सर अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पे ऊपर आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप समझ लेना कि यहां पे हम एनर्जी प्लॉट किया है हमने क्या प्लॉट किया है एनर्जी ठीक है इसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले यहां पर मैंने डी ऑर्बिटल बनाया कितने डी ऑर्बिटल होते हैं पांच पांच डी ऑर्बिटल बना लिया

यहां पे क्या है सर ये कैसे हैं? तो आप बोलोगे ये आइसोलेटेड एटम के हैं आइसोलेटेड एटम सीएम मतलब सेंट्रल मेटल एटम और आए ना आइसोलेटेड अकेला अब ये बीच में क्या है सर ये है स्पेरिकल में मतलब हम लीगेंड लेकर के तो आ रहे हैं और हर तरफ से लेके आ रहे हैं तो आप बोलोगे जब हम हर तरफ से लीगेंड लेके आ रहे हैं सर सब हर एक डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है और सबकी बराबर बढ़ रही है पहले भी डिजेनरेट थे अभी भी डिजेनरेट हैं पहले भी डिजेनरेट थे ये सबकी एनर्जी बराबर अभी भी ये डिजेनरेट ही हैं सबकी एनर्जी बराबर ही है सर अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्यों क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड में जो काम आ जाएगा <laughs> वाह सर क्या दिमाग लगाया है हाँ तो तभी तो मैं सर हूँ <laughs> अब सुनना मेरी बात लैग कर रहा है क्या एक मिनट लैग ठीक करते हैं लग 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 हाँ भाई अब लैक ठीक है हीरो जैसा कोई तुम्हें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है क्या चलिए फिक्स्ड हाँ तो अब इसके बाद अगर हम बात करें अब क्या होगा सर देखो अब हम एक काम कर रहे हैं कि हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को थोड़ा समझते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये मेटल है मेटल के पास जो लीग आते हैं वो तीन एक्सिस के अबाउट आते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो हम चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि सर इसमें एक एक्सिस को एक्स मान लो एक को वाई मान लो एक को जेड मान लो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड एलॉन्ग एक्सिस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सिस से लीगेंड आएंगे लीगेंड ंग एक्सिस से जैसे ही आएंगे वैसे स्प्लिटिंग अलग अलग हो जाएगी सर स्प्लिटिंग अलग अलग मतलब आप बोलेंगे सर जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलॉन्ग पड़ रहे हैं उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा जो ऑर्बिटल एक्सिस के अला नहीं आ रहे उनमें कम रिपल्शन होगा सर तीन ऑर्बिटल जो है इंटर एक्सियल हैं जो एक्सिस में नहीं आते हैं उन पर रिपल्शन कम हो जाएगा और दो ऑर्बिटल जो एक्सिस पे आते हैं उन पर रिपल्शन बढ़ जाएगा सर तो यहां पे हमने बना दिया दो ऑर्बिटल यहाँ पे हमने बना दिया तीन ऑर्बिटल ये दो ऑर्बिटल कौन से हैं डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये तीन ऑर्बिटल कौन से हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्ड अब मैं जो चीजें तुम्हें सिखाऊंगा उसको ध्यान से सुनते रहना तुम सुन लोगे तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी ये बीच में एक लाइन गई है ये लाइन कौन सी है सर ये लाइन है जहां से इसकी स्प्लिटिंग हुई है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं इस लाइन को हम बोलते हैं बैरी सेंटर क्या बोलते हैं बैरी सेंटर इसी लाइन के ऊपर चला गया ऑर्बिटल इसी लाइन के नीचे आ गया ऑर्बिटल अब सुनना इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है इसको हम क्या बोलते हैं आप बोलोगे इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है इसको हम डेल्टा ओ बोलते हैं डेल्टा ओ का मतलब क्या होता है सर तो आप बोलेंगे डेल्टा ओ का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी कहां पे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ठीक है आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है सीएफएस नहीं बोलते हैं होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी याद रखना इसको नहीं बोलते हैं अब सुनना आप बोलोगे सर अगर ये पूरा डेल्टा ऊपर की एनर्जी कितनी नीचे की एनर्जी कितनी है बता दो तो मैं बोलूंगा देख भाई सीधी सीधी बात है यहां से ऊपर जाएगा इसकी एनर्जी कितनी है तो देखो फॉर्मूला बताता हूं इसकी एनर्जी अगर तुम्हें निकालनी है तो तुम कुछ मत करो आप बोलो सर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं पांच ना तो सबसे पहले डेल्टा ओ को पांच से डिवाइड कर दो फिर पूछो कि सर नीचे की तरफ कितने ऑर्बिटल हैं आप बोलोगे तीन तो यहां पे तीन का मल्टीप्लाई कर दो और क्योंकि एनर्जी बढ़ी है तो प्लस अच्छा यह वाला ट्रिक इधर भी लग जाएगा का सर अरे बिल्कुल लगेगा भाई आरबीआई चीज ही ऐसी है कमाल की इसकी एनर्जी की बात करें आप बोलोगे सर टोटल कितने ऑर्बिटल है पांच तो डेल्टा ओ को डिवाइड कर दो पांच से और सर ऊपर कितने ऑर्बिटल थे दो तो दो से मल्टीप्लाई करो एनर्जी नीचे आई है तो नेगेटिव लगा दो अगर ये लॉजिक पता है तो तुम ऑक्टाहेड्रल में भी निकाल लोगे टेट्राहेड्रल में भी निकाल लोगे तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी सर क्या मेरी बात क्लियर है जल्दी से बता दीजिए यस और नो यस और नो ठीक है फिर इस वाले ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं eg का क्या नाम देते हैं सर eg बढ़काई मतलब स्मॉल ई बड़ा और नीचे छोटा जी इस वाले ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं नीचे वाले इन तीनों ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं टी टू जी क्या मेरी बात समझ में आ गई यस नो यस नो यस नो यस नो जल्दी से बता दो एकदम क्लियर है आगे चलते हैं सर अगले पेज पे इसके बाद अगर हम बात करें अब हम बात कर लेते हैं सर लीगेंड का स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं तो एस एफ एल डब्ल्यू एफ एल कैसे डिफाइन करते हैं ठीक है तो सुनते जाइएगा मेरी बात जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं सर तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में नीचे दो ऑर्बिटल हैं ऊपर सॉरी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में नीचे तीन ऑर्बिटल हैं और ऊपर दो ऑर्बिटल हैं। अगर हमें तीन इलेक्ट्रॉन भरना है तो तीन इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे देखिए सर हम वही कॉमन नियम फॉलो करते हैं क्या रूल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही सब नियम कि भैया बराबर एनर्जी में पहले सिंगल सिंगल भरो तो तीन इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे आप बोलोगे देखो सर एक दो तीन इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप था इसका नाम था डेल्टा ओ अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर जाना है फोर्थ इलेक्ट्रॉन को अगर जाना है तो उसके पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि वो नीचे ना जाके ऊपर चला जाए दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ चला जाए जब वो चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में अब भाई इलेक्ट्रॉन एक ऑलरेडी प्रेजेंट है एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उस छोटे से ऑर्बिटल में तुम फिर लेके जा रहे हो तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो आपको यहां पर रिपल्शन देखने को मिलेगा सर क्या देखने को मिलेगा रिपल्शन इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए टू ओवरकम दिस रिपल्शन हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी को पी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं अब मेरी बात सुनना सारा खेल एनर्जी का है सर मैं तुमसे बोलूं कि एक दो चैप्टर का नाम लूं कि भाई देख कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जिसको तुम एक बार पढ़ लोगे पांच सवाल आ जाएंगे ठीक है और दो चार टॉपिक में ऐसा बताऊं जिसको तुम पांच चैप्टर पढ़ोगे तो पांच सवाल आएंगे आप क्या प्रेफर करोगे कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे कि एक चैप्टर पढ़ के एक या दो चैप्टर पढ़ के पांच सवाल या पांच छह चैप्टर पढ़ के पांच सवाल क्या प्रेफर करोगे दोस्त मेरे को बताना ईमानदारी से बताओ क्या प्रेफर करोगे तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है सर हम तो एक ही चीज़ प्रेफर करेंगे कि सर सर हम तो नीट वाले हैं हमें सब पढ़ना है ठीक है आप प्रेफर क्या करेंगे सर कि एक दो चैप्टर पढ़ के पांच सवाल हो जाए पता है क्यों क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा एक टाइम सेविंग होगा इसका मतलब नॉर्मली इंसान क्या करता है कि जिस चीज में कम एनर्जी लगे तुम जेई क्यों करने आए हो बे मेरे को ईमानदारी से बताना थोड़ा सब कुछ तुम जेई क्यों करने आए हो पता है क्योंकि छोटा रास्ता है सक्सेस होने का सक्सेसफुल होने का आई टीम चले जाओगे तुम्हें है ना तुम आई टीम चले जाओगे और तुम आजकल क्या बोलते हैं मैं ये भी देखता हूँ पता नहीं मेरे को तो कई बार ऐसा गलत लगता है कि ये करना सही नहीं होना चाहिए कि हमें कभी पैकेज वैकेज नहीं बताना चाहिए कॉलेज का एज अ फैकल्टी ठीक है कंपेरिजन बता दो कि यार वहाँ कम है यहाँ ज़्यादा पैकेज वैकेज की बात नहीं करनी चाहिए मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं कि भाई इसमें इतना पैकेज चला गया इतना पैकेज गलत बात है यार वो पैकेज हर साल की अलग अलग कहानी है हर साल की अलग दास्ता है किसी साल रिसेशन आ जाएगा तुम सोच के जाओगे चार करोड़ का तुम्हें पैकेज लग गया पचास लाख का तुम उसमें भी दुखी होगी चार करोड़ लगा था पिछले साल अब पैकेज वैकेज का सीनारी अलग होता है यार वो हर बार अलग होता है कहानी तो मैं तो मानता हूँ सब बातें ही नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी आसान रास्ता है तुम चले जाओगे कॉलेज में जाने के बाद मतलब है कि तुम बड़े आराम से प्लेस्ड हो जाओगे साठ सत्तर अस्सी हज़ार रुपये तुम्हारे इनिशियल महीने से आने लगेंगे कोई नहीं रोकेगा उसको और बड़े आसानी से आने लगेंगे और मैं ईमानदारी से बताता हूँ साठ सत्तर हज़ार रुपये अभी तुम महीने के सोचो कट पिट के सब कुछ जो भी कटना कटाना है बहुत पैसा होता है सर बहुत सारे लोगों के लिए आप में से बहुत पैसा होगा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट के दो दो तीन तीन महीने की इनकम उतनी होगी कुछ तो ऐसे होंगे जिनके साल भर की इनकम भी उतनी होगी ये फायदा है मैं ये नहीं बोल रहा दो करोड़ मिलेगा लगा दस करोड़ मिलेगा अरे वो ठीक है मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो तुम आसान रास्ता पूरी दुनिया आसान रास्ता चुनती है नीट वालों को छोड़ के नीट वाले यार अलग लेवल के लोग होते हैं मतलब उतना जुझारूपन भाई साहब सबके बस की बात नहीं है वो क्रिकेट के राहुल और चेतेश्वर पुजारा है।, तो तो है, है ना तो अब हम आगे बात करते हैं यहां पे ध्यान से सुनिए तो अगर हम बात करें सर आसान काम करते देखो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है या तो यहां से इतनी एनर्जी लगाए और ऊपर चला जाए मतलब या तो डेल्टा ओ लगा के ऊपर चला जाए या फिर क्या करें सर यहां आ जाए और यहां आएगा तो पेयरिंग एनर्जी लगानी पड़ेगी अब अगर मान लो इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग कम कौन है सर इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग तो कम कौन है सर आप बोलोगे पेयरिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि सर पेयरिंग होगा खत्म जिसकी एनर्जी जो कम वही होगा होगा और पेयरिंग होगा का मतलब क्या है आप बोलोगे डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो गई पेयरिंग से तो आप बोलोगे अभी पेयरिंग कराने में दो सौ रुपए लग रहे हैं जैसे मान लो नॉर्मली तुम कोई सामान लेके गए किसी इलेक्ट्रीशियन के पास कि अरे भैया हमारा वाला खराब हो गया है रिमोट खराब हो गया इसको बना दीजिए तो वो बता रहा कि देखो यार बनाने में दो सौ रुपया लगेगा और दो सौ बीस में नया रिमोट आ जाएगा या एक सौ अस्सी में नया रिमोट आ जाएगा तो क्या करोगे तो आप क्या करेंगे बताओ तो आप बोलोगे सर नया रिमोट दे दो छोड़ो है ना आप नया रिमोट दे दो तो आप बोलोगे सर इस केस में पेयरिंग और डेल्टा ओ में इस केस में पेयरिंग और डेल्टा ओ में क्या होगा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा पेयरिंग नहीं होगी तो आप बोलोगे नो पेयरिंग या पेयरिंग नहीं होगी ये तो तुम्हारा केस हो गया पेयरिंग हो ही नहीं पा रही है <laughs> लगे हुए हैं दो चार लोग कि भैया हमार पेयरिंग करा दो पेयरिंग नहीं होगी और अगर पेयरिंग नहीं होगी दोस्त तो इसका क्या मतलब है आप बोलेंगे इसका सिंपल मतलब है सर कि ये डब्ल्यू एफ एल का केस है इस तरीके से हम लीग एंड को डिफाइन करते हैं क्या मेरी नो no स्प्लिटिंग नहीं स्प्लिटिंग तो होगी ही पेयरिंग नहीं होगी समझ गए हाँ चैट में पेयरिंग ना करें अब एक और फॉर्मूला दे रहा हूं एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसको एक बच्चा अभी कमेंट में थोड़ी देर पहले लिख रहा था सी एफ दिस इज कॉल्ड सी एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है सर तो सुनना सर इस ऊपर वाले दोनों ऑर्बिटल को हम ई जी ऑर्बिटल लिखते हैं इस नीचे वाले तीन ऑर्बिटल को हम टी टू जी ऑर्बिटल लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई जी इलेक्ट्रॉन इन हर ई में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है तो आप बोलेंगे प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ प्लस नंबर ऑफ टी टू जी इलेक्ट्रॉन टी टू जी में जाने वाले हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ और फिर इसमें हम प्लस करेंगे एन इन टू पी अब इस पूरे फॉर्मूले में जो भी टर्मिनोलॉजीज आई उन सभी टर्मिनोलॉजीज को बता देता हूं क्योंकि मुझे पता है तुम यही कह रहे हो सर ये एन वेन क्या लिख दिया है कुछ चमक ही नहीं रहा है क्या क्या लिख देते हैं सर समझ कुछ नहीं आता है तो आइए देखते हैं सर एन ई जी का मतलब नंबर ऑफ ई जी इलेक्ट्रॉन मतलब ऊपर वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एन टी टू जी का मतलब नंबर ऑफ टी टू जी इलेक्ट्रॉन और एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं? सिंपल अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल करके दिखाता हूं हाँ ई जी सेट बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जी श्रवणी जी बिल्कुल सही कह रही है एनईजी का मतलब कॉपी कर लिया अगले पेज पे चलते सवाल करते, कुछ निकालना सिखा देता हूं। एक निकालना भाई साहब तुम ढोल बजा दोगे याद रखना सीएफएससी से <laughs> मेरे को एक बहुत हंसी वाला इंसिडेंट याद आ रहा है हजार तक हजार इक्कीस तक सीएफएस से आज तक सवाल नहीं पूछा जी ने पूछा ही नहीं सर कभी नहीं पूछा कभी भी नहीं मतलब मैंने जब से जेई का पेपर देखना शुरू किया है तब से तो नहीं पूछा है ना राइट नहीं है भाई पानी है गरम राइट पीऊंगा और 2021 में मैं ऐसे क्लास ले रहा था क्लास में मैं ये पढ़ा रहा था मैंने बोला यार इससे ना कभी सवाल नहीं पूछता है लेकिन फिर भी बता देता हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर ये जेटीडी क्या होता है कि अगर मान लो कल को सवाल आ जाए तो तुम कर सको मान लो अगर कल को सवाल आ जाए तो तुम कर सको हुआ क्या पता है? उसी साल से सवाल आना शुरू हुआ और उस साल से लगातार सवाल आ रहा है और उसी साल एनटीए ने जेईमेन को टुक ओवर किया था कि अब हम कराएंगे जेईमेन लगातार तार उस साल से सवाल आ रहा है और हर साल आया मैं दिखा सकता हूं पेपर पे हर एक साल सवाल आया समझ गए तो ये सीएफएससी निकालना सीखते कैसे जैसे मान लो मैंने तुमको बोला फाइंड सीएफएसई देखते हैं आपको क्या करना है सर फाइंड सीएफएसई इस केस में तो आप बोलेंगे सीएफएसई हमें निकालना है एफ एस हमें हाँ निकालना है डी फोर कॉन्फिग्रेशन के लिए दोनों एस एफ एल एंड डब्ल्यू एफ एल दोनों के लिए ठीक है तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड तो आप क्या करेंगे देखिए आप बोलेंगे सर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पहले हम एस एफ एल के लिए कर लेते हैं एस एफ एल के लिए हम बात करें नीचे तीन ऑर्बिटल है ऊपर दो ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे एक दो तीन और एस एफ एल में पेयरिंग तो 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 क्या बोलोगे सर देखो सी एफ एस पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना सीखो इसका कॉन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं तो इसका कॉन्फिग्रेशन लिखने का तरीका जैसे ये क्या है सर टी टू जी है ना तो इसको लिखते हैं टी टू जी और कितने कितने इलेक्ट्रॉन है तीन ऑर्बिटल है तो आप बोलोगे पहले में दो दूसरे में एक तीसरे में एक फिर ईजी ऑर्बिटल आया ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है जीरो जीरो एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका यह होता है कि टी टू जी लिखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन लिख दो कितने चार फिर ईजी लिखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन लिख दो कितने जीरो ये ईजी हमें सी एफ एस निकालना है तो सी एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है भैया जल्दी से बताइए तुरंत बताइए आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी इनटू हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है प्लस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू टू जी फिर हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ सही है बोलेंगे नहीं सर यहां पे एक नंबर का गप लाए इस नंबर के उठा के इधर रखने का इस नंबर के उठा के इधर रखने का और प्लस एन इंटू पेयर मतलब जितने भी पेयर बन गए ई में कितने इलेक्ट्रॉन जीरो तो इसको हटाई दे ये तो खत्म ही हो गया सर जीरो प्लस t2g में कितने इलेक्ट्रॉन चार हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी -0.4 डेल्टा ओ इसको प्लस करेंगे कितना पेयर एक ही पेयर बन रहा है तो 1 p से तो हमारे पास फाइनली cfs आ गई 4 4जा 16 मतलब -1.6 डेल्टा ओ प्लस p क्या मेरी बात चमकी कितने लोगों का मैच कर गया बताइए बताइए वहीं अगर हम बात करें सर इसको किसमें में भरेंगे सर वही अगर हम इसको डब्ल्यू एफ एल में करते अगर यही चीज हम डब्ल्यू एफ एल में कर रहे होते वीक फील्ड के लिए खेलते तो क्या करते तो तो आप बोलते सर ऑर्बिटल तो ऐसे स्प्लिट होंगे कैसे ऊपर वाले वाले नीचे T2G वाले। और इलेक्ट्रॉन चार भरने हैं तो इस बार पेयरिंग मत करवाना एक दो तीन चार अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कोई एक लिख देता हूं एक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूं आप लिखोगे सर टी टू जी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन तीन जी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक तो एक तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन दूसरा कॉन्फिगरेशन अगर हमें लिखना है इसका निकालना है तो आप बोलेंगे इसका सी कैसे आएगा तो ईजी में कितना इलेक्ट्रॉन है एक वन इन टू हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा हो प्लस नीचे तीन इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा हो प्लस एनपी नंबर ऑफ पेयर कितने हैं जीरो इसको जीरो कर दो आप बोलोगे प्लस पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट टू या आ गया माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा हो बात समझ में आ गई तो तुरंत से दिल बना दीजिए तुरंत से पहले दिल बना दीजिए सर तुरंत से पहले दिल बना दीजिए क्या सी एफ टी और वीबीटी दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा हां अगर आप सही से अगर आप सही से आरबीआई लगा के कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा सर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर है बताइए क्या मेरी बात क्लियर है बोलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल इन टेट्राहेड्रल फील्ड फील्ड की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है आप बोलेंगे ये मेटल है मेटल में एक लीगेंड ऐसे आया एक लिगेंड ऐसे आया एक लिगेंड प्लेन के बाहर की तरफ और एक लिगेंड प्लेन के अंदर की तरफ मतलब वेज और डैश पे दो लिगेंड लगा दिया हमने जिसमें हमने ये देखा वेज और डैश पे लगाया और जिसमें हमने ये देखा कि सर वेज और डैश वाले सभी लिगेंड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है इसका मतलब कोई भी 90 डिग्री पे नहीं है तो हम कह सकते हैं लीगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है तो आप बोलोगे लीगेंड इंटर एक्जियल अप्रोच कर रहा है और क्योंकि लीगेंड इंटरएक्सियल इंटर अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है कि इंटर एक्सियल वालों पर रिपल्शन ज्यादा और उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर इस बार इंटर एक्सियल वाले सेट की एनर्जी बढ़ा दो मैं बोलूंगा बढ़ा देता हूं तो इंटर एक्सियल वाले सेट तीन थे कौन कौन से डीएक्स वाई डी वाई डीएक्स सेट और नीचे कौन आ गया तो आप बोलोगे नीचे आ गया सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जट स्क्वायर आप ध्यान देंगे अगर यहां पे आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपको यह पता लगेगा सर यहां पे ऊपर पहले इसको टी टू जी बोल रहे थे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर इसको कोई टी टू जी लिखता है तो गलत है यह सिर्फ टी टू लिखाता है सर जी नहीं लगाते हैं जी केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लगाते हैं फॉर रेस्पेक्ट पर्पस टेट्राहेड्रल में जी नहीं लगाते और इसको टी टू बोलेंगे इसको ई बोलेंगे सिंपल आपको जो रूल सिखाया उस रूल्स पे चलो आपको जो रूल सिखाया उस रूल पे चलो क्या बोला मैंने आपको मैंने आपको बोला कि सर देखो ये अपना बैरी सेंटर है बैरी सेंटर से ऊपर की एनर्जी या इस पूरे एनर्जी को कितना बोलेंगे सर अब ये क्योंकि टेट्रा हेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग की है तो उसको डेल्टा टी बोलेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड आप बोलोगे सर यहां से यहां की एनर्जी कितनी होगी तो सर ने रूल सिखाया था अपने प्यारे सर ने क्या बोला था सर डेल्टा टी को डेल्टा को डिवाइड कर दो कितने ऑर्बिटल है पांच से फिर यहां पे नीचे जितने ऑर्बिटल है उससे मल्टीप्लाई करके प्लस लिख दो प्लस टू बाई फाइव टू बाई फाइव का मतलब होता है पॉइंट फोर नीचे कितनी एनर्जी है सर यहां पे तो आप बोलोगे सर नीचे एनर्जी निकालने के लिए पहले तो नेगेटिव साइन दे दो ऊपर कितने ऑर्बिटल है तीन और डेल्टा को डिवाइड कर दो फाइव से मतलब ये माइनस पॉइंट सिक्स क्या मेरी बात समझ में आई इसमें भी इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से भरेंगे सर वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से अगर वीक फील्ड डिगेंड है तो पहले नीचे भर देंगे पेयरिंग करेंगे अगर स्ट्रांग फील्ड डिगेंड है तो पहले बिना पेयरिंग के भरेंगे और उसके बाद अब अगर यहां पे हमें क्या निकालना है सी निकालना है तो इसके लिए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर इसके लिए सी का फॉर्मूला लगभग सेम रहेगा मैं फिर बोल रहा हूं देखो मैं तुम्हें रटना नहीं सिखा रहा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सी का मतलब क्या है अब जो इलेक्ट्रॉन आए हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिख दे अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो उसकी एनर्जी इतनी है नीचे है तो उसकी एनर्जी इतनी तो आप बोलोगे इसके लिए सी आएगा नंबर ऑफ टी इलेक्ट्रॉन इनटू हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है टी टू में तो आप बोलेंगे सर प्लस डेल्टा डेल्टा नहीं अब उसके टी हो जाएगी और प्लस हम एन पी कर देंगे नंबर ऑफ पेयरिंग यहां से हम सी एफ एस सी निकाल सकते हैं कल को सवाल आया तो कर जरूर लेना दोस्त बताइए क्या मेरी बात क्लियर है यस और नो फटाफट 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 बताते जाइए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो इसके लिए इस तरीके से सी एफ एस निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं सवाल करने के लिए तैयार है हां बताइए क्या आप सवाल करने के लिए तैयार हैं? बोलिए है। आप सवाल करने के लिए तैयार हैं? चलिए थोड़ा सा मैं आपको स्क्वायर प्लेनर फील्ड में भी दिखा देता हूं है ना स्क्वायर प्लेनर फील्ड कैसे काम करता है स्क्वायर प्लेनर फील्ड के लिए भी दिखा के दो तीन बातें बता के फिर हम आगे चलेंगे स्क्वायर प्लेनर फील्ड तो स्क्वायर प्लेनर फील्ड में बेसिकली क्या होता है कि पहले हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड पे काम करते हैं कि भैया लीगेंड हमारे पास क्या आया ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आया फिर हम क्या करते हैं सर एक एक्सिस से और वो कौन सा z एक्सिस से लीगेंड गायब कर देते हैं हम z एक्सिस का लीगेंड क्या करते हैं गायब कर देते हैं जैसे ही z एक्सिस का लीगेंड गायब किया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपने आप स्क्वायर प्लेनर बन गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपने आप स्क्वायर प्लेनर बन गया सर तो इस केस में हम क्या करेंगे देखिए पहले ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होती है सर तो आप बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है मान लो ये डी जेनरेट डी ऑर्बिटल था स्पेरिकल फील्ड ऑफ लीगेंड में यहां पे ऊपर चला गया कितने ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल कौन कौन से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर नीचे चले गए तीन ऑर्बिटल कौन कौन से डीएक्स वाई डी वाई जेड और डी अब क्या होगा सर जैसे ही हम z एक्सिस से लीगेंड हटाएंगे तो रिपल्शन कहां पे कम होगा बताइए बोलो भाई जैसे ही हम z एक्सिस से लीगेंड हटाएंगे तो वो सभी ऑर्बिटल जहां पे z आया है उसमें रिपल्शन कम हो जाएगा z का रिपल्शन कम हो जाएगा सर जहां पे भी z आया वहां रिपल्शन कम जहां पे भी जेड आया वहां रिपल्शन कम और रिपल्शन कम मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और आप देखेंगे यहां पे, ध्यान से देखिए आप बोलेंगे सर अब ये टूटेगा में खाली इलेक्ट्रॉन है तो एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी और जेड की एनर्जी कम हो जाएगी तो ये अकेला ऑर्बिटल हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल आया डी जेड स्क्वायर फिर यहां से ऊपर की तरफ ऑर्बिटल आएगा डी एक्स वाई क्योंकि एक्स वाई पर रिपल्शन ज्यादा और एक्स एक्सजेड और वाई जेड पर रिपल्शन कम तो ये आ जाएगा नीचे दो ऑर्बिटल डी एक्सड और डी वाई जेड अब देखने में अगर मैं इसको डेल्टा ओ बोल रहा हूं तो तुम खुद कह सकते हो ना सर डेल्टा ओ से तो ज्यादा ही क्या है डेल्टा स्क्वायर प्लेनर डेल्टा स्क्वायर इसमें सी एफ एस ही नहीं निकालते हैं ये है डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है किसकी सर ऑर्बिटल की और मैं आपको दो रिलेशन बता दे रहा हूं याद रखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या सर डेल्टा टेट्राहेड्रल बाय डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो होता है ना वो किसके बराबर होता है तो सर टेट्राहेड्रल में कितने लीगेंड चार ऑक्टाहेड्रल में कितने लीगेंट छ इसका स्क्वायर कर दो तो आप बोलोगे ये आंसर आया डेल्टा टी बाई डेल्टा ओ किसके बराबर हो जाएगा रेशियो मतलब काट देंगे दो से तो आप बोलेंगे फोर बाई नाइन के बराबर किसके बराबर फोर बाई नाइन के बराबर ठीक है याद रखिएगा दूसरा ऑप्शन ये है कि सर डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल जो है या सॉरी डेल्टा स्क्वायर प्लेनर जो है ना ये हमेशा क्या होता है ये बराबर होता है वन पॉइंट मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है वन पॉइंट थ्री डेल्टा ओके देखा ना अभी हमने कि स्क्वायर प्लेनर फील्ड में ऑक्टाहाइड्रल फील्ड को और तोड़ा तो स्क्वायर प्लेनर फील्ड आया तो ये ज्यादा समझ में गई बात सवाल करने के लिए तैयार हो तो फटाफट बता दीजिए फिर हम सिलेबस में स्क्वायर प्लेनर तो नहीं है उतना ज्यादा सिलेबस में स्क्वायर प्लेनर के बारे में उतनी सारी बातें नहीं है लेकिन फिर भी हम सीख के मैं खुद कह रहा हूं कि एन का कोई भरोसा नहीं है सवाल करने के लिए तैयार है चलिए सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा कुछ सवाल करते हैं

चलिए सवाल क्या कह रहा है चौबीस जनवरी दो में मतलब 24 जनवरी के दिन पहला एग्जाम जो हुआ था और मुझे लग रहा है, 24 जनवरी से ही जेई मेन से स्टार्ट था पहला एग्जाम पहला दिन सवाल आया, T2G और EG से. सवाल आया और ऑर्बिटल से क्या कह रहा है द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर दिस इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड सिस्टम इज फलाना टेट्रा क्रिस्टल फील्ड सिस्टम दे रखा है और कहीं जी नहीं लगा रखा देखो इसके ऊपर बोला एम है इसके ऊपर बोला एन है सम ऑफ एम एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज एम और अनपेड इलेक्ट्रॉन का सम कितना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर हमें पता लगे टेट्राहेड्रल फील्ड में टूटा है तो नीचे दो ऑर्बिटल और ऊपर तीन ऑर्बिटल की बात करें सर तो CL तो वीक की बात करें तो वीकेंड है तो डी मतलब सेवन कॉन्फिग्रेशन है और वीकेंड वीक में डी सेवन कॉन्फिग्रेशन एक दो तीन चार पांच छ सात इस तरीके से भरेंगे पहले सिंगली ऑक्यूपाई करवाएंगे फिर पेयरिंग करवाएंगे क्योंकि वीक फील्ड लीगेंड है अब अगर हम बात करें तो ये ई का इलेक्ट्रॉन है ये T2 का इलेक्ट्रॉन है T2 पे कितना इलेक्ट्रॉन तीन E पे कितना इलेक्ट्रॉन चार तो बोलेंगे सर M की वैल्यू कितनी है चार अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है भैया तीन इन दोनों का सम कितना है सात कितना टाइम लगा आंसर करने में ईमानदारी से बताना ईमानदारी से बताना कितना टाइम लगा पहला दिन पहला अटेम्प्ट जेई मेन्स और और एक बात बता रहा हूं सर न्यूमेरिकल आंसर टाइप का सवाल है बे जिसमें तुमको दस में से पांच सवाल करने होते हैं और और टॉपर या समझदार बच्चा वो जो पांच आसान सवाल करे सिर्फ पांच सवाल नहीं ये पांच आसान में से एक सवाल था जिसको करने में तुम्हें दस सेकंड दस सेकंड तो चलो सवाल पढ़ने में लगेगा जो तुम इन अ मिनट कर सकते हो सर अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तुम एक मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो तुम सोचो कि तुम एक बहुत कठिन मतलब नॉर्मल बच्चों को तीन मिनट से चार मिनट लगता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप सॉल्व करने में तुम वहां जितना टाइम बचा सकते हो वो इनऑर्गेनिक से ही और ऑर्गेनिक से बचा सकते हो याद रखना अगला सवाल जेमेंस दो का ही अगर आ, क्या कहता है एक्सप्लेन रुक जाना हाँ, ये सवाल कर लो सवाल न्यूमेरिकल आंसर टाइप है इंटीजर टाइप में सवाल 45 सेकंड का टाइम देके शुरू कर देता हूं इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए सवाल क्या कह रहा है देखते हैं सवाल कह रहा है कि द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग 25 जनवरी 2023 शिफ्ट तेईस 25 जनवरी का पेपर है मतलब सेकेंड डे ऑफ जेई मेन्स ट्वेंटी वन सुबह का पेपर बताइए सवाल क्या है तुमने तुम लोगों का आंसर दिख तो नहीं जा रहा है भाई सच्ची बता ना देखते हैं इसकी बात करें सर एनआईसीएन होल फोर डी एट कॉन्फिग्रेशन पेयरिंग हो जाएगा तो ये डाया मैग्नेटिक होल फोर डी टेन कॉन्फिग्रेशन सर अब मैंने क्या बोला भाई अबे ये तीन कॉम्प्लेक्स हर बार दिखेंगे भाई तुमको तुम एक बात बता दिखे कि नहीं दिखे ये तीन के तीनों कॉम्प्लेक्स दिखे ना हाँ ना बोलो खाली मैंने बोला था ना ये हर साल दिखेंगे सर और इस साल भी दिखेंगे ये भी मैं अभी बता दे रहा हूं अब किसके पेपर में दिखेंगे ये मुझे नहीं पता है बट दिखेंगे सर तीन के तीनों एक साथ दिखे तो ये डायमैग्नेटिक ये डी के साथ तो डायमैग्नेटिक होगा सोचना ही नहीं है ये पैरामैग्नेटिक होगा सर इसकी बात करें कॉपर कॉपर पे प्लस टू का मतलब डी नाइन कॉन्फिग्रेशन डी नाइन तो अनपेड ऑड इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है सोचना ही नहीं है इसकी बात एफ, अब एफ नहीं एफ ही होगा एफ ही सी एन होल नेगेटिव तो आप बोलोगे एफ ई सर ये डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन है डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन में पेयरिंग हो गई डाया मैग्नेटिक इसकी बात करें सर ये प्लस थ्री चार्ज है प्लस थ्री का मतलब ये डी फाइव कॉन्फिग्रेशन कुछ भी करवा लो पेयरिंग नहीं करा पाओगे पैरा, मतलब उस सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा इसकी बात करें वीक फील्ड लिगेंड है ये क्या होगा सर वीक फील्ड लिगेंड में फिर से पेयरिंग नहीं होगी डी सिक्स में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे चार ये भी पैरा मैग्नेटिक तो कितने पैरा मैग्नेटिक मिले हमें एक दो तीन चार आंसर कितना चार देखें कितने लोगों ने सही किया है मेरे यार बहुत बढ़िया यार क्या बात है जबरदस्त एक बारी मैं लीडर बोर्ड जरूर देखता हूँ साक्षी अगर अगरवाल या अग्रवाल जो भी अभिषेक रोहित राज शिवराज लकी हर्ष ड्रीम टू डॉक्टर बहुत बढ़िया सिंटू चौहान कीर्ति बहुत बढ़िया ओवरऑल देख लेते हैं जगदीश साई जी हैं आलोक पांडे जी हैं अभिषेक जी हैं बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अगले सवाल पर देख अब का कैसा हलवा हलवा सवाल तेरे को दिखेगा जिसको लगाना आता है उसके लिए भैया ये सब सवाल फर्जी फर्जीवाड़े का सवाल है एक सवाल और मैं एक टाइप का सवाल कराना चाहता हूं जो टाइप शायद अभी तो रह गया है है ना तो उसको करते हैं सर चलिए सवाल कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस एजीएन थ्री टू वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अगर हम AgNO3 अग अग थ्री डालेंगे तो कितने मोल से जी सी एल प्रेसिपिटेट होंगे इसका आंसर क्या होगा सर ये जय एडवांस में भी पूछा आप याद रखना जितने आयोनाइजेबल सीएल माइनस होंगे सब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे सब पीपीटी बनाएंगे सर तो अगर हम इसकी बात करें इसके पास आयोनाइजेबल सीएल कितना है एक तो अगर सबका एक एक मोल लिया तो यहां से हमें एक मोल मिलेगा इससे एक भी नहीं मिलेगा इससे भी एक भी नहीं मिलेगा इससे अगर हम बात करें अगर ये ऐसा है तो इससे भी एक भी नहीं मिलेगा तो ओवरऑल हमें क्या सवाल पूछ रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजी सीएल प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एजियन थ्री टू वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एक मोल अगर हमने इस कॉम्प्लेक्सेज में डाला तो कितने मोल प्रेसिपिटेट करेंगे अब मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें से कोई कोई ना ना कॉम्प्लेक्स तो गड़बड़ सा है है ना? हाँ। ना कुछ आंसर वन आएगा देख लेते हैं आंसर कितना दे रखा है इसका आंसर इन्होंने फाइव दे रखा है अब अगर इसका आंसर फाइव दे रखा है तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए जो सही ऑप्शन मेरे को लग रहा है वो ऐसा होना चाहिए सर ये कंपाउंड ऐसा होना चाहिए पीडी एन एच थ्री वैसे भी एक कोऑर्डिनेशन नंबर तीन के साथ होता नहीं है यहां फोर और बाहर की तरफ सी एल टू मैं मान सकता हूं ये वाला कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ये तो ठीक लग रहा है पी टी एन एच थ्री सी एल टू है ना प्लैटिन ये होता है इसके पास अगर हम बात करें इस पर प्लस टू चार्ज होगा तब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा तो यहां पे भी दो सी एल बाहर होना चाहिए यह मेरे को लग रहा है ऐसा लेकिन आप समझ गए मेरी बात बोलो हाँ जो लोग पांच है वो गूगल किया था मेरे को भी पता है वो चीटिंग का पांच लाए क्योंकि अबे सवाल टाइपिंग में ही गड़बड़ है सवाल टाइपिंग में ही गड़बड़ है लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना कॉन्सेप्ट समझ के बताइए चलिए इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं हाँ, आंसर देख के अपन थोड़ी बदलेंगे भे इस और आंसर गूगल पे दे रखा भाई गूगल 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 जाने हम हाँ, नहीं जानते गूगल गूगल गु चलो अब मैं एक टाइप का सवाल आपको कराना चाह रहा था वो डेल्टा से रिलेटेड है ना फिर हम आइसोमेरिज्म पे चलेंगे डेल्टा डेल्टा चलो एक बार आइसोमेरिज्म का सवाल मतलब आगे के टॉपिक कर लेते हैं उसके बाद हम फिर एक साथ ही आएंगे बहुत सारे सवाल करेंगे है ना कुछ सवाल तो कर लिए बहुत सारे सवाल पड़े हैं लेकिन वो अभी खोजना पड़ेगा टाइम चला जाएगा उससे बढ़िया थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वैसे भी स्पीड हमने बढ़िया पकड़ी हुई है ला 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 चलिए अब हम बात किसकी करेंगे सर सुनिए अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सी एफ एस सी की ब्रेक क्या होता है अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का की हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसके एप्लीकेशन होते हैं सर क्या क्या इसके एप्लीकेशन होते हैं आइए एक एक करके शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स हमें बताता है तो आइए देखते हैं फैक्टर्स एफेक्टिंग सी एफ एस आप याद रखना सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी सी जो है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबसे पहला फैक्टर जो है वो है चार्ज ऑन मेटल आयन किसी मेटल आयन पे कितना चार्ज है वो सी को अफेक्ट करता है जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आइटम ज़्यादा है तो सी है ना सी का अट्रैक्शन टूवर्ड्स लीग एंड सी अट्रैक्ट लीग एंड टूवर्ड इट सेल्फ ज्यादा होगा Legand का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लीगेंड एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल में रिपल्शन ज्यादा होगा रिपल्शन ज्यादा हुआ तो डेल्टा ज्यादा डेल्टा ज्यादा तो सी एफ एस याद रखना सी एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन याद करो और सी एफ एसबिलिटी के भी प्रोपोर्शनल है अब जैसे इन दोनों की बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स हमने देखा था के फोर एफिसियन होल सिक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स इसी का छोटा भाई के थ्री एफिसियन होल सिक्स हमने जब ई एन निकाला था तो ई एन की वैल्यू इसके लिए थर्टी सिक्स आई थी इसके लिए थर्टी फाइव आई थी पर यह ज़्यादा स्टेबल था रीज़न पता है क्या सी एफ एस सी ने या सी एफ टी ने एक्सप्लेन किया सी एफ टी ने बोला कि देखो यार सर इस पे चार्ज प्लस टू है इस पे चार्ज प्लस थ्री है मेटल पे सी एम ए पे चार्ज ज़्यादा सी एम ए पे चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब सी एम ए पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा ख़त्म पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा फील होगी इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा फील होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर सी एफ एस क्या होता है सर कि अगर हम देखें डेल्टा स्क्वायर प्लेनर ये किससे ज्यादा होता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से ये डेल्टा टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है तो अगर सीएमए वगैरह सेम है सेम सेंट्रल मेटल एटम है सेम लीग मान लो ले लेते हैं और उनमें डेल्टा कंपेयर करना या उनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है या सी एफ एस कंपेयर करनी है तो स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा होगी सर और टेट्राहेड्रल की सबसे कम इसके बाद आगे टाइप ऑफ मेटल आयन टाइप ऑफ मेटल आयन पे कैसे डिपेंड करता है कि डी सीरीज पे डिपेंड करता है कौन से डी सीरीज का मेटल आयन है अगर हम बात करें थ्री डी सीरीज से फोर डी सीरीज पे जब आप जाते हैं और 4D से 5D सीरीज पे जाते हैं तो इस प्रोसेस में Z इफेक्टिव में लगभग लगभग 30 टू 40 परसेंट का राइज आता है और जैसे इसमें 30 टू 40 परसेंट का राइज आया तो Z इफेक्टिव बढ़ने से डेल्टा बढ़ जाता है डेल्टा बढ़ने से सी एफ एस बढ़ जाता है सर सेम अगर आप फाइव में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव फिर थर्टी टू फोर्टी बढ़ता है थर्टी टू फोर्टी फिर राइज होता है और राइज होने से डेल्टा बढ़ेगा डेल्टा बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा इसका मतलब तुम देखो मैं कहना क्या चाहता हूं अगर मान लो हम सौ का जेड इफेक्टिव लेके यहां से यहां चल रहे थे तो यहां पे जेड इफेक्टिव 140 का हो जाएगा 40 परसेंट मानते हुए और यहां अब एक का 40 परसेंट होगा फोर्टीन फोर या फिफ्टी तो आप बोलोगे यहां पे आते आते जेड इफेक्टिव 216 का हो जाएगा सर इसका मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण हम इसी के लिए कहते हैं सर फोर और फाइव सीरीज के लिए फोर और फाइव सीरीज के लिए इतना ज्यादा गैप बढ़ जाता है ना इतना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है कि डेल्टा अपने आप बहुत ज्यादा हो जाता है और डेल्टा बहुत ज्यादा होने के कारण ऑल लीगेंड एक्टर्स एस एफ हर लीगेंट कैसा काम करता है हैल की तरह अब एस एफ कभी पेयरिंग करवा सकता है कभी नहीं करा सकता यह अलग बात है लेकिन ऐसा इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं अगला पॉइंट है फेनोमेना ऑफ किलेशन इसमें याद रखना नंबर ऑफ लेट रिंग जितनी ज्यादा इफ डोनर एटम आर सेम देन सी एफ एस सी जो है सी एफ एस सी इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिंग फॉर्मड बाय द लीगेंड विगेंड के साथ कितने रिंग बनाएगा उस पर डिपेंड करेगा एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये तो एग्जाम्पल हटा दो अभी इसकी बात आगे करेंगे इन एग्जाम्पल की चर्चा अभी नहीं एग्जाम्पल बाद में करेंगे है ना तो ये था फेनोमैन ऑफ किलेन नंबर ऑफ किलेट रिंग ज्यादा तो ये ज्यादा और इसके बाद ये हो गया एक दो तीन चार पांचवा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड क्या कहता है सर तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड ये कहता है कि अगर एस एफ एल है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो उस केस में डेल्टा ज्यादा हो जाएगा और डेल्टा ज्यादा होगा तो सीएफएसई ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा अगर डब्ल्यू एफ एल है वीक फील्ड लीगेंड है तो इस केस में डेल्टा कम हो जाएगा डेल्टा कम तो सी एफ एस सी भी कम सी एफ एस सी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा और एक बात याद रखना एक पॉइंट और याद रखना सर क्या है वो पॉइंट सिंपल पॉइंट इज कि सर अगर कभी भी अगर कभी भी आपका किलेशन और लीगेंड स्ट्रेंथ में किलेशन एंड लीगेंड स्ट्रेंथ में कौन डोमिनेट करता है सर तो आप बोलोगे इसमें लीगेंट का स्ट्रेंथ ये डोमिनेट करेगा हमेशा लीगेंट ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा किलेशन बेकार हो गया किलेशन कोई काम नहीं करेगा अगर लीगेंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो क्या मेरी बात क्लियर है चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ सवाल कर लेते हैं तो सवाल क्या है सर आपको सी का ऑर्डर कंपेयर करना इन सब के लिए सबसे पहले इन दोनों में बात करते हैं तो इन दोनों में आप देखोगे आप बोलोगे सर H2O और ऑक्जिलेट में दोनों ही वीक फील्ड लीगेंड है सर दोनों ही वीक फील्ड लीगेंड है और वीक फील्ड लीगेंड होने के कारण यहां पे किलेशन हो रहा है यहाँ पे किलेशन हो रहा है और किलेशन के कारण इसकी एनर्जी इसका स्ट्रेंथ इसके लिए सी ज्यादा दूसरे केस में हम बात करें ये भी बाइडेंटेड लीगेंड है जो रिंग फॉर्म करेगा ये भी बाइडेंटेड लीगेंड है जो रिंग फॉर्म करेगा लेकिन इस लीगेंड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है स्ट्रेंथ ज्यादा होने होने के कारण होने के कारण कारण ये ये जीत जीत जाएगा जाएगा सर स्ट्रेंथ ज्यादा तीसरे केस में अगर हम बात करें आप बोलोगे ई एन किलेटिंग लीगेंड है लेकिन सी एन नेगेटिव का स्ट्रेंथ वन ऑफ दी मैक्सिमम है वन ऑफ दी मैक्सिमम वाले केस में आता है मतलब सीओ से कम सी एन है बस बाकी तो सब ज्यादा ही है तो आप देखोगे यहां पे इन दोनों में इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इनकी बात करें एन आई सी एल फोर पी डी सी एल फोर पी टी सी एल फोर सभी में चार्ज सेम है ये थ्री डी का एलिमेंट है ये फोर डी का एलिमेंट है ये फाइव डी का एलिमेंट है तो आप बोलोगे सर इसमें जैसे जैसे डी सीरीज बढ़ते जाएगी वैसे वैसे क्या होगा सर आप बोलेंगे वैसे वैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा इन दोनों को हम अभी आगे डील करेंगे इन दोनों एग्जाम्पल को आगे डील करेंगे सर मेटल कार्बोनिल में ठीक है फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कलर ऑफ कार्बन कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स में कलर का क्या रीजन है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर का दो रीजन होता है सर क्या क्या एक तो होता है कलर इज एक्सप्लेन बाई डी डी ट्रांजिशन मतलब डी डी स्टार लिख देते हैं ट्रांजिशन इसका क्या मतलब है जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है स्प्लिट होने के कारण इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने का मौका मिलता है और उसके ट्रांजिशन में जो एनर्जी आती है उसके हिसाब से हमें कलर देखने को मिलता है है ना इसका एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मान लो हम निकल का ये वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं और हम VBT के हिसाब से चलते हैं तो VBT के हिसाब से तो हम सारे डब्बे एक साथ भरेंगे इस तरीके से और इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे सारे के एनर्जी लेवल सेम है एनर्जी लेवल सेम है तो कभी आपको कलर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन वही जैसे ही हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट कर दिया स्प्लिट करने से अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के पॉसिबिलिटी है ऊपर से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन आना जाना कर सकता है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आना जाना कर सकता है तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सर वो लाइट एब्जॉर्ब भी करेगा एमिट भी करेगा और उसके कारण हमें कलर देखने को मिलेगा इसमें बस इतना याद रखना कि सर D0 और D10 का इन जनरल कोई कलर नहीं होता है D0 और D10 का इन जनरल कोई कलर नहीं होता है इसके बाद हम आगे बात करते हैं फिर एक और रीजन होता है सर सेकेंड रीजन भी है इसका दैट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर डेट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर आपको किस में देखने को मिलता है सर तो आप बोलोगे चार्ज ट्रांसफर हमें ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है जहां पे डी कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर एक डी वन का भी एग्जांपल है मोस्टली इन केस ऑफ मैंगनीज के केस में मैंगनीज के सॉल्ट्स के केस में जैसे मैंगनीज का एक सॉल्ट है एम एन ओ फोर माइनस पर मैंगनेट आयन इसमें अगर आप इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो प्लस सेवन का है इसका मतलब ये डी जीरो कॉन्फिगुरेशन है लेकिन पर मैगनेट आयन भैया इतना खतरनाक कलर्ड होता है ना कि आप सोच नहीं सकते पर मैंगनेट आयन का कलर इतना ज्यादा खतरनाक होता है इतना भयंकर पर्पल होता है कि आप सोच नहीं सकते फिर उसी के जैसे अगर हम बात करें तो सर क्रोमेट आयन फिर डाइक्रोमेट आयन इन सभी पे डी जीरो कॉन्फिग्रेशन है सर लेकिन ये सब कलर्ड होते हैं क्यों क्योंकि चार्ज ट्रांसफर के कारण चार्ज ट्रांसफर भी दो तरीके का होता है एक होता है एल दूसरा होता है एमएलसी -CT. CT का मतलब यहां पे चार्ज ट्रांसफर है एल का मतलब है लीगेंड से मेटल लीगेंड टू मेटल और एम का मतलब है मेटल टू लीगेंड क्या मतलब है मेटल टू लीगेंड ये सिंपल सी बात है फिर अगर हम आगे बात करें कि एक D1 वाला केस भी है जो कि है MnO4 2- नेगेटिव कैसा कलर होता है इसका भैया कोई बताओ इसका कलर कैसा होता है सर बताइए कलर तो यार तुमने डी ब्लॉक में वैसे भी पढ़ा होगा इनकाबे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यार क्या बात कर हैं सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो डी ब्लॉक में पढ़ने हैं ये चारों पर्पल उसका होता है सर इसका कलर कैसा होता है हाँ तोता हूं मैं तोता हूं हरे रंग का होता हूं यह तो होता है आपका रसना के कलर का ऑरेंज चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो कलर की बात हो गई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इसको याद रखना सर अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है कभी भी सुन लेना ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैश आरबीआई अगर कभी भी आपको जिंदगी में डी फाइव कॉन्फिग्रेशन देखने को मिले और ऑक्टाहाइड्रोल कॉम्प्लेक्स देखने को मिले विथ वीक फील्ड लीग तो d5 होने के बावजूद ये हमेशा कलर लेस होगा याद रखना d5 होने के बाद भी ये कलरलेस होगा सर इस पॉइंट को याद रखिएगा फिर रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर जैसे एग्जांपल इसका आपको जानना है तो एग्जांपल ले लो Fe Fe6 थ्री नेगेटिव इसका कलर क्या होता है तो आप बोलोगे सर ये तो d5 कॉन्फिगरेशन है तो d0 भी नहीं है लेकिन ये कलरलेस है सर ये बात याद रखना ये फैक्ट है इसको फैक्ट के तौर पे याद कर लो जेई एडवांस में एक बार सवाल आया था इससे रिलेटेड जेई एडवांस में एक बार ही सवाल आया था इससे रिलेटेड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर हम बात करते हैं d3 s हाइब्रिडाइजेशन का d3s हाइब्रिडाइजेशन भी हमने बात करी थी कभी-कभी देखने को मिलेगा सर ये कब जनरली देखने को मिलता है जब d0 या d1 कॉन्फिगरेशन हो मोस्टली vo43- mno42- cr2o42- और cr2o72- इन सभी की अगर हम बात करें इन सभी की अगर हम बात करें तो सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में जैसे मान लो मैं इसकी बात कर लेता हूं मैंगनेट की बात

तीन चार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया डी थ्री एस ये कौन सा डी था सर तो आप बोलेंगे देखो ना सर ये डी एक्स वाई होगा ये डी वाई जेड होगा और ये डी एक्स जेड होगा जैसा मैंने आपको बताया था जैसा मैंने आपको बताया था ठीक है क्या मेरी बात समझ भाई तो इस तरीके से इनका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है ये कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं सुन लो ध्यान से एनआईसीएल टू पी पी एस थ्री होल्ड वाइस लगेगा यह तो एस एफ एल है ना सर एस एफ एल में यह डी एट है क्योंकि प्लस टू है लगेगा स्क्वायर प्लेनर बट होगा टेट्राहैड्रल रीजन क्या है सर इसका रीजन है इसका ये भी जेई स में जेई एडवांस में आ चुका है कई बार और शायद इस साल या पिछले साल भी आया इसका रीजन है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ लीगेंड लीगेंड ही इतना बड़ा है इसका पीपीएस थ्री लीगेंड तीन तीन फिनाइल लेके बैठा यार इतना बड़ा लीगेंड है इसका लीगेंड इतना बड़ा है एनआईसीएल टू पीपीएस थ्री कि भैया तीन तीन फिनाइल एक फॉस्फोरस लेके बैठा है तीन फॉस्फोरस छः नौ फिनाइल लेके बैठे हैं रिपल्शन होगा अगर स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं तो 90 डिग्री पर रिपल्शन होता अगर टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो वन जीरो नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट पर रिपल्शन होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है और जो ठीक है सर एंगल ज़्यादा रिपल्शन कम एंड दैट इज़ हेल्पफुल ठीक है चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने आखिरी मतलब सेकेंड लास्ट टॉपिक पे मेटल कार्बोनिल का एक टॉपिक बचेगा जो कि लास्ट में करेंगे सेकेंड लास्ट टॉपिक पे ध्यान से सुनिएगा यह है आपका आइसोमेरिज्म क्या लगता है तुम्हें क्या होता है आइसोमेरिज्म तो आपको पता है सर कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो मैं तीन बातें बार बार लिखूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फिर दूसरा लिखूंगा मोलिकुलर फॉर्मूला ये बार बार यूज करूंगा सर और तीसरा मैं यूज करूंगा कि अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन है ना तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैं बोलूंगा एस एफ मॉलिकुलर फॉर्मूला को मैं बोलूंगा एम एफ है ना तो ऐसे स्पीसीज स्पीसीज हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और याद रखना हम जो पढ़ने वाले हैं सर सिनर्जिक बोर्ड इसके बाद बोल तो रहा रहो मेटल कार्बोनिल्स इसके बाद याद रखना हम अभी जो पढ़ने वाले हैं अभी से लगभग आधा घंटा 45 मिनट पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म बहुत ध्यान से पढ़ना इस आधे घंटे में तुम मास्टर हो जाओगे आइसोमेरिज्म के तुम अपने दोस्तों को पढ़ा दोगे दे देखिए तो हम बोल रहे हैं सर स्पीसीज हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और अरेंजमेंट इन स्पेस और अरेंजमेंट इन स्पेस इज कॉल्ड आइसोमर्स अब अगर हम आइसोमर्स की बात करेंगे अगर हम आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरीके के आइसोमर मिलेंगे हमें कौन कौन से सर तो आप सबसे पहला बोलोगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या सॉरी स्ट्र, स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा आप बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो इसमें क्या होगा सर आप बोलेंगे इसमें देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम इसमें एम एफ सेम और आपका उस है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें क्या होगा डिफरेंट फिर रिपीट करता हूं देख लो भाई मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां पर डिफरेंट होगा वहीं अगर हम स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो आप बोलेंगे सर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर भी सेम इसमें डिफरेंट क्या होगा सर अरेंजमेंट इन थ्री डी इसमें डिफरेंट होगा इसमें डिफरेंट होगा अरेंजमेंट इन थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इसका डिफरेंट होगा क्या मेरी बात समझ आई इज इट क्लियर सर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अबे चाचा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले बता दी थी वीवीटी में वो हमने देख लिया ना डेल्टा उसी डेल्टा से हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाल लेंगे तो डेटा वाला काम है बैठेंगे बोलेंगे एक को बाल्टी दर आओ चलो ब्रोमीन आओ कॉम्प्लेक्स बनाओ डेल्टा कैलकुलेट कर लिया सबके लिए धीरे धीरे डेल्टा डेल्टा को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सिंपल सी बात है मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर एक जैसा दिखेगा लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग अड़ोसी पड़ोसी डिफरेंट हो जाएंगे तो उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं स्टीरियो आइसोमर को फिर हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं सर किस किस टाइप में एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है आपका स्टीरियो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ठीक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीधा एक लाइन बोलता हूं भाई कुछ मत देख पड़ोसी डिफरेंट पड़ोसी बदलेगा बस। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखने को मिलेगा आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखने को मिलेगा सर ये नॉन सुपर इंपॉजिबल मिरर इमेज होंगे नॉन सुपर इंपॉजिबल मिरर इमेज आइए एक एक करके इनको देखते जाते हैं आइए एक एक करके इनको देखते जाते हैं सर सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की मैं बात कर लेता हूं मुझे एक बात ईमानदारी से पता है अगर मैं आप में से अगर मैं आपसे पोल कराऊंगा एक सिंपल सा कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसा लगता है अगर इजी लगता है तो यस yes पे पोल करना अगर टफ लगता है तो नो no पे पोल कर देना आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं इजी तो यस yes, टफ तो नो no. मैं तब तक यहां पे लिखता हूं कि हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं बट हम बेसिकली चार टाइप के पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट तो चार ही है सवाल उसी से आते हैं बाकी पढ़ाने के लिए मैंने भी पढ़ाया यार आठ आठ टाइप पढ़ा है कोई मतलब नहीं है तो अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो चार टाइप के होते हैं कौन कौन से सबसे पहला आयोनाइजेशन आइसोमर दूसरा हाइड्रेशन आइसोमर या सॉल्वेशन भी इसको बोलते हैं तीसरा हाँ भाई बताइए तीसरा कौन सा आइसोमर नो हट तो 59 परसेंट लोगों ने बोला कि हाँ सर इजी लगता है 40 परसेंट लोगों ने बोला टफ लगता है चलो एक बारी पढ़ने के बाद पता करेंगे कि इजी लगता है टफ हाँ भाई बोलो तो एक हो गया कौन सा अपने पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दूसरा हो गया हाइड्रेशन या सॉल्वेशन भी जिसको बोलते हैं उसके बाद उसके बाद बहुत बढ़िया लिंकेज आइसोमेरिज्म फिर चौथे में आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अब सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे सर आपको पता होना चाहिए सर इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा क्या डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पोल नहीं आया भैया पोल आएगा नहीं आपको यही कमेंट करना था चलिए देखते हैं तो सबसे पहले में अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन आई इनकी खासियत क्या है सर इनकी खासियत यह है मैं आपको बस खासियत बताता हूं ध्यान रखना तीन तीन पॉइंट में तुम एकदम परफेक्ट कर सकते हो इन टॉपिक्स को सबसे पहला इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम बेटा मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं हुआ ना और उसके बाद अगर तुम आइसोमर आइसोमर खेल रहे हो दूर हट जाना सिनर्जिक बॉन्ड इसके बाद फिर इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरीके से डिफरेंट होगा सर तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने का जो रीजन है वट इज द रीजन वो है आपका सर काउंटर आयन डिफरेंट होंगे कौन से काउंटर आयन डिफरेंट होगा और अगर काउंटर आयन डिफरेंट होगा तो काउंटर आयन डिफरेंट होने का मतलब यह है पानी में आयोनाइज करके डिफरेंट आयन मिलेगा कैसे देखना चाहते हो देखते हैं जैसे मान लो एक सिंपल सा कंपाउंड मैंने आपको दिया एक सिंपल सा कंपाउंड मैंने आपको दिया ठीक है? देखिए पानी में आयोनाइज करके डिफरेंट आयन मिलेगा एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिया मैंने बोला सीओ एनएस थ्री होल फाइव सी एल और इसके ब्रैकेट के बाहर लगाया बी आर टूबाइट प्लस थ्री है आराम से एकदम आराम से सीखेंगे एकदम आराम से टेंशन नहीं लो एग्जाम्पल से सीखेंगे इसी सेम कॉम्प्लेक्स का एक और एग्जाम्पल मैंने बनाया इसी सेम कॉम्प्लेक्स का एक और एग्जाम्पल मैंने बनाया सी ओ एन एस थ्री होल फाइव बी आर और बाहर मैंने क्या लगाया सर एक सीएल एक बी आर कर दिया <coughs> तो आप बोलोगे सर इन दोनों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सेम है कि नहीं पहले ये चेक कर लो सर एक सीएल था दो बी आर था पांच अमोनिया था एक कोबाल्ट था सेम है सर पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है देखने में तो लग रहा है आप बोलेंगे सर यहां पे काउंटर आयन कौन है अबे यहां पे काउंटर आयन कौन है आप बोलेंगे सर यहां पे काउंटर आयन पहले वाले केस में सिर्फ बी आर नेगेटिव है यहां पे काउंटर आयन बी आर नेगेटिव एंड सी एल नेगेटिव मतलब इट इज फर्निशिंग डिफरेंट आयन एक आयन डिफरेंट हुआ ना तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर हुआ कैसा आइसोमर हुआ आयोनाइजेशन आइसोमर एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूं एक और एग्जाम्पल देख लो मैंने बोला सीओ एनएस थ्री होल फाइव सी एल एसओ फोर और दूसरा CO, NS3, थ्री होल फाइव इस बार एसओ फोर को अंदर ले लिया और सी एल को बाहर ले लिया इन दोनों का हम क्या इसमें कौन सा क्या दोनों अलग अलग आयन हमें दे रहे हैं पानी में जाने के बाद बताइए ये पानी में जाने के बाद हमें सल्फेट आयन दे रहा है ये पानी में जाने के बाद हमें क्लोराइड आयन दे रहा है ये आयोनाइजेशन आइसोमर है क्या मेरी बात क्लियर है बताइए हाँ या ना क्या मेरी बात क्लियर है बताइए हाँ या ना बोलिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या मेरी बात समझ में आई ठीक है एक और एग्जाम्पल करोगे यार बोलो अब कितने लोगों को क्लियर हो गया एक और एग्जाम्पल करोगे क्या एक और एग्जाम्पल करोगे क्या बताओ एक और एग्जाम्पल प्यार एग्जांपल एग्जाम्पल बताओ सीओ एच टू ओ होल फाइव सी एल बी आर टू और दूसरा सीओ एच टू ओ होल फाइव बी आर फटाफट फड़ बताइए ये दोनों क्या डिफरेंट आयन करेंगे और ये दोनों कौन से आइसोमर होंगे बताइए 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 बोलिए 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 अभी मैं आप ही से पूछूंगा अभी आप कह रहे थे ना 40% परसेंट लोगों ने कहा कि नहीं समझ आया बाकी देखते हैं कि बाकी लोग क्या बताते हैं बताइए तो आप बोलेंगे सर ये दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड हैं अबे धोखे में नहीं आने का ये डिफरेंट कंपाउंड है सर इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है बे अंकल इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है कैसे सर यहां पे एक क्लोरीन दो ब्रोमीन यहां पे एक ब्रोमीन दो क्लोरीन ले हो गया ना धोखा हा इसी के लिए छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी सेकेंड नंबर पे सेकेंड नंबर पे हमारे पास है हाइड्रेशन आइसोमर आइसोमर इसमें क्या होगा सर तो सबसे पहला पॉइंट भाई हर बार यही रिपीट करूंगा कि अबे जब तक मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा जब तक मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं तो इस केस में क्या होगा सर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम ठीक है डिफरेंट क्या होगा सर इसमें डिफरेंट जो है वो होगा नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये डिफरेंट होगा सर जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल मैंने लिखा सीओ एच टू होल या ऐसे ले लेते हैं एच टू सीओ सी एल फाइव या ला ला ला, ला, ला। नौ, 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 नौ। चलो ऐसा ले सीओ एन एस थ्री होल्ड फोर एच टू होल्ड ट्वाइस और बाहर की तरफ हमने क्या रखा या इस खां बाहर की तरफ हमने रखा सी थ्री डॉट एच टू एक फॉर्मूला ये है दूसरा फॉर्मूला है सीओ एनएच थ्री होल्ड ट्वाइस एन एच थ्री होल्ड और एच टू ओ एक सी एल अंदर से एक यहां आ गया एक एच टू ओ बाहर चला गया और इधर सीएल टू डॉट अब कितने एच टू ओ बाहर आ गया एक पहले से था एक अभी आ गया टू एच टू ओ इन दोनों में नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग है तो ये दोनों कैसा आइसोमर होगा हाइड्रेशन आइसोमर होगा अब मैं आपसे एक जेई का सवाल पूछता हूं जेई का एक बेहतरीन सवाल आपसे पूछता हूं फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रेशन आइसोमर्स ऑफ पॉसिबल फॉर सीओ च टू होल सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखना है सर वो नहीं बदल सकते सी एल थ्री ऑप्शन टू टू थ्री थ्री फोर फोर वन चलिए आपका समय शुरू होता है अब देखें कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये हाँ भाई चमका अच्छा देखते क्या आंसर आएगा इसका सही आंसर होगा मैं दिखाता हूं देखो <coughs> पहला ऑप्शन बना बना के देख लेते हैं पहला हो गया सीओ एच टू ओ एक पानी अंदर एक मतलब एक पानी बाहर एक क्लोरीन अंदर तो सी एल टू डॉट एच टू ओ फिर सीओ एच टू ओ होल फोर दो क्लोरीन अंदर एक क्लोरीन बाहर दो पानी बाहर फिर आप लोगों ने किया होगा सीओ एच टू होल थ्री सी एल थ्री और तीन पानी बाहर यही किया होगा और इसको करके ऑप्शन नंबर टू डेट इज तीन आइसोमर ये टिक किया होगा देखते हैं ये मजेदार सवाल था देखो बहुत सारे लोगों ने सी टिक किया है। पता है क्यों <laughs> क्योंकि वो तीन करना चाह रहे थे अबे ऑप्शन तीन है ये भाई हैं जेई का खेला है बेटा सारे लोग गलत इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज टू याद रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं याद र... रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर तभी रह सकता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर तभी स्टेबल होगा जब मिनिमम एक काउंटर आयन हो अगर एक भी काउंटर आयन नहीं है तो भैया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टेबल नहीं होगा एक ये आयन ये पॉसिबल नहीं है सर जब काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तभी वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएगा तो सॉरी याद रखिएगा हाँ एच टू अकेले बाहर नहीं जा सकता सर छोटा बच्चा एच टो डरता है एच टू क्या है कोई भूत वाला मूवी दिखा दिया था खिलौना बना खलनायक ओम फट स्वाहा बचपन में मेरे को याद है आप तो हंसी आती है बचपन में जब मैंने देखा था ना खिलौना बना खलना एक हालत खराब हो गई थी दोस्त अकेले वॉशरूम तक नहीं जा पाता था हाँ अब तो हंसी आती है तातिया बिच्छू हाँ कैसा लगा ये सवाल मजा आया कि नहीं आया भाई बोलो एंजॉयड अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन आइसोमरिज्म में कोई गलती नहीं करोगे फटाफट दिल बना दो अगर तुम्हें लगता है कि यह भी बिल्कुल क्लियर है अगला भी क्लियर कर दूंगा सर बिल्कुल टेंशन ना ले तीसरे नंबर पे है लिंकेज आइसोमर तीसरे नंबर पे क्या है सर लिंकेज आइसोमर्स एक मिनट रुक जाइए भैया अभी आ रहा हूं मैं मफलर लेके बहुत खासी आ रही है हां दिल्ली में मफलर लेके लोग बहुत महान महान हस्ती बन गए हैं <coughs> तो मैं भी मफलर ले, ले लेता हूं <coughs> लिंकेज आयस उमर की बात करते हैं लिंके जाय गम बहुत मारूंगा भाई लिंकेज आइसोमर की अगर हम बात करें तो ये कौन शो करता है सर तो इट इज सोन वेन एम्बीडेंटेड लीग आर प्रेजेंट लीगेंड आर प्रेजेंट ठीक है जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं क्वेश्चन <coughs> है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर मतलब मैं ऐसे कह देता हूं टोटल नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर अभी कह देता हूं पता चला इसके लिए आयनाइजेशन हो या ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल हो तो भैया तुम फंस जाओगे पॉसिबल फॉर सीओ सीएल होल टू सी एल टू और इस पूरे पे माइनस टू चार्ज चलिए बताइए इसमें टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे बताइए इसमें टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे बताइए दो पक्का देखते हैं आप बोलोगे सर इसको करने का सही तरीका क्या है देखो जितने भी एम्बिडेंटेड लीगेंड है उनको लिख लो आप बोलोगे सर एम्बीडेंटेड लीगेंड हमारे पास सीएन है और सीएन की जगह क्या हो सकता है सर सीएन भी हो सकता है सीएन है तो एनसी भी हो सकता है दोनों टाइप पे प्रेजेंट हो सकता है और सीएन सीएल तो टू ही है सर इन दोनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे खेलो तो आप बोलोगे सर एक ऑप्शन है कि दो सी एन हो जीरो एन सी हो एक ऑप्शन है कि एक सी एन हो एक एन सी हो एक ऑप्शन है कि जीरो सी एन हो दो एनसी हो इन तीनों को मिला के क्या हो गया सर आप बोलेंगे तीन टोटल आइसोमर अब सुनना मैं आपको अंग्रेजी का खेल सिखा रहा हूं अगर मैं पूछता अगर सवाल होता क्वेश्चन <coughs> पूछता आइसोमर ऑफ सीओ सी एन होल्ड ट्वाइस सी एल टू टू नेगेटिव तो इसका आंसर होता टू क्यों क्योंकि अगर हमसे सिर्फ आइसोमर ऑफ पूछा है तो इस कंपाउंड को काउंट नहीं करेंगे इस कंपाउंड को काउंट नहीं करेंगे याद रखना इस कंपाउंड को हम काउंट नहीं कर सकते अभी बहुत बेहतरीन सवाल दूंगा एक से एक बेहतरीन सवाल दूंगा टेंशन मत लेना लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछे टोटल आइसोमर टोटल आइसोमर तो इसका मतलब क्या है अच्छा अगर हमसे पूछे कि आइसोमर ऑफ दिस तो टोटल निकालो उसमें से एक कम कर दो क्योंकि एक तो ये कंपाउंड है तो इसको खुद का तो आइसोमर नहीं बनाएंगे इसको रख के बाकी मतलब इनमें से कोई ना कोई एक तो ये भी होगा ना यार तो दो हैं इस कंपाउंड के और दो आइसोमर हैं और मैंने पूछा इस पूरे कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर होंगे टोटल आइसोमर का आंसर होगा तीन ये बात याद रखना जे इस बात पे बहुत बेहतरीन तरीके से खेलता है दोस्त जे इस बात पे बहुत बेहतरीन तरीके से खेलता है अगला एग्जाम्पल देता हूं एग्जाम्पल करके दिखाओ फिर मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी स्पीड और मेरी स्पीड में कितना फर्क है आपको वही लिंकेज आइसोमर फाइंड करना क्या फाइंड करना है लिंकेज आइसोमर ठीक है अगला कंपाउंड PT CN सी एन होल टू एस सी एन होल टू और पूरे पे माइनस टू चलिए बताइए टोटल आइसोमर बता दे तुम आइसोमर टोटल टोटल बताना भाई टोटल टोटल कितना है टोटल बताइए <laughs> टोटल कितना है सर छे चार पांच छ चार पांच छ चार, चार पांच देखते हैं कैसे निकालेंगे देखो आप बोलोगेड है ये भी ambidented है तो पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास सी एन हो सकता है हमारे पास एनसी हो सकता है हमारे पास एस सी एन हो सकता है हमारे पास एनसीएस हो सकता है मैं दिखाता हूं फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड हाँ एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है <coughs> एन दो ये जीरो ये दो ये जीरो इसको यही रखते हैं फिर हमने बोला एक एक ये सेम फिर हमने बोला जीरो दो ये सेम फिर क्या करते हैं सर इसको बदल देते हैं इसको हम एक एक कर देते हैं और यहां पे इसके साथ एक एक के साथ क्या हो जाएगा दो जीरो एक एक जीरो दो ये तीन बार और सेम फिर हम क्या करेंगे सर फिर आप बोलोगे सर रुको 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 रोको सर अब क्या करो सर कि अब इसको इनको है ना अब इसको इधर ले आओ सर और इसको ऐसे कर दो इसको दो इसको जीरो और फिर इसको बदलो दो जीरो ये तो सेम रहेगा ये एक एक और ये जीरो दो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया सर बोलो आप बोलोगे इसका आंसर टोटल आइसोमर नो और इस कंपाउंड का आइसोमर आठ आएगा क्लियर <coughs> है आप बोलोगे हाँ सर मजा आ रहा है मजा अब आएगा दोस्त अभी तो मैं बहुत छोटे कंपाउंड दे रहा था अब लो आओ भैया तुम भी मैदान में सीओ एन ओ टू CN सी एन होल थ्राइस अब बता दे भाई कितना आएगा माइनस थ्री अब बता दे अब मजा आ जाएगा तुम्हें जीवन का पीएनसी <coughs> बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा यहां पे एक चीज कि सर ऐसे सवालों को करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन सा आरबीआई देता हूं हैश टैग ये आरबीआई टोटल आइसोमर के लिए है किसके लिए है टोटल आइसोमर के लिए कैसे निकालेंगे सर देखिए फॉर लिंकेज इसका निकालने जाओगे ना बे सोलह आइसोमर आएगा पागल हो जाओगे निकालते निकालते नहीं निकाल पाओगे तो तरीका क्या है वो सीखो <coughs> तरीका है कि आपको क्या करना है एन वन प्लस वन इंटू एन टू प्लस वन इन टू एन थ्री प्लस वन डॉट 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 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है जहां पे एन वन इन टू एन थ्री क्या है एन वन इज फर्स्ट टाइप ऑफ या नंबर ऑफ लिखो नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ एम्बीडेंटेड लीगेंट एन टू क्या है सर नंबर ऑफ एन टू क्या है नंबर ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ एन थ्री थर्ड टाइप ऑफ अब एग्जाम्पल देखते हैं आराम से आप बोलोगे सर इसमें दो लीगेंड है दोनों एम्बिडेंटेड है इसका नंबर तीन इसका नंबर तीन टोटल आइसोमर कितना होगा आप बोलेंगे इसका आंसर होगा थ्री प्लस वन इन टू थ्री प्लस वन आंसर सोलह खत्म दी एंड भाई आरबीआई ऐसा है अबे रिपीट रिपीट कर रहा मारूंगा अभी पकड़ के पहले पढ़ तो बात करने ही मत दो मैंने बोला हेलो आप बोलो सर रिपीट तू ही रिपीट करेगा फिर जिंदगी भर हाँ। पहुंच गया जय ही तू यही रिपीट कर तू पूरे साल आगे आते एग्जाम्पल देता हूं सवाल करोगे तो समझोगे ठीक है फोर एनओ टू के पॉसिबल इतना के मल्टीप्लाई कर दो अब वो तो मैं समझ गया आप, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आप ये फॉर्मूला लगाओ बस खत्म आपका आंसर आ जाएगा कुछ मत करो फोर पी एनसी वीएनसी करने की जरूरत नहीं है आप ये फॉर्मूला लगाओ आपका अपने आप आंसर आएगा सर जैसे एग्जाम्पल करिए सीओ मैंने ये बोला एस सी एन होल टू एनओ टू होल टू सी एन होल टू और इस पूरे पे चार्ज कितना है सर इस पूरे पे चार्ज है माइनस थ्री अब बताओ इसका कितना आइसोमर आ जाएगा अब बताओ इसका कितना आइसोमर आ जाएगा <clears throat> बताइए तो आप बोलोगे सर ये भी एम्बीडेंटेड ये भी एम्बिडेंटेड ये भी एम्बिडेंटेड दो 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 सभी है ना दो प्लस एक मतलब तीन इन टू तीन इन टू तीन तो टोटल तो 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 आइसोमर सत्ताईस अब तुम सोचो तुम पेन पेपर पे सत्ताईस निकाल सकते थे क्या तुम पेन पेपर पे ऐसे बना बना के 27 निकाल पाते पागल हो जाओगे बे पूरी जिंदगी अभी 15 आइसोमर निकालने दूंगा आगे तुम्हें 15 आइसोमर नहीं निकलेंगे 27 तो फिर भी बहुत ज्यादा है चले आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा इसके बाद हम आगे आते हैं सर अगले पेज पे चलते हैं फिर आखिरी आइसोमर जो है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमर कोऑर्डिनेशन <coughs> आइसोमर यह कब एप्लीकेबल है सर तो ओनली एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल व्हेन दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन बोथ कैटायनिक एंड कैटायन एंड अनियन आर कॉम्प्लेक्स दोनों अगर कॉम्प्लेक्स है तभी ये एप्लीकेबल होगा और एक बात याद रखना इसमें हम क्या करते हैं कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट से लीगेंट का हेरा फेरी करते हैं ये लीगेंट के हेरा फेरी करने का तरीका है समझ गए ये लीगेंट का हेरा फेरी करने का तरीका है सर कैसे करेंगे आइए देखते हैं मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है पी टी एन एस थ्री होल फोर और इधर पी टी सीएल फोर इसके कितने आइसोमर होंगे बताओ इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं बताइए चलो मैंने आपको छोड़ दिया आपके सामने आप मेरे को बता दो मैं इसकी गारंटी देता हूं बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही भी नहीं बताएंगे बताइए हाँ भाई बताइए आप बोलोगे अरे सर देखो कितना आइसोमर होंगे मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं निकालने का अगर सेंट्रल मेटल सेम है सुन लेना अगर सीएमए दोनों में सेम है और चार्ज भी सेम है तो सतर्क हो जाना कैसे आप बोलोगे सर यहां पे एनएस थ्री ले लिया और एनएसथ्री के साथ सीएल ले लिया यहां पे भी एनएसथ्री ले लिया और एनएस के साथ सी ले लिया तो पहले इस कंपाउंड के लिए लिखते हैं बीच में ऐसे कर लो कि ये कटाइनिक और अनाइनिक पार्ट है पहले केस में एनएस पहले वाले पार्ट में चार है CL0, ये जीरो जीरो चार आप बोलोगे हाँ सर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एन उधर अब एक कहाँ गया कहाँ गया हाँ एक एनएस उधर फेंका एक सी इधर ले लिया तो आप बोलोगे थ्री वन अगला क्या है सर हमने लिया थ्री वन वन थ्री है ना तो एन एस थ्री प्लस एक चार हो गया सी एल भी चार हो गया बात सही है कि नहीं बताओ आप बोलोगे हां सर बात तो बिल्कुल सही है अगला हम बोलेंगे सर टू 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 फिर आप बोलोगे वन थ्री फिर थ्री वन और फिर आप लास्ट में बोलोगे जीरो फोर फोर जीरो तो मेरी बात पहले सुन लेना इस तरीके से तुम कॉम्प्लेक्स तो निकाल लोगे इस तरीके से तुम टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स तो निकाल लोगे सर कितने पॉसिबल आइसोमर है टोटल निकाल लोगे लेकिन इनमें से कुछ कुछ पॉसिबल नहीं होंगे जैसे ये वाला इस वाले में क्या है सर इस वाले में ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं बचा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे नो no चार्ज और क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है तो ना तो ये कटायन हुआ ना ये अनायन आपको देखने को मिलेगा नो no... <coughs> है ना नॉट पॉसिबल ये कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है सर दो कॉम्प्लेक्स एक साथ तभी रह सकते हैं जब एक कटायन हो दूसरा नायन फिर अगर हम बात करें नीचे वाले की तो आप बोलोगे सर ये और ये वाला रिपीटेड है और ये और ये वाला रिपीट है अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम है तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो गए आप बोलोगे इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर दो हो गए इसको इंक्लूड करके बस दो आइसोमर बनाएगा ये चार नहीं बनाएगा सर क्योंकि ये और ये सेम है ये और ये सेम है सर कोई डिफरेंस नहीं है इसमें बस दाहिने बाएं लिखा हुआ है ये बात याद रखना अगर बोथ कटायन अनायन सेम हो तो ये नहीं पॉसिबल होगा अच्छा दूसरा एग्जाम्पल करते हैं सर दूसरा एग्जाम्पल अगर देखो तो और आपको अच्छे समझ में आएगा इसमें मैंने लिया सीओ एन एस थ्री होल सिक्स अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर छ का ले लिया और इधर ले लिया सीओ सी एन सिक्स इसके बारे में बताओ कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी बताइए देखते हैं चलिए कितने लोग सही आंसर देते हैं आइए कोई नहीं अभी तुम देखो एग्जाम्पल जिसको लग रहा है रिपीट रिपीट वो एक बार एग्जाम्पल देखेगा दो चार तो समझ जाएगा पर दो चार एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे सर हाँ भाई तीन देख लेते हैं भाई क्या होगा तो आइए सबसे पहले क्या तो आप इसमें क्या देखेंगे सर सबसे पहले हम चेंज करते जाएंगे लीगेंट हम क्या करेंगे लीगेंट चेंज करते जाएंगे यहां पे इस कॉम्प्लेक्स में एनस्ट्री रखा इस कॉम्प्लेक्स में फिर सी एन माइनस रखेंगे फिर इस वाले इधर ऐसे ऐसे पार्टीशन दिया इधर अपन एन एस थ्री रख लेंगे सी एन माइनस रख लेंगे अब बस इतना याद रखना सर क्या एन एस थ्री का टोटल नंबर छह से एक्सीड नहीं कर सकता सी एन माइनस का टोटल नंबर भी छ से एक्सीड नहीं कर सकता तो पहले सिक्स जीरो जीरो सिक्स फिर फाइव वन वन फाइव फिर फोर टू टू फोर फिर थ्री 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 और अगर सेंट्रल मेटल सेम है तो आप यहां पे रुक जाएंगे बोलेंगे इसके नीचे फिर पॉसिबल नहीं होगा टोटल नंबर ऑफ है बहुत बढ़िया लगभग सब बच्चों ने सही दिया अब मैं एक मजेदार सवाल देता हूं इसको करके बता भाई चल इसके बारे में बता दे सीओ एन एच थ्री या सीओन होल थ्री और इधर सीओ सी एल सिक्स इसके बारे में देखें कौन बताता मजा आ जाएगा मतलब एकदम इसके बारे में देखे कौन बताता है मजा आ जाएगा इंटीजर टाइप का सवाल है स्टार्ट करते हैं पोल कितने टोटल आइसोमर होंगे इसके लिए टोटल कितने आइसोमर होंगे ये बात करते हैं यहां पे आप याद रखना ये है तो एक e को हटाने के लिए दो क्लोरीन लगेगा सर देख लेते हैं यहां ई e एन यहां क्लोरीन सीएल माइनस यहां पर ई एन यहां पर सीएल माइनस तो पहले ऑप्शन क्या है सर थ्री जीरो जीरो सिक्स ये तो अभी सामने बना हुआ है हाँ सर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं इसको एक कम कर लेते हैं तो ये दो हुआ दो का मतलब अब इसका कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर चेंज मत कर देना चार हो गया नंबर, तो दो क्लोरीन चिपकाओ तो आप बोलोगे अच्छा सर तीन ही रहना चाहिए तो एक ई और चार क्लोरीन इधर आया अगला केस में क्या करेंगे आप बोलेंगे सर इन एक इधर से कम कर दो कम कर देते हैं सर तो फिर आप बोलोगे एक कम करने का मतलब एक ई हो गया चार क्लोरीन इधर हो गया और इधर आपका दो ई एन हुआ और दो क्लोरीन हो गया अभी ये दोनों एक ही बात नहीं लग रहा है तुमको छह लिख रहे हैं ये दोनों एक ही बात है बे देखो इस कॉम्प्लेक्स को मैं लिख के दिखाता हूं दिस कॉम्प्लेक्स लुक्स लाइक सीओ ई एन होल्ड ट्वाइस सी एल टू और उधर चलते हैं इसको इस वाले पार्ट को लिखते हैं सीओ ई एन सी एल फोर बहुत बढ़िया मैंने बोला आप बेटा एक बार इसको लिख के दिखा तो आप बोलोगे दिखे सीओन सी एल फोर और सीओ ई एन होल्ड वाइस सी एल टू अब एक ही नहीं लग रहा है इसको ऐसे घुमा देंगे तो सेम नहीं है आप बोलोगे हाँ सर आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है तो इसका मतलब क्या है इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बस यही आके रुक गए इसके बाद रिपीटिशन होगा सर तो टोटल आइसोमर कितने दो बात चमक गई बताइए या हाँ ना? चलिए इसके बाद अब हम जीआई और ओआई की बात कर लेते हैं इसका आंसर दे, दे देते हैं एक दो अब एक दे दिया सॉरी चलो <laughs> ये सात परसेंट को देख लेते हैं ये कौन है ए लोह, लोह गेमिंग और जगदीश साई बहुत बढ़िया जीवन में पहली बार एक आने का मौका मिला है चलिए इसके बाद आगे आते हैं अब हम बात करने जा रहे हैं वैसे और भी ऐसु होते हैं बट नॉट इन जेई सिलेबस अब हम आगे बात करने जा रहे हैं किसकी सुनिएगा स्टीरियो आइसोमर्स की किसकी स्टीरियो आइसोमर की स्टीरियो आइसोमर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे सर आप बोलोगे स्टीरियो आइसोमर में हम सबसे पहले जीआई की बात करते हैं दो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे सिलेबस में है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब पॉसिबल है तो आप बोलोगे वेन वेन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ cis इज पॉसिबल डिफरेंट Different ऑफ लीग ligands आर पॉसिबल ठीक है अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर फोर में कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में ए पे हम लिखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स याद रखना कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो हम दो पोजीशन को डिफाइन करेंगे किस तरीके से जैसे मान लो ये मेटल है कभी भी सिस पोजीशन किसको कहते हैं तो दो ऐसे बॉन्ड जिसके बीच में एंगल लेस देन 180 डिग्री हो कितना भी हो सकता बट लेस देन 180 होना चाहिए 180 का एंगल नहीं होना चाहिए सर 180 का एंगल गलत बात है सर हम ट्रांसपोजिशन कब डिफाइन करते हैं तो आप बोलोगे जब एंगल 180 का हो एग्जैक्ट 180 का एंगल इक्वल टू 180 डिग्री दो पोजीशन के बीच में मैं अभी कंपाउंड का नाम सिर्फ ट्रांस नहीं दे रहा मैं बोला हूं दो पोजीशन जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल जैसे मेरे हाथ अभी 180 डिग्री के एंगल पे है ये दोनों आपस में ट्रांसपोजिशन पे है अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई ट्रांसपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है कोई ट्रांसपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है और बेटा जब कोई ट्रांस पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे इसमें कितने जीआई होंगे तो आप बोलोगे नो जीआई ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा याद रखना अब कम से कम एक ट्रांस पोजीशन और एक सिस पोजिशन होना चाहिए पोजिशन होना चाहिए कंपाउंड होना हो वो अलग बात है कंपाउंड होना हो वो अलग बात है लेकिन यहां पे सिस और ट्रांसपोजिशन ही पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या देखने को मिलेगा आप बोलोगे सर इसमें कोई जीआई पॉसिबल नहीं है इसमें कोई जीआई पॉसिबल नहीं है फिर अगर हम बात करते हैं बी पे चलते हैं स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना अगर हम स्क्वेर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देख लेते स्क्र प्लेनर कॉम्प्लेक्स के एम बनाया इससे जुड़े हुए चार लीगेंड L1, L2, L3, L4. तो आप यहां पे देखेंगे, आप बोलेंगे सर इसमें सिस पोजीशन कौन कौन सा है तो आप बोलेंगे सर L1 जो है ना वो L2 के साथ सिस पे है। एक काम करते हैं, थ्री यहां से हटा के यहां लेके चलते हैं फोर यहां लाते हैं है ना जैसे हम ए बी सी डी नंबरिंग करते वैसे कर लिया सीरीज में ए बी सी डी एस तो आप बोलोगे सर एल वन एल टू के साथ सिस्म है क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल एक डिग्री नहीं है फिर एल टू एल थ्री के साथ सिस्म है फिर आप बोलेंगे सर एल थ्री एल फोर के साथ सिस्म है और एल फोर एल वन के साथ सिस्म है टोटल चार सिस्ट पोजिशन पॉसिबल है टोटल जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना टोटल चार सिस्ट पोजिशन पॉसिबल है और ट्रांसपोजिशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोजिशन इसमें टोटल दो पॉसिबल है कौन कौन आप बोलेंगे सर एल वन एल थ्री के साथ ट्रांस में है और एल फोर एल टू के साथ ट्रांस में है ये दो ट्रांसपोजिशन और तीन सॉरी चार सिस पोजिशन ये पॉसिबिलिटी है सर मेरिडोनियल किस में आता भाई मेरिडोनियल वगैरह सब बताऊंगा मतलब मैं तुम्हें आइसोमेरिज्म में इतना पक्का कर दूंगा कि तुम आइसोमेरिज्म के जेई एडवांस के सवाल तुम सवाल नहीं तुम आंसर बता दोगे सवाल से पहले आंसर बताओगे सवाल पढ़ने के पहले आंसर बताओगे ठीक है हाँ चलिए तो ये सिस ट्रांसपोजिशन मैंने आपको बता दिया कब सिस होता कब ट्रांस होता है अब इसमें ना मैं कुछ डिफाइन करता हूं देखो अगर मैं कभी भी ऐसा लिखूं छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी इसका मतलब है मेरे पास मोनोडेंटेट लीगेंड है कैसे मोनोडेंटेट लीगेंड है अगर मैं कभी कैपिटल ए लिखूं कैपिटल बी भी लिखूं इसका मतलब है ये बाइडेंटेट लीगेंड है और ए और ए का मतलब है ये बाइडेंटेड तो है बट साथ में सिमेट्रिकल है सर कैसे हैं सिमेट्रिकल है

ऑक्जलेटो हो गया है ना एटसेट्रा ये सभी है और सिमिट्रिकल भी है अनसिमिट्रिकल का एग्जाम्पल जीएलटो Gly, हो गया है ना फिर उसके बाद अपना डीएम जी हो गया ये सभी अनसिमिट्रिकल है सर मतलब ये दोनों तरफ से एक जैसे नहीं दिखते हैं अब हम एग्जाम्पल से करके देखते हैं मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा कोई पोजीशन पॉसिबल है या नहीं यहां पे हम पेयर का यूज करेंगे यहां पे हम पेयरिंग का यूज करेंगे देखते जाइएगा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है मैं कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं सबसे पहला मैंने लिखा एम ए फोर चारो लीगेंड एक जैसे लिए हैं और यह मान के चलो कि यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो आप बोलोगे सर देखो एम फोर का मतलब है क्या क्या कर सकते हैं सर पॉसिबिलिटी क्या है आप है ना ट्रांस वालों को एक साथ लिखना पेयर में लिखना चालू करो ये जैसे एम है ऐसा मैं लिख देता हूं एम है

और कोई पड़ोसी पॉसिबल है इसको बदल दोगे तो भी एक ट्रांस पे एक ट्रांस पे आप बोलोगे कुछ पॉसिबल नहीं है सर तो इसमें हमें देखने को मिलेगा नो no जीआई कोई ज्योमेट्रिकल नहीं देखने को मिलेगा दूसरा एग्जांपल लेते हैं एम अब एक काम करते हैं एक लीगेंट दूसरा ले लिया है मोनोडेंटिडी दोनों अब क्या होगा अब आप बोलोगे सर यहां पर हम लिख सकते हैं के ट्रांस पे ए और फिर एक बार ए के ट्रांस पे बी बनाना पड़ेगा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है अब इसको बना के दिखाता हूं देखो आपने बोला क्या ए के ट्रांस पे ए इसका मतलब जो सामने वाला बनाएगा वो ए के ट्रांस पे ए बना लिया फिर बी के ट्रांस पे ए बना लिया आप बोलोगे सर अगर आपको बदलना है तो इसमें स्ट्रैटेजी यूज होती है स्वैपिंग इन दोनों को स्वैप कर दो आपस में मैंने बोला ले भैया इन दोनों को स्वैप करके दिखाता हूं कॉपी किया यहां रखा बी के जगह पे ए लिख दिया और ए के जगह पे बी लिख दिया यहां पे ए लिख दिया यहां पे बी लिख दिया अब बता तो कौन कौन सा पोजीशन है तो आप बोलोगे सर ए के ट्रांस पे ए के ट्रांस पे बी अरे सर सेम ही आया सर इसका मतलब यहां पे भी नो जीआई ये यह भी कोई जीआई शो नहीं करेगा सर नो जीआई याद रखना यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है अगले पे चलते हैं सर इसके बाद हम बात करते हैं अगला अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं दो नंबर के बाद तीन नंबर पे आते हैं चमक जानी चाहिए। इसमें क्या -क्या है सर? एक बार हमने रखा बी के ट्रांस पे अपने आप के ट्रांस पे भी आ जाएगा फिर हमने बोला एक बार ए के ट्रांस पे बी रख दिया इस बार ए के ट्रांस पे बी है ये दोनों ही क्या है सर आइसोमेरिज्म है तो आप बोलेंगे इसके टोटल जीआई की बात कर रहा हूं टोटल जीआई इसका कितना हो जाएगा आप बोलेंगे इसका टोटल जीआई आई दो हो जाएगा सर बना के दिखा दू देखिए आप बोलेंगे सर देखो एम इधर ए ने कोऑर्डिनेट किया इधर ए ने कोऑर्डिनेट किया इधर बी ने कोऑर्डिनेट किया इधर बी ने तो ए के ट्रांस पे ए बी के ट्रांस पे बी स्वैप कर दो सर इसको है ना इसको क्या करो दूसरे एग्जांपल में इसी को स्वैप कर दो बस इनको मिटाओ और स्वैप कर दो तो आप बोलोगे सर यहां ए आ गया अब और यहां बी आ गया अब देखो ए के ट्रांस पे बी और ए के ट्रांस पे बी ये दोनों पड़ोसियों का अलग अलग पोजीशन है जितने अलग पोजीशन जितने अलग पोजीशन उतना क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तीन के बाद चार नंबर पे चलते हैं हम लेते हैं एम ए टू बी सी मतलब दो लीगेंड ले लिए मोनोडेंटेड तीन टोटल अलग अलग मोनोडेंटेड लीगेंड ले लिए अब आप बोलोगे सर पॉसिबल क्या है एक बार ए के ट्रांस पे एक और रख दो फिर अपने आप बी के ट्रांस पे सी आ जाएगा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है ए के ट्रांस पे बी को रख दो फिर ए के ट्रांस पे सी आ जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या और कोई पॉसिबिलिटी है बताइए बताओ हमारे बीच एक बंदा जुड़ा है केविन पटेल उसको रिप्रोडक्शन पढ़ाना है बताओ यार चलो तुमको जय वाला चैनल छुट्टी कर देते हैं तुम भाई रिप्रोडक्शन पढ़ा लो जाओ अपने घर में सबको परिवार वालों को रिप्रोडक्शन पढ़ाइए आप जय वही मत करिए कि आप तो एक स्पेशलिस्ट हैं रिप्रोडक्शन पढ़ाने के आपका तो जन्म ही जन्म नहीं आपका अवतरण हुआ है रिप्रोडक्शन पढ़ाने के लिए तो आप जाइए अपने घर पे, सबको बिठाइए और रिप्रोडक्शन पढ़ाइए उसको भी रिप्रोडक्शन पढ़ाइए जिसके वजह से आप आए हैं है ना हाँ जाइए पढ़ाइए क्या करेंगे आप है ना हाँ यार पढ़ाओ उसको भी रिप्रोडक्शन क्योंकि तुम तो पढ़ लिख लिए हो और पढ़ लिख लेने के बाद पढ़ाना जरूरी होता है है ना चलो खेर आते हैं अबे इसके बाद और कोई पॉसिबल है क्या और कोई पॉसिबल है आप बोलोगे नहीं सर यही है जो है यही है जो है तो आप बोलोगे सर सर हाउ टू आइडेंटिफाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अबे हाइब्रिडाइजेशन से पता लगेगा दीदी -दी। भैया हाइब्रिडाइजेशन हां तो आप क्या बोलोगे तो आप बोलोगे सर इसके भी कि टोटल कितने जीआई टोटल तो इसके टोटल तो दो जीआई सर इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं तू मेहनत कर ले कुछ नहीं मिलेगा बना बना के देख ले उसके बाद चार नंबर के बाद जल्दी करते हैं सर पांच नंबर में आते हैं पांच नंबर में हम बात करेंगे हम लिया सी लिया डी लिया, लिया, लिया इससे ज्यादा क्या वेरिएशन ले लू बता इसके कितने जीआई पॉसिबल है जल्दी जल्दी बता दे कितने लोग निकाल सकते हैं उसके कितने जीआई पॉसिबल है बताइए राहुल बजाज जी पूछ रहे हैं हाई टू आइडेंटिफाई स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टू आइडेंटिफाई स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के बाद डी कॉन्फिग्रेशन चेक करके हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा यूजिंग सी एफ टी एंडवी टी चलिए तो आप बोलेंगे सर ये बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है इसके अगर हम बात करें तो इसके टोटल तीन पॉसिबल होते हैं कैसे देखिए एक बार हमने ए के ट्रांस पर रखा बी को तो अपने आप दूसरा सेटल हो गया सर सी के ट्रांस पर डी अपने आप सेट ए बी को रखा ए के साथ अब सी को भी रख लो यार सी से तुम्हारी तो कोई दुश्मनी है रख लेते हैं सर तो अपने साथ बी के साथ डी सेट हो गया फिर ए के साथ डी को रख लो तो अपने आप किसके साथ तो आप बोलोगे सर अब अपने आप बी के साथ सी सेट हो गया इसके अलावा कुछ भी बना के दे दो अभी मतलब सही वे कुछ भी बना के दे दो अभी इसी टाइम गूगल पे करके दस हज़ार रुपये भेजूंगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं पॉसिबल है वे दस हज़ार रुपये ऐसे थोड़ी लगा दूंगा मैं तो इसके टोटल जीआई कितने होंगे बोलो बोलो भैया बोलिए तो आप बोलोगे सर इसके टोटल जीआई आई तीन होंगे सर अब देखो मोनोडेंटेड की कहानी खत्म है सर इससे ज्यादा मोनोडेंटेड से रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा छ नंबर पे आते हैं छे नंबर पे बाईड लेते हैं एम ए ए होल टू एक बात और सुनना बाइडेंटेड लीगेंट कभी ट्रांसपोजिशन से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा ये याद रखना बाईडेंटेड कभी या एक बाइडेंटेड लीगेंट कभी ट्रांसपोजिशन से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा ठीक है भैया कभी भी नहीं करेगा सर कभी भी नहीं करेगा करेगा ही नहीं तो आप बोलोगे सर एम जैसे मैं बता देता ऐसा मत करना कि सर एक इसको बनाते कैसे ए और ए को ऐसे जोड़ लो अब ये ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा ये ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा तो कुछ लोग क्या करते हैं बोलेंगे सर एक तो ऐसे करवा दिया एक बार ऐसे करवा देते हैं सर एम ई ए यहां से और ई e वाला यहां से अब एक कानून का हाथ थड़ी है कि इतना लंबा है ये लीगेंड है भाई ये लीगेंड है भाई कानून का हाथ थोड़ी है बताइए ये लीगेंड है कानून का हाथ नहीं है जो खिंच जाएगा तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है ऐसे ए ए के अपोजिट में अब देखो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है पॉसिबिलिटी क्या सर इधर भी ए ने कोऑर्डिनेट किया ए ने कोऑर्डिनेट किया आप बोलोगे ए के ट्रांस पे फिर ए के ट्रांस पे पलट दोगे तो भी ए के ट्रांस पे ही रहेगा तो आपको देखने को मिलेगा नो इसके भी आपको नो जीआई देखने को मिलेंगे है ना इसके भी आपको नो जीआई कोई जीआई देखने को नहीं मिलेंगे सर क्लियर है बताइए हां बहुत बढ़िया इसके बाद अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं छह नंबर के बाद सात नंबर पे आते हैं सात नंबर की अगर हम बात करें एम ये क्या लिया था सर ए ए है ना ऐसा ले लेते हैं एम ए ए और बी बी अब बताओ भाई अब दो बाइडेंटेड लीगेंट है दोनों अलग अलग हैं अब दो बाइडेंटेड लीगेंट है दोनों अलग अलग हैं तो पॉसिबल है कैसे आप बोलोगे सर देखो एक बार एक ए के ट्रांस पे बी है ना हाँ इसके बाद दूसरा दूसरा बताना आप बोलोगे दूसरा तो कोई पोजीशन है पॉसिबल नहीं है सर दूसरा कोई अरेंजमेंट इसका पॉसिबल नहीं है तो इसका भी याद रखना नो जी आई कैसे मैं आपको दिखा देता हूं यह मेटल है ये ए ए इस तरीके से आया बी बी इस तरीके से आया इसको इधर कोऑर्डिनेट किया इसको इधर कोऑर्डिनेट किया अब तुम इसको पलट भी दोगे तो ए के ट्रांस पर बी ही रहेगा भैया कोई बदलाव नहीं आएगा देयर विल बी नो एनी चेंज नो जी आई ठीक है सात नंबर के बाद आठ नंबर पे चलते हैं मैंने लिखा एम बहुत ध्यान से सुनना एम छ ए ए होल टू और ए टू ले लिया बी टू ले लिया मतलब दो मोनोडेंटेड लिगेंड या सॉरी एक बाइ लिगेंड और दो मोनोडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर चार ही रखना है ना तो अब क्या होगा सर अब आप बोलोगे अब कुछ पॉसिबल है देखते हैं आप बोलोगे सर बढ़ के एक के ट्रांस पे तो कभी आ नहीं सकता तो बढ़ के एक ए ट्रांस पे तो कौन आ तो पे जाएगा बी फिर बढ़ के एक, एक ट्रांस पे कौन आ जाएगा बी कुछ अल्टी पल्टी कर लो बढ़ के एक ट्रांस पे बी ही रहेगा आप बोलेंगे नो no जी आई यहां पर भी आप क्या देखेंगे सर कोई जी आई नहीं है यहां पे भी इस कॉम्प्लेक्स में भी आपको कोई जी आई देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद आठ नंबर के बाद अगर हम नौ नंबर की बात करें नौ नंबर पे क्या आएगा सर मेटल एम एम के साथ हमने ए ए लिया और ए ए के बी या सी डी ले लिया सर छोटा सी छोटा डी दो मोनोडेंटेड लीगेंट दोनों अलग एक बाईडेंटेड लीगेंट अब इसके बारे में जल्दी से बता दो इसके कितने जीआई होंगे तो आप बोलोगे सर इसके लिए कुछ तो लग रहा है कुछ तो अब हुआ है सर बहुत देर के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि जीआई देखने को मिलेगा यहां सी यहां डी ये यह इसको कोऑर्डिनेट किया सर अरे हाँ ना अब बोलोगे हाँ सर फिर फिर क्या सर इसको पलट लो बे फिर एक ट्रांस पे एक ट्रांस पे ही रहेगा कुछ बदलेगा क्या अरे कुछ नहीं बदलेगा नो जी आई इसका मतलब अभी तक मैंने तुम्हें जो चीज दिखाई है उसमें जैसे ही हमने बाईडेंटेड सिमिट्रिकल लीगेंड ले लिया जैसे ही हमने बाईडेंटेड सिमिट्रिकल लीगेंड लिया नो जी आई इस केस में नो जी आई इस केस में नो जी आई इस केस में भी नो no जिया कहीं जी आई देखने को नहीं मिला सर सिमिट्रिकल में कहीं जी आई नहीं देखने को मिलेगा अब हम अनसिमेट्रिकल लेते हैं दस नंबर पर मैंने बोला एम ए बी अनसिमेट्रिकल हैल टू इसमें जी आई देखने को मिलेगा क्या आप बोलोगे इसमें देख सकते हैं सर इसमें शायद मिल जाए कैसे देखो आप बोलोगे देखो सर मेटल एम है ये ए इधर बी इधर इसने इधर कोऑर्डिनेट किया फिर ये ए इधर बी इधर इसने इधर कोऑर्डिनेट किया यहां पे आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं ए के ट्रांस पे बी और ए के ट्रांस पे बी दोनों में A के ट्रांस पे बी है A के ट्रांस पे भी मैंने बोला इसका एक और पॉसिबल अरेंजमेंट है दैट इज आप क्या करो सर ए और बी को ऐसे स्वैप कर दो इसको बी बना दो इसको ए लीगेंड तो सेम ही है अब आप बोलेंगे तो इसके कितने जी आई हो गए सर इसके दो जी आई हो गए क्या मेरी बात आप समझ गए इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे आप सबका निकाल सकते हो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ऐसे जीआई निकाल सकते हैं अपन मैं फिर बता देख लो दो बातें हैं जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा या रिवाइज किया होगा उसको तो एकदम क्रिस्टल चमकेगा पहला पॉइंट उसको यह आसान लगने लगेगा आप क्यों क्योंकि उसने पढ़ा था किसी कठिन तरीके से पढ़ा होगा यह तरीका ज्यादा आसान लगेगा दूसरा ऑप्शन है जिसने कभी पढ़ा ही नहीं वो सोच रहा है कि भैया विष्णु भगवान आएंगे जादू कर देंगे तो नहीं होता है जो दो दोस्त जेई वही में जादू वादू काम नहीं करता मेहनत काम करती है जेई में जादू काम नहीं करता मेहनत काम करती है समझ गए चलिए इसके बाद अब हम इसी में इसके बाद अब हम क्या करते हैं सर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं क्या करते हैं सर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में ओआई देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब देखने को मिलता है सर तो इसके लिए सिंपल कंडीशन है नो no पीओएस, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए सबसे पहले एम है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा सर तो आप बोलेंगे व्हेन ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट ल शो जी आई वेन ऑल फोर लिगेंट्स आर डिफरेंट मतलब कायरल सेंटर हो जाएगा वे जैसा आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ऑर्गेनिक में तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर क्या चार ही बॉन्ड बनता है तो ये मान लो मेटल है मेटल से यहां पे छोटा है जुड़ा यहां पे छोटा भी जुड़ा यहां छोटा सी जुड़ा यहां पे छोटा डी जुड़ा, जुड़ा तो आप बोलोगे सर ये तो काइरल सेंटर हो गया ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया सर कुछ सोचना ही नहीं कुछ नहीं सोचना है सर लेकिन वहीं पर अगर हम बी पे आते हैं अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए याद रखना क्या होता है सर यहां पे एक पीओएस जनरली एक पीओएस मिलता है जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केस में आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है सर उसको मैं बता देता हूं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा वो आप स्लाइस कट से समझ सकते हो किससे स्लाइस कट से स्लाइस कट क्या होता है जैसे मान लो ये मेरा एक प्लेन है इस प्लेन को स्लाइस कट करने का मतलब मैं क्या करूँगा इस प्लेन को स्लाइस कट करने का मतलब मैं पतले पतले छोटे छोटे स्लाइसेस ऐसे ऐसे अलग करता जाऊँगा स्लाइस दूसरा स्लाइस ऐसे ऐसे कट करता जाऊँगा अब एक स्क्वायर प्लेनर एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो यहां पे है इस प्लेन पे उसका स्लाइस कट करेंगे तो यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे और बीच में मेटल ये सभी बीच से कट जाएगा और बीच से कटने का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा क्लियर है तो ऐसा सीन है सर इसके साथ स्लाइस कट पे हम फोकस करेंगे और इसी के कारण जनरली ऐसा होता है सो इट इज ऑप्टिकली इन इट इज ऑप्टिकली इन ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं सर जनरली एक दो ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स आपको मिल सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना क्लास खत्म होने के बाद ठीक है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना क्लास खत्म होने के बाद की क्या है मैं भी कमेंट कर दूंगा कि देखना ये कॉम्प्लेक्स को देखो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव है क्यों क्योंकि इसके जो कुछ बॉन्ड्स हैं वो प्लेन के बाहर की तरफ भी गए हुए हैं खैर अब इसके बाद आते हैं अब हम बात करेंगे किसकी सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया सर किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चार में क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर चार में बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता कुछ बहुत ज्यादा नहीं है अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर छ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सब जी आई दोनों साथ ही साथ देखेंगे तो मैं आपको कुछ मैं आपको कुछ बेहतरीन आरबीआई देता हूं हैश टैग आरबीआई 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 क्या है सर इफ ये आरबीआई जो है वो किसके लिए काम करेगा वो काम करेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ओ आई के लिए ठीक है वो किसके लिए काम करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए और ये क्या है सुनिएगा ध्यान से इफ टू सेम लीगेंट्स टू सेम लीगेंट्स आर प्रेजेंट एट ट्रांसपोजिशन मतलब 180 डिग्री पे देन कॉम्प्लेक्स विल बी कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो एनी जीआई कॉम्प्लेक्स कोई जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा इस बात को याद रखना कोई ब्रेक नहीं अपन 45 मिनट्स और पढ़ेंगे और क्लास ही एंड करेंगे अब अभी 20 मिनट का ब्रेक दे दूं फिर 45 मिनट पढ़ाऊं कैसी बात कर रहा है? है सीधा पढ़ेंगे पैंतालीस मिनट फिर खत्म क्या मेरी बात आपको क्लियर है बताइए क्या मेरी बात आपको क्लियर है बताइए बताइए तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो ठीक लग रही है ऐसे केस में आपको जी आई देखने को नहीं मिलेगा जनरली नहीं मिलेगा अब हम किसकी बात करते सब हम आ, क्या बोलते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आईसो और क्या बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों की बात करेंगे सॉरी मैंने गलती कर दी यहां पे इस केस में मेरे को इट विल नॉट शो एनी जीआई नहीं ओआई होगा ये कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा मैं समझाऊंगा क्यों अभी टेंशन मत लो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्सेस के साथ देखते हैं सबसे पहला कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं एम सबसे सिंपल छः का छह लिगेंड एक जैसा और उसके ऊपर कोई चार्ज भी हो सकता प्लस माइनस अब मेरे को बता इसका सबसे पहले इसके कितने जी होंगे सर बताइए तो जीआई पता करने के लिए हम क्या करते हैं आप बोलोगे सर एक खेल खेलते हैं क्या एक ए के ट्रांस पे ए फिर दूसरे ए के ट्रांस पे ए। फिर तीसरे ए के ट्रांस पे भी ए अरे सर ए ए ए ही तो है और कोई लीगेंड ही नहीं है हर बार एक के ट्रांस पे ए। और क्योंकि हर बार एक के ट्रांस पे है तो आप बोलोगे नो no, जीआई और क्योंकि एक भी अगर ऐसा लीगेंड आ जाए मैंने क्या बोला एक भी अगर ट्रांस पे सेम लीगेंड आ जाए तो आप बोलोगे इसका नो no, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा मैं एक नाम है ना ये ऑप्टिकली ओ आई ए होगा ओ आई ए का मतलब है ऑप्टिकली देखो सुन लेना एक बात ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड अगर है तो उसको हम ओ ए बोलेंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर कोई कंपाउंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे ओ आई ए ठीक है भाई तो आप बोलोगे सर यहां पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है सर इनएक्टिव है दूसरा में चलते हैं ट्रिक दिया है देखना बड़ा मजा आएगा अभी तुम देखते जाना दूसरे में एम ए फाइव बी आप बोलोगे पांच ए है और एक बी इसके लिए क्या जीआई बना के देखते हैं सर ए के ट्रांस पे ए के ट्रांस पे ए और ए के ट्रांस पे बी और कोई पॉसिबिलिटी है मेरे को ईमानदारी से बता दे और कोई पॉसिबिलिटी है बताइए ईमानदारी से बोलो यार और कोई पॉसिबिलिटी है तो आप बोलोगे सर और क्या करेंगे

b2 इसको ले लिया इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पे आप क्या देखेंगे सर आप बोलेंगे देखो सर हम a के ट्रांस पे a को रख दिया फिर से एक बार a के ट्रांस पे a को रख दिया फिर एक बार b के ट्रांस पे b को रख दिया एक और पॉसिबिलिटी है सर इन दोनों में a b को स्वैप कर देते हैं तो अगर a b को स्वैप किया तो हम बोलेंगे एक पॉसिबिलिटी है a के ट्रांस पे a को रखा दूसरे a के ट्रांस पे b को रखा तीसरे ए के ट्रांस पे बी को रखा यहाँ पे इन दोनों के अलावा अब तुम बोलोगे सर एक बार ए बी यहाँ कर लेते हैं अबे एक ही जैसा है ट्रांस का सारा पोजीशन सेम होता है सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो आप बोलोगे सर इसके जीआई हो जाएंगे कितने जीआई होंगे आप बोलोगे दो जीआई हो जाएंगे सर कितने जीआई होंगे दो दो जोमेट्रिकल आइसोमिज्म है क्या इसका ऑप्टिकल एक्टिव है ये कंपाउंड आप बोलोगे सर ये वाला जीआई इन इनएक्टिव क्यों क्योंकि एक ट्रांस पे है ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव तो आप बोलोगे पूरा ही कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है याद रखना अभी से आने वाले चार पांच या अभी से आने वाले चार पांच में जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ जिससे डायरेक्ट सवाल जेई मेन से ही एडवांस में आता है डायरेक्ट सवाल वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूं डायरेक्ट सवाल वाले कॉम्प्लेक्सेस की अगला कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगला कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर चार इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैं आपको बोलूंगा आप इस कॉम्प्लेक्स पे जहां भी इसको पढ़िए कभी भी इसके ऊपर दो स्टार लगा लीजिए सर या है ना तीन स्टार लगा लो इतना इंपॉर्टेंट है देखिए कॉम्प्लेक्स है एम ए थ्री बी थ्री एम ए थ्री बी थ्री इसके दो आइसोमर पॉसिबल है कौन से देखते हैं सबसे पहला मैंने लिखा ए के ट्रांस पे ए फिर लिखा ए के ट्रांस पे ए फिर लिखा ए के ट्रांस पे बी ये पॉसिबल या सॉरी ए के ट्रांस पे ए फिर ए के ट्रांस पे बी फिर बी के ट्रांस पे बी एक तो ये पॉसिबल है दूसरा आइसोमर अगर हम बात करें वो हो जाएगा ए के ट्रांस पे बी ए के ट्रांस पे बी और ए के ट्रांस पे बी तीनों बदल लिया। अब इन दोनों आइसोमर को मैं आपके सामने बना के दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा कैसे देखो ये मेटल है पहली बार हमने क्या किया ए के ट्रांस पे बी ए ट्रांस पे बी बना लेते हैं ये एके, एके है, ट्रांस पे बी है ये ए है ट्रांस पे बी है ये ए है ट्रांस पे बी है अब अगर आप इसको देखोगे तो इन तीनों को हम मिलाते हैं है ना? इन तीनों को अगर हम मिलाएं, तो ये तीनों मिलकर के पता आपको क्या बनाते हुए दिख रहे हैं ये तीनों मिलकर हमें बना रहे हैं फेस ऑफ अ ऑक्टाहीड्रन दिस इज अ फेस ऑफ ऑक्टाहीड्रन ये क्या है ऑक्टाहेड्रन के टोटल आठ फेस होते हैं सर एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ इस चारों पे इन चारों पे एक एक एधर, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऊपर और ऐसे नीचे आठ फेसेस तो ये एक फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रन है और ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं इस आइसोमर को हम फेसियल आइसोमर बोलते हैं सर तो फेसियल कब बना सर जब सब एक दूसरे के ट्रांस पे था तो ये आपको एफ फेसियल आइसोमर बना के देता है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ध्यान से देखिएगा अगर हम इसको बनाते हैं सर तो ये किस तरीके से होगा ये मेटल एम है आप बोलेंगे सर पहले ए के ट्रांस पे ए बना दो फिर क्या करो सर ए के ट्रांस पे बी बना दो फिर बी के ट्रांस पे बी बना दो अब यहां पे आप देखेंगे कि इस प्लेन में यहां पे आप देखेंगे कि इस प्लेन में हमारे पास इस तरीके से ए आ रहा है इस प्लेन में इस तरीके से हमारे पास ए आ रहा है और इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल, क्या बोलते हैं सर मेरिडोनियल या फिर मर आइसोमर बोलते हैं इसको हम मेरिडोनियल या फिर मर आइसोमर बोलते हैं मेरीडोनियल और इन शॉर्ट इसको मर लिखते हैं सर याद रखना एक बात ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं ये बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इसमें सिस ट्रांस नाम नहीं देते बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ये एक ऐसा आइसोमर है जिसका जीआई कितना है आप बोलेंगे दो ओआई कितना है जीरो कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है पहले का तो आप बोल सकते हो सर इसमें देखो ट्रांस में सेम एलिमेंट है इसके लिए क्या रीज़न है सर ऑप्टिकल इनएक्टिव होने का तो इसके लिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है हमें इसके लिए हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है जो यहाँ से इस बीच से गुजरती है इस बीच से होके ऐसे होके गुज़रती है और ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करती है सर आपको देखने में लगेगा मुझे पता आपको देखने में लगेगा नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है बट यू विल गेट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन फेसियल मतलब मेरे पास अगर पेन होगा ना मैं दिखाता हूं दो तीन ये इस तरीके से है है ना ये इस तरीके से ये जो ब्लैक है ना तो, कैप है ये कैप को आप ए मान लो देखो कहा गया भाई है ना हम इसकी बात कर रहे थे तो कैप को आप ए मान लो इस तरीके से कैप क्याप, सारे कैप्स को आप ए मान लो सारे कैप्स को आप ए मान लो है ना और बाकी को आप बी मान लो अब सोचो अगर मैं अगर मैं इस बीच वाले प्लेन को कट कर दूं इस बीच वाले प्लेन को कट कर दूं तो इस बीच वाले प्लेन को कट करने से ये ए कट हो गया ये मेटल कट हो गया ये बी कट हो गया ठीक है इस तरफ अगर हम चले तो ए के सामने ए है बी के सामने बी है तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर यहां पे। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर यहां पे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो आप बोलोगे इसमें अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा सर इसके बाद आगे बात करते हैं चार नंबर के बाद पांच नंबर में अब मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की चर्चा कर रहा हूं पांच नंबर पे जो कंपाउंड है उसके लिए तो भैया चार स्टार लगा लेना कंपाउंड का नाम है एम ए ए होल थ्री इतने स्टार उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चार स्टार एक दो तीन चार कंपाउंड की बात करें तो यह बहुत, बहुत मजेदार कंपाउंड है ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता नहीं है नॉर्मली एग्जांपल देना चाहोगे इसका एग्जांपल ले लो सीओक्स होल थ्राइस ऊपर थ्री नेगेटिव और लेना चाहोगे सीओ होल थ्राइस ऊपर बी पॉजिटिव ये दोनों ही एक जैसे कंपाउंड है मतलब बाय मतलब सिमिट्रिकल बाईडेंटेड लिगंड है इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कंपाउंड बनता है देखो एम है ना ए और ए इधर इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मैं एक प्लेन बना के आपको दिखा देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में ये एक प्लेन है सर और इस प्लेन के फिर ऊपर और नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दिस इज प्लेन इसके ऊपर और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा लिगेंड से ये ए इस तरीके से डोनेट कर रहा है फिर हम ए ए को इधर से डोनेट नहीं करा सकते अगर इधर से डोनेट कराएंगे तो तीसरे वाले को ट्रांस से डोनेट करना पड़ेगा तो एक ए बाहर रखा एक ए इधर रखा प्लेन में इन ए ने इस तरीके से डोनेट किया फिर एक ए इधर बाहर रखा एक ए इधर रखा इस ए ने इस तरीके से डोनेट किया और जब हम इसकी बात करेंगे तो याद रखना इस कंपाउंड का नो जी आई बट ऑप्टिकली एक्टिव ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर जो है इसके टोटल कितने हो जाएंगे दो कौन कौन से वन इट्स और अदर इसका मिरर इमेज मैं मिरर इमेज बना के दिखाऊं क्या मैं इसका मिरर इमेज बना के दिखाऊं देखो यहां से सेलेक्ट करते हैं इसका मिरर इमेज और मैं दिखा दूंगा कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा देखना ये मिरर इमेज है सर उसका और अगर मैं इसको इंपोज करूं ना तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल है देख लो इंपोज हो रहा है आप बोलोगे नहीं सर कलर चेंज कर देते हैं इसका है ना इसका कलर हम चेंज कर देते हैं रुक जाओ फिर तुम्हें समझ में आएगा ओहो तो कलर चेंज कर देते हैं फिर दिखाते हैं मान लो इसका कलर चेंज करके लड़कों का फेवरेट कलर कर देते हैं डेट इज पिंक अब देखो इसको सुपर इंपोज कर रहे हैं तो देखो इंपोजिबल है नहीं आप बोलोगे सर ये वाला इधर से घूम रहा है ये वाला इधर से घूम रहा था तो दीज आर नॉन सुपर मिरर इमेज और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मेर इमेज है इसका मतलब दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है क्या मेरी बात समझ में आई बताओ क्या मेरी बात समझ में आई जल्दी जल्दी जल्द बताइए हाँ या ना फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अगले एग्जाम्पल पे ये सारे एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना नंबर के बाद छह नंबर पे चलते हैं छह नंबर का तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉम्प्लेक्स है एम ए होल टू बी टू इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी चार स्टार लगा लें याद रखना सवाल यहीं से आएंगे सर चार स्टार इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सीओ ई एन ल ट्वाइस सीएल टू माइनस प्लस जो भी चार्ज होगा वो तो ठीक है इस तरीके है का कॉम्प्लेक्स की दो सिमिट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंट और दो मोनोडेंटेड लीगेंट इसके बारे में बात करते हैं इसके लिए टोटल अगर आप देखोगे तो इसके जीआई कितने पॉसिबल हैं आप पाएंगे इसके टोटल तीन जीआई पॉसिबल है कैसे कैसे मैं बना के दिखाता हूं देखो मैंने एम लिया मैं पूरा बना के दिखा रहा हूं इसके लिए मैंने एम लिया एम के साथ ए को ए के ट्रांस पे रखा फिर इधर छोटा भी इधर छोटा भी इधर छोटा ए अच्छा सॉरी ये तो ए बी भी नहीं है ना सॉरी 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 ऐसे करते हैं इधर फिर से ए के ट्रांस पे ए को रखा और इधर से हमने बी छोटा बी और इधर से हमने छोटा बी अब आप देखोगे इस कॉम्प्लेक्स को हम कह सकते हैं ट्रांस विथ बी या ट्रांस इन बी बी के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस है सर एक कॉम्प्लेक्स है आप बोलोगे ठीक है दूसरा इसका पॉसिबल जीआई, या इसके जीआई सॉरी तीन नहीं इसके जीआई तो दो ही होंगे दूसरा इसका जीआई क्या होगा सर तो आप बोलोगे दूसरा इसका जो जीआई होगा एम वो इस तरीके से होगा अब हमने क्या किया ना सर बी को सिस पोजीशन पे पहले रख दिया और बी को सिस पोजीशन पे रखने के बाद एक ए इधर एक ए इधर और दूसरा ए इधर और फिर एक ए इधर इसने कोऑर्डिनेट किया अब आपको मैं ईमानदारी से अगर बताऊं तो ये बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस था ये ट्रांस इन बी सॉरी ये सिस इन बी है और इसमें याद रखना ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो इसके जीआई कितने हैं आप बोलोगे इसके जीआई जो है वो टोटल दो है इन दो में से जैसे मान लो दो है तो एक इधर रखा एक इधर रखा एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक ये हो गया एक इसका मिरर इमेज हो गया एक इसका मिरर इमेज हो गया तो अगर आपसे कोई पूछे इसके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने हैं तो आप बोलोगे दो अगर आपसे कोई पूछे इसके स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने हैं तो हमेशा याद रखना स्टीरियो आइसोमर का एक फॉर्मूला होता है क्या दैट इज ओ आई ऑप्टिकल आइसोमर प्लस जियोमेट्रिकल आइसोमर माइनस नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थे तो जैसे इसका जीआई कितना है दो ओ आई कितना है दो तो आप बोलोगे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा टू प्लस टू माइनस एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मतलब तीन क्यों हम दो कह रहे थे क्यों हम तीन कहते सुनो सर एक ये हुआ दूसरा ये हुआ तीसरा इसका मिरर इमेज तो टोटल तीन ठीक है बहुत बढ़िया अगला सवाल अगला सवाल अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके बारे में मेरे को बताना जितने भी कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं सब बहुत इंपॉर्टेंट छे के बाद सात नंबर में हम लिखेंगे जेई फेवरेट याद रखना ये जेई का दी मोस्ट फेवरेट कॉम्प्लेक्स है इसके लिए तो भाई कितना भी स्टार मत लगाओ इसके लिए दिल लगा लो सर जेई का सबसे ज्यादा फेवरेट कॉम्प्लेक्स है हर साल पूछा है हर साल इनफैक्ट नॉमन क्लेचर भी कई बार पूछा तो इसी का पूछा ऐसा है ये ये कॉम्प्लेक्स क्या है ये जेई मेन्स एडवांस दोनों का फेवरेट है सर एडवांस को तो पता नहीं कितना ही पसंद है कॉम्प्लेक्स है एम ए ए होल ट्वाइस बीसी इसके बारे में बता दो कितने जी आई कितने ओ इसके बारे में बता दो हां ये जेई का क्रस नहीं है यार ये जेई का हम सफर है जब से जेई चलता आ रहा है ये भी चलता आ रहा है यहां पे आप देखेंगे कि इसके जीआई टोटल पता है कितने होंगे आप बोलेंगे इसके जीआई टोटल तीन है इन तीन में से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, है ना एक ऑप्टिकली एक्टिव है कैसे दिखाता हूं देखो ये मैंने बनाया एम एम के साथ मैंने इधर इधर बना लिया। देखो। ए -ए इधर बना लिया लिया देखो और इसको कॉपी कर लिया क्योंकि तीन बार बनाना पड़ेगा बार बार इसको क्यों बनाऊंगा यहीं से काम चल जाएगा एक बार मैंने क्या किया एक बार मैंने या सॉरी एक मिनट इसके जी को देख लेते तीन है कि दो है रुक जाओ एक मिनट सॉरी मैं एस SI को जी लिख दे रहा हूं आई एम सॉरी यहां पे हाँ आप देखिए तो आप बोलेंगे सर ए इधर बना लिया फिर ए ए ए ए इधर इधर बना लिया एक बार. A A एक बार, इधर बना लिया लिया, एक एक बार, बार ठीक है? हाँ सर, इसमें हमने ऊपर बी को लगा दिया नीचे सी को लगा दिया फिर आप बोलेंगे सर इस केस में सॉरी तो मिटाई लेते हैं इस केस में हमने क्या किया सर बी और सी को सिस पोजीशन पे लगाया ये बी है और ये सी है सिस पोजीशन पे लगाया ऐसा कर सकते हैं क्या आप बोलोगे सर ऐसा कैसे इस वाले सिस पोजीशन पे नहीं लगा सकते सर हमें इसको ऐसे लगाना पड़ेगा बी और सी को फिर ए और ए इस तरीके से लगेगा और इस कंडीशन में आप बोलोगे ये वाला दोनों जी हो गए जी कितने दो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो गया दो स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा सर जी आई प्लस ओवाई माइनस नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दैट इज तीन इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्लियर ले है क्या क्या मेरी बात समझ में आई चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें सात नंबर के बाद एक और एग्जाम्पल फिर आइसोमेरिज्म से सवाल करेंगे आठ नंबर पे चलते हैं आठ नंबर का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास एम ए बी टू सी टू इसकी बात करते हैं इसके टोटल कितने आइसोमर मर होंगे फटाफट एक बारी कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए हाउ मच रिमेनिंग एक टॉपिक और बच रहा है इसके बाद दैट इज मेडल कार्बोनिल बास फिर खत्म एक छोटा सा टॉपिक फिर खत्म कर देंगे पीवाई क्यूज करके पंद्रह बीस पीवाई क्यू करेंगे फिर इसको खत्म ही कर देंगे सर तीन पांच सात पंद्रह पंद्रह कौन बोल रहा है बे आप बोलेंगे सर देखो इसके टोटल जी देख लेते एम बनाया एम के साथ मैंने ए ए इस तरीके से बना दिया इसको मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार मैंने क्या किया सर बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस बनाया तो ये क्या है सर ट्रांस इन बी तो दिस इज ट्रांस इन बी बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस है फिर मैंने क्या किया सी के रेस्पेक्ट में ट्रांस बनाया तो आप बोलोगे दिस इज ट्रांस इन सी एक और मजेदार बात सर अगर ट्रांस में सेम है तो बीच से काट देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस में सेम है बीच से कट करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी और आखिरी वाला जो है इसमें हम सबको सिस बनाएंगे मतलब यहाँ पे हम रखेंगे बी तो यहाँ पे रखेंगे सी यहाँ पे हम रखेंगे सी तो यहाँ पे रखेंगे बी दिस इज ऑल सिस जिसमें सब सिस है सर ए और बी दोनों और याद रखना इसके टोटल जी कितने हैं सर इसके जी का नंबर है तीन इसमें से ये वाला कंपाउंड ऑल सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब ऐसे जितना भी कंपाउंड हमने देखे ना सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है सर और सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर भी हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके दो और टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे तीन प्लस दो माइनस एक्टिव कंपाउंड और यह आ गया टोटल पांच में से एक गया चार आई होप मेरी बात आपको सभी को समझ में आई होगी जल्दी से बताइए फिर आखिरी चलते हैं सर कैन आई लीव डी एफ पी ब्लॉक फॉर मेन्स मैं इतना कहूंगा यार देख सीधी सी बात है पी ब्लॉक के पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ के जाइयो F ब्लॉक के नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना क्योंकि F ब्लॉक से कई बार बहुत ईजी सवाल आ जाते हैं बहुत ईजी सवाल आ जाते हैं क्या ये है बात क्लियर है बताइए बोलिए एक बच्चा पूछ रहा सर जिंक सी एल फोर वाई Uh, क्या बोलते हैं डायोमैग्नेटिक अब जिंक प्लस टू में ही होता है जिंक और कोई आयन नहीं होता या तो जिंक जीरो होगा या जिंक प्लस टू होगा जिंक प्लस टू में डी टेन कॉन्फिग्रेशन होता है डी टेन कॉन्फिग्रेशन मतलब खत्म और कुछ नहीं पेयरिंग वेरिंग नहीं होगी ठीक है हाँ तो अपने मर्जी से कॉम्प्लेक्स लिख के जिंक का कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट लाएगा तो वैसा नहीं होता है चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स है ये देख लो ये कॉम्प्लेक्सेस है ये कॉम्पलेक्सेज है इनके कुछ जीआई के नंबर दे रखे हैं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसको देख के जाना एक बारी है ना बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे फिर उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें ये भी क्या है सर कॉम्प्लेक्सेस हैं इन कॉम्प्लेक्सेस में आप देखेंगे तो सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है या सी है सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर नंबर पेयर ऑफ इनसियोमर पेयर ऑफ इनसियोमर मतलब ऑप्टिकल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है इसकी बात कर रहा है ये। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे ये वही कंटिन्यूड है सर नंबर ऑफ इन स्टीरियोर पेयर ऑफ इनियोमर कुछ सवाल कर लें बताइए कुछ सवाल करें एक सवाल करता है ये देखते हैं इसको सवाल क्या है सर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमरिज्म लिंकेज आइसोमरिज्म कौन दिखा रहा है बताइए चलिए अब जल्दी जल्दी सवाल करते हैं फिर हम आ, बीस मिनट लगेगा हमें बीस क्या पंद्रह मिनट लगेगा मेटल कार्बोनिल करने में स्टार्ट करते हैं इंटीजर टाइप का पहला सवाल ओ, इंटीजर टाइप नहीं सिंगल करेक्ट का पहला सवाल है बताइए चलिए पहला तो नहीं है वैसे तो बहुत सवाल कर लिए जल्दी जल्दी बताइए सर क्या हो जाएगा स्विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लिंकेज आयस उमर इसमें से लिंकेज आयस उमर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सर कोई एम्बिडेंटेड नहीं है सर इसमें कोई एम्बिडेंटेड नहीं है सर इसमें कोई एम्बिडेंटेड नहीं है सर इसमें एंबिडेंटेड है ये हो गया खत्म कितना टाइम लगा फिफ्टीन सेकेंड बहुत बढ़िया आ, बहुत बढ़िया यार हंड्रेड परसेंट सही बहुत जबरदस्त अगले सवाल पे मतलब हंड्रेड परसेंट तो मेरे को लगता है तो क्या बोलते हैं फोटो मोमेंट है है ना हाँ वो भी रात के बारह साढ़े बारह बजे वाह भाई अगर हम रात के साढ़े बारह बजे लेक्चर कर रहे हैं और अराउंड नौ सौ बच्चे देख रहे हैं उसमें हंड्रेड परसेंट तो बहुत ज्यादा होता है यार पढ़ने वाले बच्चे बच्चे हैं है ना चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल सवाल क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाई दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमरिज्म कर रहा है बताइए ये कौन सा आइसोमरिज्मिट कर रहा है बताइए एक बात ईमानदारी से बताना तीस सेकेंड टाइम ज्यादा है कि नहीं बताओ इस सवालों के लिए एक बार पढ़ने के बाद आरबीआई लगाने के बाद तीस सेकेंड टाइम ज्यादा है कि नहीं ये बता दो तो आप बोलोगे अरे सर ये भी कोई बात है क्या ये भी कोई बात है क्या ओ, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया सॉल्वेट के चक्कर में फंस गए लेकिन फिर भी 98.18 परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है वो भी रात के साढ़े बारह बजे ये तो मुझे लगता है इतिहास होगा भाई मंजिल सीरीज में पोल का इतिहास बना रहे हो तुम लोग बहुत बढ़िया चलिए इसके बाद आगे चलते कुछ कंपाउंड हम 2023 के कुछ सवाल करने के लिए आप तैयार हैं तो बताइए चलिए एक ये सवाल कीजिए फटाफट मेंस, दो हजार इक्कीस है ना 2021 का सवाल है चार बार इस बार पेपर हुआ था कोविड वाला साल था इसमें हुआ था चार बार शायद हाँ इसी में बताइए क्या आंसर होगा ये फलाना फलाना कंपाउंड दे दिया बोला कौन कौन सा शो करेगा इसकी बात करें तो सी एन है और दोनों कॉम्प्लेक्स है सर कैसा आइसोमर अरे कार्डिनेशन सर तो एक थ्री बताओ आगे करने की जरूरत ही नहीं है बे एक का थ्री टिक करते ही आधा खेला खत्म एक का थ्री खत्म हो गया सर और कुछ है ही नहीं बाकी ऑप्शन है ही चेक ही नहीं करना एक का थ्री कहीं है ही नहीं यार बाकी वैसे भी चेक कर लेते इसकी बात करें तो ये एनो टू माइनस है एनो टू माइनस लिंकेज शो कर सकता है इसकी बात करें ये हाइड्रेट या सॉल्वेट और हाइड्रेट एक ही है सर है ना फिर अगर इसकी बात करें इसमें का है भैया सिस ट्रांस है अब देखो 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 जेई का सवाल जेई का सवाल कौन सा कॉम्प्लेक्स है मैंने फेवरेट कॉम्प्लेक्स की लिस्ट दी थी क्या यह कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है एम ए ए होल्डस बी टू देखो भाई अब बोलोगे हाँ सर और उसका सिस वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो चलिए आगे चलते हैं अच्छा अब भाई इसका आंसर लिखा हुआ है यार इसको का है पोल में दे दिया मैंने ये तो नीचे आंसर लिखा हुआ है फिर भी तिरानवे अरे दादा कौन है यार ये इत... डी वाले हैं से आते इतने बुद्धिजीवी लोग मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आंसर में लिखा हुआ है इस पे आते हैं द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ट्रांस एनआई बी आर टू पीपीएस थ्री इतना एंड मर इतना क्या होगा सबसे पहले हमें ट्रांस इसको बनाना है ट्रांस का मतलब अलग अलग पोजीशन पे है ना बी आर आमने सामने, बी आर आमने सामने पीपीएस थ्री आमने सामने ठीक लग रहा है आमने आमने सामने PPS3 आमने सामने ट्रांस और कहीं है यहां पे भी ठीक लग रहा अच्छा, इसमें ही है इसको डी कर लो यार उसके बाद हमें मर दिया है मरीडोनियल और फेसियल में क्या होता है मरीडोनियल में मतलब नीचे ऐसे तीन एक साथ होने चाहिए ना तीन एक साथ एक ट्राइंगल में तो आप बोलोगे सर तीन एन एस थ्री एक ट्राइंगल में लगा दो ना एक ट्राइंगल में अबे एनओ टू अच्छा इसमें तो नहीं है सर ये ऊपर की तरफ है तो ये फेसियल हो गया ये फेस है इसकी बात करेंगे तो ये भी फेसियल हो गया सर ये फेस की तरह है इसकी बात करेंगे तो ये भी फेसियल हो गया सर फेस की तरह है इसकी बात करेंगे तो अच्छा मैं एन no टू को तो देख ही नहीं रहा एन no टू को देख लेता हूँ एन टू थ्री कुछ भी कुछ भी लिख दिया अंकल ने थोड़ी टाइपिंग एरर कर दिया यार पर कोई बात नहीं इसमें अगर हम देखेंगे तो ऐसा बनना चाहिए ऐसा है ना यहां पे ऐसा ट्रायंगल बनना चाहिए यहां पे ट्रायंगल देख ले दोस्त एनओ टू में ट्रायंगल वेंगल बन रहा है यहां बी आर लगा दिया है अंकल ने बी ऑप्शन बी ऑप्शन कैसे होगा वो तो फेसियल हो जाएगा ऑप्शन गड़बड़ है यार डी ऑप्शन में मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या अबे भाई ये ऊपर की तरफ है ये प्लेन में ऊपर की तरफ चला गया ये प्लेन में नीचे की तरफ चला गया इसके ट्रांस में ये इसके ट्रांस में ये इसके ट्रांस, में ये. जब तीनों ट्रांस पे होते हैं तो फेसियल बनता है जाने दो ये फर्जी सवाल है ऑप्शन ही गलत है हटाओ अंकल ने कुछ गड़बड़ कर दिया है इसको करते हैं चलो जई 2021 सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं सवाल कह रहा है द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली वैल्यू फॉर स्पीसीज फलाना 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 इन सभी स्पीसीज के लिए आपको बताना है मैं एक आपको और आरबीआई दे देता हूं हैश टैग इस सवाल को देख के मेरे को याद आया लिख लेना कहीं पे फॉर कोबाल थ्री प्लस ऑग्जलेट एंड वॉटर ऑल्सो एक्ट एस एफ एल इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेट की तरफ काम करेगा तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जीरो क्योंकि ये ये D6 में फील्ड है धोखा वाला सवाल है सर याद रखना ये धोखा वाला सवाल है उसके बाद अगर हम इसकी बात करें एफी सी एल टू ये कॉर्डिनेशन नंबर चार है आयरन प्लस टू है आयरन प्लस टू का मतलब डी सिक्स और कोई पेयरिंग नहीं होगी कोई पेयरिंग नहीं होने का मतलब है चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास है ना फिर अगर हम इसकी बात करें एम एन नेगेटिव की तो आप बोलोगे सर एम एन नेगेटिव के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में डी है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन और फिर जीरो तो आप बोलोगे चार कहा गया यार चार जीरो और एक ये वाला आंसर है ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 2021 देखिए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ ये ये और ये आर रेस्पेक्टिवली एक ये कॉम्प्लेक्स है एक ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है इन दोनों को देखेंगे तो आप बोलेंगे इस पे पे मैंगनीज है इस पे आयरन पे प्लस थ्री है इसकी अगर अपन बात करें तो ये कौन सा कॉन्फिगरेशन आ जाएगा डी फाइव कॉन्फिगुरेशन आ जाएगा इसकी अगर अपन बात करें तो आयरन प्लस थ्री भी डी फाइव कॉन्फिग्रेशन ही आ जाएगा बोलो हाँ क्या मेरी बात ठीक है तो आप बोलेंगे सर दोनों ही डी फाइव कॉन्फिग्रेशन है और दोनों में ही एस एफ एल है स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन मतलब ये आपका थ्री डी का डी टू हो गया इधर फोर एस हो जाएगा इधर फोर पी हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ सर आप बोलोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री और पाँच इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक ही होंगे सर और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं आगे चलते हैं इसके बाद मैं 2023 के कुछ सवाल दिखाता हूं है ना ये तो 2021 के सवाल हैं छोड़ दूंगा ये तुम करते रहना मैं 2023 के कुछ सवाल करना चाहता हूं जिससे तुम्हें करंट का आइडिया लगे 2023 का एक सवाल ये है देखो अच्छा इसके सवालों में तो आंसर भी मार्क्ड होगा तो वो मेरे को मिटाना पड़ेगा पहले चलो सवाल क्या है सर विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट भी एक्सप्लेन बाई क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी सी एफ टी इनमें से किसको एक्सप्लेन नहीं करता है सबसे पहला ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बोलोगे एक्सप्लेन करता है सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करता है कि पेयरिंग अनपेयर होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे भरे जाएंगे तो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल डी डी ट्रांजिशन से करता है स्टेबिलिटी ऑफ अ मेटल कंपाउंड ये नहीं कर पाता है सर स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नहीं करता है इसके बाद एक बहुत बेहतरीन सवाल मैं कराना चाहता हूं जो आपको बड़ा मजेदार सवाल है ऐसा टाइप का सवाल जेई ने अब पूछना चालू किया इसका आंसर तो ऑलरेडी छुपा हुआ है ना हाँ ऑलरेडी छुपा हुआ है इसके नीचे बहुत बढ़िया ये सवाल क्या है देखो सवाल कह रहा है कि यहां पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे रखा है और यहां पे बोला वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब अब याद रखना अगर मान लो इन दोनों के बीच में यहां पे मेरे पास क्या है सर यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं नीचे है मेरे पास ऑक्टा ये सभी ऑक्टा हाइड्रोल्प्लेक्स है, है टी टू जी ऊपर है ई जी अगर इन दोनों के बीच में गैप को मैं डेल्टा कहता हूं अगर ये डेल्टा ओ ज्यादा है तो आप बोलोगे एनर्जी ज्यादा एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम कैसे हमें पढ़ा है क्वांटम थ्योरी में ई बराबर एच सी अपॉन लैमडा लैमडा अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा फोटोन्स के लिए वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो आप बोलेंगे सर देखो यहां पे ना लीगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा लीगेंड जितना स्ट्रोंग होगा डेल्टा उतना ज्यादा होगा सबसे पहले पॉइंट सबसे पहला पॉइंट ठीक है तो आप इन तीनों में अगर कंपेयर करेंगे आप बोलेंगे इसके लिए लीगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग है इसके लिए डेल्टा मैक्सिमम होगा इन तीनों में पहला पॉइंट तो पहला नंबर पे ये आएगा दूसरे नंबर पे ये आएगा तीसरे नंबर पे ये आएगा ठीक है सर डेल्टा डेल्टा ज्यादा तो लेमडा कम ठीक है तो इसका लेमडा सबसे कम होना चाहिए लेकिन जब हम यहां पे आते हैं तो यहां पे हम देखते हैं ये कॉपर प्लस टू का कॉम्प्लेक्स है और कॉपर प्लस टू में ये कोऑर्डिनेशन ये वीक फील्ड इगेंड है तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सर और हमें यह भी पता है सर किसी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा की वैल्यू हमेशा कम होती है ऑक्टाहेड्रल से तो इसके लिए डेल्टा सबसे मिनिमम तो यह चार नंबर पे आ गया सर यह चार नंबर पे आया तो इसके लिए लैमडा मैक्सिमम हो जाएगा लैमडा मैक्सिमम मतलब चार का चार चार का चार इस ऑप्शन में है चार का चार इस ऑप्शन में है ठीक है दो ऑप्शन है हमारे पास और फिर इसके लिए डेल्टा मैक्सिमम है तो लेमडा मिनिमम होगा मतलब इसके लिए वन होना चाहिए तो आप बोलोगे सी का वन ये वाला ऑप्शन यही हमारा सही ऑप्शन हो गया इस तरीके से बहुत सारे सवाल हमें देखने को मिलेंगे इस तरीके से हमें बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे आइए अब एक आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं फिर सवाल जो है कुछ आपको होमवर्क में दे के ना सवाल छोड़ दूंगा बहुत सारे सवाल हैं इसमें वो आप आराम से करते रहना चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे हम बात किस चीज की करेंगे सर बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा अगला टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स, या फिर इसको हम एग्जाम्पल बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड का सिनर्जिक बॉन्ड का याद रखना सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं दे ऑल आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे आर मेटलिक कंपाउंड इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की श्रेणी में डालते हैं ठीक है इन सभी में लीगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं सर कार्बोनिल होता है बॉन्डिंग की बात करते हैं बॉन्डिंग किस तरीके से काम करता है ध्यान से ध्यान से से देखिए और सुनिए इसके केस में क्या होता है सर देखो अगर हम पहले कार्बोनिल का स्ट्रक्चर थोड़ा बेसिक तरीके से समझते हैं एकदम देसी तरीके तरीके से से अभी हम एमओटी के नहीं देसी तरीके से नहीं, तरीके समझते हैं तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन का दो इलेक्ट्रॉन इधर रहता है ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करता है अब तुम सोचो कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल में होता क्या है डोनर साइटिस कार्बन इसने भाई साहब खुद ने उधार लिया है और उधार लेके दूसरे को उधार दे रहा है जैसे मान लो तुमसे किसी दोस्त ने उधार लिया कि भैया बहुत गरीबी है खेत उत बेचना पड़ेगा पांच सौ दे दो यार मेस वाले को पैसा देना है नहीं तो खाना उना बंद करवा देगा मेस वाले को देना है नहीं तो खाना उना बंद हो जाएगा आपने दया खा के उसको पाँच सौ दे दिए और फिर आपको पता चला अगले दिन वो अपनी हाँ दोस्त के साथ सिनेमा देखने गया था तो आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा कि बेटा मेरे से तो पैसा तुमने बोला कि हम गरीब हैं मर जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा स्टेबिलिटी नहीं और तू स्टारबक्स में कॉफी पिला रहा है डेट पे जा रहा है हैं अभी तो खेत बेचने की नौबत थी तो मेरे को बताओ अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा कमजोर होगा तो इस बॉन्ड को बचाने के लिए ये मेटल क्या करता है ये मेटल बैक बॉन्ड बनाता है क्या बनाता है सर ये मेटल बैक बॉन्ड करता है और इसी बैक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड सिनर्जिक मतलब एक दूसरे को बचाने के लिए बनाया गया बॉन्ड एक दूसरे को बचाने के लिए बनाया गया बॉन्ड अब सीधी सी बात है कि अब यार एक बात ऐसा है कि अगर मान लो मेटल और कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक होना होगा सही बात है कि नहीं ये बताओ जैसे मान लो तुम स्टारबक्स में कॉफी मतलब तुम्हारा दोस्त स्टारबक्स में कॉफी पिला रहा था अपनी दोस्त को तुमसे पैसे उधार मांग के तुमने देख लिया और तुम हल्ला करने लगे क्या भैया तुमको शर्म नहीं आता है पैसा मांगा था मेरा बहुत इंपॉर्टेंट हमको किताब लेना था आर डी शर्मा किताब खरीदना था हमको आर डी शर्मा से हमको सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करना था पंकज सर बोले थे आर डी शर्मा से सारा ऑर्गेनिक कर लेने के लिए और तुम पैसा लेके चला गया अब हम किताब भी नहीं खरीद पाए और तुम यहाँ स्टार बक्स में कॉफ़ी पी रहा है तुम हंगामा खड़ा कर रहे हो तुम हंगामा खड़ा कर रहा हो तब तक क्या हुआ इस लड़की ने बोला कि भैया इतना तंग कर रहा है तुमको एक मिनट भैया नहीं बोला मतलब भैया तुमको बोला <laughs> दोस्त को नहीं तुम्हारे इसने क्या किया अच्छा 500 सौ की बात है पांच सौ रुपये निकाल के तुम्हें दे दिए अब अगर भैया इसने डाक बॉन्ड कर दिया इस मेटल ने है ना तुम तो चढ़ रहे थे इसके ऊपर कि सब लड़की सब ऐसे ही है छोड़ छाड़ के चली जाती है कुछ नहीं है ये है और इसने बैक बॉन्ड किया इसने तुम्हें पांच सौ रुपए पकड़ा दिए बोले 500 सौ की बात थी भैया कोई नहीं आप रखो गलती हो गई इससे मैं नादान है बेचारा तो बेटा तुम्हारे और दोस्त के बीच का बॉन्ड तो गया लेकिन सोचो उस दोस्त को तो ऐसे लगेगा ना कि मैं तो तेरे को बहुत बुरा आदमी समझा था रे तू तो देव मानुष निकला यही सीन यहां पे है और अगर ये लड़की वहां पे तुमको खुद बोलने लगे कि अरे हमको तो पता था कि तुम एकदम फटीचर हो पैसा वैसा है ही नहीं तुम्हारे पास गरीब हो तुम फालतू स्टारबक्स ले आए रहना ही नहीं हमको तुम्हारे साथ लड़की गायब हो जाए तो तुम खुद अपने दोस्त के लिए सिनर्जिक हो जाओगे कि अरे कोई बात नहीं यार तेरा दिल टूट गया है पैसा भी गया दिल भी टूट गया कोई बात नहीं दो महीना में चुका देना धीरे धीरे <laughs> है ना तो यही सीन पूरा यहां पे है तो अगर हम मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग देखें तो मेटल कार्बोनिल में मैं बॉन्ड्स की पूरी बात समझाता हूं आपको क्या होता है सर सबसे पहले मेटल और ये कार्बोनिल है ना दिस इज कार्बोनिल मैं ऐसे बना देता हूं अब मैं थोड़ा सा एमओटी के तर्ज पे लेके चलता हूं तो आप बोलोगे सबसे पहले क्या होता है ना इसके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट करते हैं डी ऑर्बिटल से किससे कोऑर्डिनेट करते हैं सर ये ये क्या है सर दिस इज सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन मेटल एंड कार्बन फिर क्या होता है सर कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं सर दीज आर पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल है यार मेटल ऐसे एकदम भूखा नंगा थोड़ी है मेटल के पास जो डी इलेक्ट्रॉन है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है और क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और बचाने के लिए दूसरा बॉन्ड बना तो इस बॉन्ड को ये वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं दिस इज बैक बॉन्ड जो किसके किसके बीच में बना सर तो आप बोलोगे डी ऑर्बिटल मेटल का और पाई एंटी बॉन्डिंग किसका कार्बोनिल का यह बैक बॉन्ड है सर कार्बोनिल में मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा पाई दोनों एग्जिस्ट करता है कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी सिग्मा पाई दोनों दोनों एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है बॉन्ड करते हैं सर ये बात भी याद रखिएगा तो आप बोलोगे ठीक है सर यहां तक की बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई इसका मतलब है दोनों में से एक ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा दोनों बॉन्ड एक साथ स्ट्रॉग नहीं हो सकते अब स्ट्रेंथ की बात क्या है तो अगर अभी इसने इस मेटल को इस कार्बन को क्या देना है इलेक्ट्रॉन देना है उस लड़की ने तुम्हारे दोस्त की फ्रेंड ने तुम्हें पैसे देने थे तो अगर मान लो इसके पास अगर मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सर बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी बैक बॉन्ड स्ट्रांग और बेटा जैसे ही बैक बॉन्ड स्ट्रांग हुआ सुन लेना मेरी बात अब ध्यान से जैसे ही बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुआ आप बोलोगे सर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा उन दोनों के बीच दूरियां कम हो जाएंगी लड़की ने मदद कर दी यार ऐसे कंडीशन में दोस्त मदद ना करे लड़की ने कर दी और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें अगर मान लो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो क्या होगा तो आप बोलोगे सर फिर तो भैया सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा फिर बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा आप कहेंगे सर बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कमजोर होगा और बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कम होने का मतलब आप कहेंगे सर यहां पे मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा सर क्या मेरी बात समझ में आई ये लॉजिकल एकदम आपके जीवन में ऐसा ही होगा आपके जीवन में ऐसा ही होगा मैं इसी को कॉपी करके एक बात और यही समझाता हूं ये कॉपी किया हुआ है है ना तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आ, किसको मिटा दे इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा के हम समझते हैं आगे की बात और अगर ऐसा है है ना कि यहां पे क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको समझा रहा हूं बड़े ध्यान से देखिएगा बहुत मजेदार बातें हैं अगर ऐसा हो रहा है सर पहला वाला केस बैक बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है बैक बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे भैया कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड गया।, गया मतलब कमजोर खत्म भाई लड़की ने जहां है ना अपना साथ निभाया तुम्हारे दोस्त के मन में तुम्हारे लिए जहर घुल जाएगा सर कि बताओ इसको तो हम पांच दिन से जानते हैं ये मेरा मदद कर दी। लेकिन वो दोस्त इसको हम बीस साल से जानते हैं वो पैसा के लिए नाटक कर दिया ठीक है अबे इसी को यही बैक बॉन्ड सिन बॉन्ड है दोस्त सिनर्जिक बॉन्ड कब होता है इसी बैक बॉन्ड को सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं गजब हो यार फिर अगर ऐसा हुआ मेटल और कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग अगर कमजोर हुई तो आप बोलोगे सर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा मतलब लड़की वहां से भाग गई बोली अरे भैया मार उड़ हुआ पिटा लड़का भाग गई लड़की लड़की भाग गई तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए ही इमोशनल हो जाएगा बात नहीं पांच महीना में पैसा सौ सौ रुपया करके दे देना कॉफी पी लेते हैं आओ हम लोग का उसको तंग कर कोई बात नहीं होता है कभी कभी हम तो पहले ही बोले थे कि सच बताओ मेस वाले को देने के लिए ही लिए हो क्या सच बात है यही है मेटल कार्बोनिल यही है मेटल कार्बोनिल अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं जैसे मान लो कंसीडर फॉलोइंग कंपाउंड्स एक सवाल सब आंसर उसी में कंसिडर फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल कौन कौन से मेटल कार्बोनिल है सर तो देखिए वी सीओ होल सिक्स और इसके ऊपर चार्ज है माइनस वन सीआरसी कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये सभी ई एन रूल फॉलो करेंगे तो सब पे छत्तीस इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए और तीसरा है एम एन सीओ होल सिक्स और इस पर प्लस चार्ज ये तीन कंपाउंड है सी ए बी सी आपको क्या करना है सबसे पहला कंपेयर सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सेकेंड मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ तीसरे में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ तो आइए देख लेते हैं सर बहुत ही सिंपल सा सवाल है देखिए आप बोलोगे सर इस पर ना देखो नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा इस पर कोई जीरो चार्ज है इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे ए जो है वो क्या है सर ए केस में वेनाडियम जो है नेगेटिव ये है इलेक्ट्रॉन रिच क्रोमियम जो है ये ठीक ठाक है सर बीच बाच में है है मैंगनीज प्लस इस जो इसमें क्या है सर इलेक्ट्रॉन की है सर कमी है भाई इसके पास तो आप क्या बोलेंगे आप सीधा सीधा ये बताएंगे सर कि कंपेयर सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आप सीधा सीधा क्या बताएंगे कंपेयर सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रेंथ तो आप बोलोगे सर देखो इस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन था तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इस पर थोड़ा थोड़ा चल जाएगा ये तो भैया तुरंत छूटते ही भाग लिया क्लियर है उसके बाद अगर हम मेटल कार्बोनिल बॉन्ड ऑर्डर की बात करें जहां सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ए में सबसे ज्यादा फिर बी में फिर सी में सर बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो या इन दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस फिर बी में फिर सी में फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बॉन्ड ऑर्डर के प्रपोशनल होता है सबसे ज्यादा ए में फिर बी में फिर सी में ये मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड था अब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अब अगर बॉन्ड 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 स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ सिनर्जिक बैक ज्यादा तो भैया कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो गया तो इस केस में सबसे कमजोर होगा और सी के केस में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड लेंथ अगर ये बॉन्ड कमजोर होता है बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा फिर अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की तो आप बोलोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बॉन्ड लेंथ का उल्टा ऑर्डर फॉलो करता है बताइए मेटल कार्बोनिल चमका या नहीं चमका अब मैं आपको आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं कुछ मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स बहुत ध्यान से देख लीजिएगा फिर क्लास खत्म करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ टूडे क्लास दैट इज मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है ना आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यू मेटल कार्बोनिल विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मेडल कार्तिक डायरेक्ट सवाल है सर सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके एनसीआरटी में जो दे रखा है वो एनआईसीओ होल फोर का दे रखा है याद रखना एनआईसीओ होल फोर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्रिस्टलाइज करता है दिस इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा एनआई ऊपर से सीओ इधर से सीओ इधर से सीओ और इधर से सीओ दिस इज NiCO होल 4 पहला कॉम्प्लेक्स जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है दूसरा कॉम्प्लेक्स आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो है FeCO होल 5 और ये FeCO होल 5 एकमात्र कोऑर्डिनेशन नंबर पांच का कॉम्प्लेक्स है जो आपके एनसीईआरटी में कहीं पे भी मेंशन्ड है याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर पांच में दो ज्योमेट्रीज हमने पढ़ी थी स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है और क्या कहते हैं टीबीपी भी हो सकता है इसकी जेमेट्री इसका जेमेट्री टीबीपी होता है सर किस तरीके से आप बोलेंगे आयरन ऊपर से कार्बोनील नीचे से कार्बोनिल और इस प्लेन पे 120 डिग्री पे तीन जगह से ऐसे कार्बोनील कोऑर्डिनेट करता है आप मेरे को एक बात बताओ सर कोऑर्डिनेशन नंबर पांच में कोऑर्डिनेशन नंबर पांच में आप कैसे पता लगाओगे कि कोई कॉम्प्लेक्स टीबीपी है या कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है मैं कुछ तरीका बता दूं सबसे आसान तरीका पता है क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है आप यह देख लो डायपोल मोमेंट क्यों इसमें डायपोल मोमेंट जीरो आएगा सर दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रक्चर इसमें डायपोल मोमेंट जीरो आएगा दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रक्चर लेकिन स्क्वायर प्लेनर में म्यू डाइपोल मोमेंट वाला नॉट जीरो होगा क्यों क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ अबे ये तो इस तरीके से होगा ना एम एल लीगेंड 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 और ऊपर की तरफ लीगेंड तो आप बोलोगे सर इसको नीचे कौन बैलेंस करेगा सर स्क्वायर पेरामीडल तो डायपोल मोमेंट आएगा याद रखना बड़ी भारी बात बताइए हल्के में उसके बाद हम आगे चलते हैं दो नंबर के बाद तीसरे नंबर का कंपाउंड आपके एनसीआरटी में जो दे रखा है दैट इज सीओ टू सीओ होल एट वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये डाइमर है सर दिस इज डाइमर ऑफ सीओ सीओ होल एट फोर का मतलब सीओ सीओ फोर का डाइमर है सर कैसे बनता है देखिए आप बोलेंगे सर देखो ये कार्बोनिल है सीओ मतलब कार्बोनिल मतलब सॉरी सीओ मतलब कोबाल्ट और ये दूसरा कोबाल्ट है सर मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि कोबाल्ट के बाद बाकी सभी कार्बोनिल को अलग कलर से बना दूंगा पता है क्यों क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर सारे सीओ ही है समझ ही नहीं आ रहा अब सबसे पहले क्या है इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड है मेटल मेटल बॉन्ड है दिस इज मेटल मेटल बॉन्ड फिर बीच में सीओ बॉन्ड इस तरीके से बीच में सीओ बॉन्ड इस तरीके से दो सीओ आ गए हाँ सर और कितने बचे तीन मतलब छे तो तीन तीन इधर लगा दो ये है इसका स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें सवाल क्या क्या पूछता है देखो सबसे पहला इसमें सवाल पूछेगा मेटल मेटल कितने बॉन्ड है? है? है ऐसे सवाल आपसे पूछेगा बहुत ही सिंपल है उसके बाद आगे चलते हैं तीन नंबर के बाद चार नंबर पे चलते हैं अगला कंपाउंड है एम एन होल फाइव एम एन सी ओ होल फाइव में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यह क्या करता है सर डाइमर बनाता है और यह एग्जिस्ट करता है एम एन टू होल टेन में किसमें एग्जिस्ट करता है सर एम एन टू होल टेन में किस तरीके से ये देखते हैं इसमें कोई ब्रिज लीगेंड नहीं होता है इस वाले कार्बोनिल को ना जो दो मेटल के बीच में फंसा हो इसको हम ब्रिज लीगेंड बोलते हैं ब्रिज में फंसा हुआ लीगेंड दो मेटल को जोड़ने वाला लीगेंड इसमें लीगेंड कोई मेटल को नहीं जोड़ता है मेटल मेटल से डायरेक्ट जुड़ता है और मेटल मेटल से जुड़ने के बाद पांच सीओ दोनों ही मैंगनीज़ पे लगे होते हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ये सभी स्ट्रक्चर थे उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आप देख सकते हो चार के बाद पांच नंबर पे दैट इज सी आर सी ओ होल ये कैसा होगा सर ऑक्टाहेड्रल होगा सिंपल ये क्रोमियम है क्रोमियम से जुड़ा सी ओ क्रोमियम से जुड़ा CO, क्रोमियम से जुड़ा सी ओ क्रोमियम से जुड़ा सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ क्रोमियम से जुड़ा सी ओ ये हो गया सारा का सारा स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर याद रखना दो तीन बार बना के चले जाना इन दोनों में ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर इन दोनों से कम से कम चार पाँच बार सवाल मैंने देख रखा है पिछले कुछ सालों में स्ट्रक्चर्स याद रखना बस इनका स्ट्रक्चर्स याद रखना चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं एक दो सवाल और करके कुछ ऐसे ही जाते जाते हंसते खेलते एक दो सवाल और कर लेते हैं देखो 2023 का सवाल देखो मेरे को तो देख के हंसी आ रही है बताओ इसका आंसर मेरे को तो इस सवाल को देख के हंसी आ रही है 2023 अप्रैल शिफ्ट दो पूछ रहा था सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन फलाना 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 फिर से न्यूमेरिकल आंसर टाइप का फिर से न्यूमेरिकल आंसर टाइप का सवाल है बे टाइम सेविंग सवाल न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कॉम्प्लेक्स का सवाल आया तो टाइम सेविंग सवाल है सर क्या होगा इसका आंसर आप बोलोगे सर देखो ना FeCO होल 5 0 चार्ज इसकी बात करें सर इस पे अगर हम बात करें x -2 +2 ये तो मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है ये ऐसा होना चाहिए देख लेते हैं VO2 टू के ऊपर प्लस होना चाहिए अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे x माइनस फोर इज इक्वल टू प्लस वन एक्स बराबर प्लस थ्री हो जाएगा ये टू अगर नीचे है तो VO3 थ्री पे आप बोलोगे कितना चार्ज इस पर प्लस सिक्स है सही है ना VO3 थ्री पे कितना चार्ज इस पे प्लस सिक्स है तो टोटल चार्ज का सम कितना हो गया सर बताओ बोलो बोलो तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे नाइन है अगर हम सही कर रहे हैं और अगर जो सवाल दिया अगर मान लो अंकल ने सही टाइप किया हुआ है तो आप बोलोगे इस पर तो जीरो हो जाएगा। अगर यही लिखा हुआ है अंकल ने वीओ टू प्लस तो इस वेडियम पे चार्ज कितना हो जाएगा सर आप बोलोगे x माइनस टू बराबर प्लस टू एक्स बराबर प्लस फोर हो गया और आखिरी वाले पे वीओ थ्री पे यहां पे प्लस सिक्स हो गया अगर यही सेम है तो ये अगर ये सवाल है तो आंसर आएगा टेन अगर ये है थोड़ा करेक्शन है तो आंसर आएगा नाइन देख लेते हैं एक बार अपन आंसर क्या आएगा पता लग जाएगा टाइपिंग सही है या गलत तो ठीक है टाइपिंग सही है मैंने है ना मैंने गलती कर दी कोई बात नहीं अपन ने दोनों तरीके से निकाल लिया अगर टाइपिंग सही है तो भी निकाल लिया टाइपिंग गलत है तो भी निकाल लिया तो अपने को दो सवाल मिल गए एक सवाल में दो सवाल आंसर देख अगला सवाल ओहो आंसर छुपाना पड़ेगा अगला सवाल क्या है सर ऑक्टाहेड्रल डाई मैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है डाई मैग्नेटिक है अच्छा ठीक है ऑक्टाहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हटा दो डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड वीक फील्ड आंसर पंद्रह सेकेंड खत्म में ज्यादा टाइम नहीं लेना है सर जे मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का सवाल इधर से साइड करना पड़ेगा नहीं तो तुम आंसर देख लोगे अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सवाल कह रहा है इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड देयर आर डैश पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू जी सेट टी टू जी सेट में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप बोलोगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मतलब फेरोसाइनाइड का मतलब क्या है सर दिस इज एफ सी एन होल सिक्स टू

पेयर छे कैसे हो जाएगा भाई ये वाला मतलब रॉकेट साइंस लगा रहे हो अगला सवाल वैसे इसमें आंसर दिख नहीं रहा है बहुत अच्छी बात है सवाल क्या है सर देखो कितना अच्छा सवाल है सवाल है कि लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स दे रखा है यहां पे आपको क्या बोला है डेल्टा ओ बताना है मतलब डेल्टा ओ के टर्म्स में आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज या वही सी एफ एस आपको निकाल के फाइनली बतानी है कि उन दोनों में स्प्लिट करने के बाद क्या एनर्जी आएगी ठीक है पहला पॉइंट पुण। दूसरा पॉइंट यह है कि इन सभी में आपको पेयरिंग एनर्जी को जीरो मान लेना है पेयरिंग एनर्जी को आप जीरो मानते हुए बताना तो अपन क्या करेंगे सर कुछ नहीं इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है आप बोलोगे सर ये वीक फील्ड लिगेंड है सभी वीक फील्ड लिगेंड है सर डी टू, मतलब टू कॉन्फिग्रेशन यह डी थ्री कॉन्फिग्रेशन यह डी फोर या डी फाइव कॉन्फिग्रेशन अच्छा सॉरी यह प्लस थ्री है प्लस थ्री का मतलब यह डी फोर कॉन्फिग्रेशन और यह डी फाइव कॉन्फिग्रेशन ठीक है हाँ सर सर डी टू के लिए हम क्या करेंगे आप बोलोगे नीचे भरो ना सर दो इलेक्ट्रॉन एक दो इसकी एनर्जी कितनी दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आ जाएगी आप बोलोगे टू इंटू इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी टू इंटू हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा हो तो माइनस जीरो पॉइंट एट आ जाएगा इसके लिए पहले वाले के लिए माइनस जीरो पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट एट तो वन का फोर दो ऑप्शन है बी सेम है सी डिफरेंट है सी पे चलते हैं सर D4 D4 कैसे भरेंगे एक दो तीन और चार इसके लिए क्या आ जाएगा सर तो आप इसके लिए सॉल्व करेंगे आप बोलेंगे सर देखो तीन इलेक्ट्रॉन नीचे तो थ्री इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ तो ये आ गया फोर थ्री जा माइनस वन पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स कितना माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ ये वाला ऑप्शन टू तो आप बोलोगे सर सी के लिए ऑप्शन टू सही हो जाएगा तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया क्लियर है अबे जेई मेंस के सवाल हैं भैया 2023 के कितने सवाल आ रहे हैं तुम देख रहे हो भर भर के सवाल आए हैं समझ गए चलिए फिर इसी के साथ हम आज की क्लास एंड कर देते हैं जो सवाल है इसमें छोड़ देता हूं आप आराम से सॉल्व कीजिएगा हम मिलेंगे फिर जेई मेंस के बाद या शायद जेई मेंस के सॉल्यूशंस के साथ है ना मैं बस आपको जाते जाते दो तीन बातों को बोलूंगा अगर आपको इस चैप्टर का एक मैं अगर क्विक रिकैप देना चाहूं अगर मैं इस चैप्टर का आपको एक क्विक रिकैप देना चाहूं तो बस इतना याद रखिएगा मैं ये बता देता हूं कि क्या क्या बिना पढ़े मत जाना इस चैप्टर में अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इस चैप्टर में तीन टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है सर थ्यूरीज फिर आपका आइसोमेरिज्म है ना थ्यूरीज़ और आइसोमेरिज्म ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्यूरीज़ में भी अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं बोलूँगा सी एफ टी एंड वी बी टी करके चले जाना इतना करने से तुम्हारा नंबर पक्का आ जाएगा सर और आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल एक्टिवली आइसोमर्स के मैंने जो केसेस बताए ना स्टार और दिल वाले उसको ज़रूर कर लेना सर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सवाल वहीं से आएंगे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सवाल वहीं से आएंगे तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में क्या आप मेन्थ्स के बाद ही मिलेंगे या मेंस के सॉल्यूशन वगैरह में मिलेंगे या कभी अगर रिजल्ट में तुम बढ़िया करते हो तो मैं अवेलेबल रहा क्लासेस में नहीं व्यस्त रहा क्योंकि आज भी मतलब मेरी ऐसी कि अभी मैं तुम्हारी क्लास खत्म करूंगा और फिर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा क्योंकि तो कल कुछ बैचेस में मेरे लेक्चर जाने हैं तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं कितनी देर की क्लास हो गई अपन ने पाँच बजे शुरू किया था पाँच बजे से अपन अगर देखें तो सात और एक आठ घंटे और अभी डेढ़ घंटे और रिकॉर्डिंग करके फिर घर जाऊंगा तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना जेई मेंस के एग्ज़ाम में मैं बस आपको दो ही बात बोलूंगा केमिस्ट्री के अंदर पेपर मैं पी सी थोड़ी बहुत मेरे को आती है बहुत ज़्यादा तो नहीं आती थोड़ी बहुत ही आती है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ पी और आई में आई का पार्ट कॉम्पेटिवली कम टाइम टेकिंग होता है पी के कुछ सवाल कैलकुलेटिव होते हैं अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको पी और आई में चूज़ करना हो तो मैं बोलूंगा कि आप आईओ को पहले प्रेफरेंस देना सोचना कि जो आसान है उसी को करना कठिन सवाल को मतलब ठीक है सवाल तुमसे बन सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है चैलेंज मत लेना कि मैंने तो इस चैप्टर पढ़ रखा है इसी के सवाल बनाऊंगा नहीं बे जो सवाल जल्दी बनेंगे उसको बनाना है ईगो पे लेके सवाल नहीं बनाना है हाँ स्मार्टली खेलना है ऐसा नहीं कि तुम बैटिंग करने गए क्रिकेट खेल रहे हो तुमने मुरलीधरन को देखा बोला मुरलीधरन को ही छः बॉल पर छः चक्के मारूंगा मुरलीधरन की बॉल पे नहीं लगेगा छः छक्का उसके लिए स्ट्रोअट बॉडी ही चाहिए और वो भी स्ट्रूअट ब्रॉड कब का जब वो बीस साल का था अब वाले ने तो भैया पाँच सौ विकेट पाँच क्या छः सौ विकेट चमका रखे हैं पाँच सौ या छः सौ विकेट है ना <laughs> तो अभी वाला तो फिर भी नहीं खाएगा तो मिलते हैं हम है ना आई होप आपको सेशन अच्छा लगा अगर सेशन अच्छा लगा तो लेक्चर एंड होने के बाद में जेई के साथ दिल बना देना और ये प्रॉमिस करो मेरे से कि जेई में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक भी सवाल छोड़ के नहीं आएंगे मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद अपना ध्यान रखें खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें बाय बाय टेक केयर जय हिंद